एरिया एंड इट्स बाउंड्री चैप्टर एक बहुत अच्छा चैप्टर है ध्यान से पढ़ना ये सिक्स सेवेंथ एट नाइन बाउंड्री फाइंड करने आने ही वाला है तो शुरुआत हो चुकी है यहाँ हम समझ लेंगे एरिया का मतलब क्या होता है बाउंड्री का मतलब क्या होता है क्या अलग अलग शेप्स के अलग अलग एरिया होंगे अलग अलग बाउंड्री की लेंथ होगी इसको क्या बोलते हैं बाउंड्री की लेंथ को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आज की क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर में आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट और नई-नई चीजें सीखने वाले हो जो सिर्फ ना कि बस लिखा पढ़ी यानी कि लिखने में ही काम नहीं आने वाला रियल लाइफ में भी यहाँ पे इससे आपको यूज समझ में आएगा इस चैप्टर से आया समझ में सो आई एम सलोनी राजपूत योर मैथ्स मिस सो हम पढ़ने रहे हैं क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर एरिया एंड इट्स बाउंड्री और ये चैप्टर आपके क्लास फिफ्थ मैथ्स मैजिक बुक का चैप्टर नंबर इलेवन है इसका क्या मतलब है टोटल दस चैप्टर्स हम फिनिश कर चुके हैं फिफ्थ क्लास के सो so, अब आप क्यों पीछे हो रहे हो जल्दी जल्दी जस्ट बगल अप और हमको फटाफट पूरा कोर्स अच्छी तरीके से पढ़ लेना है सो दैट खूब सारा रिवाइज कर ले हम एग्जाम के पहले और फिर एग्जाम में हमारे खूब अच्छे अच्छे मार्क्स भी आ जाए सो so, हम बिल्कुल आज ओवरव्यू लेंगे उसके पहले मैं बता दूं हमने दस चैप्टर्स खत्म कर दिए और लास्ट टेंथ चैप्टर कौन सा था टेंथ 10, 10, एंड हंड्रेड वाला राइट तो वहां तक सारा कुछ हमने सीख लिया है बहुत सारी चीज़ें सीख ली और आई होप आपने वो सारे चैप्टर्स एक एक बार फिर से रिवीजन कर लिए होंगे पर वहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं जिनने अभी तक रिवीजन नहीं शुरू किया है तो सबको रिवीजन शुरू कर देना है क्योंकि 10 चैप्टर कंप्लीट होना बड़ी बात होती है बच्चों है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10वें चैप्टर पे आ गए और पहला चैप्टर भूल गए ये तो बड़ी बुरी बात होगी इसीलिए जैसे ही टाइम मिले पीछे का कोई एक चैप्टर उठाओ पूरा रिवाइज करके उसको रख दो अगली बार जब टाइम मिले दूसरा कोई चैप्टर उठाओ पीछे का उसको रिवाइजन करो और रख दो सो so दैट आपको पीछे के चैप्टर्स भी सारे याद रहे और नए नए चैप्टर्स तो अब हम पढ़ते ही जा रहे हैं जैसे कि ये चैप्टर है और मैग्नेट ड्रीन तो आपको पहले दो चैप्टर स्ट्री में देने के बाद कंप्लीट कोर्स के आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा है यस मैग्नेट ड्रीन आपको अपने बेस्ट वीडियो क्लासेस पूरा कोर्स आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ताकि अब आपकी पढ़ाई किसी भी वजह से नहीं रुकना चाहिए तो अब बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खूब मन लगा के पढ़ाई करो और कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो सो so, नया नया चैप्टर है नई नई खुशी है तो देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है हमारा एरिया एंड इट्स बाउंड्री अब एरिया का क्या मतलब होता है तो एरिया ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार ये वर्ड सुना है इनफैक्ट पिछले कुछ चैप्टर्स में में भी बीच-बीच एरिया का जिक्र हुआ है अब ये एरिया एक्चुअली होता क्या है अगर वो मैं समझने की कोशिश करूं तो एक तरीके से फॉर एग्जाम्पल मेरा घर बना है एक पर्टिकुलर जमीन पर है ना तो वो जो जमीन है वो कितनी जमीन है उस जमीन का जो नाप होगा वो उस जमीन का क्या कहलाएगा एरिया यानी कि कितनी जगह पे मेरा घर बना हुआ है वो उस घर का क्या कहलाएगा एरिया कहलाएगा इनफैक्ट घर में भी अलग अलग एरिया हम कैलकुलेट करते हैं एक होता है हमारा लैंड एरिया और एक होता है हमारा बिल्डअप एरिया यानी कि हो सकता है कि मेरे पास जो ज़मीन है वो क्या है एक हज़ार स्क्वायर फीट की है यानी यहाँ से यहाँ तक ये यह जो पूरी ज़मीन है इसका जो मैं बोलूँगी कितने जगह में ये फैली हुई है और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ किससे वन थाउजेंड स्क्वायर फीट ना, एक हजार स्क्वायर फिट से आ, कि ये जो जमीन है मैं बता रही हूँ और इस पे जो मेरा घर है वो दो मंजिल तक बना हुआ है यानी ग्राउंड फ्लोर पे तो पूरा बना हुआ है पूरे एक हजार स्क्वायर फिट में ग्राउंड फ्लोर पे रूम्स हैं कहीं हॉल है कहीं कुछ है कहीं कुछ ना कुछ बना हुआ है उसके बाद उसके ऊपर एक और बार पूरे यहां से वहां तक के पे एक और पूरा एक हजार स्क्वायर फीट पे कुछ ना कुछ बना हुआ है इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर पूरा यहाँ से यहाँ तक बने हुए हैं रूम्स उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी यहां से यहाँ तक रूम्स बने हैं तो उसका जो बिल्डअप एरिया हो गया यानी कि कितनी जगह पर मेरा घर बना है वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा यानी से यहां तक स्क्वायर पे तो घर ही है उसके ऊपर और फिर एक हजार फिट पे घर तो टोटल दो हजार स्क्वायर फीट हो गया तो मैं बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना बिल्डअप एरिया लैंड एरिया नहीं समझना है हम बस एक आइडिया लेना चाह रहे हैं एरिया के बारे में कि कितनी जगह किसने घेरी है अगर यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है या मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया तो अभी ये स्क्वायर के अंदर कितनी जगह गिरी हुई है ये जो जगह है ये सारा एरिया कहलाएगा इस जगह का नाप मेजरमेंट तो वो हम कहेंगे कि इतना एरिया इस स्क्वायर ने जो है वो क्या किया है घेरा हुआ है यानी कि ऑक्यूपाई किया हुआ है तो यही यहाँ पे देखो पार्थ और गिरी नाम की ये दो बच्चियां हैं और ये आम पापड़ लेकर आई हैं। आम पापड़ क्या होता है ड्राइड मैंगो स्लाइस ओ गॉड मैंगो का नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है राइट right? मेरे को तो मैंगोस बहुत पसंद है जिसको अपन हिंदी में आम भी बोलते हैं और वो क्या होता है वो होता है फलों का राजा तो ये जो ड्राइड मैंगो है ड्राइड मैंगो स्लाइड जिसको हम आम पापड़ के नाम से जानते हैं तो ये लोग पार्थ और गिनी ये दोनों बच्चियां क्या लाई हैं ड्राइड मैंगो स्लाइस यानी कि आम पापड़ लेकर आई हुई हैं और अब उसके शेप्स के बारे में यहाँ डिस्कशन चल रहा है मतलब ये बहुत ही पड़ाकू बच्चियाँ हैं यानी कि ये जो आम पापड़ है खाने की चीज़ है उसमें भी पढ़ाई को ही ढूंढ रही है राइट पर हमको भी ऐसा ही बनना है जहां मौका मिले वहां से ज्ञान बटोर लो राइट जहां मिलने मिल रही है कोई चीज सीखने की वहां से हमको चीजें सीखना चाहिए ये जाहिर सी बात है तो यही कुछ हम पढ़ने वाले हैं एरिया के बारे में ये आम पापड़ ने कितनी जगह घेरी हुई है हम ये देखेंगे अब मैं बता दू कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल होते हैं स्क्वायर होते हैं ये सब शेप्स पढ़े हैं आपने स्क्वायर यानी बिल्कुल ऐसा चार साइडेड वाला फिगर ऐसा चार साइड चार साइड होती है जिसमें वो बंद होता है और चारों साइड्स उसकी होती हैं बराबर वो स्क्वायर और वही चार साइड का कुछ इस तरीके का फिगर या इस तरीके का फिगर जिसमें आमने सामने वाली साइड्स तो बराबर है ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है पर आपस में चारों बराबर नहीं है यानी ये अपोजिट साइड इक्वल है पर चारों साइड इक्वल नहीं है ऐसा चार साइडेड वाला फिगर क्लोज क्या कहलाता है रेक्टेंगल अब इसमें बहुत होते हैं और भी होते हैं पैलेलोग्राम होता है रोमबर्स होता है, है ट्रिपेजियम होता है अलग अलग प्रॉपर्टीज के चार साइडेड वाले फिगर होते हैं पर मैं बता दूं कि ये जो अलग अलग नाम दिए हैं हमने इन फिगर्स को इनका एरिया भी अलग होता है इनफैक्ट फॉर्मूला होते हैं के कि आप उस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए और आपको एरिया मिल जाएगा कि इसका एरिया कितना होगा तो इस टाइप का हम एरिया निकालना सीखेंगे दूसरी बात आती है बाउंड्री की बाउंड्री का मतलब क्या होता है बाउंड्री का मतलब होता है एक तरीके से आपके घर में मान लीजिए क्या है आपके घर में बाउंड्री करवानी है बाउंड्री मतलब कि आपके घर के चारों तरफ हमको फेंसिंग करवानी है सो so दैट क्या हो कि ये जो गाय घूमती रहती हैं डॉग्स घूमते रहते हैं रोड पर तो वो जल्दी से घर के अंदर ना घुस पाए वो बाउंड्री पर ही रुक जाए है ना तो इस हिसाब से हम बाउंड्री लगवा सकते हैं या फिर इस हिसाब से कि पेड़ लगा रखे थे हमने घर के चारों तरफ तो हमने फिर उसके पेड़ों के बाहर की तरफ फेंसिंग करवा दी सो so दैट बाहर से जो जानवर घूमते रहते हैं रोड पे वो पेड़ों को ना खा पाए है ना नहीं तो वो फूलों को खा जाएंगे वो खराब हो जाएंगे पेड़ हम तो बड़े शौक से लगाते हैं पेड़ सो so, उनको बचाने के लिए हम घर के चारों तरफ करवाते हैं फेंसिंग या उसी को मैं कहती हूँ बाउंड्री यानी कि बाउंड्री एक तरीके से क्या होती है एरिया सराउंडिंग मतलब बिल्कुल बाउंड्री का मतलब ही ये है कि बिल्कुल सराउंड जो कर रहा है जैसे कि अगर ये जो पीस है इसकी अगर मैं बाउंड्री की बात करूं तो बाउंड्री मतलब ये देखो ये ये यहां से यहां तक की ये जो लाइन मैंने ब्लू लाइन खींची ये इस आम पापड़ की क्या है बाउंड्री है इस बाउंड्री के अंदर अंदर ही आम पापड़ है इसके बाहर आम पापड़ नहीं है तो ये एक मतलब होता है क्या बाउंड्री का और बाउंड्री को हम एक और नाम से जानते हैं उसका नाम होता है पैरीमीटर अब ये जो पैराीटर है ये क्या होता है इसके भी अलग अलग फॉर्मुले होते हैं तो यस yes, बाउंड्री को हम पैरामीटर तो बोलते ही हैं इसके भी फॉर्मूले होते हैं उसमें आपको बस वैल्यूज रखनी है और लो बाउंड्री की लंबाई मिल गई आपको कि ये कितनी लंबी बाउंड्री है अभी ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कैसे पता चलेगा कि देखो ये यहाँ से यहाँ तक सिक्स दी है तो याँ से से तक तक भी होगी तभी एक बार लिखी है सेंटीमीटर दिया है तो याँ से याँ तक भी फाइव सेंटीमीटर होगा तो फाइव प्लस फाइव टेन हो गया सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व हो गया ट्वेल्व और टेन कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू के बराबर यानी कि इस बाउंड्री की जो लंबाई है पूरी कितनी बड़ी है बाउंड्री अगर मैं इस पर फेंसिंग करना चाहू फॉर एग्जाम्पल ये प्लॉट है एक लैंड है तो यहाँ से यहाँ तक छह सेंटीमीटर का फिर यहां से यहां तक 5, तो 6 और फाइव कितने हो गए सेंटीमीटर तो से से तो की क्या हो गई है एक बाउंड्री हो गई इसकी या मैं बोलू इसका पैरामीटर हो गया ट्वेंटी टू सेंटीमीटर क्लियर हुआ तो इस तरीके से हम एरिया और बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे अलग अलग शेप्स की जिसके हमें आम पापड़ का एरिया ज्यादा होगा उसका आम पेपर की स्लाइड जो होगी वो बड़ी होगी उसको हमें यहाँ देखना है और टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें हम इनको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट कवर विथ स्टैम्प्स स्टैम्प्स आपने देखे होंगे अब तो काफी कम हो गया ये पोस्ट कार्ड पोस्ट करना या लेटर्स यहां से वहां भेजना पहले जब ये फोन ओन नहीं चलते थे ज्यादा मोबाइल फोन्स नहीं थे व्हाट्सएप नहीं थे तो हम मैसेजेस ऐसे यहां से वहां तो भेज नहीं सकते थे कॉल कर नहीं सकते थे फोन नहीं थे तो फिर क्या होता था लेटर लिखकर पोस्ट करके आते थे हम पोस्ट बॉक्स में फिर जो पोस्ट ऑफिस से लोग होते थे उनको सेपरेट करते थे कौन सी सिटी का कौन सा लेटर है और फिर वो उस सिटी में पहुंचा के आते थे उनके घर पर तब जाके एक जगह से दूसरी जगह अगर आपके फ्रेंड रहते हैं रिलेटिव रहते हैं तो उनको मैसेज मिल पाता था इतनी लंबी प्रोसेस से और आज सोचो आज का टाइम कितना इजी है फट से फोन घुमाए और यहां से हम इनफैक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर किसी और देश में भी कॉल फटाफट कर सकते हैं सो so ये बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस हो गया है तो पहले के जमाने में जब हम लेटर भेजते थे लेटर लिखते थे चिट्ठियाँ लिखते थे तो तब इस तरीके के स्टैम्प्स का यूज करते थे उन लेटर के ऊपर स्टैम्प लगाना पड़ता था तो ये स्टैम्प्स के बारे में हम पढ़ेंगे इनका साइज क्या होता है एरिया क्या होता है ये सारी बातें इस टॉपिक के अंदर ये देखिए बहुत सारे स्टैम्प्स हो गए ये ऐसे ही चेक की और गैस ऐसे गैस करके हमको बताना है कि किसी चीज़ की कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होगी तो वो हम गैस करके यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं उसके बाद प्रैक्टिस टाइम में आपको बहुत सारे यहाँ क्वेश्चन देखिए सॉल्व करने मिलेंगे माय बेल्ट इज लॉन्गर किसका बेल्ट बड़ा है वो कोई बोल रहा है मेरा बेल्ट बड़ा है कैसे पता चलेगा किसका बेल्ट बड़ा है बेल्ट की जो लंबाई है लेंथ है वो नाप के पता चलेगा जिसके बेल्ट की लेंथ ज्यादा है उसका जो बेल्ट होगा इन सब में से वो क्या होगा बड़ा होगा वो कैसे पता चलेगा जब हम उनकी लेंथ नापेंगे तो लेंथ कैसे हम मेजर करेंगे इसकी वो एरिया कहलाएगा पैरामीटर कहलाएगा बाउंड्री कहलाएगा क्या कहलाएगा वो चीजें हमको यहाँ पे करनी है डिस्कस उसके बाद डिस्कस नाम से पजल नाम से बहुत सारे इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं पीपल पीपल एवरीवेयर पीपल पीपल एवरीवेयर यानी कि हर जगह लोग ही लोग हैं इसमें हमको क्या पढ़ना है वो जानना है मतलब इतने प्यारे प्यारे ये लोग टॉपिक के नाम लिख देते हैं ना देखिए शेयर द लैंड ताकि मतलब मन करने लगता है कि चलो यार पढ़ना चाहिए जानना चाहिए कि एक्चुअली ये पीपल पीपल एवरीवेयर इसमें क्या दिया हुआ है ना सो so इसी लिए इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रखे जाते हैं ताकि आपको समझ में आए तो ये सारी चीज़ें हमको एक्चुअली इसी चैप्टर में पढ़नी है एरिया एंड इट्स बाउंड्री में शुरुआत करेंगे हम वेरी फर्स्ट जो मैं आपको बता रही थी आम पापड़ वाली स्टोरी से ये जो आम पापड़ वाली हमारी स्टोरी थी जहाँ पे पार्थ और गिनी आम पे पापड़ लेकर आए हैं खरीद कर लेकर आए हैं अब उसको हमको क्या करना है पढ़ना शुरू करना है सो क्या दी हुई है आम पापड़ की स्टोरी वो बिल्कुल हम एक एक वर्ड पढ़ेंगे सबको समझेंगे स्लाइस इज बिगर का क्या मतलब है किस हुज मतलब किसकी स्लाइस किसकी स्लाइस की बात कर रहे हैं जैसे कि मैंगो स्लाइस होती है है ना आम का हम जब ऐसे कट करके एक ऐसा पीस निकालते हैं बड़े बढ़िया तो उसको हम क्या बोलते हैं स्लाइस बोलते हैं लाइक मैंगो का नाम सुन के ही मजा आ जाता है राइट सो so, यहाँ भी वही बात चल रही है कुछ मैंगो के ही बारे में और मैंगो के पीस एक स्लाइस की बात चल रही है कि किसकी स्लाइस है बिगर बिगर का क्या मतलब होगा बच्चों बड़ी स्लाइस किसकी है जब भी हम बहुत सारे कजिन एक साथ इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है मैंगोज आते हैं घर पे या तो मैंगो शेक बन जाता है या फिर हमको मैंगो को कट करके हमको पीसेस मिलते हैं सब बच्चों की नजर इसी पे होती है अपनी प्लेट पे कम नजर होती है दूसरों की प्लेट पे ज्यादा नजर होती है हमारी कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमको कम मिला हो मैंगो और दूसरों को मैंगो की स्लाइस ज्यादा मिल गई या फिर अगर एक एक स्लाइस मिली है सबको तो ऐसा तो नहीं कि हमारा वाला जो मैंगो का पीस है वो हमको छोटा मिला हो थोड़ा और हमारे भाई बहन जो और हैं उनको बड़ा पीस मिल गया हो ऐसा होता है हमेशा आपके साथ भी हुआ होगा राइट सो so, यहाँ पर भी क्या है दो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं क्लास फिफ्थ के ही हैं आपकी तरह एक का नाम है पार्थ और दूसरे का नाम है गिनी सो पार्थ और गिनी बॉट आम पापड़ पार्थ और गिनी ये देखिए यहाँ पे उनके फोटो भी बने हैं ये लोग क्या लेकर आए हैं बॉट मतलब लेकर आए हैं खरीदे हैं उन्होंने क्या आम पापड़ यमी आम पापड़ तो सुना होगा क्या होता है आम पापड़ को हम बोलते हैं ड्राइड मैंगो स्लाइस यानी कि आम को सुखा कर जो स्लाइस बनाते हैं उनको हम बोलते हैं आम पापड़ मोस्टली मैंगो शेक जैसा बना लेते हैं फिर उसको क्या करते हैं जमा देते हैं सुखा लेते हैं उसको एक थाली में करके ट्रे में करके धूप में जब वो धूप में सूख कर कैसी बन जाती है बहुत अच्छी मतलब मार्केट में भी एक चॉकलेट मिलती है ऐसी तरीके की ड्राइड मैंगो स्लाइस आम पापड़ वाली चॉकलेट तो उसमें क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी मैंगो की स्लाइस दिखती है तो वही स्लाइस जो है पार्थ और गिनी भी खरीद कर लेकर आए हैं आगे देखो क्या लिखा है फ्रॉमा शॉप यानी कि शॉप से खरीद कर लाए हैं वो लोग देअर पीसेस लुक डिलाइट दीज और यहाँ पे हमको फोटो दी है कि उनकी जो आम पापड़ यानी कि ड्राइड मैंगो की स्लाइस है तो उनके पीसेस कैसे दिख रहे हैं एक पीस ऐसा दिख रहा है ड्राइड मैंगो की स्लाइस का का इस शेप और दूसरा पीस जो है वो वो ऐसा दो लोग पार्थ और गिनी तो दो स्लाइस तो लाए होंगे तभी तो दोनों को एक एक स्लाइस मिलेगी तो एक की स्लाइस ऐसे दिख रही है दूसरे की स्लाइस का पीस कुछ ऐसा दिख रहा है अब देखने में तो अलग अलग पीस लग रहे हैं यार ये तो गलत बात है सेम पीस होते तो थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिल जाती कि क्या कि चलो यार मुझे और उसको दोनों को सेम सेम पीस मिले हैं इक्वल आम पापड़ खाएंगे पर अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो पार्थ है इसका पीस तो काफी लंबा दिख रहा है यार यानी कि क्या इसको बड़ा वाला मैंगो स्लाइस मिल गया और गिनी का जो पीस है लेकिन ये लंबा भले ही नहीं है पर इसका जो वृत्त है वो खूब सारी दिख रही है है ना यानी कि लंबाई में भले ही बहुत ज्यादा ना हो ये पीस बट चौड़ाई में काफ़ी ज्यादा है इधर इसकी चौड़ाई कम है पर लंबाई बहुत ज्यादा है तो कैसे पता चलेगा कि किसका पीस बड़ा है अरे यही तो हमारे टॉपिक का नाम है यानी कि किसकी मैंगो की स्लाइस ज्यादा बड़ी है क्योंकि ऐसे देखने में तो मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये जो पार्थ की स्लाइस है वो मैंगो की ज्यादा बड़ी होगी या फिर गिनी की स्लाइस होगी क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो पार्थ की मैंगो स्लाइस है वो काफी लंबी है यहाँ से शुरू होके यहाँ तक देखो कितनी लेंथ लिखी है 11 सेंटीमीटर लंबी स्लाइस है और वही इधर इसकी जो चौड़ाई है यानी कि व्रत है वो कितनी है इसकी थ्री सेंटीमीटर यानी कि ये जो आम पापड़ इसके पास है ये काफी लंबा तो है लेकिन चौड़ा ज्यादा नहीं है व्रत ज़्यादा नहीं है इसकी पर ये वाला दूसरा वाला पीस ए जो है इसमें लेंथ भले ही कम हो लेंथ कितनी है सिक्स सेंटीमीटर और वृथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक फाइव सेंटीमीटर मतलब चौड़ाई अच्छी खासी ज्यादा है लंबाई बहुत ज्यादा भले ही ना हो तो इसमें लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है इसमें चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है तो मैं एकदम से देख के नहीं बोल सकती कि, कि किसका पीस ज्यादा बड़ा है या फिर हु स्लाइसिस बिगर क्या करना होगा मेरे को मेरे को ये फाइंड आउट करना होगा यहाँ पर कि इन दोनों स्लाइसेस का ध्यान से सुनना कि इन दोनों स्लाइसेस में से किस स्लाइस का एरिया ज्यादा बड़ा है एरिया क्या पढ़ा था हमने प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था एरिया वो चिड़िया का नाम है वो चीज़ होती है एरिया जो हमें बताती है कि कोई भी चीज़ कितनी जगह घेरे हुए है बिल्कुल सही यानी कि अगर इस आम पापड़ को मैंने यहाँ रखा है तो इस आम पापड़ ने देखिए कितनी जगह घेरी हुई है यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत सारी जगह इस आम पापड़ ने घेरी हुई है इसका सीधा सीधा क्या मतलब होगा इसका मतलब है कि ये जो इतनी जगह इसने घेरी है ये क्या कहलाएगा उसका एरिया कहलाएगा आम पापड़ का तो हम देख लेंगे कि इस आम पापड़ का एरिया कितना है सिमिलर वे में ये जो हमारा दूसरा पीस है इसने कितनी जगह घेरी है यानी इसका कितना एरिया है ये भी मैं निकाल लूंगी है ना कैलकुलेट करूंगी अब जिसका एरिया ज्यादा यानी कि जिसने ज्यादा जगह घेरी हुई है वो क्या हो जाएगी स्लाइस बड़ी हो जाएगी वो मैंगो पीस बड़ा कहलाएगा पर इतना तो समझ आ गया हमको कि ठीक है, देखकर हम नहीं बता पाएंगे कि किसकी स्लाइस बड़ी है ठीक है एक बात हुई कि भाई देखकर तो पता नहीं चल रहा दूसरी बात हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि किस आम पापड़ ने ज्यादा जगह घेरी हुई है उस आम पापड़ का जो होगा स्लाइस वो बड़ा होगा बड़ी चीज ज्यादा जगह में रखाती है छोटी चीज छोटी जगह में रखा जाती है तो कौन कितनी जगह घेरे है वो होता है उसका एरिया अगर मैं इन दोनों का एरिया निकाल लू तो जिसका एरिया ज्यादा आएगा मुझे पता चल जाएगा कि उसने ज्यादा जगह घेरी हुई है यानी कि वो स्लाइस पक्का पक्का बड़ी है पर अब क्वेश्चन ये है मेरे सामने यार एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे मतलब मतलब अभी तक तो हमने मतलब कौन कितनी जगह घेरे है देख तो सकते हैं हम पर क्या हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं यस 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 हम बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया किसी भी शेप का अब यहाँ पे एक शेप ही दिया हुआ है ये देखिए कैसा शेप है एक चार साइड से क्लोज्ड फिगर है बनने वाला इसकी जो लेंथ है यानी यहाँ यहां तक की लंबाई छ मीटर तो इसके सामने वाली भी क्या होगी छ मीटर सेंटीमीटर के ही बराबर सॉरी सेंटीमीटर में है ना सेंटीमीटर इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक कितना है पांच सेंटीमीटर इसके सामने भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा फाइव सेंटीमीटर इसका मतलब ये एक ऐसा चार साइड से बनने वाला क्लोज फिगर है जिसकी लेंथ कितनी है कितना लंबा है छ सेंटीमीटर के बराबर और कितनी चौड़ाई है पांच सेंटीमीटर के बराबर और याद करो ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं जिसमें लेंथ और व्रथ होती है किस कैसी अपोजिट साइड्स इसकी बराबर है ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है ऐसा चार साइड का क्लोज फिगर जिसमें आमने सामने वाली side, मतलब वाली साइड मतलब अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बिल्कुल बराबर होती हैं इस टाइप के चार साइड से बनने वाले क्लोज फिगर को हम बोलते हैं रेक्टेंगल चार साइड से बनने वाला क्लोज फिगर जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं उसको क्या बोलते थे हम स्क्वायर बोलते थे तो स्क्वायर्स में चारों साइड बराबर होती हैं पर रेक्टेंगल में चारों बराबर नहीं है सिर्फ आमने सामने वाली एक दूसरे के बराबर है चारों आपस में बराबर नहीं है तो इतना मेरे को समझ में आ गया कि ये एक रेक्टेंगल शेप है इसी तरीके से दूसरा वाला शेप देखो इस वाले शेप में इसका बता सकते हो ये कैसा शेप है इसमें देखो इसकी जो लेंथ है कि यहां, यहां तक उसकी कितनी लंबाई है यहाँ लिखा हुआ है इलेवन सेंटीमीटर यानी कि ये जो आम पापड़ का पीस है ग्यारह सेंटीमीटर लंबा है और इसके सामने वाली साइड भी ग्यारह होगी देखो वो भी यहां से यहाँ तक ही है यानी कि ये वाली साइड भी कितनी होगी ग्यारह सेंटीमीटर वही इस तरफ देखो यहां से लेके यहां तक ये यह हो गई इसकी चौड़ाई के कितना चौड़ा है वो आम पापड़ वाइड है तो वो दिया हुआ है थ्री सेंटीमीटर सिमिलरली इसके सामने आओगे तो यहां से यहां तक ही वो उतना है यानी अगर वो थ्री सेंटीमीटर है तो ये भी थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा दैट मीन्स मुझे क्या पता चल रहा है ये भी चार साइड से बनने वाला फिगर है इसमें भी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है बराबर ये ग्यारह तो ये ग्यारह ये थ्री सेंटीमीटर तो ये थ्री सेंटीमीटर यानी कि इस आम पापड़ की लंबाई यानी लेंथ इलेवन सेंटीमीटर है चौड़ाई यानी कि वृत्त थ्री सेंटीमीटर है यानी कि ये वाला शेप भी क्या हो गया रेक्टेंगल हो गया तो अब अगर कहीं से कोई मेरे को क्या बता दे कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं तो फिर मैं मेरे मजे हो जाएंगे क्यों क्योंकि मेरे को एरिया ही तो फाइंड करना है मैंने देखो अपनी स्मार्टनेस से इनका शेप तो देख लिया कि इनका शेप तो है दोनों का रेक्टेंगल शेप है क्योंकि चारों साइड्स बराबर नहीं है सिर्फ आमने सामने यानी कि अपोजिट वाली साइड्स बराबर है रेक्टेंगल so, शेप है ये कंफर्म हो गया बस अब मुझे इतना ऐसा और पता चल जाए कि इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं एरिया मतलब कि ये रेक्टेंगल कितनी जगह घेरे हुए है वही उसका होगा एरिया तो देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे और आगे लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें बोथ कुड नॉट मेक आउट हुज पीस वॉज बिगर यानी कि पार्थ और गिनी दोनों ही समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसका पीस इसमें से बड़ा है सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हुज पीस इज बिगर डिस्कस तो हमको कोई वेज को सजेस्ट करना है यानी कि बताना है कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि किसका पीस बिगर है पार्थ को बड़ी वाली मैंगो स्लाइस मिली है या गिनी को बड़ी वाली मैंगो स्लाइस मिली है ये हमारा मोटिव है फाइंड करने का तो अ फ्रेंड ऑफ पार्थ यानी कि अ फ्रेंड ऑफ पार्थ एंड गिनी पार्थ और गिनी का एक फ्रेंड था एक दोस्त था शोड वन वे एक तरीका बताया उसने फ्रेंड ने यूजिंग स्मॉल स्क्वेयर्स किसका यूज किया उसके फ्रेंड ने उसके फ्रेंड ने पार्थ और गिनी का एक दोस्त है फ्रेंड है उसने एक तरीका बताया कि कैसे आप फाइंड कर सकते हो कि आप दोनों के मैंगो स्लाइसेस में से किसका मैंगो स्लाइस बड़ा है तो वो तरीका ये था कि आपको क्या करना है यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर्स का यूज करना है स्मॉल स्क्वायर्स याद है ना पहले भी हम शीट स्क्वायर ग्रिड पढ़ चुके हैं ऐसी ग्रेड जिसमें हर साइड क्या है एक सेंटीमीटर के बराबर चारों साइड बराबर होंगी तभी वो क्या होगा स्क्वायर होगा और स्मॉल स्क्वायर्स हम कौन से लेते हैं छोटे छोटे स्क्वायर्स जिसकी हर साइड कितनी हो एक एक सेंटीमीटर के बराबर हो यानी कि हमने कुछ इस तरीके के स्क्वायर्स का यूज किया है जिसमें हमें वन सेंटीमीटर की साइड्स दी हुई है अब उसने किस तरीके से यूज किया है आइए देखते हैं अपन द लेंथ ऑफ पीस ए इज सिक्स सेंटीमीटर ये जो पीस ए है लिखा है उसकी जो लंबाई है लेंथ है वो कितनी दी हुई है सिक्स सेंटीमीटर के बराबर दी हुई है आगे दिया है सो सिक्स सेंटीमीटर कैन बी अरेन्ज अलोंग इट्स लेंथ यस लिखा है क्योंकि इस रेक्टैंगल की लंबाई यानी कि लेंथ सेंटीमीटर के बराबर है तो हमारे जो छोटे छोटे स्क्वायर्स होते हैं उनकी लंबाई कितनी होती है लंबाई चौड़ाई सब क्या होती है एक एक सेंटीमीटर के बराबर होती है तो ये जो हमारे छोटे वाले स्क्वायर्स हैं हमारे पास जिनकी लेंथ वन सेंटीमीटर के बराबर है तो वो बताइए आप जरा कितने स्क्वायर्स यहाँ रखा जाएंगे ये वन सेंटीमीटर फिर से वन सेंटीमीटर ये तीसरा वन सेंटीमीटर फोर्थ वन सेंटीमीटर फिफ्थ वन सेंटीमीटर और ये सिक्स्थ वन सेंटीमीटर टोटल कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यानी कि ये वन वन सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे जो स्क्वायर्स हैं, ये टोटल छ स्क्वायर्स एक के बाद एक लेंथ के अलोंग जमा सकते हैं हम तो सेंटीमीटर की लेंथ में सब जम जाएंगे है ना एक एक सेंटीमीटर के हैं तो एक एक एक-एक रखा मैंने तो टोटल छे हुए तब छे सेंटीमीटर की लेंथ में बने वो इसी तरीके से इसकी जो व्रथ है वो कितनी है पांच सेंटीमीटर तो अगर मुझे इसके व्रत के अला कुछ स्क्वायर्स जमाने हैं तो वो मैं कैसे जमाऊंगी कुछ इस तरीके से एक तो यही का यही हो जाएगा ठीक है दूसरा क्या होगा एक ये हो गया फिर ये दूसरा थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये भी वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर ये भी वन और ये भी वन टोटल कितने हुए वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि अगर सिर्फ वृत्त के अलोंग देखूँ मैं तो पांच स्क्वायर जमे हुए हैं लेंथ के अलोंग देखूँ मैं तो छह स्क्वायर जमे हुए हैं तो थोड़ा सा मतलब समझ में आ रहा है आपका कि देखो पहली लाइन में कितने स्क्वायर्स छह स्क्वायर्स फिर दूसरी लाइन में भी इसी तरीके से छह आ जाएंगे तीसरी लाइन में भी यहाँ छह आएंगे चौथी लाइन में भी छह स्क्वायर्स और ये आखिरी पांचवी लाइन में भी छह स्क्वायर्स आ जाएंगे इसी तरीके से ऐसे में अगर वर्टिकली देखो तो हर लाइन में वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच यहां पांच यहां पांच स्क्वायर्स यहां पांच स्क्वायर्स यहां पांच स्क्वायर्स यहां और पांच यहां तो इस तरीके से देखो हमारे टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए बच्चों ये देखिए हमारे पास हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन eight, nine, ten, eleven, twelve, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 यानी कि टोटल तीस स्क्वायर्स हो गए यहां मेरे पास जो इस मैंगो स्लाइस में जम सकते हैं छोटे वाले स्क्वायर्स एक स्क्वायर का एरिया पता है कितना होता है अरे भूल गए क्या एक जो स्क्वायर छोटा वाला लेते हैं हम उसका एरिया कैसे निकालते थे हम साइड इंटू साइड करके है ना हम निकालते थे एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला यानी कि एक छोटे से स्क्वायर ने कितनी जगह घेरी हुई है वो होगा उसका एरिया ऑफ स्क्वायर और उसका फॉर्मूला होता था साइड बाय साइड यानी कि एक साइड में दूसरी साइड का मल्टीप्लाई करो अब स्क्वायर में तो चारों साइड बराबर होती है दैट मीन्स ये साइड भी वन सेंटीमीटर ये भी वन सेंटीमीटर वन इंट वन वन सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि इस छोटे वाले एक सेंटीमीटर के लेंथ वाले स्क्वायर की एरिया जो है वो वन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो अगर यहां मैंने तीस छोटे वाले स्क्वायर्स स्लाइस के अंदर बन गए कोई जगह बची भी नहीं है स्लाइस का क्या होगा एक छोटे स्क्वायर का एरिया एक सेंटीमीटर स्क्वायर तो थर्टी स्क्वायर्स का एरिया क्या होगा थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर यस हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ वन स्क्वायर इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ थर्टी स्क्वायर कितना होगा वन मल्टीप्लाइड बाय थर्टी दैट इज थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर दैट मीन्स ये जो स्लाइस है पीस ए जो है वो कितना बड़ा है वो तीस सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह को घेरे हुए है इसी तरीके से ये जो पीस बी है इसको भी मैं फाइंड कर सकती हूँ इस पीस बी में अगर मैं छोटे छोटे वही वन सेंटीमीटर वाले स्क्वायर यहाँ अरेंज करूं तो कितने स्क्वायर्स अरेंज हो सकते हैं बताइए जरा क्योंकि ये पूरी लंबाई 11 सेंटीमीटर की है तो एक एक सेंटीमीटर वाले टोटल कितने स्क्वायर्स आ सकते हैं यहाँ पे 11 स्क्वायर इसी तरीके से यहाँ पे तीन सेंटीमीटर है तो एक एक सेंटीमीटर वाले कितने स्क्वायर्स आएंगे तीन स्क्वायर तो तीन तीन स्क्वायर ऐसे ऐसे में आएंगे देखिए सब में और ग्यारह स्क्वायर ऐसे में आएंगे तो या तो आप ऐसा कर लो कि पहली लाइन में इलेवन स्क्वायर दूसरी लाइन में इलेवन स्क्वायर और तीसरी लाइन में इलेवन स्क्वायर टोटल कितने हो गए वन टू थ्री वन टू थ्री इलेवन 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 एड किया थर्टी थ्री स्क्वायर्स आपके कहा बनेंगे इस वाले सेकेंड पीस में पर ये जो थर्टी थ्री स्क्वायर हैं ये तो इस पीस में बन गए हैं स्क्वायर का एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर तो 33 का क्या एरिया होगा थर्टी थ्री का एरिया होगा थर्टी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर राइट सो थर्टी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर एरिया हमको मिल गया इसका पीस बी का वही पीस ए का जो एरिया है वो कितना है वो है थ्री जीरो थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर तो एक पीस है तीस सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर जगह घेरे है एक तैतीस सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर घेरे है जगह एक का एरिया थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर है पीस बी का एरिया थर्टी थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका सीधा सीधा क्या मतलब है इसका मतलब है कौन सा पीस बड़ा पीस बी बड़ा होगा क्योंकि इसमें ज्यादा स्क्वायर्स बन रहे हैं इसलिए इसका एरिया ज़्यादा है ये तो बात हमारे समझ में आ गई इजी ही थी कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर वाला स्क्वायर लिया मैंने और उसको लेंथ की तरफ जमाया तो छह ऐसे जम गए कितनी लाइंस बनी वो ये बताएगा व्रद्ध पांच स्क्वायर ऐसे में जमे तो हर बार पांच लाइन में छ छ स्क्वायर जम जाएंगे तो यहाँ से टोटल स्क्वायर निकाल लो यहाँ के टोटल स्क्वायर निकाल लो जितने स्क्वायर हैं उतने ही स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया हो गया यानी कि जितने ज्यादा स्क्वायर जिसमें बन रहे वो पीस बड़ा है समझ गए पर थोड़ा सा मतलब ये लेंदी नहीं लग रहा सॉल्यूशन मतलब कितने सारे स्क्वेयर जमाना पड़ेंगे हमको चलो पूरे जमाए भी नहीं तो भी कैलकुलेट तो करना पड़ेगा कितने स्क्वायर हुए कोई इजी तरीका नहीं है क्या है एक इजी तरीका भी है क्या है वो इजी तरीका कि आप इतना सारा कुछ ना करके क्या करो मतलब स्क्वेयर्स तो रखो आप पर सिर्फ एक एक लाइन जमा लो आपको पता है पहली लाइन में कितने स्क्वायर्स आएंगे सिक्स स्क्वायर्स आएंगे राइट right? तो ये स्क्वेयर्स मैंने यहां पर जमा दिए वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स यहाँ पे आपके हो गए हॉरिज़ॉन्टली छ स्क्वायर वर्टिकली देखो लंबाई में कितने स्क्वायर्स आने वाले हैं वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि लंबाई में छह स्क्वायर आ गए चौड़ाई में पांच स्क्वास आ गए तो अब ये तो बहुत ही फुलिशनेस ही होगी कि मैं पूरे स्क्वेस जमाऊं फिर उनको काउंट करूँ एक बहुत अच्छा तरीका है कि बिना पूरे स्क्वास जमा के भी मैं काउंटिंग कर सकती हूँ कैसे यहां पे हॉरिजॉन्टली सिक्स स्क्वेयर्स है वर्टिकली पांच ये वाला स्क्वायर दोबारा काउंट हो रहा है पर करेंगे हम क्योंकि ये चीज हम हॉरिजॉन्टली में भी लेंगे और ये हिस्सा हम वर्टिकली में लेंगे तो वन को दोबारा आ जाने दो कोई दिक्कत नहीं है तो छह स्क्वायर ऐसे हॉरिजॉन्टली में है पांच वर्टिकली में है इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई जब सिक्स का मल्टीप्लाई फाइव से करोगे तो सिक्स फाइव टाइम्स कितना होता है सिक्स फाइव टाइम्स होता है थ्री जीरो तो एरिया आया था हमारा थर्टी स्क्स में तो थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या है ट्रिक देख लो हॉरिजॉन्टली कितने स्क्वायर्स हैं और वर्टिकली कितने स्क्वायर्स हैं एक रिपीट होगा कॉर्नर वाला उसे होने देना कम मत कर देना कि हॉरिजॉन्टली छह गिनो और फिर वर्टिकली यहां से यहां तक गिनो नहीं ऊपर से ही गिनेंगे हम यहाँ और यहाँ पांच सिक्स का मल्टीप्लाई फाइव से किया थर्टी आ गया और भी अच्छा तरीका ये जो सिक्स था ये क्या था लेंथ थी और ये जो फाइव था ये क्या था वृत्त थी अगर कोई रेक्टेंगल है और उसका एरिया निकालना है ध्यान से देखो फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ रेक्टैंगल एक रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा इस को मिलेगा लेंथ का जब हम वृत्त से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उस रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा वही तो क्या हमने 6 और 5 क्या थे लेंथ और विड्थ थे उन्हीं को तो मल्टीप्लाई करके आंसर मिल रहा है दैट मींस अगर मुझे ये पता होता पहले ही तो इतना हेडेक ही नहीं लेती मैं मैं सीधा क्या करती यहाँ देखो लेंथ हमारी कितनी दी है इलेवन सेंटीमीटर वृत्त यानी चौड़ाई कितनी दी है थ्री सेंटीमीटर मेरे को पता है, का होता है ना अगर कोई रेक्टेंगल है तो उसकी लेंथ को ब्रथ में मल्टीप्लाई करो तो उसका एरिया मिल जाएगा यहाँ इलेवन में थ्री का मल्टीप्लाई करो थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पीस बी का है और यहाँ थर्टी सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पीस ए का है मुझे क्लियरली दिख रहा है ये 30 सेंटीमीटर 33 सेंटीमीटर 33 बड़ा होता है 30 से यानी कि जो पीस बी है वो बड़ा होगा अब इसको लिखना कैसे है एक बार देख लो समझ तो लिया हमने कि यहाँ पे फाइव स्क्वायर कैन बी अरेंज अलोंग व्रथ यानी कि बोल रहे थे वो एक एक सेंटीमीटर के छह स्क्वायर लेंथ में अरेंज हो जाएंगे पांच स्क्वायर ऐसे वृत्त में रखा जाएंगे आगे क्या लिखा हुआ है देखिए यहां पर देखिए ये अरेंज करके इन्होंने बता दिया हमको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स छह स्क्वायर लेंथ में और ये वन टू थ्री फोर फाइव वाइज तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ पीस ए इज सिक्स सेंटीमीटर सो सिक्स स्क्वायर ऑफ साइड वन सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ क्योंकि इस रेक्टेंगल की लेंथ लंबाई 6 सेंटीमीटर के बराबर है तो वो जो छोटे वाले स्क्वायर होते हैं एक एक सेंटीमीटर लंबाई के वो ऐसे 6 स्क्वास लंबाई में रखा जाएंगे इसी तरीके से जो व्रथ है पी से की वो 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर चौड़ा है तो पांच स्क्वायर्स व्रथ में रखाएंगे आगे देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लिखा हुआ है ऑल टुगेदर हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड ये क्वेश्चन पूछा है कितने स्क्वायर हो जाएंगे तो पी से में कितने स्क्वायर आ रहे हैं थर्टी स्क्वायर्स एरिया ऑफ पी से कितना आ रहा है सेंटीमीटर सेम वे एरिया पीस बी का कितना आ रहा है इलेवन इंटू थ्री थर्टी थ्री स्क्वायर सेंटीमीटर अब ये स्क्वायर सेंटीमीटर क्या है ये तो दिक्कत नहीं है ना सेंटीमीटर में जब सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होता है तो दो सेंटीमीटर हो जाएंगे है ना इलेवन का थ्री में मल्टीप्लाई हुआ थर्टी थ्री मिला सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई हुआ तो दो सेंटीमीटर बताने हम ऐसे लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं उसको कि ये दो बार मल्टीप्लाई होके बना है तो उसको स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर इस तरीके से लिखते हैं ये सेंटीमीटर में एरिया की यूनिट होती है आगे देखिए और क्या लिखा हुआ है इसमें हु हैड द बिगर पीस हाउ मच बिगर किसको बड़ा पीस मिला और वो पीस कितना बड़ा था सो द एरिया ऑफ पीस बी इज बिगर देन एरिया ऑफ पीस ए क्या लिखोगे आंसर कि पीस बी का एरिया बड़ा है पीस ए से तो उनके में डिफरेंस यानी कि कितना अंतर है एक पीस 33 सेंटीमीटर स्क्वायर का है दूसरा पीस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का है अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ आपके भाई को 33 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा पीस मिला, आपको 30 सेंटीमीटर तो उसको कितना बड़ा पीस मिला आपसे क्या करोगे माइनस करके देख लोगे 33 में से 30 जाएंगे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा तो हम कहेंगे तीन सेंटीमीटर स्क्वायर इतना पीस ज्यादा मिल गया मेरे भाई को मुझसे है ना सो so, वही देखो कि डिफरेंस यानी कि इन दोनों में अंतर क्या होगा 33 थ्री माइनस थर्टी दैट इज थ्री तो हम लिखेंगे सो पीस बी इज थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रेटर देन पीस ए यानी कि जो बी पीस है वो ए पीस से तीन सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है सब तो अब आंसर मिल गया कि स्लाइस इज बिगर ठीक है आगे देखिए और क्या दिया हुआ है ओके okay, नया टॉपिक आ गया है अब इसके बाद नया टॉपिक है कवर विथ स्टैम्स ये दिया है 147 पेज नंबर पर तो इसको हम शुरू करेंगे तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको बिल्कुल मैं बता दूं कि देखो कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक का मतलब हमें पता होना चाहिए तब तो हम उसके अंदर की चीजें पढ़ पाएंगे राइट सो so यहाँ पे जो लिखा है कवर विथ स्टैम्स कवर क्या होता है स्टैम्स क्या होते हैं ये सारी बातें सबसे पहले हमारे माइंड में क्या बन जाती हैं क्वेश्चन मार्क की तरह आ जाती हैं सो so, ये जो स्टैम्प्स है एक छोटी सी कहानी सुना देती हूं जल्दी से सो so दैट आपको स्टैम्प्स का मतलब बता दू मैं स्टैम्प्स एक्चुअली कुछ इस तरीके के दिखते हैं और आजकल स्टैम्प्स देखना तो भाई बहुत मुश्किल हो गया अब नहीं दिखते हमको क्या हुआ मोबाइल फोन्स आ गए इंटरनेट मिल गया हमको तो अब अगर मेरे को एक जगह से दूसरी जगह कोई मैसेज पहुंचाना है किसी को कोई है जो यहाँ एक सिटी से दूसरी सिटी में मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको मैसेज देना है मेरे जो रिलेटिव हैं मे भी वो इंडिया के ही बाहर है मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी, भी अगर अब को मैसेज देना होता है सो so, इंटरनेट इतनी इजी चीज मेरे को मिल चुकी है जिससे क्या फायदा हो रहा है मेरा कुछ सेकंड्स में ही मेरा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो जाता है और जिसको भी मेरे को मैसेज देना होता है उनको इजीली मैसेज पता चल जाता है राइट right? यही होता है ना आप भी बताइए ऐसा होता है पर क्या ये चीज हमेशा से थी हमारे पास क्या हमेशा से हम इतने फॉर्चुनेट थे कि हमको ये जो सुविधा मिल रही है आज जो प्रॉपर इतने जल्दी जल्दी मैसेज पहुंचने की ये मिले नहीं ऐसा नहीं था अगर आप भी अपने मम्मा पापा से ही पूछोगे ज्यादा दूर मत जाओ आपके मम्मी पापा के जमाने में भी मतलब जब वो छोटे थे बच्चे आपकी तरह उस टाइम पर टेलीफोन नहीं रहा होगा यस अब आपको तो मतलब जैसे ही आप बच्चे रहते हो तब से ही इंटरनेट आपके पास हो जाता है पर जब आपके मम्मी पापा छोटे थे ऑलमोस्ट थर्टी फोर्टी फिफ्टी ईयर्स पहले की बात कर रही हूं मैं उस टाइम इंटरनेट नहीं हुआ करता था तब मैसेजेस पहुंचते थे एक से दूसरी जगह लेटर्स के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू पोस्ट कार्ड के थ्रू है ना जितना ज्यादा बड़ा लेटर उसके अलग अलग टाइप होते जाते थे सबकी लिमिट होती थी पर ये चीज मैं क्यों बता रही हूँ अब लेटर मैंने लिखा है एक जगह से यहाँ भोपाल से लेटर लिखा है इंदौर में मेरी फ्रेंड है उसको मेरे को एक मैसेज देना था तो मैंने पोस्ट कार्ड पर लिखकर और उसको सेंड किया होता ये था कि जब हम पोस्ट कार्ड या लेटर टेलीग्राम ये सब भेजते थे तो उनपे कुछ इस तरीके के ऑफिशियल स्टैंप्स लगते थे ये स्टैंप हमको पोस्ट ऑफिस से ही मिलते थे और इन स्टैम्प से हमारा लेटर ऑफिशियल हो जाता था फिर वो दूसरी जगह इजीली वो लोग क्या करते थे उसको डिलीवर कर देते थे तो ये उन स्टैंप्स की हमारी चल रही है बात और अगर आप थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो कि आपको ज्यादा जानना है स्टेम्प के बारे में तो बिल्कुल मैं आपको और बता सकती हूँ आगे पर आप खुद भी आपके सिटी में जहां भी पोस्ट ऑफिस है आज भी अगर आप वहां जाओगे तो आपको इस टाइप के स्टेम्प देखने मिल जाएंगे पर उन स्टैम्प्स का हमारे ये क्लास ट्विफ्थ मैथ्स में क्या काम है वो तो जरा हम देख लें तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे मेरे साथ साथ रीड करिए सब लोग लिखा है टीमीटर यानी कि यहाँ पे यह जो छोटा सा स्टैम्प आपको दिखना है ना इस स्टैम्प का जो एरिया है वो पता है कितना है इस स्टैम्प का एरिया दिया है फोर स्क्वेयर सेंटीमीटर एरिया तो हम सब समझ चुके हैं जल्दी से बता दो एरिया क्या होता है एक सिंपल सी लैंग्वेज में कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए मेरे को एरिया अगर मैं कहूँगी कि कि किसी चीज का एरिया मतलब क्या उस चीज़ ने कितनी जगह घेरी हुई है वही होता है उस चीज का एरिया यानी कि इस स्टैम्प ने ये देखो इतनी जगह घेरी हुई है यहाँ पे यानी कि ये जगह मैं पता कर लू इस जगह को किसी तरीके से मैं नाप लू मेजर कर लू तो मुझे पता चल जाएगा कि इस स्टैम्प का एरिया क्या है तो एरिया वर्ड आपके माइंड में क्लियर है ना कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं एरिया के बारे में एरिया मतलब कि किसी चीज ने कितनी जगह घेरी है तो हमको बताया गया है कि ये जो स्टैंप दिया है ना इसका एरिया फोर स्क्वायर सेंटीमीटर है अब फोर स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा हमने अभी जो एरिया पढ़ा पिछली ही क्लास में हमने देखा था कि हम कुछ एरिया कैलकुलेट कर रहे थे वहां पर मैंगो स्लाइस का तो हमने क्या किया था कि हमारे पास एक मैंगो स्लाइस थी इस तरीके से 11 सेंटीमीटर लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड तो इस मैंगो स्लाइस का एरिया निकालना था तो सबसे शुरुआत में सबसे बेसिक जो रूल मैंने लगाया था वो क्या था कि एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे स्क्वायर्स को मैंने इस तरीके से जमाना शुरू किया था इस मैंगो स्लाइस के अंदर और मैंने देखा एक एक सेंटीमीटर के टोटल इलेवन स्क्वायर्स यहाँ पे एक लाइन में अरेन्ज हो गए थे है ना तो जब मैं बोलती हूँ किसी चीज का एरिया फोर स्क्वायर सेंटीमीटर है इसका मतलब कि चार वहां पर यूज हुए होंगे यानी कि इसमें स्क्वायर बराबर की जो जगह है वो ऑक्यूपाई हुई होगी ये क्लियर है आपको फोर स्क्वायर सेंटीमीटर हमने देखा था पिछली क्लास में मैंगो स्लाइस के अंदर जितने स्क्वायर बन रहे थे उतने ही स्क्वायर सेंटीमीटर उनका एरिया आ रहा था तो इसका मतलब क्या है कि जितने स्क्वायर उस जगह में बन सकते हैं एक एक सेंटीमीटर के जितने स्क्वायर उतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाता है तो इसका मतलब तो यही है ना कि अगर इस स्टैम्प का एरिया फोर स्क्वायर सेंटीमीटर बोल रहे हैं ये लोग तो सीधा मतलब है कि फोर स्क्वायर यानी कि चार स्क्वायर की जगह इस स्टैंप ने क्या कर ली है घेर ली है और कौन से वो स्क्वायर की बात चल रही है ऐसे स्क्वायर्स जिनकी साइड वन सेंटीमीटर है इस तरीके के अगर चार स्क्वायर को आप मिलाओगे वो जितनी जगह घेरेंगे उतनी ही जगह किसने घेरी है यहाँ स्टैम्प ने घेरी है ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई आपको अगर क्लियर हो गई तो आप बिल्कुल मेरे को ओके okay, बता दीजिए थम्स अप कर दीजिए कि यस मैम हमको ये बात क्लियर है कि अगर अब आगे से कोई भी ऐसा लिखता है फोर स्क्वायर सेंटीमीटर फोर स्क्वायर मीटर फोर स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या मतलब है कि चार स्क्वायर्स की जगह उसने क्या करी है घेरी हुई है क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है सो so, इस स्टैम्प का एरिया क्लियर हो गया मेरे को फोर स्क्वायर सेंटीमीटर है आगे लिखा है गैस हाउ कि एक छोटा सा आपको गैस करना है एक अंदाजा लगाना है आपको क्या अंदाजा कि ये जो इतना बड़ा सा येल्लो कलर का रेक्टाइंगल दिख रहा है रेक्टैंगल जल्दी से बताइए रेक्टेंगल रेक्टैंगल क्या होता है जो भी वर्ड में यूज कर रही हूँ उसका मतलब पता होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वर्ड है मैंने बोला और वो आपके सर के ऊपर से निकल गया क्योंकि अगर हम कोई चीज पढ़ रहे हैं तो उसमें हर वर्ड का मतलब तो हमें पता होना चाहिए तभी तो पूरा सेंटेंस समझ में आएगा हमको तो अगर मैं आपसे बोल रही हूं कि एक ये कलर का रेक्टेंगल है तो जल्दी से बताएं मेरे को सब लोग कि रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है हमने अभी देखा था स्क्वायर देखा था रेक्टेंगल देखा था काफी शेप्स देख चुके हैं हम बहुत सारे चैप्टर दस चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं क्लास फिफ्थ के इलेवेंथ चल रहा है और अभी तक रेक्टेंगल नहीं पता यानी कि आप सबकी पढ़ाई बहुत ही स्लो चल रही है थोड़ा सा बकलक होने की जरूरत है थोड़ा सा स्पीड पकड़ने की जरूरत है क्योंकि काफी चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं सो रेक्टेंगल एक चार साइड का होता है फिगर क्लोज्ड फिगर जिसमें चार साइड्स होती हैं और उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं बराबर कुछ इस तरीके का फिगर ये लेंथ है जितनी ये है लेंथ उतनी ही इसके सामने वाली लेंथ होगी ये इसकी व्रथ यानी की चौड़ाई है जितनी इस तरफ व्रथ है उतनी ही यहां होगी यानी कि आमने सामने वाले जो लेंथ है वृथ है ये क्या है बराबर चारों आपस में बराबर है क्या नहीं चारों बराबर नहीं होंगी लेंथ लेंथ के बराबर होगी के बराबर होगी ऐसा वाला शेप रेक्टेंगल कहलाता है तो वही बोल रहे हैं कि ये जो बिग रेक्टेंगल है ये इतना बड़ा येलो कलर का रेक्टेंगल है थोड़ा सा गेस्ट करो थोड़ा सा तो अंदाजा लगाओ कि अगर इस टाइप के खूब सारे स्टैम्प मैं आपको दे दू तो बिना कैलकुलेट करे अभी सिर्फ आप मेरे को बताओ कि इस पूरे रेक्टेंगल में कितने स्टैम्प एक के बाद एक में जमा सकती हूं बिना जगह छोड़े कितने स्टैम्प बन सकते हैं एक छोटा सा गैस मतलब थोड़ा सा हमें इसमें क्या है अपना वो जो अंदाजा लगाने वाली चीज है ना उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है यानी कि देखते ही मैं बिना कैलकुलेट करे ऑलमोस्ट आंसर तक पहुंच जाऊं मुझे दिख रहा है कि ये देखिए इतना बड़ा एक स्टैंप है ऑलमोस्ट इतना ही बड़ा एक और हो जाएगा ये थ्री हो जाएगा ये फोर हो जाएगा फाइव हो जाएगा सिक्स हो जाएगा एक के बाद एक रखना है एकदम पास पास दूर नहीं करना है ना सेवन हो जाएगा मतलब अगर एक लाइन में भी सेवन स्टेम बन जाए बाय चांस कैलकुलेशन नहीं कर रही हूं अभी मैं और इस तरफ कितने बन जाएंगे थ्री फोर चार तो कम से कम ऐसे वर्टिकली बन जाएंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पहली लाइन में फिर सेवन दूसरी लाइन में सेवन तीसरी लाइन में और सेवन ये चौथी लाइन में टोटल कितनी बार सात सात स्क्वायर्स हो गए सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन सेवन फोर टाइम्स ट्वेंटी एट यही होगा दैट मीन्स मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है यहाँ पे 27, 28 इस टाइप के इस पूरे रेक्टेंगल में बन सकते हैं इसी के आसपास देखो मैंने ऑलमोस्ट उतना ही साइज लेकर यहाँ पे कैलकुलेशन किया है अब साइज थोड़ा सा छोटा थोड़ा, थोड़ा सा बड़ा होगा अगर तो कितने रेक्ट स्क्वास का फर्क पड़ेगा एक दो स्क्वेयर्स का फर्क पड़ेगा यानी कि या तो ट्वेंटी होंगे ट्वेंटी होंगे ट्वेंटी होंगे या ट्वेंटी होंगे एक या दो स्क्वायर्स आगे पीछे चल सकते मेरा एक छोटा सा अंदाजा है या तो 27 या 28 के करीब यहाँ पे क्या होंगे स्क्वायर्स इस बड़े से रेक्टेंगल में फिल हो जाएंगे ये मेरा गैस आपका अपना गैस क्या है वो भी यहाँ बता दो हो सकता है मैंने यहाँ पे थोड़ी ज्यादा जगह छोड़ दी इन जगह पे क्या होता हो सकता है सबको साइड में खिसका के एक और बन जाता तो एक लाइन और हो जाती हमारी तो ऑलमोस्ट तो चार हमारे जो स्क्वायर्स है वो बढ़ जाते ठीक है ना तो वही अपना अपना गैस करना है मैंने अपना एक गैस बता दिया आप अपना गैस यहाँ पे लिख दीजिए क्लियर चलिए अब आगे देखते हैं कि गैस तो हमने कर लिया एक अंदाजा तो हमने लगा लिया कि इस बड़े से येलो कलर के रेक्टेंगल में ये जो छोटे छोटे वाले स्टैम्प है ये सत्ताइस से अट्ठाईस स्टैम्प यानी कि ट्वेंटी सेवन से ट्वेंटी एट स्टैम्प यहाँ पर बन सकते हैं आगे देखते हैं क्या कहानी है ये देखिए उन्होंने यहां पे एक अंदाजे वाले से जैसे मैंने बनाए थे उस तरीके से यहाँ स्टैंप्स जमाए हैं तो एक अप्रोक्सिमेट आंसर आप पहले लिख देना जो भी आपका नंबर हो कि एन अप्रोक्सीमेट ऑफ ट्वेंटी सेवन विल कवर दिस बिग रेक्टेंगल यानी कि अप्रोक्सीमेशन का क्या मतलब है लगभग जिसको हिंदी में हम लगभग बोलते हैं कि ऑलमोस्ट यानी कि इसी के आसपास आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट मेरा अनुमान है कि सत्ताईस स्टैंप्स इसमें बन सकते हैं ठीक है अब टाइम आया किसका ये तो हमने गेस करा है ना एक मतलब वाइल्ड गेस किया हमने कि इसमें कितने बन सकते हैं अब रियल सच्चाई पता लगा लो यार कि सच में कितने स्क्वेयर्स बन रहे हैं हमने तो सीखा है इस टाइप की क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे पता चलेगा क्या है सच्चाई तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन दिया है मेजर द येलो रेक्टेंगल इट इज डैश सेंटीमीटर लॉन्ग यानी कि वो जो येलो कलर का बड़ा सा रेक्टेंगल दिया है उसको आपको देखना है वो कितना सेंटीमीटर लॉन्ग है मतलब उस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है सब लोग अपनी बुक खोल लो बुक पे पेज नंबर 147 पे दिया हुआ है ये रेक्टेंगल और अपने बॉक्स में से निकाल लो रूलर मतलब स्केल सेंटीमीटर वाला स्केल सबके पास होगा ही राइट सो उस स्केल से क्या करना है यहां से यहां से लेकर यहां तक की लेंथ जल्दी से मेजर करो कितनी है एंड मेरे को बताओ लेंथ मतलब लंबाई होती है लंबाई तो इसी में दिख रही है यानी कि जो भी साइड अब जरूरी नहीं लंबाई यही हो अगर ये साइड बड़ी होती है ना तो वो लंबाई बन जाती ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता रेक्टैंगल में कि ये जो हॉरिजॉन्टल है यही लेंथ हो अगर इसी रेक्टेंगल को मैं कैसा बना दू इस तरीके से तो अब लेंथ क्या हो जाएगी ये हो जाएगी लेंथ वृत्त क्या हो जाएगी ये वृत्त हो जाएगी यहाँ पे लेंथ ये है वृत्त ये है तो लेंथ का मतलब ही होता है लंबाई यानी कि जो ज्यादा लंबी साइड है वो लेंथ कहलाती है और जितना वो उस लेंथ से कम वाली साइड है वो उसकी चौड़ाई कहलाती है सीधी सी बात है ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना तो आपको क्या करना है ये जो रेक्टेंगल बुक में दिया है मैंने तो बोर्ड पे काफी बड़ा रेक्टेंगल बनाया है तो उसकी हो जाएगी हमको बुक के हिसाब से चलना है मैंने मेजर करके रखा है आप बताइए मेरे को कि वो कितना हो रहा है मेजर आपने किया हो तो जल्दी से मेजर कर लो कोई बड़ी बात नहीं है क्लास फिफ्थ मैथ्स मैजिक बुक के पेज नंबर वन पे ये रेक्टेंगल मिल जाएगा आपको हमने जब मेजर किया था इसको तो हमें क्या लेंथ मिली लेंथ करना कैसे मेजर ये समझ आ गया ना यहां पे स्केल रखना यहां से यहां तक देखना कितने पे आ रहा है वो मैंने जब इसको मेजर किया था रेक्टेंगल को तो जो इसकी लेंथ आई थी वो पता है कितनी आई थी 14 सेंटीमीटर लॉन्ग बुक वाली बोर्ड वाली नहीं बोर्ड वाला तो रेक्टेंगल बहुत बड़ा हो जाएगा बुक में छोटा सा रेक्टेंगल बना हुआ है तो उसकी मेको द येलो रेक्टेंगल इज फोर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग ये लेंथ यहां मेरे को दी हुई है आगे बढ़ते हैं पहला आंसर हो गया आप भी मेजर कर लेना 14 ही आएगा आपका भी प्रॉपरली मेजर करना ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेम्प कैन बी प्लेस अलोंग इट्स लेंथ यानी कि उसकी लेंथ के अलोंग कितने स्टेम्प वहां पर रखा रखाए हो सकते हैं कितने स्टेम्प में प्लेस कर सकती हूं जैसे मैंगो स्लाइस में कर रहे थे हम 11 सेंटीमीटर लंबा मैंगो स्लाइस था तो उसमें छोटे छोटे वाले जो एक एक सेंटीमीटर वाले स्क्वेयर्स थे वो कितने रखे थे मैंने 11 स्क्वेयर्स रख दिए थे तो वो 11 सेंटीमीटर लॉन्ग में क्या आ गए थे बन गए थे इसी तरीके से वो पूछ रहे हैं कि ये जो 14 सेंटीमीटर लंबा ये जो है क्या हमारा रेक्टेंगल येलो कलर का उसमें स्टैम्प कितने बनेंगे तो पहले मेरे को स्टैम्प की लंबाई पता होना चाहिए कि उसकी लेंथ कितनी है स्टैम्प की जितनी लेंथ होगी फिर देख लेंगे भाई कि 14 सेंटीमीटर लंबे रेक्टेंगल में कितने स्टैम्प्स बन रहे हैं तो लेंथ नहीं दी हमको ये ध्यान रखना इन्होंने जो दिया था हमको स्टैम्प का क्या दिया था एरिया दिया था स्टैम का एरिया है फोर सेंटीमीटर और ये स्क्वायर है हमारा पूरा क्या स्टैम इसका क्या मतलब है कि इसका जो एरिया आता वो कैसे आएगा इसका एरिया आएगा आपका साइड इंटू साइड करके यानी कि दो साइड एक साइड मल्टीप्लाइड बाय दूसरी साइड करूंगी मैं तो इसका एरिया मिलेगा मेरे को साइड नहीं पता मुझे सीधा एरिया पता है फोर ठीक अब ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ लू सेम नंबर होगा साइड इंटू साइड का मतलब वही नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ वन इंटू वन करूंगी फोर आएगा नहीं तो ऐसा कौन सा नंबर लू जिसको दो बार मल्टीप्लाई करने पर फोर मिले बहुत सिंपल है यार ट्राई भी कर सकते हैं अपन कि वन इंटू वन करेंगे तो वन आएगा टू इंटू टू करेंगे तो यस फोर आने वाला है दैट मींस यहां मैं टू मल्टीप्लाईड बाई टू कर रही हूं तो आंसर क्या मिल रहा है मेरे को फोर इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये जो स्टैम्प है इसकी लेंथ भी टू सेंटीमीटर होगी ब्रिथ भी टू सेंटीमीटर होगी ये लेंथ टू सेंटीमीटर ब्रिथ टू सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लेंथ व्रथ तो कुछ होगा ही नहीं चारों ही साइड बराबर हैं। तो जब ये टू सेंटीमीटर है तभी टू इंटू टू करके फोर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आया होगा एरिया तो अब हमें देखना है ये दो सेंटीमीटर लंबे जो स्टैम्प हैं, ये चौदह सेंटीमीटर लंबे इस रेक्टेंगल में कितने स्टैम्प्स बन सकते हैं बहुत ही इजी सा ही क्वेश्चन है हम सॉल्व इसी तरीके से रखकर भी देख सकते हैं कि देखो यहां से यहां तक दो सेंटीमीटर वाला स्टैम्प आ गया ठीक अब मुझे पता है यहां इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कितना है फोर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग है ये है ना तो अब दो सेंटीमीटर तो चले गए कितने बच्चे से सेंटीमीटर और बचे यानी कि अभी बन सकते हैं यहां पे मैंने इससे ही लगाकर एक और स्टैंप रखा वो भी दो सेंटीमीटर का एक और स्टैंप रखा वो भी दो सेंटीमीटर का हो गया कितने हुए टू टू फोर टू सिक्स छ सेंटीमीटर ही हुए हैं पूरे चौदह में से यानी कि चौदह जब तक हो जाए तब तक स्टैंप रख सकते हैं हम एक और स्टैंप रख लो टू सेंटीमीटर एक और स्टैंप रख लो टू सेंटीमीटर एक और स्टैंप रख लो टू सेंटीमीटर कितने हुए टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट प्लस टू टेन प्लस टू ट्वेल्व ट्वेल्व सेंटीमीटर हो चुके हैं कितनी जगह बची अभी चौदह सेंटीमीटर की लंबी जगह है मेरे पास उसमें बारह सेंटीमीटर हो चुके हैं चौदह में से बारह गए कितने बचे फोर्टीन माइनस ट्वेल्व टू सेंटीमीटर अभी और बचा है एंड हम बहुत ज्यादा लकी हैं कि दो सेंटीमीटर की ही जगह यहाँ पर बची हुई है और हमारे स्टैम्प की लंबाई भी दो सेंटीमीटर ही है इसका क्या मतलब, है? इसका मतलब एक और स्टैम्प जो है यहाँ पर इसमें बन सकता है टू सेंटीमीटर का तो हमसे पूछा गया था कि दो दो सेंटीमीटर के कितने स्टैम्प हम यहाँ पर फोर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग यहाँ पर रख सकते हैं तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन स्टैम्स हम ये वाले रख सकते हैं दो दो सेंटीमीटर के इसमें चौदह सेंटीमीटर लंबे रेक्टेंगल में लेंथवाइज ठीक है अच्छा थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो गया ना ये चीज थोड़ी सी लंबी हो गई यार एक, -एक हमको रखकर देखना पड़ा काउंट करना पड़ा कि ऐसा तो नहीं जगह खत्म हो गई हो या सो so ऑन है ना कोई इजी तरीका है क्या आपके पास कि मैं इतना सारा ये स्टैम्प ना बनाऊं इतना कैलकुलेट ना करूं सीधा ऐसा थ्योरेटिकली कुछ फॉर्मूला मिल जाए मेरे को जिससे मेरे को पता चल जाए कि कितने बन सकते हैं तो देखो चौदह सेंटीमीटर की लंबी जगह है मेरे पास इस चौदह सेंटीमीटर में મેકો કેટને મે ડિવાઇડ કરના હે ઇસ જગહ કો 2 2 સેન્ટીમીટર કે हिस्સો મે મેકો ડિવાઇડ કરના હે એક તરીકે સે યહી હુઆ ના યે 2 2 સેન્ટીમીટર કે અલગ અલગ હિસ્સે હો રહે હે તો અગર ઇસ 14 સેન્ટીમીટર કી જગહ કો મે 2 સેન્ટીમીટર કે સ્ટેમ્પ્સ સે ડિવાઇડ કર રહી હું તો کتنے સ્ટેમ્પ્સ બનેંગે યે મુજે કૈસે પતા ચલેગા અગર 14 સેન્ટીમીટર કી જગહ કો ડિવાઇડ કર રહી હું મે 2 સેન્ટીમીટર મે तो डिवाइड कर दो ना कर रहे हो तो फोर्टीन को डिवाइड करो टू से टू की टेबल इतनी टाइम्स आपको पढ़नी है कि फोर्टीन आ जाए टू वन टाइम टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स टू फोर टाइम्स एट टू फाइव टाइम्स टेन टू सिक्स टाइम्स ट्वेल्व टू सेवन टाइम्स यस फोर्टीन यानी कि टू सेवन टाइम्स क्या जाएगा ये फोर्टीन जाएगा रिमाइंडर बचेगा आपका यहां पर जीरो गॉट इट दैट मीन्स यहां पर सेवन अगर मैं चौदह सेंटीमीटर लंबी जगह को दो दो सेंटीमीटर के स्टैम्प्स में डिवाइड कर रही हूं तो सात ऐसे स्टैम्प है जो बन सकते हैं सेवन ही हमारा आंसर आया था लंबे वाले मेथड से सेवन ही आ गया यहां से तो अब ध्यान रखने वाली बात कौन सी हो गई यहाँ पे यहां पर ध्यान रखने वाली बात ये हो गई है कि अब कभी भी फ्यूचर में कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि चौदह सेंटीमीटर लंबी जगह है या बीस सेंटीमीटर लंबी जगह है या किलोमीटर ही क्यों ना आ जाए और उसमें आपसे बोला जाए कि एक फिक्स्ड किसी भी चीज को रखना है तो बताओ ये दो दो सेंटीमीटर के कितने रखा पाएंगे या दस दस सेंटीमीटर के कितने ब्लॉक्स आ पाएंगे यहां पर तो कैसे निकालोगे जितनी जगह दी हुई है उसको डिवाइड कर दो किससे जो चीज आपको रखनी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके घर घर का, का काम चल रहा है और घर में क्या हुआ ये आपके घर का क्या है बाहर फ्लोर है रूम का अब आपको पता है आपका रूम का फ्लोर जो है अब वो 14 सेंटीमीटर ना लेके मीटर ले लो है ना चौदह मीटर लंबा है बीस मीटर लंबा है वॉट एवर तो अगर वो जो है 14 मीटर लंबा है आपके जो रूम है है ना रूम की लंबाई 14 मीटर है और मैंने बोल दिया जो आपका जो टाइल्स है एक टाइल्स की लंबाई दो मीटर है तो आपको कितने टाइल्स लग सकते हैं ये बताओ बिना रखे तो आप क्या करोगे जितनी चौदह मीटर का आपका क्या है लंबाई रूम की है दो मीटर आपका टाइल्स है तो आपको पता चल जाएगा फोर्टीन डिवाइड बाय टू कितना होता है सेवन यानी कि दो दो मीटर के सात टाइल्स लंबाई में आराम से लग सकते हैं मेरे रूम में तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके मैं क्या करूंगी टाइल्स खरीद लूंगी बहुत ज्यादा नहीं खरीदना मेरे को उतने ही खरीदना है जितने रिक्वायर हैं तो इस टाइप की जगह पर ये जो कैलकुलेशन है ये काम आते हैं ये बात समझ में आ गई आपको तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया सेवन दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया एक हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है ब्लॉक्स जमा के रखने वाला वो भी समझ लिया और नॉर्मल डिविजन वाला डिवाइड करना सबको आता है प्रैक्टिस करिए बार बार सो ये जो कैलकुलेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब थोड़ा स्ट्रांग हो जाए इनमें गलती नहीं होना चाहिए नहीं तो पता चला हमें आता था कि डिवाइड करना है पर हमने डिविजन ही गलत कर दिया अब इसमें तो फिर आपकी ही गलती होगी है ना इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो मैथ्स में सो so, ये आंसर हो गया हमारा मेजर द लेंथ ऑफ स्टैम्प ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन इट विद द हेल्प ऑफ अ रूलर यानी कि आप जो स्टैम्प है उसको स्केल से मेजर कर लेना कि उसकी लंबाई कितनी है तो वहां से हमको लंबाई कितनी मिली दो सेंटीमीटर के बराबर तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैम्प कितने होंगे यानी कितने स्टैम्प हमको चाहिए पड़ेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ द स्टैम्प दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पूरे रेक्टैंगल की लेंथ 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूं तो कितना मिलेगा आंसर आंसर मेरे को? 7 मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएंगे नंबर ऑफ गॉट इट आगे बढ़िए नेक्स्ट लिखा है वी कैन प्लेस सेवन स्टैम्प द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि मैं रेक्टेंगल की लेंथ के अलोंग लंबाई के में कितने स्टैम्प्स रख सकती हूँ टोटल सात स्टैम्प्स वहां पर मैं रख सकती हूँ यहां तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कोई डाउट तो नहीं है अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स करके बिल्कुल बता सकते हैं डाउट्स में आपके सारे डाउट्स वही कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगी सो so, ये हमारा हो गया इतना क्वेश्चन स्टैंड वाला अपना काम हो गया पूरा आगे बढ़ते हैं और क्या दिया है सी क्वेश्चन इसी में आगे दिया है पेज वन पर रेक्टेंगल यानी कि जिस तरीके से अभी स्केल रूलर की हेल्प से हमने उस येलो वाले रेक्टेंगल की लेंथ यानी कि लंबाई मेजर की उसी तरीके से अब हमको क्या करना है उसकी चौड़ाई मेजर मेजर करनी है तो 147 पेज नंबर पे ये जो येलो येलो कलर का आपका क्या दिया है बड़ा सा रेक्टेंगल दिया हुआ है इसकी वृत्त कैसे मेजर करोगे स्केल यहां से रखना और नीचे तक यहां तक देखना कि कितना आ रहा है यहाँ जीरो से लेके यहाँ कितना नंबर आ रहा है उतने ही सेंटीमीटर क्या होगी आपकी इस रेक्टेंगल की ब्रेथ होगी अब यहां पर मैं मेजर कर सकती हूं पर इतना बड़ा रेक्टेंगल इतनी तो बड़ी आपकी मैथ्स मैजिक बुक भी नहीं है कि इतना बड़ा रेक्टेंगल हो उसमें यहां तो मैंने बड़ा रेक्टेंगल बना के दिखाया है ताकि आपको प्रॉपरली दिखे तो ये चीज आपको खुद से करनी है मेजर कैसे करनी है ये मैंने बता दी ये यहां से यहां तक की जो है वो इसकी चौड़ाई यानी कि व्रत होगी रेक्टेंगल की आगे बढ़े अपन तो जब मैंने आपकी बुक में से मेजर किया तो मुझे कितनी व्रथ मिली इसकी कितनी चौड़ाई मिली इसकी सो so, यहां द व्रथ ऑफ येलो रेक्टेंगल इज एट सेंटीमीटर यानी कि मेरे को आठ सेंटीमीटर एट सेंटीमीटर जो है उतना जो है उस रेक्टाइंगल की चौड़ाई मिली है क्लियर हो गया ये कहानी सो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी स्टैम्स यानी कि अब जैसे कि लंबाई में चौदह सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी तो सेवन स्टेम्स उसके प्लेस हो रहे थे लेंथ वाइज लेंथवाइज वाइज कितने प्लेस होंगे वो बताइए जरा व्रत है इसकी कितनी एट सेंटीमीटर व्रथ है और ये जो स्टैंप है इनकी कितनी साइड है दो दो सेंटीमीटर के हैं ये तो राइट सो अगर ये दो सेंटीमीटर है यहां से यहां तक तो फिर यहां से यहां तक दो सेंटीमीटर और फिर दो सेंटीमीटर और कितने हो गए टू, टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स सेंटीमीटर हो गया अब मेरे पास टोटल व्रत कितनी है एट सेंटीमीटर की आठ सेंटीमीटर की व्रत है मेरे पास छ सेंटीमीटर में मैं एक स्टैंप दूसरा स्टैम्प और तीसरा स्टैंप रख चुकी हूं यहाँ पे ब्रेथवाइस का मतलब ऐसे जमाना है अब हमको स्टैम्प है ना एक और रख सकती हूँ क्या आठ सेंटीमीटर की जगह है दो दो चार और दो सेंटीमीटर की जगह मैं में क्या रख सकती हूँ मैं तीन स्टैंप रख चुकी हूँ एक और स्टैम्प रख दे क्या अगर मैं एक और स्टैंप रखती हूँ दो सेंटीमीटर का तो टोटल कितना हो रहा है अब टू प्लस टू फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट सेंटीमीटर यानी कि yes, यस हाँ हम फिर से लकी हो गए कोई एक्स्ट्रा जगह भी नहीं बची और फिक्स स्टैंप भी यहां पर रखा गए यानी दो दो सेंटीमीटर के एक दो तीन चार चार स्टैंप मैंने यहां पर प्लेस कर दिए हैं ये बात समझ में आई आपको अब फिर से वही कहानी कि मैम आप यही सोच रहे हो कि मैम अगर मैं इतना सारी मेहनत ना करूं कोई इजी सा रास्ता मिल जाए मेरे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो कैसे करेंगे इसको थियोरिटिकल वे में सॉल्व तो देखो जैसे मैंने लेंथ बताया था कि यहां पर 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी लंबाई थी और दो दो सेंटीमीटर के स्टैंप थे तो 14 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिल गया कि दो दो सेंटीमीटर के 7 यानी कि सात स्टैंप यहां पर जमा सकते हैं हम उसी तरीके से अगर ये आठ सेंटीमीटर चौड़ाई है है की, तो एट को अगर मैं दो दो सेंटीमीटर के पोर्शन में डिवाइड कर रही हूं तो एट को टू से डिवाइड करो टू की टेबल में एट कितनी टाइम्स आता है टू वन टाइम्स टू 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 टाइम्स फोर टू थ्री टाइम्स सिक्स और टू फोर टाइम्स एट यस यानी कि टू फोर टाइम्स एट टू एट को डिवाइड करोगे टू से तो फोर आपको क्वेश्चन मिलेगा फोर विल बी योर आंसर दैट मीन्स चार स्टैंप्स यहां पर हम रख सकते हैं वन टू थ्री फोर इजी ये वेरी इजी तो हमारा आंसर क्या आ गया कि इस एट सेंटीमीटर ब्रेथ वाले रेक्टेंगल में अगर हमको दो दो सेंटीमीटर वाले क्या रखने हैं स्टैम्प रखने हैं तो टोटल एट डिवाइड बाय टू यानी कि फोर स्टैम्प यहां पर अलोंग द्रिथ यानी कि अलोंग पे चौड़ाई के अलोंग हम यहां पर उनको रख सकते हैं गॉट इट ओके आगे आंसर लिखने का तरीका देख लेते हैं मैंने ऑलरेडी यहां लिख के रखे हैं आंसर्स आपके लिए सो so देट आप भी अपने नोट्स बना सको राइट सो so, यहां देखिए मेजर द द ऑफ ऑफ इट्स विद हेल्प अ रूलर यानी कि अब हमको उस स्टैंप की पहले व्रथ नापनी है कि स्टैम्प कितना चौड़ा है तो हमने नापा तो हमें मिला दो सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई है स्टैंप की सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टैम्प यानी कि कितने स्टैम्प यूज होंगे सो व्रथ ऑफ द रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय ऑफ स्टैंप यानी कि रेक्टेंगल की जो है चौड़ाई है उसको डिवाइड कर दो स्टैंप की चौड़ाई से अब यहाँ पे हमारा जो स्टैंप है वो एक्चुअली स्क्वायर है इसलिए उसकी लेंथ और दोनों ही दो सेंटीमीटर है पर हर स्टैम्प ऐसा नहीं होता कोई कोई दूसरे शेप के भी होते हैं तो हमेशा ध्यान रखो कि हम क्या कर रहे हैं जितना चौड़ा रेक्टेंगल है उसको डिवाइड किया जितना चौड़ा स्टैम्प था उससे दोनों की वृथ वृत देखी हमने तो एट डिवाइड बाई टू क्या मिला हमको फोर मिला तो हम बोलेंगे चार स्टैंप्स हम रख सकते हैं अलोंग द्रथ लिखेंगे कैसे उसको वी कैन प्लेस फोर स्टैम्प अलोंग द्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि हम चार स्टैंप्स रेक्टेंगल के व्रथ के अलोंग क्या कर सकते हैं रख सकते हैं क्लियर हो गया ये वाला भी क्वेश्चन सो so, हमने क्या देखा हमने एक बड़ा सा अभी रेक्टेंगल देखा येलो कलर का उस रेक्टेंगल में हमने देखा एक वाइल्ड गैस किया कि उस रेक्टेंगल में हमको क्या मिलेगा कि कितने स्टैम्प जम सकते हैं मेरा एक वाइल्ड सा गैस था कि 17, 27 28 यानी कि 27 28 ट्वेंटी स्टैम्प उस रेक्टेंगल में टोटल रेक्टेंगल में बन सकते हैं अब कैलकुलेट कर रहे हैं हम तो हमने देखा कि रेक्टेंगल की लेंथ हमको मिली फोर्टीन सेंटीमीटर के बराबर फोर्टीन को टू से डिवाइड किया यानी कि जो स्टैम्प की लेंथ थी वो टू थी फोर्टीन को टू से डिवाइड किया तो मिला के जो सेवन स्टैम्प है से, वो उसके लेंथ के अलॉन्ग जम सकते हैं यानी कि लंबाई में एक दो तीन चार पांच करके टोटल सेवन स्टैम्प रखा सकते हैं उस रेक्टेंगल में इसी तरीके से उसकी जो चौड़ाई थी उसको हमने देखा एट सेंटीमीटर वो व्रत है उसका वाइड है वो रेक्टैंग रेक्टेंगल तो उसकी जो व्रत है टू से डिवाइड किया क्योंकि टू स्टैम्प की भी व्रत थी एट को टू से डिवाइड किया तो मिला मेरे को फोर तो चार स्टैंप उसकी चौड़ाई यानी कि वृत्त के अलाउंग रखा सकते हैं सात ऐसे रखा गए लंबाई में और चार कैसे रखा गए चौड़ाई में तो अब आप बता सकते हो टोटल कितने होंगे अरे इसी टाइप से तो हमने वो पिछली क्लास में स्लाइस मैंगो स्लाइस वाला देखा था उसका एरिया कि मेरे पास ऐसा रेक्टेंगल था अभी अब मेरे को पता चल रहा है कि एक लाइन में या सेवन है और ऐसी कितनी लाइन है ऐसी चार लाइन है क्योंकि यहां पे एक दो तीन चार ऐसे बन रहे हैं और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने हो गए? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एक ज्यादा ही हो गया इसको कम कर दो सो so, इस तरीके से यानी कि ये जो रेक्टेंगल है सेवन रेक्टेंगल इस तरीके से सेवन स्क्वायर्स बन रहे हैं यहां पर और वन टू थ्री फोर चार यहां बन रहे हैं तो हमने कैसे फाइंड किया था इसका एरिया जितने स्क्वायर्स थे पिछली बार मैंगो स्लाइस में उतना ही एरिया आ रहा था और यहां तो हम सीधा अगर फाइंड करें कि कितने स्टैम्प बन रहे हैं तो इसके एरिया से फाइंड कर सकते हैं जितने स्क्वास आएंगे उतना एरिया होता है तो जितना एरिया होगा उतने ही तो स्क्वास होंगे तो सिंपल सा तरीका यह है कि एक लाइन में सेवन फिर दूसरी लाइन में भी सेवन फिर तीसरी लाइन में भी सेवन और फोर्थ लाइन में भी सेवन सबको जोड़ लो 7 7, 14 plus 7 plus 7, तो कितना और हमको मैथ्स में हार्ड वर्क नहीं करना हमको करना है स्मार्ट वर्क मजदूरी नहीं करना है हमको पता है सबको कि आपको प्लस करना आता है माइनस करना आता है पर स्मार्ट तरीके से सॉल्यूशन करो तब मजे है राइट तो हम इतनी मेहनत ना करके क्या कर सकते हैं लेंथ सेवन है ब्रेथ फोर है यानी सेवन फोर टाइम्स क्या होगा ट्वेंटी एट यस सेवन स्क्वायर्स इधर बन रहे हैं फोर स्क्वायर्स इधर बन रहे हैं मुझे पता करना है कि इस पूरे रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर्स बनेंगे तो सेवन का मल्टीप्लाय मैं फोर से करूंगी तब भी तो मुझे ट्वेंटी एट ही मिल रहा है तो फिर इतनी मजदूरी क्यों करूं मैं इतनी मेहनत क्यों करूं कि सात पहली लाइन में स्क्वायर फिर सात दूसरी लाइन में स्क्वायर फिर सात तीसरी लाइन में स्क्वायर फिर सात चौथी लाइन में स्क्वायर नहीं जरूरत ना इतनी मजदूरी की सीधा क्या कहें सात स्क्वेयर्स लंबाई में है सात चार स्क्वास चौड़ाई में है सेवन फोर टाइम्स ट्वेंटी एट यानी कि इसमें ट्वेंटी एट टोटल स्क्वेयर बनने वाले हैं ट्वेंटी एट स्टैम्प यहां पर बन जाएंगे बहुत इजी हो गया उसी के बारे में आगे के क्वेश्चन है वही मैंने समझा दिया देख लो लिखा हुआ है यहां पर ई क्वेश्चन आपका हाउ मेनी स्टैम्प्स आर नीडेड टू कवर द रेक्टेंगल यानी कि कितने स्टैम्प्स आपको जरूरत पड़ रहे हैं किस चीज के लिए आपको जरूरत पड़ रहे हैं टू कवर द रेक्टेंगल एक पूरे रेक्टेंगल को कवर करने के लिए यानी कि ढकने के लिए पूरे में कितने स्टैम्प्स बन जाएंगे अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ स्टैम्प कैन बी प्लेस्ड इन रेक्टेंगल यानी कि एक रेक्टेंगल में कितने स्टैम्प बनेंगे सेवन इंटू फोर सेवन स्टैम उसके लेंथ वाइज और फोर उसकी वाइज तो सेवन फोर टाइम्स कितना होता ट्वेंटी एट होता है तो ट्वेंटी एट स्टैम्प वहां बन जाएंगे ये होगा आंसर आपका ई e का कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक किसी को भी राइट right? आगे बढ़े ई e के बाद एफ क्वेश्चन देखिए एफ क्वेश्चन बोल रहा है हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस डिस्क यानी कि आपने जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था बिल्कुल शुरुआत में आज की क्लास के सबसे पहले हमने क्या किया था एक गैस किया था एक अंदाजा लगाया था कि उस बड़े से येलो कलर के रेक्टेंगल में कितने स्क्वाय बनेंगे और मैंने सोचा था ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट इतने ही कुछ बन सकते हैं तो हाउ क्लोज वॉज योर अर्लियर गैस यानी कि आप कितने करीब थे आंसर के गैस फॉर द स्टैम्प वॉज ट्वेंटी सेवन हमने सोचा था कि अगर ट्वेंटी सेवन स्टैम्प उसमें बन सकते हैं बट द एक्चुअल आंसर इज ट्वेंटी एट पर जब हमने सच में कैलकुलेट किया तो कितना मिला हमको ट्वेंटी एट स्टैम्प बन रहे थे उस रेक्टेंगल में सो वी कैन से तो हम क्या कह सकते हैं

यानी कि मेरा आंसर करीब करीब मतलब जो गैस किया मैंने वो तो काफी अच्छा किया मेरे लिए कैपिंग्स हो जाए है ना कि मैंने गैस सही सही कर दिया था राइट चलिए तो ये क्वेश्चन यहीं पर क्या हो गया है खत्म हो गया है इसके आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है ओके अभी क्वेश्चन कहाँ खत्म होंगे इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी जी क्वेश्चन और दिया हुआ है देखिए लिखा है वट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि वो जो येलो कलर का बड़ा सा रेक्टेंगल दिया है उसका एरिया क्या होगा वो पूछा है हमसे तो देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगल अगर सेवन सेंटीमीटर क्या है उसकी लंबाई है और फोर सेंटीमीटर क्या है उसकी चौड़ाई है तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी एट स्क्वा सेंटीमीटर लेकिन वहां अगर हम उस एक्चुअल वाले रेक्टेंगल की बात करें तो वो फोर्टीन सेंटीमीटर लंबा था और क्या था आठ सेंटीमीटर चौड़ा था तो फिर अगर उसका हम देखें एरिया तो फोर्टीन इंटू एट करके मिलेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते तो अगर हम वैसे नॉर्मल देखें जो स्टैंप के हिसाब से हमने निकाला था तो वो ट्वेंटी एट है पर जो हमारा एक्चुअल दिया था वो चौदह सेंटीमीटर लंबा था और आठ सेंटीमीटर चौड़ा था तो आंसर क्या आएगा फोर्टीन इंटू एट कितना होगा फोर्टीन इंटू एट फोर्टीन मल्टीप्लाइड बाई एट करो एट फोर टाइम्स थर्टी टू टू यहां लिखेंगे थ्री कैरी ओवर एट वन टाइम्स हो जाएगा एट फिर नाइन टेन इलेवन कितना आ जाएगा वन हंड्रेड ट्वेल्व सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है वॉट इज द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल उस रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा तो लेंथ दी है रेक्टेंगल की फोर्टीन व्रेथ दी है रेक्टेंगल की एट और रेक्टेंगल हैज टू लेंथ एंड टू है पैरामीटर का मतलब समझते हो ना पहली क्लास में बताया था मैंने जब मैंने आपको इस चैप्टर का ओवरव्यू दिया था इस चैप्टर के ओवरव्यू में मैंने आपको क्या समझाया था मैंने समझाया था कि ये जो पैरामीटर है ये एक्चुअली होता क्या है मैं नहीं कह रही कि कोई फॉर्मूला याद करो मतलब मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पैरामीटर के लिए तो कभी नहीं बोलती कि आप फॉर्मूला याद करो ठीक है एरिया एक ऐसी चीज है कि ठीक है स्क्वायर का एरिया साइड इनटू साइड से आता है रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू विथ से आता है और अलग अलग फॉर्मूले uh, होते हैं हर शेप के लिए पर पैरामीटर के लिए कोई जरूरत नहीं है याद करने का फॉर्मूला uh, सिर्फ एक रूल याद रखो पैरामीटर होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स क्या बोला मैंने लिख के बता देती हूं थोड़ा सा ज्यादा दिमाग में आएगा आपको जो आपका पैरामीटर होता है जिसको हम एक तरीके से बाउंड्री भी बोलते हैं किसी भी चीज की बाउंड्री तो वो जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है ये देखिए यहाँ लिखा ही हुआ है पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स यानी कि जितनी भी साइड्स हैं उनको सम कर दो या सम यानी जोड़ दो अगर मैं बात करूं क्या एक ट्राइंगल की अगर मैं एक ट्राइंगल की बात करूं कितनी साइड है इसमें तीन साइड है दिख रही है हमको कौन कौन सी है तीनों साइड एक ये, एक, ये, एक ये अगर ये दो सेंटीमीटर लंबी है ये तीन सेंटीमीटर लंबी है ये पांच सेंटीमीटर लंबी है। और कोई आता है मुझसे कि ये एक ट्राइंगल यहाँ बना हुआ है मुझे बताओ इसकी जो पैरामीटर है वो कितना है या फिर पैरामीटर की जगह वर्ड यूज कर ले बाउंड्री की लंबाई कितनी है इसकी मतलब कि अगर मेरे पास एक इस तरीके की जमीन है ऐसा एरिया है मेरे घर में गार्डन में ट्राइंगल शेप में मैंने लगा दिया उसमें खूब सारे फूल वाले पौधे लगा दिए फ्लावर बेड बना दिया मैंने उसका तो अगर मेरे को फाइंड करना है कि अब मैं क्या करूँ यार फूल लगे तो इसको थोड़ा फेंसिंग कर देते हैं चारों तरफ अब मैं गई वहां पर तो उन्होंने मेरे को बोला शॉप पर कि आपको कितनी लंबी फेंस चाहिए हम उतनी बनाकर ले आएंगे और ट्रायंगल के शेप में उसको जमा देंगे तो उसका मतलब क्या है कि ये जो बाउंड्री की लंबाई है ना ये बताना पड़ेगी हमको कि यहां से लेके यहाँ तक यहां से लेके यहाँ तक यहां से लेके यहां तक टोटल कितना चाहिए हमको लेंथ टोटल कितनी होगी टू प्लस थ्री फाइव सेंटीमीटर और फाइव टोटल कितना हो गया टेन सेंटीमीटर यानी कि इस ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स थे उनका सम आ रहा है दस सेंटीमीटर तो दस सेंटीमीटर क्या है इसकी बाउंड्री बाउंड्री इसकी 10 सेंटीमीटर लंबी है अगर इस ट्राइंगल को मैं इस तरीके से ऐसे खोल दू तो ये जो हिस्सा है वो यहां आ जाएगा फिर ये इस तरीके से ये इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बना दू तो यहां से, 2, यहां से यहां तक टू यहां से यहां तक फाइव यहां से यहां तक थ्री कितना कितना होगा टू और फाइव सेवन और थ्री टेन टेन सेंटीमीटर लंबाई यानी कि इस बाउंड्री को हमने इस तरीके से खोल दिया पूरा तो ये कितनी लंबी निकली दस सेंटीमीटर तो यही लेंथ ऑफ द बाउंड्री कहूं या सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स यानी कि जितनी भी साइड है किसी भी फिगर में उन सब को जोड़ दो वो कितनी लंबी है तो वही उसका पैरामीटर आ जाता है वही उसकी बाउंड्री की लंबाई आ जाती है अब वो ट्राइंगल हो तो तीन को जोड़ दो स्क्वायर है तो चारों साइड्स को जोड़ दो रेक्टेंगल है तो ये लेंथ ये लेंथ ये व्रथ ये व्रत क्या करेंगे दो बार लेंथ जुड़ेगी दो बार व्रत जुड़ेगी तभी तो इसकी पैरामीटर मिलेगा हमको तभी तो इसकी बाउंड्री मिलेगी हमको कि कितनी लंबी बाउंड्री है यहां से यहां तक मैंने माना लेंथ के बराबर यहां से यहां तक लेंथ के बराबर दोनों को जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे डी इसको जोड़ेंगे बी यानी कि दो बार लंबाई और दो बार चौड़ाई को मेरे को जोड़ना पड़ेगा एक रेक्टेंगल की तब जाके मेरे को उसका क्या मिलने वाला है पैरामीटर मिलने वाला है सो so, पैरामीटर की हमें एक प्रॉपर रेक्टेंगल के लिए तो मिल गया दो बार लेंथ दो बार व्र जोड़ो फिर कोई भी हो कभी अब याद मत करो आज के बाद पैरामीटर याद रखने की जरूरत नहीं है क्या चीज फॉर्मूला पैरामीटर याद रखने की जरूरत है पर उसका फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है क्या होता है जो भी फिगर दिया हो अब मैंने यहां आपको क्या दे दिया एक पैंटागन दे दिया बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर ऑफ पैंटागन का फॉर्मूला अरे जरूरत ही नहीं है पैंटागन में जितनी भी साइड से उनको जोड़ दो मैंने कहा ये यहाँ से यहां तक तीन सेंटीमीटर है ये तीन है ये दो है ये दो है ये पांच है कितना होगा थ्री और टू फाइव थ्री और टू फाइव 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 टेन और ये फाइव फिफ्टीन पैंटागन का पैरामीटर फिफ्टीन मिल गया मेरे को यानी कि अब मे को उसकी जरूरत नहीं है तो वही यहाँ पे पूछा है तो देखो यहाँ पे कि पैरामीटर क्या होगा रेक्टेंगल का तो हमने देखा कि उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है पैरामीटर की व्रेथ 8 सेंटीमीटर है तो उसका जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कि सारे साइड्स का सम कर दो लेंथ उसकी और ब्रेथ उसकी तो देखो फोर्टीन एट फोर्टीन एट दो बार क्यों लिखा हमने अरे इस तरीके का दिया था यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर था यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर व्रेथ 8 सेंटीमीटर ये वाली व्रथ 8 सेंटीमीटर तो टोटल कितनी हुई बाउंड्री यहां से यहां तक 14 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 8 पैरामीटर मिल गया मेरे को तो 14 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 8 करा कितना आया एड कर लो 14 प्लस 8 कितना होगा 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 ठीक है 22 के बाद 14 और 22 के बाद 14 और करो कितना होगा 32 और 4 36 और 8 37 38 39 40 41 42 43 44 टोटल ऐड कर लो 14 को 8 में 8 को 14 में 14 में 8 तो टोटल आपको क्या मिलेगा चारों का सम 44 सेंटीमीटर चारों को मिला के 44 सेंटीमीटर आ रहा है तो हम बोलेंगे कि पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या है फोर सेंटीमीटर के बराबर इजी था ना तो सब कुछ इजी है बस थोड़ा सा ध्यान से कंसेप्ट को समझ के अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होता है है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन और क्या दिया हुआ है इसमें नेक्स्ट है कुछ प्रैक्टिस टाइम के क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है अभी तक वो रेक्टेंगल वाले जो टॉपिक्स थे वो हो गए हैं हमारे खत्म सो so, अभी तक हमने काफी कुछ पढ़ लिया रेक्टांगल्स के बारे में राइट और अब नया है प्रैक्टिस टाइम अब इस प्रैक्टिस टाइम में हमको क्या पढ़ना है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए अपन रीड करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है अरबास प्लान्स टू टाइल हिज किचन फ्लोर विथ ग्रीन स्क्वायर टाइल्स लिखा हुआ है अरबाज नाम का एक पर्सन है देखिए यहाँ पे बना हुआ है ये जो है इसका नाम क्या है इस पर्सन का इसका नाम है अरबाज अब अरबाज क्या चाह रहा है वो प्लान कर रहा है अपने किचन के टाइल को किचन के फ्लोर को टाइल्स करने की यानी कि किचन है उसके घर में उस किचन में नीचे जो जमीन है अभी उस पर टाइल्स नहीं लगे हुए हैं न्यू न्यू किचन बना होगा ऐसा कुछ हो सकता है है ना अब उसको टाइल्स लगवाने हैं तो वो कैसे टाइल्स लगवा रहा है वहां पर वहां पर वो कुछ आ, ग्रीन कलर के स्क्वायर टाइल्स लगवा रहा है यानी कि कैसे कलर उन टाइल्स का होगा ग्रीन ग्रीन कलर के वो टाइल्स होंगे और शेप उनका कैसा होने वाला है स्क्वायर कह रही हूं मैं एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ू नहीं तो आप बाद में कहोगे मैम स्क्वायर कैसे होगा टाइल्स लिख कर दिया है उन्होंने कि वो कैसे टाइल्स टाइल्स यूज यूज करने वाला है ग्रीन कलर के स्क्वायर स्क्वायर करेगा शेप सबको पता है ना एक ऐसा शेप एक ऐसा चार साइड से बनने वाला क्लोज शेप जिसमें चारों साइड्स उसकी क्या होती हैं बराबर यहां से यहां तक ये चारों जो लंबाई है चारों साइड्स की वो बिल्कुल बराबर है उस टाइल्स की तभी वो टाइल्स क्या कहलाएगा स्क्वायर टाइल कहलाएगा और उसका कलर क्या है ग्रीन ये देखो यहाँ दिखाया गया है ये ग्रीन कलर का एक कॉर्नर पे एक टाइल लगा दिया गया है, है ना आगे बढ़ते हैं लिखा है ईच साइड ऑफ द टाइल इज टेन सेंटीमीटर उस टाइल की हर एक साइड जो है उसकी लंबाई कितनी है दस सेंटीमीटर के बराबर अब हमें पता है स्क्वायर टाइल है तो हर साइड उसकी दस सेंटीमीटर की होगी इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया है कि कि साइड, यानी उस स्क्वायर टाइल की हर एक साइड कितनी लंबी है दस सेंटीमीटर के बराबर है ये भी टेन सेंटीमीटर यहाँ भी टेन सेंटीमीटर यहां भी टेन सेंटीमीटर यहां, यहां से यहां तक भी टेन सेंटीमीटर तो ये जो टाइल है इसकी चारों तरफ ये जो लंबाई है हर तरफ की लंबाई कैसी है दस सेंटीमीटर बराबर है इतनी बात समझ में आ गई सबको आगे देखते हैं इन लेंथ और उसका जो किचन है किचन के ही फ्लोर पे टाइल्स लगाना है हमको तो उसका जो किचन है उसकी लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है किचन के फ्लोर की टू हंड्रेड ट्वेंटी सेंटीमीटर के बराबर यानी किचन उसका कितना लंबा है 220 सेंटीमीटर बराबर उसका किचन का जो फ्लोर है उतना लंबा है एंड 180 सेंटीमीटर वाइड यानी कि 180 180 सेंटीमीटर जो है वो जो किचन का फ्लोर है वो चौड़ाई है उस किचन की जैसे ये येलो कलर का यहाँ पे आपको फ्लोर दिख रहा है ये फ्लोर है उसके किचन का जिसकी लंबाई कितनी है यहां से लेकर यहां तक उसकी लेंथ 220 सेंटीमीटर के बराबर है और वहीं उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है 180 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना है 180 यानी 180 सेंटीमीटर ये क्या है किचन का फ्लोर वाइड यानी कि 220 सेंटीमीटर लेंथ और 180 सेंटीमीटर ब्रेथ वाले किचन फ्लोर पे हमको कौन से टाइल लगाने हमको नहीं लगाने ये अरबाज लगवाना चाहता है वो ग्रीन कलर के टाइल्स और वो स्क्वायर टाइल्स होंगे जिसकी जो साइड होगी वो कितनी होगी उनकी साइड 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी ओके okay? आगे देखिए लिखा है हाउ मेनी टाइल्स विल ही नीड बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि ये जो अरबाज है ये इसके भाई किचन है किचन का जो फ्लोर है टू ट्वेंटी सेंटीमीटर लंबा है वन हंड्रेड एटी सेंटीमीटर चौड़ा है इस फ्लोर पे हमको इस तरीके के ग्रीन कलर के स्क्वेयर टाइल्स लगाने हैं जिसकी हर एक साइड टेन टेन सेंटीमीटर के बराबर होगी So, बताइए जरा कि वो जो आवाज है वो जाएगा मार्केट तो वो कितने टाइल्स खरीद के लाएगा क्योंकि जब उसे पता होगा कि उतने टाइल्स यूज होने हैं किचन के फ्लोर में उतने ही तो वो खरीदेगा कम लेकर आया तो उसको फिर से दौड़ना पड़ेगा बाजार के लिए फिर क्या पता सेम टाइल्स मिले ना मिले कभी कभी ये भी होता है कि टाइल्स खत्म ही हो जाते हैं हमारे जो हमने सेलेक्ट किए वो वाले तो इसीलिए पहले से हमको क्या है अगर पता हो कि कितने एग्जैक्ट टाइल्स किचन के फ्लोर पर लगना है तो हम एग्जैक्टली exactly उतने टाइल्स लेकर आ जाएंगे है ना तो हम नहीं ला रहे अरबाज लेकर आ जाएगा सो क्वेश्चन सबको क्लियर है ना कि अरबाज को टाइल लगाना है प्लान कर रहा है किचन के फ्लोर को टाइल्स करने की ग्रीन कलर के स्क्वायर शेप के टाइल्स हैं यहाँ ग्रीन कलर जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना इंपॉर्टेंट है टाइल का शेप के वो किस शेप के टाइल्स है स्क्वायर शेप के टाइल्स हैं और हर एक टाइल का साइड बहुत इंपॉर्टेंट है दस दस सेंटीमीटर साइड का वो स्क्वायर है तो हमें पता करना है कि कितने टाइल्स यहां लगेंगे तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग वे में मैं बताऊं तो आप देख सकते हो क्या होगा इसका मतलब आप इसको किचन का फ्लोर ना मान के आप इसको क्या मान लो एक येलो कलर का बड़ा सा रेक्टेंगल मान लो जैसे अभी हमने पिछली लाइव क्लास में किया था जहां पर हम वो रेक्टेंगल वाले क्वेश्चन कर रहे थे सॉल्व इसी के पहले के सो so, मैंने मान लिया एक ये येलो कलर का फ्लोर नहीं है ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल में मेरे को छोटे छोटे क्या लगा है? लगाने हैं स्क्वायर्स लगाने हैं बस इस बार डिफरेंस क्या हो गया इस बार डिफरेंस ये हो गया कि अब एक एक सेंटीमीटर वाले स्क्वायर नहीं लगा रही मैं मैं लगा रही हूं दस दस सेंटीमीटर वाले स्क्वायर तो मुझे ये पता करना है कि बताइए इतनी जगह में ये दस दस सेंटीमीटर वाले स्क्वायर में कितने लगा सकती हूँ तो अगर मैं फिर से वही बोरिंग पुराने जमाने वाले टेक्निक पर कि इधर टेन सेंटीमीटर का एक इसके बगल में फिर एक और टेन सेंटीमीटर का इसके बगल में फिर एक और टेन सेंटीमीटर का तो जमाने गुजर जाएंगे आंसर पे नहीं पहुंचोगे आप हाँ जी क्यों क्योंकि 220 सेंटीमीटर कवर करना है कोई 20 सेंटीमीटर कवर नहीं करना कि एक एक सेंटीमीटर के 20 टाइल्स लगा दो 220 सेंटीमीटर की जगह थोड़ी बड़ी कहलाती है यार है ना और उसमें 10-10 सेंटीमीटर 10 के आपको टाइल्स लगाने हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना मजदूरी वाला अपन मेथड यूज नहीं करने वाले अपन लाइक like पढ़ रहे हैं ना मजदूर थोड़ी है मजदूर के यहाँ पर हम मजदूरी करके सॉल्यूशन करेंगे हम करेंगे यहाँ पे स्मार्ट वर्क यानी कि ये बिल्कुल किसी को नहीं करना कि टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी करते करते टू हंड्रेड ट्वेंटी तक पहुंचो फिर गिनो कि कितने टाइल्स हमने यूज करे फिर क्या कर सकते हैं अपन पिछले लाइव क्लास में हमने ये सीखा था कि स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं स्मार्ट वर्क के लिए हमको थोड़ा सा अपने माइंड की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी थोड़ा सा ब्रेन वर्क क्या करना है हमको कि आप खुद सोचो टेन 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 करते करते कितने टाइल्स लग सकते हैं इसके लेंथ में एक टाइल टेन लेंथ का है फिर दूसरा लग जाएगा तो टेन और टेन ट्वेंटी हो जाएंगे तीसरा लगेगा तो टेन 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 थर्टी हो जाएगी लेंथ तो ऐसे में कितने टाइल्स लंबाई में लगा दू इसकी ले कि 220 सेंटीमीटर की जगह कवर हो जाए यानी कि अभी मेरा मोटिव पूरे फ्लोर को टाइल्स करने का नहीं है आप बस मुझे इतना बता दीजिए कि इसके पहली लाइन में एक पहली लाइन में बना रही हूँ यहां यहां तो इस लाइन में 10 10 सेंटीमीटर के कितने टाइल्स लग सकते हैं इस लाइन की लंबाई क्या है 220 सेंटीमीटर तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फाइंड करना है कि 220 सेंटीमीटर की जगह में अगर टेन टेन सेंटीमीटर के हिस्सों में डिवाइड करें पहले हमने एक एक सेंटीमीटर दो दो सेंटीमीटर ऐसे डिवाइड किया था इतनी जगह है इतने इतने के टाइल्स लगने हैं कितने टाइल्स लगेंगे कैसे पता चलेगा टू ट्वेंटी को डिवाइड कर दो टेन से टू हंड्रेड ट्वेंटी को अगर आप टेन से डिवाइड कर रहे हैं क्या आएगा आंसर अगर सीधे कट करना आता है बहुत अच्छी बात है आप सीधे कट कर सकते हैं जीरो से जीरो कैंसिल क्या बचा 22 अपॉन वन इसका मतलब 22 दैट मींस 22 टाइल्स ये लंबाई में लग सकते हैं है ना पर नहीं आता मैम हमको ये ऐसे कट करना नहीं आता हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो जो अपना देसी मेथड है उसको फॉलो करो क्या मेथड है 220 को नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर लो टेन से अब टेन की टेबल इतनी बार पढ़ो कि उसमें 2 आए 2 तो आएगा नहीं 10 1 टाइम्स 10 शुरुआत ही से हो रही है तो दो कहां से आ जाएगा तो ट्वेंटी टू लेना पड़ेगा एक नंबर से काम नहीं चलेगा दो ले लिए मैंने नंबर। की इतनी टाइम्स टू आ जाए टेन वन टाइम्स टेन टेन टू टाइम्स ट्वेंटी टेन थ्री टाइम्स थर्टी ट्वेंटी टू तो आया ही नहीं टेन टू टाइम्स में ट्वेंटी आया और टेन थ्री टाइम्स में थर्टी आया ट्वेंटी टू तो आया ही नहीं दैट देट या तो मेरे को ट्वेंटी टू चाहिए था या ट्वेंटी टू से कम ले सकती हूं ऐसे ही डिविजन करते हैं तो टेन टू टाइम्स क्या करूंगी ट्वेंटी लूंगी माइनस किया ट्वेंटी टू में से ट्वेंटी गया कितना बचा टू बचा इस जीरो को नीचे लेकर आए तो ये फिर से ट्वेंटी बन गया अब बताओ टेन की टेबल कितनी बार पढ़ोगे कि ट्वेंटी आए टू टाइम्स सो टेन टू टाइम्स आप करोगे तो आपको मिलेगा ट्वेंटी माइनस किया खत्म जीरो जीरो रिमाइंडर होगा यहाँ पे तो दैट मींस आंसर कितना आया क्वेश्चन कितना आया आपका दैट टाइल्स जो है, वो हम इस तरीके से लेंथ में ट्वेंटी टू टाइल्स लगा सकते हैं दूसरा काम हमारा ये होगा कि अब वृत्त में कितने टाइल्स लगाए यानी कि चौड़ाई में कितने टाइल्स लगाए इसके तो चलो 22 तक क्लियर हो गया सबको लिखना कैसे है वो देख लो यहाँ लिख दिया है किचन की लेंथ लेंथ ऑफ़ द किचन कितनी है 220 सेंटीमीटर ईच साइड ऑफ द टाइल टाइल्स की हर एक साइड कितनी है कितना लंबा है टाइल्स कितना चौड़ा है टाइल्स स्क्वायर है सारी साइड्स बराबर होंगी तो 10 सेंटीमीटर उसकी साइड की लंबाई है नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स लेंथ उसकी लेंथ के अलोंग लंबाई में कितने टाइल्स यहाँ रखा सकते हैं तो उसकी जो टोटल लंबाई है 220 उसको डिवाइड किया एक टाइल की लेंथ 10 से तो 220 को जब 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 22 पार्ट्स हमें टोटल मिले यानी कि 22 टाइल्स वहां पर लेंथ के अलोंग रख सकते हैं ये तरीका है लिखने का यहां तक हमने समझ लिया तरीका समझ लिया कि रिप्रेजेंट कैसे करना है आंसर को अब हम देखते हैं कि इसके जो वृत्त है यानी कि जो चौड़ाई है उसमें कितने टाइल्स आएंगे तो हमें पता है यहाँ पे 180 सेंटीमीटर की क्या है इसकी वृत्त है यानी कि यहां से लेके यहाँ तक जब नापा गया होगा उसकी फ्लोर 180, यानी कि 180 सेंटीमीटर चौड़ी वो मिली हमको रूम मिला टाइल्स की लंबाई या लेंथ कितनी है वृत्त कितनी है स्क्वायर है टेन सेंटीमीटर ही लेंथ टेन सेंटीमीटर होगी उसकी तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक टाइल्स रखा मैंने तो यहां से लेके यहाँ तक टेन का हो गया फिर एक और रखूंगी तो यहां से यहां तक टेन और हो जाएगा फिर एक और रखूंगी यहां से यहां तक टेन और हो जाएगा तो टेन ट्वेंटी थर्टी तीन टाइल्स थर्टी सेंटीमीटर के हो गए ऐसे करते करते टेन ट्वेंट टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी करते करते मुझे कहां तक पहुंचना है 180 सेंटीमीटर की जगह कवर करनी है कोई छोटी मोटी बात है क्या नहीं छोटी मोटी बात नहीं है 180 सेंटीमीटर तक जाना है तो ये तो हम मजदूरी नहीं करेंगे कि 10 20 30 40 ऐसे 10 10 10 10 करते हुए टाइल्स रखते जाए एक एक और 10 10 10 10 ऐड करें नहीं करेंगे ना क्यों क्योंकि हम स्मार्ट बच्चे हैं हम स्मार्ट तरीके से आंसर्स को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि 180 सेंटीमीटर की जगह है 10-10 सेंटीमीटर -10 के हिस्सों में टाइल्सों में उसको बांटना है तो कितने हिस्से होंगे तो 180 को डिवाइड करेंगे 10 से 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 18 अपॉन वन मतलब 18 that means उसके वृथ में चौड़ाई में कितने टाइल्स बन सकते हैं 10-10 सेंटीमीटर -10 वाले 18 टाइल्स बन सकते हैं तो पूरी 180 सेंटीमीटर की जगह कवर हो जाएगी समझ गई कहानी इसको देख लो लिखना कैसे है देखो व्रथ ऑफ द किचन किचन की चौड़ाई इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर इतनी ही है क्वेश्चन में गिवन है हमको लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल टाइल की लेंथ कितनी है हर एक साइड की 10 सेंटीमीटर के बराबर है नंबर ऑफ द टाइल्स दैट कैन बी प्लेस्ड अलोंग इट्स वृथ यानी कि कितने टाइल्स उस कहां रखा सकते हैं वृथ की साइड पे रखा सकते हैं ये चौड़ाई है इस साइड अगर ऐसे ऐसे एक के नीचे एक रखूं मैं तो कितने टाइल्स वहां पर रखा सकते हैं तो हमने देखा अगर हम ब्रिथ ऑफ द किचन को डिवाइड कर दें ब्रेथ ऑफ द टाइल्स से यानी कि 180 को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से तो हमें कितना मिलेगा 18. देसी तरीके से देख लो हमारा जो डिवाइड करने का तरीका है 180 को 10 से 10 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि की टेन 10 टू टाइम्स 10, 10, 10, तो आया ही नहीं दैट मींस हमें 18 नहीं मिल रहा तो 18 से कम लेना पड़ेगा 10 टू टाइम्स 20 18 से ज्यादा हो रहा है तो उसके पहले 10 1 टाइम्स 10, 10 लेना पड़ेगा तो 10 1 टाइम्स करेंगे 10 माइनस करेंगे 18 में से 10 गया 8 बचा

माइनस करेंगे रिमाइंडर जीरो बचा ऐसे ही करते हैं डिवीजन आंसर क्या आ गया 118 18 यानी कि जब 180 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आएगा दैट मींस नंबर ऑफ द टाइल्स दैट ही विल नीड फॉर किचन कितने टाइल्स टोटल किचन में लगेंगे अब ये बताओ इसीलिए कहती हूँ कोई भी क्लास मिस मत किया करो बस यहां पे इन्होंने कुछ नहीं किया वो बड़े से रेक्टेंगल येलो रेक्टेंगल जो पिछले लाइव क्लास में हमने पढ़ा था उसकी जगह ये येलो कलर का बड़ा सा किचन का फ्लोर कर दिया और वो जो स्टैंप लगा रहे थे छोटे छोटे हम उसकी जगह पर यहाँ पे थोड़े से बड़े बड़े क्या लगा दिए टाइल्स लगा दिए मैथड पूरा सेम है अगर वो क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये तो बिल्कुल हलवा है मतलब बहुत ही ज्यादा इजी है है ना सेम क्वेश्चन है रेक्टेंगल की जगह ये किचन का फ्लोर हो गया स्टैंप्स की जगह ये क्या हो गए ग्रीन कलर के टाइल्स हो गए तो उसी में हमने देखा कि ये रेक्टेंगल में लेंथ के अलोंग कितने टाइल्स हैं ट्वेंटी टू टाइल्स लग रहे हैं इधर के कितने टाइल्स रखा रहे हैं एटीन टाइल्स रखा रहे हैं तो क्या कोई मेरे को इसका एरिया बता सकता है कि कितना होगा इस पूरे किचन फ्लोर का जितना एरिया होगा या मैं बोल सकती हूँ जितने टाइल्स लग रहे होंगे ऑलमोस्ट क्या होगा वो सेम ही होगा मतलब कितने टाइल्स हम यही करते थे कि जितने स्क्वायर्स लग रहे थे उतना स्क्वायर का एरिया हो जाता था तो यहाँ भी वैसे ही करूं जितने टाइल्स लग रहे हैं उतना क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा उसका तो देखो ट्वेंटी टू टाइल्स यहां और एटीन टाइल्स यहां तो हम क्या करते हैं या तो इनको एड कर लोगे ट्वेंटी टू टाइल्स फिर दूसरी लाइन में भी ट्वेंटी टू टाइल्स तीसरी लाइन में भी 22 टाइल्स ऐसी कितनी लाइंस हैं ये तो वन टू थ्री फोर टोटल अठारह लाइन है कितनी बार अठारह बार 22 को ऐड करोगे इससे बेस्ट क्या है 22 को क्या कर लो 18 से मल्टीप्लाई कर लो 22 प्लस 22 प्लस 22 18 टाइम्स करोगे ऐड इससे अच्छा 22 को सीधे 18 से मल्टीप्लाई करो तो भी आपको वही आंसर मिलेगा तो एक तरीके से वही हो गया ट्वेंटी टू टाइल्स 18 टाइल्स व्रेथ के वाइज तो इसका जो टाइल्स का नंबर है टोटल कितने टाइल्स लगेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा टोटल टाइल्स कितने मिलने वाले हैं अपन को 22 टाइल्स ऐसे 18 टाइल्स ऐसे तो उन्होंने कहा था कि ये तो बड़ी बेवकूफी होगी कि अगर पूरे टाइल्स आप बनाओ आपको टोटल टाइल्स मिल सकते हैं अगर आप लेंथ के टाइल्स और विथ वाले टाइल्स को दोनों को क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो जल्दी से 22 का 18 से मल्टीप्लाई करिए मैंने बोला था कॉपी पेन लेके रखो देखो छोटी-छोटी कैलकुलेशन साथ-साथ करते जाओ सो so दैट पता चल जाए कि कितने अच्छे हो ये होता है आता है मैम हमको कि क्या करना है पर मल्टीप्लीकेशन में डब्बा गोल है मतलब टेबल ही नहीं आती अब टेबल नहीं आती तो तो आपको बिल्कुल कान खींचने की जरूरत है अब स्क्रीन से निकल के मैं कान तो नहीं खींच सकती हूँ मम्मा पापा से है ना वो जरा सा डांट देंगे आपको कि टेबल तो कम से कम तीस चालीस तक याद कर लो यार थर्टी से फोर्टी तक आपको सारी टेबल्स याद होना चाहिए उससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा आपका है ना गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे सो अगर अगर 22 की टेबल आती होती 18 18 टाइम्स टाइम्स पढ़ पढ़ लेते, 18 की आधी होती 22 पढ़ लेते, ठीक <laughs> है इतना ज्यादा नहीं कह रही मैं कि 22 की टेबल 18 टाइम्स पढ़ो 10 टेन टाइम्स तक तो सब याद हो सकती है ना फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो देखो ट्वेंटी को मल्टीप्लाई करना है एटीन से एटीन मल्टीप्लाइड ट्वेंटी देखो टू का मल्टीप्लाई करेंगे एट से ध्यान से देखना सब लोग मल्टीप्लीकेशन कहीं गलतियां नहीं होना चाहिए टू का मल्टीप्लाई पहले एट से करेंगे टाइम्स होता है है 16, इस 16 का ये जो पीछे वाला नंबर प्लेस पे उसको यहां लिखेंगे और आगे जो भी रहता है नंबर उसको आगे भेज देते हैं कैरी पे तो वन पहुंच जाएगा यहाँ ऊपर कैरी बनकर अब कैरी क्या करेगी वो देखो अब टू का मल्टीप्लाई मैं वन में करूंगी तो टू वन टाइम्स टू होगा और जो कैरी हो जाती है वो प्लस हो जाती है तो टू इन टू वन टू प्लस वन करेंगे तो थ्री आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स क्रॉस करो अब से इस का मल्टीप्लाई से करोगे तो भी टू एट टाइम्स सिक्सटीन आएगा सिक्सटीन का सिक्स आप फिर यहां लिखोगे और वन आप पहुंचा दोगे फिर से कैरी पर फिर टू वन टाइम्स फिर से टू और प्लस वन होगा थ्री कितना हुआ अब यहां जो आया इनको कर लेंगे एड तो सिक्स और कुछ नहीं तो सिक्स थ्री प्लस सिक्स नाइन और यहाँ कुछ नहीं और थ्री तो थ्री तो क्या आ गया थ्री हंड्रेड नाइन्टी सिक्स यानी कि कितने टाइल्स उस किचन के फ्लोर पे लगने वाले हैं थ्री हंड्रेड नाइन्टी सिक्स टाइल्स लगने वाले हैं उस पूरे किचन फ्लोर पर ये बात ध्यान रहेगी तो हमने क्या किया बहुत इजी तरीके से यहाँ फाइंड कर लिया कि कितने टाइल्स उसके आ, क्या नाम था मैं तो भूल ही गई अरबाज अरबाज ही अपने किचन के घर में किचन के फ्लोर पे ग्रीन कलर के टाइल्स लगवा रहा था बड़ी बुरी चॉइस लगी यार मेरे को तो पर्सनली मतलब मैं तो अपने घर में कभी भी किचन क्या किसी भी रूम में हरे कलर के टाइल्स को तो लगाना पसंद नहीं करूंगी कैसा वो अजीब ही लगेगा आइज में हरा हरा अरे इतना सारा हरा देखना है तो पेड़ पौधे लगा लो ना उससे थोड़ी सी ऑक्सीजन भी मिलेगी हमको है ना पर ठीक है अपनी अपनी चॉइस है सबकी अपनी अपनी पसंद है वो मैं किसी को वो बुरा नहीं कह रही ऐसा हंसना भी नहीं चाहिए यार आप लोग भी मत हंसिए So, देखिए सीधा हमें ग्रीन कलर से मतलब नहीं था हमें मतलब था नंबर ऑफ टाइल्स से तो हमने क्या किया एक क्विक रिविजन कर लो हमने इसकी लेंथ वाइज देखा कि कितने टाइल्स हैं तो इसकी लेंथ हमारी टू ट्वेंटी थी उसको हमने डिवाइड किया इस टाइल की लेंथ टेन से तो हमें पता चला कि लंबाई में टोटल ट्वेंटी टू टाइल्स यहाँ पे ऐसे लग सकते हैं इसी तरीके से इसकी जो वृत्त थी ये क्या थी 180 सेंटीमीटर चौड़ाई का ये रूम था किचन का फ्लोर था और इसकी टाइल्स की वृत्त थी 10 तो 180 को 10 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 18 टाइल्स जो है वो इस तरीके से यहाँ पे वृत्त में लग सकते हैं फिर मुझे टोटल टाइल्स निकालना कि कितने होंगे तो टोटल टाइल्स मैंने देखा कि ट्वेंटी टू टाइल्स इस तरीके से लेंथ में लगेंगे कितनी बार लगेंगे एटीन रोज तक लगेंगे तो ट्वेंटी टू का मल्टीप्लाई एटीन से करा तो मुझे थ्री हंड्रेड एंड सिक्स ही आया था ना हाँ थ्री हंड्रेड सिक्स मिल गया आंसर के 396 नंबर ऑफ टाइल्स उसको चाहिए पड़ेंगे किचन के लिए अब वो जल्दी से भागते हुए मार्केट जाएगा और बोलेगा शॉपकीपर से कि मेरे को 396 टाइल्स एक तरीके के दे दो और बस उसमें उसका काम हो जाएगा क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं तो ये था आपका एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को हम लाइव सेशन आपके लिए लेके आ रहे हैं सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे कनेक्ट हो पाए ज्यादा से ज्यादा लोग मैग्नेट ब्रेन के फ्री एजुकेशन प्रोग्राम का फायदा उठा पाए तो अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दिया करो जल्दी से कि मैम लाइव पढ़ाने आ गई है तो सब लोग पढ़ लो यहीं पे डाउट्स बता दिया करो मैं बीच बीच में देख के आपका आंसर दे दूंगी राइट चलिए सो ए हो गया है हमारा खत्म आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर बी क्वेश्चन भी वही पेज 148 पर ही दिया हुआ है आपके क्लास फिफ्थ मैथ्स मैजिक बुक में सो so, अब ये जो बी क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है वो देखिए क्वेश्चन बी कह रहा है फेंसिंग ऑफ अ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर इन लेंथ एक स्क्वायर शेप का क्या है गार्डन है और उसमें ये जो फेंसिंग है ये क्या फेंसिंग का क्या मतलब होता है अगर आपके घर में गार्डन हो या फिर आजकल क्या हो रहा है इतनी सारी जगह तो हो नहीं पाती बड़ी-बड़ी सिटीज में कि आप पूरा गार्डन ले सको घर के पास तो या तो आप टेरिस पे गार्डन बनवा लेते हो या क्या करते हो घर के बाहर एक छोटा सा किचन गार्डन के लिए जरूर जगह दी रहती है कि हर घर में थोड़े ना थोड़े तो पेड़ पौधे लगे हों तो हम क्या करते हैं उस जगह को फेंसिंग कर देते हैं याद आया फेंसिंग यानी कि मैंने तारों से या फिर ग्रीन शीट से क्या कर दिया बाउंड्री बना दी उतनी जगह में सो so दैट हर कोई उस जगह में जल्दी से ना घुस पाए क्योंकि मैंने सुंदर सुंदर फूल लगा रखे हैं अगर मैं बाउंड्री नहीं लगाऊंगी तो ये जो जानवर होते हैं एनिमल्स होते हैं वो आएंगे फूल को खा के चले जाएंगे अब मैंने इतनी मेहनत से उसको पाल पोस के बड़ा किया है किसको पौधे की बात कर रही हूं मैं प्लांट को और उसने इतना सुंदर सा फूल आया तो मैं तो चाहूंगी कि वो उसी में लगा रहे ताकि मैं रोज उसको देख के खुश हो सकूं कि वाओ कितने सुंदर सुंदर फूल मेरे गार्डन में लग रहे हैं तो यहाँ पे वही मतलब है फेंसिंग का टॉपिक से नहीं बट अपना हम फेंसिंग की बात कर रहे थे कि फेंसिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मेरा ये गार्डन है एक स्क्वायर शेप की गार्डन की बात चल रही है यानी कि चारों साइड्स इसकी क्या होंगी गार्डन की बराबर होगी लेंथ ब्रिथ सब बराबर है फिर इसमें फेंसिंग करी गई फेंसिंग का मतलब है अब आप तार लगा सकते हो कि इस गार्डन के चारों तरफ मैंने क्या लगा दिए इस तरीके के तार लगा दिए इस तरीके से ठीक है अब ये लगा दिए सो देट अब हर कोई एकदम एक से तो नहीं घुस पाएगा इसके अंदर या तो उनको तारों को क्रॉस करके आना पड़ेगा तो टाइम लगेगा या हम तार वाला ही एक बीच में गेट लगा देंगे तो फिर वो आएंगे तो इस तरीके के मैंने चारों तरफ क्या किया इस इसपे तार लगा दिए तो वही होते हैं फेंसिंग की एक बाउंड्री क्रिएट कर दी मैंने तो फेंसिंग का मतलब समझ गए सब लोग तो दिया है फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन एक स्क्वायर गार्डन की जो फेंसिंग है वो 20 मीटर है लंबाई में लेंथ में 20 मीटर इन लेंथ हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन तो गार्डन का एक साइड कितनी लंबाई का होगा वो हमें बताना है यानी कि गार्डन की हमको लेंथ वेंथ नहीं पता स्क्वायर गार्डन है सेम ही होंगी साइड बट वो कितनी है वो बताना है कि अगर आपने 20 मीटर की क्या करी है फेंसिंग करी है यानी कि 20 मीटर लंबा तार लाए हो खूब लंबा यहां से शुरू किया आपने लगाना, यहां तक लगाया यहाँ लगाया, लगाया और वापस यहाँ लगाया ये यह इस वाले में ही गार्डन में ही कॉर्नर कॉर्नर पे तो वो जो तार था यहां से शुरू किया आपने पूरा कवर करके यहीं पर खत्म किया तो उसकी लंबाई कितनी थी पूरे तार की पूरा तार यहां से लेके यहाँ तक पूरा 20 मीटर लंबा तार यूज हुआ है इस गार्डन की फेंसिंग करने में एक तरीके से ये तार था आपका ठीक है ट्वेंटी मीटर का अब इसको क्या किया मोड़ मोड़ के लगाया लंबा तार आया था तो पहले यहां पे कुछ लगाया फिर इधर फिर इधर फिर इधर ताकि वो यहां से यहां से यहां से यहां से चारों साइड मिला के उसकी कितनी हो जाए बीस मीटर के बराबर ये वो बोलना चाह रहे हैं आगे दिया है हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन यानी कि गार्डन की एक साइड कितनी लंबी होगी तो आप खुद बताओ कि अगर मेरे पास एक गार्डन है ये देखो अपन गार्डन बना लेते हैं ये देखिए और ये जो गार्डन है ये कैसा है ये स्क्वायर शेप का है इसको ग्रीन ग्रीन कलर से कर देते हैं तो थोड़ी फीलिंग आने लगेगी कि हाँ ये गार्डन है सो ये देखिए ये गार्डन दिया हुआ है अपन को और ये गार्डन कैसा है स्क्वायर शेप का है यानी कि इस गार्डन के चारों तरफ जो हमें है वो चारों साइड्स बराबर ही हैं अब मैंने उस पर लगाया यहां से तार लगाना शुरू किया यहां तक लगाया फिर मोड़ा इस तरफ लगाया फिर टर्न करके इस तरफ लगाया और टर्न करके वापस में यहीं पहुंच गई तो वो जो तार था ना यहां से यहां तक उसकी लेंथ यहां से यहां तक उसकी लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ वो तार चार बार मुड़ा और शुरू से एंड तक जब आया तो वो जो टोटल तार था आपका वो क्या था ट्वेंटी मीटर के बराबर था चार हिस्सों में हमने उसको लगाया यहां से यहां तक फिर यहां तक फिर यहां तक फिर यहां तक, तक।, तक। पूरे बड़े तार का पता है मेरे को वो शुरुआत से आखिरी तक टोटल लेंथ उसकी बीस मीटर है चार हिस्सों में वो डिवाइड हो गया एक तरीके से है ना यहां से यहां तक लगा यहां से यहां तक फिर वो मुड़ गया होगा फिर आगे लगा फिर मुड़ गया फिर आगे लगा चार बराबर हिस्सों में देखो लगा है यहां से यहां तक उतना ही है उतना ही यहां है क्योंकि चारों साइड बराबर है इसकी। इसका इस मीटर के तार को चार पर लगाया गया है है ना चारों साइड पर तो इस 20 मीटर को चार में क्या कर दिया एक तरीके से डिवाइड कर दिया चार जगह पर डिवाइड कर दिया है इस तार को लगा दिया गया है तो अगर 20 को आप कोर्स से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा आपको फोर की टेबल इतने टाइम्स पढ़ो कि ट्वेंटी आ जाए तो फोर फाइव टाइम्स होता है ट्वेंटी यानी कि पांच पांच मीटर का तार उसने लगाया होगा कैसे देख लो ना जरा यहां से यहां तक अगर उसने कितना लगाया होगा अगर उसने लगाया पांच मीटर फिर यहां से यहां तक पांच मीटर तार फिर यहां से यहां तक पांच मीटर तार फिर यहां से यहां तक पांच मीटर बताओ कितना तार हुआ फाइव प्लस फाइव टेन प्लस फाइव फिफ्टीन प्लस फाइव ट्वेंटी 20 मीटर का ही तार था पांच पांच मीटर हर साइड लगा तब जाके पूरा 20 मीटर का तार चारों साइड लग गया स्क्वायर में. स्क् वॉट ये स्क्वायर है यानी चारों साइड बराबर होती हैं. और चारों साइड 5, 5, 5 बराबर ही मिल रही हैं. इसका मतलब स्क्वायर की भी लंबाई कितनी होगी साइड कितनी होगी स्क्वायर की 5 मीटर ही होगी साइड की लेंथ यानी कि जो स्क्वायर है वो पांच मीटर साइड का है हर एक साइड उसकी फाइव मीटर के लेंथ की है क्योंकि फाइव फाइव मीटर का तार ही वहां पर लगा है तभी पूरे चारों तरफ ट्वेंटी मीटर का तार लगा क्लियर हुआ तो आंसर मिल गया अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है देखो आंसर लिखोगे लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ स्क्वायर गार्डन इज ट्वेंटी मीटर यानी कि ये जो एक स्क्वायर गार्डन है लेंथ ऑफ द फेंसिंग उसकी क्या है बीस मीटर लंबी फेंसिंग की गई है यानी कि टोटल जो तार यूज हुआ है या शीट यूज हुई है जिससे भी फेंसिंग कर रहे हो वो उसकी टोटल लंबाई कितनी है बीस मीटर की अब इसी को आप चाहे दस हिस्सों में मोड़ लो दस बार ऐसे गोल 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 मोड़ के लगाओ या सीधा ऐसे सीधे ही फेंसिंग कर दो जैसे आपको करना है पर इनको कैसे करना थी स्क्वायर गार्डन के साइड में करना थी तो यानी चारों तरफ करनी है गार्डन की बाउंड्री पर तो हमने देखा वी नो पता है स्क्वायर की चार साइड्स होती हैं एंड ऑल इट्स साइड्स आर इक्वल और चारों साइड कैसी होती हैं बिल्कुल बराबर होती हैं आगे दिया है सो ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर यानी कि स्क्वायर की हर साइड की लेंथ कितनी होगी फिर लेंथ ऑफ 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 फेंसिंग डिवाइडेड बाय नंबर साइड्स स्क्वायर अगर जितनी भी बड़ी फेंसिंग मुझे दी है 20 मीटर के बराबर उसको मैं डिवाइड कर दूं कि वो फेंसिंग कितने साइड्स पे लगनी है चार साइड्स पे तो मुझे जो मिलेगा वो एक साइड की लंबाई मिल जाएगी पांच मीटर जो है वही हमसे पूछी थी कि हाउ लॉन्ग इज वन साइड ऑफ द गार्डन गार्डन का एक साइड कितना लंबा है जितना तार की फेंसिंग होगी उतना ही लंबा गार्डन होगा तो पांच मीटर एक साइड पे लगेगा आंसर हो गया यस yes, इतना ही इजी था समझ आ गया ना तो so, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि मैम क्वेश्चन तो इजी है बस हमको प्रैक्टिस की जरूर खूब जरूरत लगने वाली है क्योंकि हमने प्रैक्टिस अगर नहीं करी रिवीजन नहीं किया तो बताइए बच्चों क्या होगा हर क्लास में बोलती हूँ मैं ये बात रिविजन बहुत जरूरी है रिविजन से होता यह है कि जैसे आज तो आपको सबको समझ में आ गया पर अगर अब आज के बाद आपने पूरा एक महीने तक आज की क्लास के बारे में रिविजन ही नहीं किया पढ़ा ही नहीं किया हमने क्या पक्का बोल रही हूँ भूल जाओगे कितना ही अच्छा समझ आया हो आज क्योंकि हमारे ह्यूमंस की टेंडेंसी ही ऐसी होती है कि हमें एक पर्टिकुलर चीज कुछ टाइम तक याद रहती है बार बार उसको हमें याद आता रहे उसके बारे में हम रिवाइज करते रहे तो हमेशा याद रहेगी राइट right, तो रिविजन कर लेना है इसका ए और बी क्वेश्चन हमने कर दिया खत्म फाइव मीटर हो गया इसके एक साइड का आंसर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर सी सी क्वेश्चन में क्या है देखिए क्वेश्चन सी दिया है अ थिन वायर ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग इज फॉर्म इन टू रेक्टेंगल एक बहुत ही थिन वायर है पथिन मतलब क्या होता है पतला या मोटा इंग्लिश में पढ़े होंगे अपोजिट वर्ड्स मतलब मैंने तो इंग्लिश में पढ़े थे जब तब से मुझे ये याद है थिन का अपोजिट होता है थिक पढ़ा होगा ना आपने भी यस में ऐसे होते हैं अपोजिट वर्ड्स है ना तो थिन मतलब होता है पतला ठीक है बहुत ही है, पतला बारीक सा वायर ट्वेंटी सेंटीमीटर लंबा मतलब पतला सा वायर है बहुत ज्यादा मोटा वायर नहीं है और लंबाई कितनी है उस वायर की कितना लंबा है वो वायर ट्वेंटी सेंटीमीटर लंबा है आगे दिया है इस फॉर्म अ रेक्टेंगल उस 20 सेंटीमीटर लंबे वायर से हमने क्या बनाया रेक्टेंगल बनाया इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है एक बहुत बड़ा सा वायर था उसको आप मोड़ मोड़ के रेक्टेंगल बना लो जैसे अभी 20 मीटर वाले में हमने फेंसिंग करी थी स्क्वायर में पिछले क्वेश्चन में है ना तो उसको भी तो मोड़ मोड़ के ही करी थी तो क्या है बीस सेंटीमीटर का अब लंबा सा वायर है उसको हमें ऐसे मोड़ कर क्या करना है रेक्टेंगल बनाना है आगे क्या दिया है इफ इज दिसल सेंटीमीटर वो जो रेक्टेंगल बनाया गया है इस से उसकी जो width है है? मतलब चौड़ाई वो कितनी चार सेंटीमीटर की अगर वो बराबर है तो वॉट इज इट्स लेंथ यानी कि उस रेक्टेंगल की लंबाई कितनी होगी बहुत इजी क्वेश्चन है आओ देखते हैं अपन ये ये बच्चा सोच रहा है कैसे होगा अरे सोचने से तो थोड़ी होगा करना बढ़ेगा हमको सॉल्व सब तो हो पाएगा है ना तो देखिए सो तो ये हमें क्या है ये देखिए एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जैसे अब रेक्टेंगल दिया नहीं है एक्चुअली था ये वो ऐसा क्या था कि यहां से मैंने शुरुआत करी एक तार था मेरे पास पतला सा ये इसको यहां से मोड़ा फिर यहां से मोड़ा और फिर यहां पे आके खत्म कर दिया तो ये जो तार मैंने रेड कलर से बनाया पतला सा इसको ऐसे मोड़ कर चार बार एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया और इस जो एक्चुअल में वो क्या था सीधा सा तार था और उसकी जो लंबाई थी वो क्या थी 20 सेंटीमीटर के बराबर इसी को मैंने ऐसे ऐसे मोड़ के क्या कर दिया एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया अब ये जो रेक्टेंगल बना है वो मुझसे बोला जा रहा है कि उस रेक्टेंगल की जो वृत्त है मतलब चौड़ाई है वो कितनी है फोर सेंटीमीटर के बराबर उसकी वृत्त है तो यहां इसका मतलब क्या है यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या है फोर सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक कितना है फोर सेंटीमीटर अब आप सोचेंगे मैम फोर सेंटीमीटर दो बार क्यों लिख दिया अरे भूल गए क्या रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में दो विथ और दो लेंथ होती है यस यानी कि दो लंबाई और दो चौड़ाई दो बार लेंथ और दो बार व्रथ आती है यानी कि ये व्रथ है और ये भी व्रथ है फोर सेंटीमीटर वृद्धि है इसका क्या मतलब है कि यहां से यहां तक वो फोर सेंटीमीटर का है और यहां से यहां तक भी वो फोर सेंटीमीटर का है अब मुझे क्या करना है मुझसे क्वेश्चन में बोला है वॉट इज इट्स लेंथ यानी कि इस रेक्टेंगल की लेंथ मतलब लंबाई कितनी होगी वो बता दो वही फाइंड करना है सो so, क्या होगी लंबाई देखिए जरा यहां से लेकर यहां तक फाइंड करना है मुझे कितना सेंटीमीटर है वही ये होगी लंबाई यही होती है लेंथ अब वो कितना है कैसे पता चलेगा थोड़ा सा दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ जरा थोड़ा सा एक्सरसाइज करवाया करो माइंड को इस टाइप के पजल्स इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किया करो जितना ज्यादा सॉल्व करोगे चीजें उतना दिमाग खुलेगा अच्छे से मतलब चीजें और आप सोच पाओगे और आइडियाज आएंगे आपके माइंड में है ना तो सोचो जरा कैसे निकलेगी इसकी लेंथ अगर मैं क्या बोल रही हूं अगर मैं बोल रही हूं कि ये वायर यहां से मैंने शुरू किया यहां तक आया यहां तक आया यहां तक आया और पूरा कितना लंबा है बीस सेंटीमीटर इसका मतलब ये है क्या रुको 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 फोर ये नहीं पता जितने भी सेंटीमीटर हो पर इस फोर सेंटीमीटर में इस लेंथ को एड करूंगी मैं उसमें फोर सेंटीमीटर को जोड़ूंगी और फिर यहां वाली लेंथ जोड़ूंगी मतलब इस चारों तरफ को जोड़ लू तो बीस सेंटीमीटर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए मतलब कायदे से बताइए कि 20 सेंटीमीटर के तार से ही ये पूरा बना है इसका मतलब कि ये चारों साइड्स मिला के कितना आना चाहिए 20 सेंटीमीटर के बराबर और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की जो है वो लेंथ कहलाती है, है ना उसके जस्ट अपोजिट यानी यहां से यहां तक भी क्या होगा लेंथ होगा तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है अगर मैं क्या करूं ये रेक्टेंगल है मेरे पास इसका फोर में ये लेंथ जोड़ू फिर यहां फोर जोड़ू और ये लेंथ जोड़ू दैट मीन्स फोर प्लस लेंथ प्लस फोर प्लस लेंथ तो टोटल कितना आना चाहिए मेरे पास ट्वेंटी सेंटीमीटर के बराबर आना चाहिए क्योंकि उससे ही तो मिलके क्या बना है ये रेक्टेंगल बना है तो चलो जोड़ लेते हैं अब फोर में एल प्लस होगा क्या कभी नंबर और लेटर्स प्लस होते हैं क्या कभी नहीं होते नंबर में नंबर जुड़ सकता है हो सकता है लेटर में लेटर जुड़ जाए देख लो जरा फोर में प्लस करो फोर कितना होगा फोर प्लस फोर एट लेंथ प्लस लेंथ कितनी हो जाएगी टू लेंथ या तो ऐसे कर सकते हो या फिर क्या कर सकते हो फोर प्लस फोर हो गया आपका एट यानी कि आठ सेंटीमीटर और दो बार लेंथ मिला के आपको 20 सेंटीमीटर मिलेगा ठीक है यानी कि 20 सेंटीमीटर में से 8 सेंटीमीटर तो सिर्फ काय में चला गया इसकी चौड़ाई में चला गया चार इस तरफ और चार तो 20 सेंटीमीटर लंबे वायर में अगर 8 सेंटीमीटर चला गया यानी माइनस करना पड़ेगा तो बचा हुआ काय में जाएगा लेंथ बनेगी बचे हुए वायर से तो अगर 20 में से मैं 8 माइनस करूं तो मुझे कितना मिलेगा तो दैट मीन्स ट्वेल्व सेंटीमीटर जो बच गया है अब उससे यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ आई होगी अब हमें पता है जितना सेंटीमीटर यहाँ होगा उतना ही यहाँ होगा यानी कि 12 को मुझे दो बराबर हिस्सों में बांटना है 12 को दो बराबर हिस्सों में बांटना है यानी कि डिवाइड करना है दो हिस्सों में डिवाइड करना है यानी कि 12 को टू से क्या कर दो डिवाइड कर दो ट्वेल्व को टू से डिवाइड करोगे ट्वेल्व ट्वेल्व सॉरी टू वन टाइम्स यानी कि सेंटीमीटर से लेंथ बननी है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि एक तरफ सिक्स सेंटीमीटर दूसरी तरफ सिक्स सेंटीमीटर तो देख लो फोर प्लस सिक्स टेन फोर प्लस सिक्स टेन टेन और टेन ट्वेंटी सेंटीमीटर का वायर कंप्लीट हो गया क्या किया हमने जल्दी से आओ एक बार रिवीजन कर लो कि हमें पता था कि एक रेक्टैंगल बनाना है 20 मीटर सेंटीमीटर लंबे वायर से यहां से करी, यहां से यहां मोड़ा, यहां मोड़ा, यहां 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 शुरुआत करी मोड़ा 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 पूरा ये जो वायर है 20 सेंटीमीटर का हो गया तो यहां से यहां तक की लेंथ थी यहां से यहां तक की इसकी लेंथ है ब्रथ हमको दी है कि ये 4 सेंटीमीटर है इसका मतलब है कि फोर फोर एल और एल इन चारों को जोड़ के बीस सेंटीमीटर मिल जाएगा क्योंकि उससे ही तो ये बना हुआ है रेक्टैंगल तो फोर प्लस फोर कितना हुआ एट एट सेंटीमीटर से तो सिर्फ इसकी चौड़ाई बनी है रेक्टेंगल की तो पूरे बीस सेंटीमीटर के वायर में से अगर ये फोर और फोर यानी कि एट सेंटीमीटर में हटा दू तो व्रत हट जाएगी फिर क्या बचेगा उसमें सिर्फ लेंथ बचेगी तो 20 में से 8 हटाया यानी माइनस किया तो मुझे 12 सेंटीमीटर मिला इसका मतलब अब जो लेंथ है ये और ये मिला के कितनी है 12 सेंटीमीटर की अब मुझे 12 सेंटीमीटर को दो भाग में बांटना है और वो भाग कैसे होना चाहिए कैसे इक्वल क्योंकि जितना यहाँ आएगा उतना ही यहाँ आएगा तो 12 को टू पार्ट में डिवाइड करना है यानी कि ट्वेल्व को टू से कर दो डिवाइड आंसर आएगा सिक्स तो ये लेंथ हो जाएगी सिक्स और ये भी सिक्स तो सिक्स और सिक्स ट्वेल्व 12 सेंटीमीटर में दोनों लेंथ मिल गई पूरा आंसर चेक कर लो फोर सिक्स फोर सिक्स चारों को ऐड करो ट्वेंटी मिलना चाहिए मिल रहा है ट्वेंटी यानी कि हमारा आंसर सही है लेंथ कितनी आ गई सिक्स सेंटीमीटर के बराबर वही हमको करनी थी यहां पर फाइन देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ किस तरीके से लिखना है आंसर वो देख लीजिए रेक्टेंगल equal इक्वल एंड टू इक्वल widths. हमको पता है कि रेक्टेंगल में दो बराबर लेंथ होती है और दो बराबर एक दूसरे के क्या होती है चौड़ाई यानी कि जिसको हम वृद्ध बोलते हैं नाउ व्रथ ऑफ rectangle BC बराबर इज फोर एक हमने रेक्टैंगल बना लिया होगा हमको नहीं बताया क्या है रेक्टैंगल की वृत BC है यानी कि यहां से A B C D तो इसकी जो ए बी सी डी अगर ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है तो वृत्त क्या है बी सी और ए डी तो बी सी और ए डी बराबर है और दोनों किसके हैं चार सेंटीमीटर बराबर क्वेश्चन में दिया है आगे है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज ए बी बराबर सी डी लेंथ का क्या होगी इसकी लंबाई ए बी और सी डी यही है लंबाई दोनों लेंथ के बराबर है और दोनों बराबर होंगी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है तो ये लेंथ उसका ये होगा फिर सो वी गेट द रिमेनिंग लेंथ ऑफ द रेक्टैंगल तो हमें बची हुई लेंथ कैसे मिलेगी अगर हम टोटल वायर में से वृत्त को माइनस कर दें टोटल फोर प्लस फोर एट है जब माइनस किया तो हमको टोटल लेंथ मिल गई ट्वेल्व अब लेंथ कैसी मिली है एबी और सी डी को मिला के मिली है लेंथ तो हमको अलग अलग करना पड़ेगा नाउ वी नो अ रेक्टेंगल इक्वल हमको पता है कि रेक्टेंगल की दो लेंथ यानी कि दो लंबाई होती है और वो दोनों ही कैसी होती है बिल्कुल बराबर होती है इसका क्या मतलब है कि हमको इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा ट्वेल्थ को टू से डिवाइड किया सिक्स सेंटीमीटर मिला यानी कि हर एक लेंथ इस रेक्टेंगल की कितनी है सिक्स सेंटीमीटर ये सिक्स सेंटीमीटर ए से बी तक का हिस्सा सी से डी तक का हिस्सा सिक्स बी से सी तक फोर दिया ही था ए से डी तक फोर दिया था पूरा बीस सेंटीमीटर का वायर कंप्लीट भी हो गया और लेंथ भी मिल गई हमको आया समझ में कैसे करना है समझा भी दिया मैंने और लिख के भी बता दिया कि आपको एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है देखो ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन सही से समझ गए उसके बाद आपको समझ में आ गया कि अच्छा करना क्या है फिर अच्छा आपने कैलकुलेशन भी सही सही कर ली पर ये जो लिखी होती है ना चीजें कि वी नो दैट रेक्टेंगल मतलब ये जो थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं हम ये भी बहुत जरूरी है जितने अच्छे से आप थ्योरी लिख के समझाते हो क्वेश्चन को उसके साथ कैलकुलेशन करके दिखाते हो उतना ही अच्छा आपका आंसर बनता है फिर कोई भी कसर नहीं रहती कि कहीं पे आपका मार्क कटे फुल में से फुल मार्क्स आपको मिलेंगे अगर इस तरीके से आप ये वर्ड्स का भी यूज करके इस आंसर को रिप्रेजेंट करोगे यानी कि आंसर का रिप्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है उसके समझने के एक्सप्लेनेशन के साथ साथ तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी हो गया खत्म आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर डी डी क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आइए अपन पढ़ लेते हैं मेरे साथ साथ रीड करिए स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था साथ में रीड करना है देखिए अ स्क्वायर कैरम बोर्ड हैज अ पैरामीटर ऑफ 320 सेंटीमीटर एक स्क्वायर शेप का क्या है कैरम बोर्ड है और उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है 320 सेंटीमीटर का पैरामीटर है हाउ मच इज इट्स एरिया कितना होगा बताइए जरा स्क्वायर कैरम बोर्ड कैरम तो सबको पता है ना गर्मियों की छुट्टियों में मतलब फेवरेट गेम होता था हमारा तो और फेवरेट के साथ साथ अनफेवरेट भी होता था क्योंकि हम लोग खेल तो लेते हैं अपन अपने, अपने कजें के साथ सिबलिंग्स के साथ गेम्स पर फिर जो हार रहा होता है वो कर देता है गेम का सत्यानाश वो बस कैरम बोर्ड उठा के और भाग लेते हैं कि सब कुछ मिक्स कर दो गोटियां सारी जो जितनी भी वहां पे यूज कर रहे हैं हम और वो क्या हो जाएगा फिर खराब हो जाएगा गेम तो लड़ाइया भी बहुत होती हैं पर आप तो प्यारे बच्चे हो आप लोग नहीं लड़ते हो गए सो तो कैरम बोर्ड क्या होता है एक बहुत बड़ा सा बोर्ड आता है जिसमें अः कुछ अलग अलग कॉइन के शेप के वहां पे हम उनसे खेलते हैं तो ये बहुत अच्छा गेम होता है है ना तो इस कैरम बोर्ड में यहाँ देखिए ये बना भी हुआ है उसकी डिजाइन यहाँ पर हमको फोटो में बना के भी दिखाई गई है कुछ इस तरीके का दिखता है कैरम बोर्ड अब कैरम बोर्ड के बारे में क्या क्वेश्चन है बोला गया है कि उसका पैरामीटर थ्री ट्वेंटी सेंटीमीटर दिया है सो वॉट इज पैरामीटर सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड यानी कि इस कैरम बोर्ड को अगर मैं क्या करूं मेजर कर रही हूं तो यहां से यहां तक की यहां से यहाँ तक यहां से यहां तक और यहां से यहाँ तक चारों साइड्स का अगर मैंने लेंथ मेजर करी ना पा चारों साइड्स कितनी है और चारों को एड कर दू जोड़ दू तब मेरे को पेरीमीटर मिलेगा तो वो जोड़ के कितना आ रहा है थ्री ट्वेंटी सेंटीमीटर हाउ मच इज इट्स एरिया उसका एरिया यानी कि कितनी जगह उसने घेरी हुई है ये अंदर की तरफ वो मेरे को निकालना है तो बात चल रही है शेप देखो हमने नहीं ध्यान दिया स्क्वायर कैरम बोर्ड की यानी कि ये जो कैरम बोर्ड है ये स्क्वायर शेप का है इसकी चारों साइड्स बराबर है इसका क्या मतलब है कि ये जो 320 दिया है इन चार साइड को ऐड करने के बाद दिया होगा 320 यानी ये जो 320 है ये चार हिस्सों में क्या हुआ है डिवाइड हुआ है पैरामीटर को आप एक तरीके से वो वायर भी समझ सकते हो कि एक 320 सेंटीमीटर यानी कि 320 सेंटीमीटर लंबे वायर से हमने क्या किया है इसकी बाउंड्री बना दी तो ये जो वायर है चार हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा तो वही पैरेमीटर है कि 320 पैरेमीटर है चार साइड्स में मिला के बना है तो चार को डिवाइड कर दो तो एक साइड मिल जाएगी तो 320 को फोर से डिवाइड कर सकते हो क्या बहुत इजी है नॉर्मल तरीके से करो कोई ट्रिक नहीं बता रही हूं मैं फोर से डिवाइड करो फोर की टेबल इतनी बार पढ़ो पड़, के थर्टी टू आए फोर एट टाइम्स क्या होता है थर्टी टू होता है तो यहाँ कितना मिलेगा मेरे को टाइम्स मैं थर्टी टू माइनस किया रिमाइंडर जीरो इस जीरो को नीचे लाई फोर जीरो टाइम्स होगा जीरो तो टोटल तो कितना मिला मेरे को एट जीरो एट्टी यानी कि एट्टी सेंटीमीटर के बराबर क्या होगी इसकी एक साइड होगी ये कैरम बोर्ड था इसकी चारों साइड को मिला के क्या मिल रहा था मुझे 320, तो मैंने इसको फोर से कर दिया डिवाइड फोर साइड से कर दिया डिवाइड तो एक साइड की लेंथ मिल जाएगी डिवाइड किया आंसर आया 80, यानी कि इसकी जो एक साइड है 80 सेंटीमीटर की है ये कितने की होगी ये भी 80 सेंटीमीटर ये ये भी एटी सेंटीमीटर और ये ये भी एटी सेंटीमीटर चारों को मिला के मेरे को क्या मिलने वाला है 80 सेंटीमीटर मिलने वाला है क्योंकि ये स्क्वायर कैरम बोर्ड है चारों साइड्स बराबर है तो हमसे पूछा क्या है हमसे साइड से ही पूछी थी हमसे पूछा है कि उसका एरिया क्या होगा और हमको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एक स्क्वायर शेप का एरिया कैसे मिलता है अरे हम निकालते थे ना वो एक सेंटीमीटर वाला जो होता था एक सेंटीमीटर का स्क्वायर लेते थे हम तो उसका एरिया कैसे निकालते थे वन इंटू वन करके यानी कि साइड इंटू साइड करके तो यानी कि एरिया कैसे मिलता है हमको सा, एक साइड का मल्टीप्लाई दूसरी साइड से करके अब यहां दोनों साइड बराबर है एक साइड एट्टी दूसरी साइड भी एट्टी दो बार मल्टीप्लाई करती हूँ मैं एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड एक साइड का मल्टीप्लाई दूसरी साइड से एक साइड एट्टी है दूसरी साइड भी एट्टी है दोनों को मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा स्क्वायर शेप का एरिया मिलेगा तो क्या मिलेगा देखो एट इंटू एट होगा सिक्सटी फोर और दो जीरो आ जाएंगे आंसर में पीछे तो आ जाएगा सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड क्या सेंटीमीटर में चल रही है कहानी यानी ये भी 80 सेंटीमीटर ये भी एट्टी सेंटीमीटर हंड्रेड तो आ गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर हो गया इतनी कहानी यानी कि आंसर कितना मिला आपको सिक्सटी फोर हंड्रेड यानी सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इस कैरम बोर्ड का एरिया कैसे निकाला पैरामीटर दिया था पैरामीटर का मतलब है इसके चारों साइड्स का सम करने के बाद का आंसर चारों साइड को मिला के थ्री ट्वेंटी है तो एक साइड कितने की होगी तो चारों साइड को मिला के थ्री ट्वेंटी आ रहा है तो इसको फोर से कर दो डिवाइड तो एक साइड मिल जाएगी जितनी साइड है उससे डिवाइड करो तो एक साइड मिल जाएगी पैरामीटर से एक साइड 80 सेंटीमीटर आई अब एक साइड 80 सेंटीमीटर है और हमें लिखना कैसे है वो देख लीजिए तो सब लोग है ना लाइव क्लास चल रही है हमारी ये मैं फिर से आपको याद दिला रही हूँ कि आपके ही कहने पे हम बिल्कुल लाइव क्लास लेके आ रहे हैं सो so दैट ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स के फ्री एजुकेशन प्रोग्राम का फायदा हो सके यस। yes. चलिए, तो so देखिए जरा यहाँ पर एज द कैरम बोर्ड अब लिखना कैसे आंसर को वो बता रही हूं एज द कैरम बोर्ड इज स्क्वायर कि जैसे कि हमको बताया गया है कि कैरम बोर्ड का शेप क्या है स्क्वायर शेप है सो लेंथ ऑफ ऑल ऑफ इट साइड्स विल बी इक्वल यानी कि स्क्वायर के कैरम uh, बोर्ड के हर साइड की लेंथ है लंबाई जो है वो बराबर ही होगी जैसे ए बी बी सी सी डी ए डी सब बराबर होंगे अगर आप मान लो उसको क्या मान लो ये कॉर्नर ए है ये बी ये सी और ये डी तो ए से बी तक बी से सी तक सी से डी तक डी से ए तक ये सब क्या है बराबर है वही यहां लिखा है कि ये सब बराबर होंगी स्क्वायर है तो देअर फोर इट्स पैरामीटर तो उसका पैरामीटर क्या होगा सम ऑफ लेंथ साइड यानी चारों साइड को मिला के थ्री ट्वेंटी सो सो ऑल फोर आर इक्वल वी डिवाइड बाय क्योंकि चारों बराबर हैं और तीन सौ बीस चारों को मिला के आ रहा है तो तीन सौ बीस को चार से डिवाइड करो तो एक साइड मिल जाएगी तो थ्री हंड्रेड ट्वेंटी को फोर से डिवाइड किया हमने देखा अभी डिविजन करके आंसर आया एट जीरो एटी सेंटीमीटर दैट मीन्स एक साइड की जो लंबाई है स्क्वेयर की वो कितनी है अस्सी सेंटीमीटर के बराबर आगे दिया है नाउ एरिया ऑफ द स्क्वायर कैरम बोर्ड उस स्क्वायर कैरम बोर्ड का एरिया कितना होगा कितनी जगह वो घेरे हुए है तो साइड इंटू साइड सिर्फ स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया था कि पैरामीटर का फॉर्मूला याद मत करो किसी अलग अलग सब में जितनी साइड है उनको एड करोगे तो पैरामीटर मिलता है पर एरिया सबका अलग अलग मिलता है है ना एरिया का याद करना पड़ेगा स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड 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 करके मिलेगा एक में दूसरी साइड का मल्टीप्लाई अब स्क्वायर की तो सब साइड बराबर होती है जो जितनी भी एक साइड है दूसरी भी उतनी ही होगी तो यहाँ एक साइड एट्टी है दूसरी भी एट्टी एट्टी इंटू एट्टी किया कितना मिला सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर क्लियर तो आप या तो स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो फिर ये मत लगाना और अगर सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हो तो फिर इसको ये स्क्वायर मत लिखना है ना दोनों दोनों चीजें नहीं या तो सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो या फिर स्क्वायर लिख रहे हो तो सेंटीमीटर अकेला लिखो फिर टू लगाने के ऊपर जरूरत नहीं है तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन डी जब हो चुका है तो आगे देखिए और क्या दिया है अभी क्वेश्चन ई e है हमारे पास और उसके बाद क्या है अपना क्वेश्चन एफ है ई e, एफ बहुत सारे क्वेश्चन है अभी हमारे पास उसके बाद प्रैक्टिस टाइम में और क्या है अभी काफी है उसके बाद हमारा जो है नया टॉपिक होने वाला है तो चलिए आज देखना है हमको क्वेश्चन नंबर ई So, क्या है क्वेश्चन नंबर ई आइए मेरे साथ रीड करिए दिया हुआ है हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हियर विल फिट इन द वाइट डिजाइन यानी कि हाउ मेनी टाइल्स कितने टाइल्स लाइक द ट्राइंगल ट्राइंगल की तरह यहां पे जैसा ट्राइंगल दिया है इस ट्राइंगल जैसे कितने टाइल्स विल फिट इन द वाइट डिजाइन इस वाइट कलर की डिजाइन में फिट हो सकते हैं ट्राइंगल शेप के कितने टाइल्स इस वाइट डिजाइन में फिट हो सकते हैं या आप कहो के हैं दिए हुए हैं इस वाइट डिजाइन में वो हमको यहाँ पर बताना है आगे क्या लिखा है एरिया ऑफ द डिजाइन इज इक्वल टू डैश स्क्वेयर सेंटीमीटर यानी कि हमको यहाँ डिजाइन का एरिया भी निकाल के बताना है कि उस डिजाइन का एरिया क्या होने वाला है सो so, यहाँ देखिए प्यारा सा क्रो बैठा हुआ है वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ स्क्वायर स्क्वायर दिस इज हाफ ऑफ सेंटीमीटर बोल रहा है वो कि ये जो ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं ये एक सेंटीमीटर के जो स्क्वायर हम लेते हैं ऐसा है स्क्वायर जिसकी हर एक साइड क्या होती है वन वन सेंटीमीटर के बराबर होती है इस टाइप के स्क्वायर का आधा अगर आप करो यानी कि हाफ करो तो देखो जब मैंने स्क्वायर को हाफ किया तो मुझे इस तरफ एक ट्राइंगल मिला और दूसरा ट्राइंगल कहाँ मिला मुझे इस तरफ एक और ट्राइंगल यहाँ पर मिला दैट मीन्स एक स्क्वायर को जब मैंने डायगनली कट किया तो मुझे क्या मिला दो ट्राइंगल्स मिले अब देखो डायगनली क्यों बोल रही हूं मैं क्योंकि अगर आप इसको साइड्स की तरफ करो तो यहां पे आपको ट्राइंगल्स नहीं मिल रहे कट करने पे इसी स्क्वायर को आप ऐसे कट करो तो भी ट्राइंगल्स नहीं मिल रहे कट करने के बाद ट्राइंगल्स कब मिलेंगे स्क्वायर से जब आप एक स्क्वायर को या तो इस तरीके से कट करोगे जिसको डायगनली बोलते हैं हम या फिर आप उस स्क्वायर को इस तरफ से कट करोगे ये भी डायगनली तो देख सकते हो आप ये दोनों ही के केसेस में क्या हो रहा है जो पोर्शन कट रहे हैं वो ट्राइंगल के फॉर्म में मिल रहे हैं हमको तो ये जो क्रो है ये एक बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बात हमको बता रहा है कि जिस ट्राइंगल की इस क्वेश्चन में बात चल रही है वो ट्राइंगल एक्चुअली कैसे हैं वो ट्राइंगल एक्चुअली इस स्क्वायर का आधा है हाफ ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आधा है एक सेंटीमीटर स्क्वायर का आधा यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर कौन सा होगा एक ऐसा स्क्वायर जिसकी हर साइड वन सेंटीमीटर के बराबर है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर ये बात आपको समझ आई कि नहीं कि क्या रिलेशन है इन ट्रायंगल में और वो जो स्क्वायर हम बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं एक एक सेंटीमीटर वाला उसमें है ना उसी को उस स्क्वायर को ही आधा काट के हमको क्या मिले हैं ये ट्रायंगल मिले हैं जिससे ये व्हाइट कलर की डिजाइन बनी है अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राएंगल गिवन हेयर विल फिट इन द वाइट डिजाइन यानी कि कितने टाइल्स यहाँ पर इस डिजाइन में फिट हो गए होंगे ये जो व्हाइट कलर से डिजाइन बनी है और टाइल्स कैसे हैं ट्रायंगल शेप के हैं तो आपको अगर याद हो तो पहले भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं टाइल्स वाले जिसमें हम खुद का ही पैटर्न बनाते थे वो चैप्टर का नाम भी यही था ना वो कैन यू सी द पैटर्न यस इस वाले चैप्टर में कैन यू सी पैटर्न में क्या होता था हम देखते थे कि कैसे एक एक अलग डिजाइन के टाइल्स से एक टाइल है जिस पे कुछ डिजाइन बनी हुई है बहुत सारे टाइल्स मिलाकर हम एक बहुत सुंदर बड़ी सी कुछ अलग डिजाइन बना सकते थे तो इसी हिसाब से यहाँ पे सिंपल व्हाइट कलर के ट्रायंगुलर शेप के टाइल्स थे उनसे ये डिजाइन बना दी गई है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या चीज कि देखो कितने ट्राइंगल यूज हुए हैं वही यहाँ पूछा है हाउ मेनी टाइल्स और वो जो टाइल्स हैं वो ट्राइंगल शेप के हैं यानी कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स गिनके बताना है हमको तो देखो एक ट्राइंगल ये है एक ट्राइंगल ये है एक ट्राइंगल ये है एक ट्राइंगल ये है, ट्राइंगल ये, है। ये कितने हो गए वन टू थ्री और फोर फोर ट्राइंगल्स तो मेरे को प्रॉपर प्रॉपर दिख रहे हैं कहाँ पर इस वाइट कलर की डिजाइन में पर क्या इसके अलावा और भी ट्राइंगल और हमको पता है कि एक स्क्वायर को अगर मैं काटूं बीच में से डायगनली तो मुझे दो ट्राइंगल्स मिलते हैं और हमसे तो यही पूछा गया है कि इस व्हाइट डिजाइन में कितने टाइल्स हैं ट्राइंगल शेप के तो चार ट्राइंगल्स तो हमको सीधा सीधा दिख रहे हैं उसके बाद बीच में जो हमको शेप दिख रहा है वो शेप कैसा दिख रहा है स्क्वायर शेप दिख रहा है तो हम ये तो लिखेंगे नहीं कि चार ट्रा ट्राइंगल और एक स्क्वायर है हम क्या करेंगे हम टोटल ट्राइंगल्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके से कट कर सकते हो तो देखो इस बीच के स्क्वायर से आपको एक ट्रायंगल यहाँ मिल गया और एक ट्रायंगल यहाँ पर मिल गया दैट मींस चार ट्रायंगल आपके पास पहले से थे एक ये हो गया पांच और एक ये हो गया छे यानी कि इस व्हाइट कलर की डिजाइन में टोटल कितने ट्रायंगल हैं सिक्स ट्राइंगल्स ये देखिए डिजाइन ये बनी हुई है व्हाइट कलर से अब इस डिजाइन में हमको ट्राइंगल देखने थे तो हमने कहा ये एक ट्राइंगल ये दूसरा ट्राइंगल ये तीसरा ट्राइंगल ये चौथा ट्राइंगल फिर इसको बीच में से कट करेंगे तो ये एक फिफ्थ ट्राइंगल मिलेगा इस तरफ वाला एक और ट्राइंगल हो जाएगा सिक्स तो आप जो इन बच्चों ने प्रॉपर पढ़ाई नहीं करी होगी वो क्या आंसर लिखेंगे कि सिर्फ चार ट्राइंगल हैं, पर एक्चुअली क्या है एक्चुअली ये क्रो हमको बता रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ये स्क्वेयर का आधा है बीच में जो स्क्वेयर आपको मिल रहा है आप क्या कर सकते हैं इस बीच वाले स्क्वेयर को आप कैसे भी कट कर सकते हो इस तरीके से भी कट कर सकते हो तो भी ऊपर नीचे ट्राइंगल मिलेंगे या फिर कैसे डल, कट कर सकते हो या फिर इसको इस तरीके से कट कर सकते हो तो राइट right, लेफ्ट में ट्राइंगल मिलेंगे तो टोटल दो ट्राइंगल बीच में हो गए हमारे और चार ट्राइंगल साइड में हो गए तो टोटल कितने ट्राइंगल से मिलकर ये व्हाइट कलर की डिजाइन बनी है सिक्स ट्राइंगल्स से मिलकर इतनी कहानी समझ में आई सबको तो यहां पूछा था हाउ मेनी टाइल्स लाइक द ट्राइंगल गिवन हेयर विल फिट इन द वाइट डिजाइन व्हाइट डिजाइन ये जो बनी हुई है इसमें कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं तो हम बोलेंगे सिक्स ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स टाइल्स गिवन विल फिट इन द वाइट डिजाइन यानी कि ट्रायंगुलर टाइल्स जो दिए हुआ है यहाँ पर वो इस वाइट डिजाइन में क्या हो जाएंगे फिट हो जाएंगे इतनी बात क्लियर है ट्रायंगल्स कहाँ से आए अब हमसे पूछा गया है इस डिजाइन का एरिया क्या होगा एरिया हमने क्या समझा था एरिया हमने समझा था एक किसी भी चीज का अगर एरिया हमें फाइंड करना होता है तो मतलब उस चीज ने कितनी जगह घेरी हुई है वो होता है उस चीज का एरिया जैसे कि अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल ये जो हमारी डिजाइन बनी हुई है हमारी ये डिजाइन यहाँ पे बनी हुई है सो ये जो व्हाइट कलर की डिजाइन बनी हुई है देखो उसने कितनी जगह घेरी हुई है एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल तीन ट्रायंगल चार ये चार ट्रायंगल के बराबर की जगह घेरी हुई है और बीच में ये एक स्क्वायर मान लो या दो ट्रायंगल मान लो है ना तो टोटल ट्रायंगल्स की जगह जो है इस वाइट डिजाइन ने घेरी है अगर मुझे एक ट्रायंगल का एरिया पता चल जाए तो मैं को ट्रायंगल का एरिया मैं निकाल लूंगी और जो छह ट्रायंगल का एरिया होगा वही इस वाइट डिजाइन का एरिया होगा बताइए ये बात समझ में आई या नहीं मैंने कहा कि ये जो वाइट डिजाइन है वो बोल रहे हैं हमको इसका क्या निकालना है एरिया निकालना है सो so, मैं ये बोल रही हूं आपसे कि अगर ये जो व्हाइट डिजाइन है इसका हमको एरिया चाहिए तो मैंने देखा ये व्हाइट डिजाइन तो छह वाइट ट्राइंगल से मिलके बनी है तो अगर मुझे एक ट्राइंगल का भी एरिया पता चल जाए तो मैं उस उसमें सिक्स का मल्टीप्लाई करके पूरे 6 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लूंगी और जो इन 6 ट्रायंगल का एरिया होगा मतलब जो जितनी जगह ये 6 ट्रायंगल घेरे हुए हैं वही तो डिजाइन है यानी कि उतना ही तो एरिया हमारा इस वाइट डिजाइन का होगा पर अब दिक्कत क्या हो रही है दिक्कत ये हो रही है कि हमको ट्रायंगल का एरिया तो पता ही नहीं है सो अब क्या करें क्वेश्चन में भी देखिए कहीं नहीं देखा एरिया के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है बस सीधा पूछ लिया हमसे ना कुछ डायमेंशन्स दिए हमको दिए हैं क्या कुछ भी डायमेंशन मतलब कहीं भी कुछ भी दिया है क्या डायमेंशन मतलब लेंथ वृथ किसी भी चीज़ की बताएं अगर जो बच्चे ध्यान से यस जो सुन रहे हैं उनको पता होगा कि ये मिस्टर क्रो मैं बोल रही थी कि ये जो क्रो यहाँ पे बैठा हुआ है कौआ ये हमको बताना चाह रहा है कुछ बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात हमने स्टार भी लगा लिया था वो बोल रहा था कि दिस ट्राइंगल इज हाफ ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि ये जो ट्राइंगल हमें दिख रहे हैं ये ट्राइंगल्स एक सेंटीमीटर के स्क्वायर के आधे हैं तो अगर मुझे एक सेंटीमीटर वाले स्क्वायर का एरिया पता हो उस एरिया का आधा करूं तो मेरे को इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा फिर से सुनो ये बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ना ये ट्रायंगल्स इस पूरे स्क्वायर के आधे हैं। तो उनका जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो भी स्क्वायर का आधा होगा और स्क्वायर का एरिया निकाल पाओगे क्या यस हमें दिया है स्क्वायर वन सेंटीमीटर का ठीक है और मैंने देखा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड यानी एक साइड में दूसरी साइड को मल्टीप्लाई करो तो हमको मिल जाएगा स्क्वायर शेप का एरिया तो अब स्क्वायर में तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, इसका मतलब जो एक साइड होगी वही दूसरी साइड होगी तो वन सेंटीमीटर में वन सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करो वन मल्टीप्लाइड बाय वन होगा वन सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया क्या मिल जाएगा मुझे इस स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा मुझे वन सेंटीमीटर स्क्वायर पर आप कहोगे कि मैम फिर से दिक्कत आप हमको तो एरिया ट्रायंगल का फाइंड करना था आप स्क्वायर का फाइंड करवा रहे हो तो मैं इसीलिए स्क्वायर का करवा रही हूँ कि ये जो मेरा फ्रेंड यहाँ पे बैठा हुआ है क्रो वो मुझसे बोल रहा है कि ट्राइंगल इस का आधा है और अगर स्क्वायर का आधा है, तो ट्राइंगल का एरिया भी इस स्क्वायर का आधा होगा तो मैं क्या करूंगी ये जो एरिया मुझे मिला है स्क्वायर का इसको कर दो आधा कभी भी किसी चीज को हमको हाफ करना होता है तो हम उसको टू से डिवाइड कर देते हैं और वो चीज हो जाती है हाफ फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिक्स चॉकलेट्स हैं मुझे पता करना है इसकी आधी कितनी होगी तो मैं सिक्स को कैसे डिवाइड कर दू टू से सो टू थ्री टाइम्स होता है सिक्स इसका क्या मतलब है कि सिक्स की जो चॉकलेट आधी चॉकलेट्स कितनी होंगी थ्री यही होता है छ का आधा तीन ही होता है दैट मीन्स अगर मुझे किसी भी नंबर का किसी भी चीज का हाफ करना है आधा पता करना है कितना होगा तो उसको अपॉन क्या कर दूंगी मैं टू यानी कि डिवाइडेड बाय टू ये सिक्स को ऐसे डिवाइड किया और लिख सकते थे अपॉन तो भी वही मतलब था सिक्स का हाफ तो अब मुझे क्या करना है देखिए जरा मुझे पता चल गया कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये हाफ है हाफ मतलब वन अपॉन टू होता है हाफ़ वन अपॉइंट टू पार्ट को हम हाफ बोलते हैं तो ट्राइंगल हाफ है हमारे स्क्वायर का इसका मतलब ये जो एरिया होगा ट्राइंगल का ये भी हाफ होगा किसका एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि अगर ट्राइंगल स्क्वायर का आधा हिस्सा है तो ट्राइंगल का एरिया भी स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा तो देखिए जरा हाफ हमें काय का करना पड़ेगा एरिया ऑफ स्क्वायर और अभी हमने देखा था कि इस स्क्वायर का एरिया कितना आया था एक हमारे पास स्क्वायर है सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मतलब इसकी जो हर एक साइड है वो वन सेंटीमीटर के बराबर है तो इसको हम बोलेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर तो अगर हर एक साइड वन सेंटीमीटर के बराबर है इसका क्या मतलब होगा कि इसका अगर मैं फाइंड करूं एरिया तो मुझे इसका एरिया कितना मिलने वाला है एरिया मिलेगा मेरे को साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड करके एरिया ऑफ स्क्वायर का यही फॉर्मूला होता है तो इसकी हर एक साइड वन सेंटीमीटर है तो यहाँ भी वन सेंटीमीटर यहाँ भी वन सेंटीमीटर वन का मल्टीप्लाई वन से करोगे वन मिलेगा सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर से करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा तो आंसर क्या हो जाएगा एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर यानी इस स्क्वायर का एरिया एक सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक सेंटीमीटर स्क्वायर का हाफ करना पड़ेगा हाफ किया मैंने तो वन के नीचे कुछ नहीं है वन लगा दो सो वन इंटू वन वन टू इंटू वन टू ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे का नीचे तो कितना मिला मुझे वन अपॉइन टू सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया एक ट्रायंगल का एरिया हो गया हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर इतना बड़ा ना करते तो भी समझ में आ जाता कि पूरे स्क्वायर का एक है वन सेंटीमीटर स्क्वायर है और वन का आधा क्या होता है हाफ वन वन अपॉन टू तो ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा वन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर ये बात समझ आ गई ना सबको चलो ट्राइंगल एक ट्राइंगल का एरिया मुझे मिल गया वन बाई टू सेंटीमीटर स्क्वायर तो क्या अब दिक्कत है कि अगर छह ट्राइंगल का एरिया पूछूं कितना होगा तो आप बता नहीं पाओगे क्या देखो सब बताएंगे एक चॉकलेट आ रही है तीन रुपए की तो बताइए वन टॉफी कॉस्ट रुपीज थ्री तो बताइए सिक्स टॉफीज की कितनी कीमत होगी अगर एक टॉफी तीन रुपए की है तो दो टॉफी थ्री प्लस थ्री सिक्स तीन टॉफी थ्री 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 सिक्स सेवन एट नाइन चार टॉफीज जो होंगी थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व पांच थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन छः सेवनटीन एट फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन सेवनटीन एटीन यानी कि जो छह टॉफी हैं, या तो मैं थ्री को क्या करूं, छः बार प्लस कर दूं, या फिर क्या कर सकती हूं, मैं सिक्स में थ्री का कर सकती हूं मल्टीप्लाई यानी कि एक की कीमत हमें दी है ज्यादा की अगर पूछी गई है तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करेंगे जो एक की कीमत होगी उसका मल्टीप्लीकेशन जितने की पूछी गई है उसमें हम करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है तो यहाँ पे वन टॉफी की जगह अब यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ वन ट्राइंगल एरिया ऑफ वन ट्राइंगल कितना है एरिया है एक ट्राइंगल का हमको दिया हुआ है हाफ सेंटीमीटर वन अपॉन टू सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया ऑफ सिक्स ट्राइंगल्स छ्राइंगल्स का एरिया कितना होगा एक की वैल्यू दी है हाफ तो छ की वैल्यू कितनी होगी हाफ में सिक्स का कर दो मल्टीप्लाई तो वन बाय टू Into square. अब के नीचे कुछ नहीं है तो वन लिख सकते हो अब करो ऊपर का मल्टीप्लाई तो ये कितना आ गया सिक्स अपॉइंट टू सेंटीमीटर स्क्वायर सिक्स अपॉइंट टू कैंसल हो सकता है क्या सिक्स अपॉइंट टू का क्या मतलब है देखो नीचे टू है इसका मतलब है कि का आधा करना है सिक्स को टू से डिवाइड करना है टू वन टाइम्स टू और टू थ्री टाइम्स होता है सिक्स तो कितना आ जाएगा थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर यानी कि छह ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो कितना है एक ट्रायंगल का एरिया आधा सेंटीमीटर है तो छह ट्रायंगल का एरिया तीन सेंटीमीटर होगा एक ट्रायंगल का एरिया आधा सेंटीमीटर एक और का आधा आधा और आधा मिलके हो गए एक यानी दो ट्रायंगल का एरिया हो गया एक सेंटीमीटर बाकी दो का एरिया भी क्या होगा एक सेंटीमीटर अब कितने बचे दो और बचे ये चार ट्राइंगल हो गए दो और बचे तो इन दो का एरिया भी क्या होगा वन सेंटीमीटर तो अब देखो टू टू फोर टू सिक्स छह ट्राइंगल्स हैं एरिया कितना हुआ इन दोनों का मिला के एक इन दोनों का मिला के एक इन दोनों का मिला के एक टोटल थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो वैसे इस तरीके से लिखना पड़ेगा इसलिए ऐसा लिखना सीखो सो एरिया ऑफ सिक्स ट्राइंगल्स हमको मिल गया थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर तो हमें क्या पता चल गया कि ये जो डिजाइन है ये छह ट्राइंगल्स से बनी थी और छह छ्राइंगल्स का एरिया थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका मतलब हमारा एरिया ऑफ डिजाइन क्या है यहां आप लिख सकते हो दैट एम्प्लायज एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर इस डिजाइन का एरिया कितना है थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है अब देखो यहाँ पे कितने डॉट डॉट्स दिए हुए हैं ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व जितना हमसे पूछा था अब यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि ये जो डॉट्स दिए हुए हैं यानी कि इस तरह की और कितनी डिजाइन बन सकती हैं ये भी हम यहां देख सकते हैं देखिए जरा यहां से अगर मैं शुरू करूं ट्राइंगल्स बनाना है मुझे तो ये एक ट्राइंगल बनाया मैंने ठीक है फिर इसके बाद मैंने यहां बनाया बीच में स्क्वायर और यहां बनाया दूसरा ट्राइंगल ये तीसरा ट्राइंगल और ये ऊपर फोर्थ ट्राइंगल अगली डिजाइन बनाओ नेक्स्ट डिजाइन मैंने यहां पे बनाई यहां से शुरुआत की ये एक ट्राइंगल फिर बीच में इस तरीके से स्क्वायर ये दूसरा ट्राइंगल ऊपर तीसरा ट्राइंगल और नीचे चौथा ट्राइंगल आगे देखते हैं और बन रही है क्या यहाँ से शुरुआत की एक ट्राइंगल ये स्क्वायर, ये दूसरा ट्राइंगल तीसरा ट्राइंगल और ये चौथा ट्राइंगल यानी कि इस गिवन एरिया में इस तरह की और कितनी डिजाइन बन गई हैं इस तरह की इसमें वाइट कलर से आप कलर कर देना तो बिल्कुल वही सेम डिज़ाइन हमको दिखने वाली है तो एक डिज़ाइन हमको दी थी फिर ये देखिए दूसरी में मैं कलर कर रही हूँ तो ये दूसरी डिजाइन ये तीसरी डिजाइन जिसमें अब मैं कलर कर रही हूँ तो ये थर्ड डिजाइन और बन सकती है वैसी की वैसी यहां पर और नेक्स्ट है ये फोर्थ डिजाइन इस ये और बन सकती है सेम ऐसी की ऐसी इसी की एर गिवन शीट पे यानी कि अगर कोई पूछे आपसे कि कितनी डिजाइन्स बन सकती हैं सेम तो एक दी है उसके बगल में तीन और डिजाइन्स हम यहाँ पर सेम बना सकते हैं उसके बाद और डिजाइन्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि जगह खत्म हो गई राइट सो यहाँ पे इस तरीके से आप डिज़ाइन भी बना के बता देना और पूरा लिख के बता देना कि ये जो ट्राइंगल है ये एक स्क्वेयर का क्या है आधा है तो इसका मतलब जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो भी इस स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा जब ये हाफ होगा तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा वन सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी हर एक साइड वन सेंटीमीटर की है तो वन सेंटीमीटर स्क्वायर का आधा होता है वन बाय टू सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये एक ट्राइंगल का एरिया है अगर एक ट्राइंगल का एरिया हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये डिज़ाइन जो है वो छः ट्राइंगल्स से बनी है तो उसका एरिया क्या होगा छ का वन बाय टू इंटू सिक्स तो उसको करेंगे सॉल्व तो कितना मिला मुझे थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दैट मींस एक ये पूरी जो डिजाइन बनी हुई थी मेरी छह ट्राइंगल्स से मिलके इसका जो एरिया है यानी कि कितनी जगह एक्चुअली घेरे हुई है तो ये तीन सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह यहाँ पर घेरे हुआ है क्लियर हो गया तो ये था आपका फाइनल नंबर ई अब इसको लिखना कैसे है वो भी देखना जरूरी है है ना तो सिस्टमैटिक वे में आपको किस तरीके से इसको करना है अरेंज वो यहां देख लीजिए यहां पे दिया है सिक्स ट्राइंगुलर टाइल्स विल फिट इन टू द गिवन वाइट डिजाइन पूछा था हाउ मेनी टाइल्स विल फिट तो आप आंसर क्या लिखेंगे जमा कर सिक्स ंगर टाइल्स यानी छह ट्राइंगल के शेप के टाइल्स विल फिट टू द गिवन वाइट डिजाइन वो कहा फिट हो जाएंगे इस गिवन वाइट डिजाइन में फिट हो जाएंगे आगे दिया है नाउ एरिया ऑफ वन सच ट्राइंगुलर टाइल इज हाफ स्क्वेर सेंटीमीटर एक ट्राइंगुलर टाइल्स का एरिया कितना है आधा सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है आधा क्यों क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल आधा है, का एक है तो ट्राइंगल का एरिया एक का आधा मतलब होगा सो so, छ्राइंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा सिक्स इंटू वन बाई टू दैट इज थ्री सेंटीमीटर के बराबर तो एरिया ऑफ द डिजाइन कितनी आ गई छह ट्राइंगल से ही तो डिजाइन बनी है तो डिजाइन का एरिया भी क्या हो जाएगा थ्री स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर अब इतना तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया एक आखिर लाइन और लिखी थी यहाँ पर क्या लिखी हुई थी मेक योर ओन डिजाइन स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि अब आप अपनी खुद की डिजाइन बनाइए और उसमें जो एरिया होगा वो कैसा होगा फोर सेंटीमीटर स्क्वायर और सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर की पूरी डिजाइन बन जाना चाहिए जैसे ये डिजाइन थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर की बनी है सो देखिए जरा ये इतना तो हमने ये तो सेम सेम बनाई थी अब चार सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है कि स्क्वायर 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 होना चाहिए चार मतलब एक से दो ट्राइंगल मिल जाते हैं तो चार से उसके डबल यानी कि आठ ट्राइंगल की हेल्प से अगर हम कोई डिजाइन बनाए तो हमको फोर सेंटीमीटर स्क्वायर का डिजाइन का एरिया मिल जाएगा तो देखिए कितने ट्राइंगल्स लेना है हमको एट ये देखो वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एट अगर आप इस टाइप से कोई एक डिजाइन बना रहे हो ये डिजाइन वैसे देखने में आप जब कलर करोगे तो कैसी दिखेगी? व्हाइट में कलर करो तो कुछ इस तरीके से सिर्फ आपको स्क्वायर दिखेंगे वो भी कितने स्क्वायर? चार स्क्वायर. एक स्क्वायर का एरिया एक सेंटीमीटर स्क्वायर, तो चार स्क्वायर का एरिया कितना होगा चार सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर तो ये चार स्क्वायर से चार सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तो हो गया इस डिज़ाइन का पर हमको ट्राइंगल से डिजाइन बनाना थी तो हमें पता है एक स्क्वायर से दो ट्राइंगल निकल सकते हैं तो एक्चुअली ये स्क्वायर नहीं हम क्या कहेंगे एक्चुअली ये क्या है ट्राइंगल्स ही हैं इस के अंदर ये दो दो ट्राइंगल्स क्या है फिट होकर इधर बैठे हुए हैं क्लियर तो ये फोर वाला हो गया अब अगर छह स्क्वायर वाला आपको मेक योर ओन डिजाइन ऑफ एरिया फोर एंड सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर छह स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया छह स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब छह स्क्वायर होंगे एक एक सेंटीमीटर के उस डिजाइन में तो चलिए सिक्स स्क्वायर के साथ एक डिजाइन बना लेते हैं अपन तो देखिए जरा सिक्स स्क्वायर्स के साथ अगर हम डिजाइन बनाए यहां पर सो so, शुरुआत करते हैं ये एक स्क्वायर दूसरा स्क्वायर तीसरा स्क्वायर चौथा स्क्वायर पांच स्क्वायर और ये छ स्क्वायर ये जो अब डिजाइन मैंने यहाँ पे बनाई है इसमें कितने स्क्वायर हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्क्वायर हैं तो स्क्वायर एक स्क्वायर का एरिया होगा एक सेंटीमीटर स्क्वायर तो सिक्स स्क्वायर का एरिया कितना होगा सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये क्या हो गई सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की एक और डिजाइन हो गई बहुत डिजाइन तरह तरह की और भी बना सकते हो आप बट मैंने आपको सबसे सिंपल दिखा दी कि जितने स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया चाहिए यानी कि उतने से आपको डिजाइन बनानी है तो ज्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है राइट और अगर कोई कहे कि यार ट्राइंगल से बनाना थी तो कह देना ना कि हमने तो ट्राइंगल ही बनाए हैं ये दो ट्राइंगल मिलके ही तो एक क्या बन गया स्क्वायर बन गया ये हमने दो दो ट्राइंगल ही तो बनाए थे बस वो क्या हो गया? दो ट्राइंगल को मिलके बन रहा है एक स्क्वायर, तो हमारी इस तरह की बन गई है डिजाइन सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था वैसे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है पर समझाने में हमने क्यों टाइम लगाया ताकि आपको हर एक पॉइंट इजीली समझ में आ जाए कोई डाउट ना निकले बाद में इसलिए मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक इसका पॉइंट समझा दिया क्वेश्चन का कैसे सॉल्व करना है उसको लिखना कैसे है और फिर एंड में जो फोर और सिक्स सेंटीमीटर स्क्वेयर की डिजाइन बनाना थी उसका मतलब भी मैंने समझा दिया कि चार स्क्वायर सेंटीमीटर की डिजाइन बनाना है तो एक एक सेंटीमीटर वाले स्क्वायर चार बना दो उससे डिजाइन जो भी बन रही हो वो बना दो ऐसे ही छः सेंटीमीटर स्क्वेयर वाले एरिया की डिजाइन के लिए छः स्क्वेयर बना दो एक, -एक सेंटीमीटर के उससे जो डिजाइन बन रही हो आप इजीली बना सकते हो मैंने सबसे सिंपल सी डिजाइन बताई है और भी बहुत सी डिजाइन यहां पर यूज हो सकती है जैसे कि अगर मैं चाहूं तो मैं इसको इस तरीके से भी बना सकती हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आठ ट्राइंगल्स बना दिए मैंने आठ ट्राइंगल का मतलब चार स्क्वायर होते हैं एक स्क्वायर से दो ट्राइंगल निकलते हैं तो आठ स्क्वायर मतलब आठ ट्राइंगल मतलब चार स्क्वायर होंगे तो कुछ इस तरीके से भी आपकी ये जो डिजाइन बनेगी ये भी कैसी बनेगी ये भी फोर स्क्वायर सेंटीमीटर की ही बनेगी क्योंकि देखो यहाँ पे वन टू दो स्क्वायर से एक ट्रा... दो ट्राइंगल से एक स्क्वायर फिर दो से एक स्क्वायर तो दो स्क्वायर तीन स्क्वायर और ये क्या हो जाएंगे हमारे चार स्क्वायर है ना तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और यहाँ पे आप आठ आठ ट्राइंगल्स ले लीजिए चार के लिए ये दो लेने की भी जरूरत नहीं है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं खूब सारी डिजाइन्स वहां बना सकते हैं सबसे इजी ये है कि चार स्क्वायर सेंटीमीटर का चाहिए तो चार स्क्वायर से बनाओ छह स्क्वायर सेंटीमीटर का चाहिए तो 6 स्क्वायर से बनाओ आधे आधे के चक्कर में ही मत पड़ो कि कोई गलती हो क्लियर हो गया सो so ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म तो आइए क्वेश्चन एफ मेरे साथ साथ रीड कर लीजिए कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन एफ दिया हुआ है सान्या आरुषि, मानव एंड कबीर चार हैं यहाँ पर बच्चे एक का नाम है सान्या एक का नाम है आरुषि तीसरे का नाम है मानव और चौथे का नाम है कबीर दे मेड ग्रीटिंग कार्ड्स आपकी ही तरह क्लास फिफ्थ के ही बच्चे हैं ये और उन्होंने क्या बनाया है ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं कंप्लीट द टेबल फॉर देअ कार्ड्स और यहाँ पे उस कार्ड्स के बारे में कुछ हमको बताई गई हैं चीजें तो जो चीजें मिसिंग है वो हमको यहाँ पर लिखनी है So, कोई ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं इन चारों बच्चों ने सो ग्रीटिंग कार्ड्स आपको पता है ना क्या होता है टीचर्स डे होता है तब हम क्या करते हैं टीचर्स के लिए सुंदर सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स बना कर देते हैं है ना और भी ऐसे कोई बर्थडेस पढ़ते रहते हैं तब भी हम बर्थडे कार्ड बनाते हैं तो वही होते हैं ग्रीटिंग कार्ड्स अब बच्चे आप लोगों की क्राफ्ट की क्लासेस होती होंगी बहुत सी चीजें होती होंगी तो इसमें हम सीख लेते हैं ग्रीटिंग कार्ड बनाना सो so, क्या होता है कि मार्केट से खरीदने से अच्छा है कि हम खुद बना के देते हैं सामने वाले को है ना इससे क्या होता है आ, उनको पता चलता है कि लाइक हम कितने ज्यादा डेडिकेटेड है उनके टर्ड्स अगर बर्थडे विश कर रहे हैं यानी कि हमने मेहनत करके उनके लिए टाइम निकाला और कार्ड बनाया राइट सो so इसी तरीके से ये जो सान्या आरुषि मानव और कबीर हैं इन चारों ने भी ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए हैं और उन ग्रीटिंग कार्ड्स के देखिए लेंथ पैरामीटर और एरिया हमको यहाँ पे दिए हैं अब कुछ के दिए हैं कुछ के नहीं दिए तो वो हमको करना पड़ेंगे फाइन तो देखो यहाँ पे सबसे पहली लाइन में क्या लिखा है सान्या यानी कि जो सान्या का ग्रीटिंग कार्ड था उसकी लेंथ कितनी थी टेन सेंटीमीटर के बराबर वृत्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है उस कार्ड की आठ सेंटीमीटर के बराबर फिर उसका पैरामीटर नहीं दिया एरिया नहीं दिया यानी कि इसका एरिया और पैरामीटर हमको फाइंड करना पड़ेगा इसी तरीके से दूसरा है मानव दूसरा बच्चे का नाम है मानव और मानव ने जो ग्रीटिंग कार्ड बनाया है उसकी लेंथ हमको दी है 11 सेंटीमीटर के बराबर यानी वो कितना लंबा है कार्ड 11 सेंटीमीटर लंबा है व्रत दी है उसकी नहीं दी व्रत हमको निकालनी है हमको दिया है उसका पैरामीटर कितना है मानव के कार्ड का पैरामीटर 44 सेंटीमीटर पैरामीटर याद है ना क्या होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री यानी कि ग्रीटिंग कार्ड के चारों तरफ यानी जितनी भी साइड्स हैं उन सबका लेंथ यानी कि मेजर करके उन साइड्स को जोड़ लू मैं तो सारे साइड्स को जोड़ने के बाद हमको जो मिलेगा वो होता है पैरामीटर इसी तरीके से एरिया हम निकाल सकते हैं एरिया क्या होता था कितनी जगह किसने ऑक्युपाई करी है अगर कार्ड स्क्वायर शेप का होता है तो एरिया साइड इनटू साइड करके मिलता है और अगर कार्ड रेक्टेंगल शेप का होता है तो एरिया लेंथ इनटू वृत्त करके मिलता है राइट सो so इसी चीजों को याद रखना तीसरा कार्ड था आरुषि का कार्ड आरुषि के कार्ड के लेंथ हमको नहीं दी हमको निकालना पड़ेगी वृत्त दी है 8 सेंटीमीटर मतलब जो आरुषि का कार्ड है उसकी लंबाई मुझे नहीं पता पर वो कितना चौड़ा है 8 सेंटीमीटर बराबर उसकी वृत्त है उसके बाद उसका पैरामीटर भी हमको निकालना है नहीं दिया हुआ और फिर इसका एरिया जरूर दिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि कितनी जगह घेरे हुए है उसका कार्ड 80 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर यानी कि 1x1 एक एक सेंटीमीटर के अस्सी स्क्वेयर्स आ सकते हैं उतनी जगह में यही होता है ना 80 सेंटीमीटर स्क्वेयर का मतलब इसी तरीके से लाइन में अगला नंबर किसका है कबीर का जो कबीर है कितना लंबा है कितना चौड़ा है ये नहीं पता मुझे पर उसका पैरामीटर कितना है 40 सेंटीमीटर यानी उसके कार्ड की जो साइड्स होंगी उन सबको सम करने के बाद कितना मिला होगा 40 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर के बराबर आगे दिया है उसका एरिया पूछा है हमसे एरिया मतलब उसका कार्ड कितनी जगह घेरे है तो वो भी दिया है कि कबीर का कार्ड 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर की जगह घेरे हुए है उसका एरिया 100 स्क्वेयर सेंटीमीटर है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर का क्या मतलब है बच्चों कि एक एक सेंटीमीटर के हंड्रेड स्क्वे बन जाएंगे इतना बड़ा उसका कार्ड है सो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इन सान्या मानव वारुषि कबीर इन चारों बच्चों के कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग है कार्ड के बारे में लेंथ वृद्ध दी है तो पैरामीटर एरिया नहीं दिया पैरामीटर एरिया दिया है तो लेंथ वृद्ध नहीं दी लेंथ दी है पैरामीटर दिया है तो व्रथ और एरिया नहीं दिया यहाँ पे लेंथ नहीं दी पैरामीटर नहीं दिया तो व्रथ और एरिया दे दिया इसका क्या मतलब है कि सबके कार्ड का कोई ना कोई चीजें क्या है मिसिंग है तो लेकिन देखने वाली बात यह है कि सबके कार्ड में से चार चीजों की ही बातें चल रही हैं कौन कौन सी चीज है वो लेंथ वृथ पैरामीटर एंड एरिया यानी कि लंबाई चौड़ाई पैरामीटर मतलब कि उसके बाउंड्री की लंबाई और एरिया मतलब कि उसने कितनी जगह घेरी हुई है इन्हीं चारों की बात चल रही है तो कोई ना कोई रिलेशन तो होगा इन चारों चीजों के बीच तो बिल्कुल रिलेशन है वो क्या रिलेशन है वो देखिए ये देखो उनके फोटो भी बने हैं चारों बच्चे अपने अपने यहाँ पे कार्ड लेकर खड़े भी हुए हैं है ना सो चलिए हम देखते हैं कि लेंथ Width और एरिया एंड पैरामीटर सो लेंथ, विथ, एरिया पैरामीटर में क्या रिलेशन है वो हमको देखना है तो अगर मैं मानू ये इनके कार्ड हैं, लेंथ है व्रथ है, है लंबाई है चौड़ाई है इसका मतलब जो इनके कार्ड होंगे वो किस तरीके के होंगे रेक्टेंगल शेप के होंगे या स्क्वायर शेप के होंगे लेंथ और ब्रेथ अगर लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो वो स्क्वायर शेप हो जाएगा और लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो वो कैसा हो जाएगा रेक्टेंगल शेप हो जाएगा यानी कि उनके कार्ड इस रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप के ही हैं क्योंकि लेंथ ब्रेथ दी हुई है सब में है ना नहीं दी तो निकालना है तो देखो लेंथ को मैंने माना एल वृत्त हमने ले लिया बी या डब्ल्यू कुछ भी ले सकते हो और एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करें पैरामीटर को पी से रिप्रेजेंट करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो एरिया होता है ना एरिया वो बराबर होता है लेंथ बाय के यानी कि लंबाई में चौड़ाई का क्या करो मल्टीप्लीकेशन करो गुणा करो तो आपको क्या मिलेगा एरिया तो एरिया लेंथ और व्रथ के बीच तो मेरे को आ, क्या कह सकते हो रिलेशनशिप मिल गया अब इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी हो तो मैं तीसरी चीज इसमें रखकर इजीली निकाल सकती हूँ कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगी पर रिलेशन मिल गया मुझे width, कि एरिया लेंथ लेंथ किसी भी भी के कार्ड का एरिया दिया है और पैरामीटर नहीं दिया तो वो हम निकाल सकते हैं है, तो है। है, है। इसी तरीके से ये जो पैरामीटर होता है पैरामीटर क्या होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड यानी कि ये जो बाउंड्री है इसकी इसका पूरा कितनी लंबी बाउंड्री है इसका मेजर तो अगर ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है यहाँ से यहाँ तक लेंथ है यहाँ से यहाँ तक व्रथ है यहाँ से यहाँ तक व्रथ है तो पैरामीटर क्या होगा लेंथ प्लस लेंथ प्लस व्रथ प्लस व्रथ यही होगा पैरामीटर चारों साइड का हम क्या करेंगे सम करेंगे तो वो क्या आएगा लेंथ वन लेंथ और वन लेंथ मिला के टू लेंथ हो जाएंगी है ना दो बार लंबाई इसी तरीके से बी प्लस बी टू टाइम्स व्रथ टू को अगर कॉमन लेना चाहो तो यहाँ एल प्लस बी होगा तो ये जो मैंने निकाला है ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी है टू टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ पर अगर ऐसा नहीं करना आपको तो आप नॉर्मल कैसा कर सकते हो नॉर्मली आप इसको भी याद रख सकते हो कि पैरामीटर का क्या मतलब है चारों तरफ की साइड्स का सम तो दो लेंथ होंगी दो विड्थ होंगी अगर स्क्वायर है तो सारी साइड्स बराबर होंगी चारों को मल्टी प्लस कर देना तो आपको क्या मिल जाएगा पैरामीटर मिल जाएगा यानी कि यहां भी मेरे को पैरामीटर और लेंथ के बीच में क्या मिल गया रिलेशनशिप मिल गया चलो अब लेंथ एरिया पैरामीटर इनके बीच मैंने जो रिलेशन है वो तो देख लिया कि कैसे कौन किससे रिलेटेड है जुड़ा हुआ है अब मैं देखती हूं कि मुझे सॉल्यूशन कैसे करना है तो पहली चीज मुझे सान्या का कार्ड देख लेते हैं अपन सान्या का कार्ड जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है देखिए जरा जो सान्या का कार्ड है सबसे पहले हम लिख लेते हैं सान्या अब सान्या के कार्ड में हमको क्या क्या चीजें दी हैं, लेंथ दी है वृथ दी है पैरामीटर और एरिया निकालना है बहुत ईजी है सान्या के कार्ड की लेंथ और व्रथ हमको दी है तो हम लिख लेते हैं लेंथ कितनी दी है यहाँ पे टेन सेंटीमीटर व्रत दी हुई है एट सेंटीमीटर तो पैरामीटर क्या हो जाएगा पैरामीटर क्या होगा दो बार लेंथ और दो बार व्रत को ऐड करना यहाँ सान्या के कार्ड में जो एल है लेंथ टेन है यानी ये दोनों साइड टेन है और व्रथ एट है यानी कि ये दोनों साइड एट एट है तो पैरामीटर यानी कि बाउंड्री का सम कितना आएगा टेन प्लस एट प्लस टेन प्लस एट यही होगा तो इसको हम क्या करेंगे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी ऐसा भी लिख सकते हो या फिर टू टाइम्स लेंथ प्लस व्रद्ध भी लिख सकते हो लेंथ so है टेन है एट फिर से टेन फिर से एट तो कितना आंसर आएगा टेन प्लस टेन ट्वेंटी एट प्लस एट सिक्सटीन ट्वेंटी और सिक्सटीन कितना होगा थर्टी सिक्स और सारी चीजें क्या है सेंटीमीटर में तो पैरामीटर भी क्या आ जाएगा यहां पे आपका पैरामीटर आ जाएगा थर्टी सिक्स सेंटीमीटर के बराबर अब सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर सेंटीमीटर को कितनी भी बार प्लस करो सेंटीमीटर ही रहेगा एरिया में सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर होता है इसलिए वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है आंसर में ठीक है पैरामीटर में सिर्फ सेंटीमीटर मीटर यही सब रहेगा लेकिन एरिया में वो डबल हो जाते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन सो so, पे पैरामीटर हमको मिल गया 36 हमको पता था लेंथ और व्रथ को दो दो बार जोड़ना है सबको चारों को जोड़ के हमें पैरामीटर मिल जाएगा अब बात आती है एरिया की एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बायथ लेंथ में व्रथ का मल्टीप्लीकेशन करो तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट एरिया लिख देते हैं सो so, यहाँ पे एरिया कितना आ जाएगा आपका लेंथ मल्टीप्लाइड बाय व्रथ लेंथ है टेन व्रथ है एट टेन एट टाइम्स क्या होगा एट्टी सेंटीमीटर है दोनों तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी आप लिखो तो हमें आंसर मिल गया है कि इसमें सान्या के में लेंथ अगर 10 है वृथ एट है तो पैरामीटर क्या हो जाएगा 36 और एरिया कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर इतनी कहानी क्लियर हो गई इसी तरीके से आपको मानव आरुषि कबीर इन सबके में भी जो मिसिंग चीजें हैं वो लिखनी है पर सान्या का बहुत इजी था क्योंकि लेंथ वृद्ध दोनों दी थी पैरामीटर का फॉर्मूला लगा के सीधा पैरामीटर निकाल लिया एरिया का लगा के एरिया निकाल लिया पर अब बाकी के में मानव आरुषि और कबीर के में देखो कोई सा भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों चीजें दी हूं यानी कि लेंथ दी है तो वृत्त नहीं दी व्रत दी है तो लेंथ नहीं दी यहां पे दोनों ही नहीं दिए यानी कि यहां पे अब थोड़ा सा मामला है, थोड़ा सीरियस और होने वाला है तो ध्यान से देखना अब इस सारा को रप, इस सब को रब कर दे रही पहला आंसर देख लिया अपन ने सान्या वाला अब हम मानव वाला सॉल्व करेंगे तो अब मैं ये सारी चीजें रब कर देती हूं सो देखिए नेक्स्ट है हमारा मानव के लिए सो मानव के में क्या क्या चीजें दी हैं मेरे को लेंथ पता है कितनी है लंबाई उसकी 11 सेंटीमीटर व्रत मेरे को नहीं पता पैरामीटर पता है को को 44 सेंटीमीटर और एरिया भी भी मेरे को नहीं पता निकालना है है तो देखो मानव का भी जो है वो रेक्टेंगल शेप का ही होगा ग्रीटिंग कार्ड अब इसका मुझे क्या पता है इसका मुझे पता है लेंथ यानी यहां से यहां तक इलेवन सेंटीमीटर है यहां से यहां तक इलेवन सेंटीमीटर ये लेंथ है व्रत हमको अभी पता करनी है ठीक सो so, और क्या दिया पैरामीटर दिया है पैरामीटर दिया हुआ है तो देखो पैरामीटर एक्चुअली क्या होता है पैरामीटर होता है कि सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड चारों साइड को मिला के जो आ रहा है तो यहां अगर मैं कहूं कि ये व्रथ को मैं बी मान लू तो पैरामीटर क्या होगा इलेवन प्लस बी प्लस इलेवन प्लस बी चारों तरफ का क्या कर लिया मैंने सम कर दिया तभी तो पैरामीटर आएगा सो पैरामीटर इज फोर्टी 11 plus 11 कितना होगा 22 और b plus b कितना होगा 2 टाइम्स b दो b है ना अब देखो फोर्थ पैरामीटर जो है उसमें जो 11 11 22 हो गया ये 22 क्या है सिर्फ लेंथ है तो अगर मैं पैरामीटर में से लेंथ माइनस कर दूं पूरी तो क्या बचेगी सिर्फ वृत्तवृत्त बचेगी तो मैं क्या करूं 44 में से मैं माइनस कर दूं अगर 22 ये हटा दूं तो क्या बचेगा दो बार वृत्त बचेगी दो बार चौड़ाई चौड़ाई पूरे पैरामीटर में से मैंने ये दोनों चीजें हटा दी अब इन दोनों चीजों के हटने के बाद 11 सेंटीमीटर यहां से 11 सेंटीमीटर यहां से सिर्फ वृत्त-वृत्त बचेगा पैरामीटर मतलब चारों साइड का सम लेकिन चारों में से ये दो हटा दो तो सिर्फ वृत्त वृत्त बचेंगी ना तो हम 44 में से पैरामीटर में से टोटल लेंथ यानी कि 11 और 11 दोनों माइनस कर दें 22 तो 4 में से 2 गए 2 बचे 4 में से 2 गए 2 बचे कितना आंसर आएगा 22 अब ये जो 22 है ये क्या है ये दो व्रत को मिला के 22 आ रहा है अगर मुझे एक व्रत चाहिए इसका क्या मतलब है वो 22 की आधी होगी तो अगर मैं बोल रही हूं कि ये जो 22 है ये दो बार वृत्त को मिला के आ रहा है और मुझे एक बार वृत्त चाहिए तो मैं 22 का क्या करूंगी आधा मतलब उसको टू से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एक जो है इसकी मिल जाएगी 22 को टू से डिवाइड करो टू वन टाइम्स टू टू वन टाइम्स टू टू वन टाइम्स टू कितना आया टू इलेवन टाइम्स होता है ट्वेंटी टू दैट मीन्स इसकी व्रथ भी कितनी है इलेवन सेंटीमीटर के बराबर तभी तो क्या हो रहा है पैरामीटर कितना आ रहा है यहां देखो ना ये इलेवन ये इलेवन तो यहाँ भी इलेवन है और यहां भी इलेवन है चार बार इलेवन को जोड़ोगे तो कितना आएगा पैरीमीटर फोर्टी फोर सेंटीमीटर आएगा ही आएगा अब हमें लेंथ वेथ दोनों पता चल गए यानी कि ये क्या है रेक्टेंगल है क्या नहीं लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर है इसका मतलब ये जो गिवन है वो रेक्टेंगल तो नहीं है क्योंकि दोनों चीजें बराबर हैं इसीलिए ये क्या है एक स्क्वायर है जिसकी हर एक साइड क्या है इलेवन सेंटीमीटर के बराबर है और अगर स्क्वायर है ये तो इसका एरिया कैसे निकालूंगी मैं एरिया क्या आ जाएगा इसका एरिया विल बी साइड साइड मल्टीप्लाइड बाय क्योंकि स्क्वायर का एरिया है लेंथ भी कर सकते हो तब भी इलेवन इंटू इलेवन होगा side side करोगे, तो एक साइड इलेवन दूसरी साइड भी इलेवन इलेवन मल्टीप्लाई करो इलेवन से इलेवन इलेवन टाइम्स अगर आते हैं टेबल तो सीधा लिख सकते हो वन हंड्रेड ट्वेंटी वन सेंटीमीटर में है दोनों तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो टेबल नहीं आती फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो देख लो इलेवन का मल्टीप्लीकेशन इलेवन से इस वन का मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे तो क्रॉस फिर इस वन का मल्टीप्लाई इससे तो इस इस अब क्या करें इनको ऐड कर दें वन और कुछ नहीं वन वन प्लस वन टू वन और कुछ नहीं वन कितना आया वन हंड्रेड ट्वेंटी वन के बराबर दैट मीन हमारा एरिया जो है वो कितना हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी वन स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर तो मानव वाला क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया इसमें हमको लेंथ दी हुई थी वृथ नहीं दी थी लंबाई दी थी चौड़ाई नहीं दी थी पैरामीटर दिया था पैरामीटर होता है दो बार लेंथ और दो बार वृत्त को जोड़ के जो आए है ना चार साइड है चारों साइड को जोड़ना पड़ेगा तो दो लेंथ होंगी उसमें और दो व्रथ होंगी तो अगर मैं इन दोनों लेंथ को जोड़ के और पैरामीटर में से कर दू माइनस तो लेंथ चली जाएंगी तो सिर्फ क्या बचेगा उसमें व्रथ जब माइनस किया तो मुझे मिला 22 और ये जो 22 था ये दो बार वृत्त के बराबर था क्योंकि जब ये चला गया पैरामीटर में से पैरामीटर होता है चारों को जोड़ के आने वाला और ये दो अगर हटा दिए तो ये दो बचेंगे तो 22 जो था वो दो बार वृत्त के बराबर था यानी कि इसको 22 को आधा करूंगी तो वो दो हिस्सों में सेम में डिवाइड होगा 22 का आधा होता है 11 तो यानी कि दो व्रत हैं तो 11 11 की दो व्रत हो जाएंगे 11 11 करके 22 भी बन जाएगा तो हमें पता चला कि अरे ये तो चारों साइड ही 11 आ गई लेंथ और व्रत दोनों बराबर ही आ गई इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगल नहीं है मानव का कार्ड है स्क्वायर शेप का गॉट इट ठीक है सान्या का हो गया मानव का हो गया तीसरी कौन है बच्ची आरुषि। अब आरुषि के में क्या क्या दिया है आरुषि का देख लेते हैं ये मैं रब करती हूं थर्ड है आरुषि। सो so, ये जो आरुषि का हमें यहां पे दिया हुआ है इसकी लेंथ नहीं पता वृत्त एट सेंटीमीटर है पैरामीटर नहीं पता एरिया पता है यानी कि वृत्त और पैरा एरिया दिया है लेंथ और पैरामीटर हमको करना है फाइंड तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको फाइंड देखिए आरुषि के केस में लेंथ अननोन है है हमारे पास एट सेंटीमीटर पैरामीटर इज अनोन एंड एरिया इज एटी सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर है ये जो गिवन था वो मैंने यहां पर लिख लिया अब देखो आरुषि का अगर मैं मान के चलू फिलहाल रेक्टैंगल है ना तो लेंथ हमको नहीं पता ये नहीं पता व्रथ हमको पता है यह यहां से यहां तक एट सेंटीमीटर है और यहाँ से यहां तक भी एट सेंटीमीटर और एरिया पता है एरिया और व्रथ में क्या रिलेशन है वो देखते हैं एरिया का फॉर्मूला लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय व्रथ लेंथ हमें नहीं दी तो उसको एल रहने दो व्रथ है एट और एरिया कितना दिया है 80. अब इसको ध्यान से देखना जो चीजें हमको गिवन थी क्या क्या एरिया और वृत्त उसके बीच का रिलेशनशिप हमने यहां पर देख लिया कि एरिया और वृत्त में क्या रिलेशनशिप है तो एरिया का अगर मैं फॉर्मूला लिखती हूं तो एरिया क्या के बराबर आता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय वृत्त के बराबर अब यहां लेंथ तो मुझे नहीं पता तो उसकी जगह एल लिखा रहने दो एल फॉर लेंथ और व्रत की जगह व्रत लिख दो एट सेंटीमीटर और एरिया की जगह एरिया लिख दो एट्टी सेंटीमीटर के बराबर अब क्या मैं इससे लेंथ फाइंड कर सकती हूँ बिल्कुल आप ध्यान से देख रहे आप जो मैं बता रही हूं यहां पे मेरे को क्या चाहिए यहां पे मेरे को वैल्यू चाहिए लेंथ की लेंथ कितनी होगी तो लेंथ के साथ जो भी चीज है उसको दूसरी तरफ भगाओ यानी कि इस मल्टीप्लाइड बाय एट को कहो कि तुम जाओ अगर यहाँ सिर्फ लेंथ लिखा होता तो उसके आगे की वैल्यू लेंथ हो जाती तो हम क्या करेंगे ये जो इंटू है इसको इस तरफ लेके आएंगे यानी कि यहाँ 80 में हम इस मल्टीप्लाइड बाय एट को यहाँ लाएंगे तो वो हो जाएगा अपॉन एट इक्वल टू के यहाँ राइट साइड पे मल्टीप्लाइड बाय एट है अगर मेरे को इसको हटाना है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे वो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय एट और सिंपल बताऊं मैं तो आठ लेंथ का कर रहे हो तब अस्सी आ रहा है एल इन टू एट का क्या मतलब है कि लेंथ का एट टाइम्स करोगे तब एट्टी मिल रहा है दैट मीन्स आप क्या करो एट टाइम्स मत करो लेंथ को क्या करो आठ टाइम कम कर दो तो मैंने क्या किया दोनों तरफ आप क्या कर दो या तो एट से डिवाइड इधर भी अपॉन 8 यहां भी अपॉन 8 अब यहां अपॉन 8 करोगे तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा यहां 80 डिवाइडेड बाय 8 8 की टेबल में 80 कितने टाइम्स आता है 8 1 टाइम्स 8 और 8 10 टाइम्स होता है 80 तो यहां आ गया 10 यहां आ गया l यानी कि लेंथ की हमें क्या वैल्यू मिल गई 10 मिल गई या फिर ये तरीका है ठीक है यहाँ पे l चाहिए था इनटू 8 हटाना था तो नीचे दोनों में क्या लगा दिया मैंने एट तो यहाँ से एट से एट कैंसिल हो गया और यहाँ एट्टी डिवाइड बाईट टेन आ गया जो कि लेंथ की वैल्यू है एक और तरीका है एक और तरीका क्या बोलता है यहाँ पे हमसे कि वही कि लेंथ यहाँ एरिया एट्टी है अब लेंथ की जगह मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं जिसको एट में करूं मल्टीप्लाई तो मुझे क्या मिले एट्टी मिले तो बताओ एट में किस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे एट जीरो एट्टी मिलेगा एट टेन टाइम्स एटी होता है यानी कि लेंथ की, की जगह क्या आएगा टेन आएगा ऐसे भी कर सकते हो दैट मीन्स यहाँ पे आरुषि के कार्ड की, की लेंथ मुझे पता चल गई कितनी है टेन सेंटीमीटर के बराबर है टेन सेंटीमीटर लेंथ हो गई एट सेंटीमीटर दी थी बचा है पैरामीटर सो so पैराीटर कितना है हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप क्या कर सकते हो चारों साइड का सम यहाँ लेंथ आपको टेन टेन मिल चुकी है ऑलरेडी 8, 8 दी हुई थी तो अब हमको क्या करना है चारों साइड का सम करना है 8 plus 10 plus 8 plus 10. जोड़ो तीनों को एट प्लस एट होगा सिक्सटीन टेन प्लस टेन होगा ट्वेंटी ट्वेंटी और सिक्सटीन मिला के क्या हो जाएगा ट्वेंटी प्लस सिक्सटीन होगा थर्टी सिक्स उसकी थर्टी सिक्स सेंटीमीटर उसका पैरामीटर है और एटी स्क्वायर सेंटीमीटर है उसका एरिया क्लियर हो गया अब नेक्स्ट देखिए और क्या लिखा हुआ है कबीर आखिरी कार्ड है हमारे पास कबीर का कबीर के कार्ड की लेंथ और विथ दोनों ही नहीं दी हमको पैरामीटर और एरिया दोनों दिया है कैसे निकालेंगे चलिए उसको देखते हैं सो नेक्स्ट कार्ड कार्ड नंबर है हमारे पास कबीर का सो so, जो कबीर का कार्ड है उसकी ये यहां से यहां तक लेंथ होगी यहां पे लेंथ ये व्रत ये व्रत ठीक है अब लेंथ मुझे नहीं पता कितनी है व्रत मुझे नहीं पता कितनी है पैरामीटर कितना दिया है कबीर के कार्ड का 4040 सेंटीमीटर और एरिया कितना दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर तो यहां आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर अब देखो लेंथ और वृत्त का पैरामीटर से क्या रिलेशनशिप है वो लिख लेते हैं पैरामीटर जो है वो होता है इन चारों का एडिशन यानी कि लेंथ को दो बार जोड़ना है वृत्त को दो बार जोड़ना है तो हमें क्या मिलता है पैरामीटर मिलता है पैरामीटर दिया है फोर जीरो फोर्टी एल प्लस एल टू एल बी प्लस बी टू बी दो बार लेंथ और दो बार को जोड़ने के बाद हमको क्या मिल रहा है 4040 मिल रहा है। तो यानी कि लेंथ व्रथ हमारी कितनी होना चाहिए वो देखो ये टू अगर मैं यहाँ कॉमन निकाल लू कि इसका टू इसका टू एक बार यहां लिख लू तो अंदर यहाँ लेंथ बचेगा प्लस बचेगा और वृत्त बचेगा ठीक है अब ये जो टू है यहाँ ऊपर इस तरफ अगर मैं इसको बुलाऊं तो ये आ जाएगा नीचे यानी दोनों तरफ मैं टू से डिवाइड कर दूं तो यहाँ टू हट जाएगा और यहाँ फोर्टी अपॉन टू आ जाएगा तो यहां क्या पचेगा? एल प्लस बी फोर्टी को टू से डिवाइड करो टू ट्वेंटी टाइम्स होता है फोर्टी यानी लेंथ और वृथ को जोड़ने के बाद आपको क्या मिल रहा है ट्वेंटी मिल रहा है वही एरिया देखो अब यहां इससे ज्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको यही छोड़ देंगे ठीक अब एरिया देखो एरिया क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाईड बाई लेंथ का व्र से मल्टीप्लाई करूंगी तो एरिया मिलेगा एरिया दिया है हंड्रेड लेंथ कितनी दी है हमको नहीं पता Writh कितनी दी है नहीं पता यानी कि ऐसे कोई दो नंबर्स यहाँ पे हमको लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हंड्रेड मिले और एड करके क्या मिले ट्वेंटी सोच सकते हो कोई नंबर अगर नॉर्मली सोच पाओ तो ज्यादा अच्छी बात है नहीं तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं यहां लेंथ और व्रथ दोनों की जगह क्या लेती हूं टेन टेन तो ये क्या होगा टेन मल्टीप्लाइड बाय टेन आपको मिल जाएगा हंड्रेड और वही यहां पर 10 10, आपको क्या मिल जाएगा ट्वेंटी भी मिल जाएगा इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ व्रेथ इसकी क्या होंगी 10 10 सेंटीमीटर होंगी तभी 10 प्लस टेन ट्वेंटी मिल रहा है और 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, मिल रहा है इस तरीके से सोच पाओ तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा क्लियर हुआ तो ये चारों क्वेश्चन हमने यहाँ पे देख लिए तो कबीर के में जो लेंथ और व्रथ है वो टेन टेन सेंटीमीटर आई तो उसका पैरामीटर 40 हो गया ये देखो चारों हैं 10 10 10 10 तो पूरा चार बार 10 मतलब 40 और एरिया क्या हो गया 10 इंटू टेन हंड्रेड स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि ये भी इसका क्या था रेक्टेंगल ना होके स्क्वायर था कार्ड कबीर का क्योंकि चारों साइड्स इसकी बराबर हैं सो so, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है वो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए कि जो सान्या के कार्ड का पैरामीटर है वो क्या होगा फिर मानव के कार्ड की लेंथ दी है उसका पैरामीटर दिया है तो हमको मानव के कार्ड का क्या निकालना था जो चीजें निकालना थी उसको कैसे लिखना है ये पूरा सॉल्यूशन यहाँ आपके पास क्या है लिखा हुआ है बाकी मैंने सॉल्व करके भी आपको दिखा दिया ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर जो कि टेबल में आना है गॉट इट ये टेन एट थर्टी सिक्स एटी इलेवन इलेवन फोर्टी फोर वन ट्वेंटी वन टेन एट थर्टी सिक्स एटी टेन टेन फोर्टी हंड्रेड ये आपका है फाइनल आंसर अगला टॉपिक शुरू करेंगे हम तो चलिए अब मेरे साथ साथ रीड करिए कि ये जो हमारा टॉपिक है माई बेल्ट इज लॉन्गेस्ट इसमें कहानी क्या है बॉस क्या दिया हुआ है इसके टॉपिक के अंदर तो देखिए लिखा है टेक अ थिक पेपर शीट ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर एंड रिथ 9 सेंटीमीटर न ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड बोल रहे हैं कि एक थिकीट लो पेपर शीट समझ में बहुत ही मोटी अब बहुत मोटी से मतलब नहीं है मोटी सी शीट होना चाहिए पेपर की बोल रहे हैं टेका थिक पेपर शीट यानी कि एक पेपर की थोड़ी मोटी सी शीट लीजिए आप जिसकी लेंथ क्या हो 14 सेंटीमीटर हो और वृत्त क्या हो 9 सेंटीमीटर के बराबर यानी एक ऐसी शीट जो 14 सेंटीमीटर लंबी हो और 9 सेंटीमीटर चौड़ी हो ऐसा पेपर लेना है अब आप कहोगे इतना एग्जैक्ट कैसे मिलेगा तो जो आपकी कॉपी के पेजेस रहते हैं उसमें मार्क करके क्या करना एक रेक्टेंगल बना लेना उस पेपर पर इस तरीके का रेक्टेंगल जिसकी फोर्टीन सेंटीमीटर क्या है लेंथ है और सेंटीमीटर वृथ है और ये जो रेक्टेंगल बन जाएगा उसको कट कर लेना तो यही तो शीट हो जाएगी फोर्टीन सेंटीमीटर लंबी और नौ सेंटीमीटर चौड़ी है ना अब क्या करना है आपको यू कैन ऑल्सो यूज एन ओल्ड पोस्ट कार्ड पोस्ट कार्ड पता है पोस्ट ऑफिस में हम पोस्ट कार्ड पोस्ट करने जाते थे किसी को छोटी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी हो तो पोस्ट कार्ड पे वर्ड्स लिमिट होती है उतने में आप लिख के पोस्ट कर सकते हो वो थोड़ा सा फास्ट पहुंच जाते हैं लेटर्स से है ना सो पोस्ट कार्ड का साइज भी ऑलमोस्ट इतना ही होता है तो वो वही बोल रहे हैं कि जो पोस्ट कार्ड होता है उसका कागज थोड़ा सा मोटा होता है उसको भी आप यूज कर सकते हो आगे दिया है वॉट इज इट्स एरिया वॉट इज इट्स पेरीमीटर यानी कि ये जो आपने शीट ले ली जिसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है और जिसकी जो वृथ है वो कितनी है नाइन सेंटीमीटर के बराबर है तो इस शीट का पैरीमीटर क्या होगा अब हमको ये बताना है और इसका एरिया यानी कि इसने कितनी जगह घेरी हुई है इस शीट ने वो भी हमको पता करना है पर अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करके आए हैं इस टाइप के पैरामीटर एरिया के हमको पता है पैरामीटर क्या होता है एरिया क्या होता है तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया हमारे लिए कि हमें डायरेक्टली बस देखना है लेंथ वृत्त की हेल्प से हम पैरामीटर और एरिया निकाल लेंगे तो कैसे निकालेंगे अगर ये मेरे पास शीट है और इस शीट में जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है और व्रथ जो है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर यानी कि मेरे को लेंथ दी है 14 दी है 9 जो भी यूनिट हो वो लिख लेना सेंटीमीटर मीटर यहाँ सेंटीमीटर है है ना अब मुझे क्या फाइंड करना है इसका एरिया और पैरामीटर सो एरिया का फॉर्मूला पता है सबको लेंथ और व्रथ अलग अलग है यानी कि ये जो शीट है वो कैसे शेप की होगी रेक्टेंगल शेप की होगी लेंथ और व्रथ सेम होती तो वो शीट स्क्वायर शेप की होती है ना सो so, अभी हमें पता चल गया क्योंकि लेंथ और व्रथ लंबाई चौड़ाई अलग अलग है इस शीट की यानी कि ये जो शीट है वो किस शेप की दी हुई है हमको एक रेक्टेंगल शेप की शीट हमने ली हुई है अब इस रेक्टेंगल शेप की शीट का एरिया क्या होगा तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है एरिया ऑफ रेक्टैंगल मिलता है हमको लेंथ का जब हम वृत्त से क्या करते हैं मल्टीप्लाई तो बहुत इजी है लेंथ भी पता है हमको 14 है भी पता है हमको 9 है बस हमको 14 और 9 को करना है मल्टीप्लाई और हमको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर शीट हमको मिल जाएगा सो एरिया फाइंड करो फोर्टीन का नाइन से करो मल्टीप्लाई सो देखिए जरा मल्टीप्लाइड बाय नाइन क्या होगा पहले नाइन का मल्टीप्लीकेशन होगा पहले 4 से टाइम्स कितना होता है थर्टी सिक्स नाइन वन टाइम्स नाइन नाइन टू टाइम्स एटीन नाइन थ्री टाइम्स ट्वेंटी सेवन नाइन फोर टाइम्स थर्टी सिक्स सो थर्टी सिक्स का सिक्स यहां लिखूंगे और थ्री ऊपर पहुंच जाएगा कैरी में फिर नाइन का मल्टीप्लाई वन से नाइन इंटू वन नाइन आ, आ जाएगा और उसमें जो थ्री है उसको ऐड कर दूंगी तो नाइन और थ्री कितना नाइन के बाद टेन इलेवन टोटल कितना मिला ट्वेल्व से ट्वेल्व ट्वेल, तो ये ट्वेल्व आगे लिखा जाएगा तो ये कितना हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स दोनों सेंटीमीटर में है लेंथ तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाईड बाय सेंटीमीटर क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर तो आपका जो एरिया है वो कितना आ जाएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर वही यहाँ लिखा हुआ है कि लेंथ ऑफ पेपर शीट है 14 सेंटीमीटर व्रिथ ऑफ पेपर शीट है 9 सेंटीमीटर एरिया होगा शीट का जब हम 14 को 9 में करेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लीकेशन के करके दिखा दिया आपको भी ऐसे करके दिखाना है मल्टीप्लीकेशन साइड में और फिर यहाँ आंसर लिख देना वन सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर हुआ आगे बोला है अब इसका हमको पैरामीटर भी फाइंड करना है सो so, एक्चुअली होता क्या है parameter होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स यानी कि ये जो रेक्टेंगल शीट हमने ली हुई है जिसकी लंबाई चौदह सेंटीमीटर के बराबर है और जिसकी चौड़ाई यानी कि वृत्त नाइन सेंटीमीटर के बराबर है इसका अगर मैं फाइंड करूं पैरेमीटर यहां भी 9, यहां 14. तो इन चारों को मुझे क्या करना पड़ेगा एड क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है बाउंड्री कितनी आंसर तो तो क्या, दो? दो, तो क्या लिखोगे पैरामीटर फोर्टीन प्लस नाइन प्लस फोर्टीन प्लस नाइन ठीक दोनों बार लाइन तो दो बार विथ हमने क्या कर दी ऐड कर दी So, अब देखो आंसर नाइन प्लस नाइन एटीन और फोर प्लस फोर एट एटीन में एट और जोड़ो तो एटीन के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. कितना आएगा ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स का सिक्स हम यहां लिखेंगे और टू पहुंचेगा कैरी पर फिर टू प्लस वन थ्री फोर तो यहां कितना आ जाएगा फोर तो ये हो गया फोर्टी सिक्स यानी कि पैरामीटर कितना आया 46 और यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्योंकि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर जोड़ोगे सेंटीमीटर ही रहेगा एरिया में मल्टीप्लिकेशन होता है तो सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर बन जाता है सो so, बहुत इजी था ना यानी कि अब हम बहुत एक्सपर्ट हो गए एरिया और उसकी बाउंड्री यानी कि पैरामीटर निकालने में एरिया अगर रेक्टेंगल का निकालना है तो लेंथ का मल्टीप्लाई व्रत से करते हैं तो एरिया आ जाता है पैरामीटर निकालना है तो दो बार लेंथ और दो बार व्रत को ऐड कर लेते हैं चारों को तो पैरामीटर मिलता है वही अगर स्क्वायर की बात होती है तो लेंथ और व्रथ सेम होती है तो वहां लेंथ इंटू व्रथ यानी कि साइड इंटू साइड होता है स्क्वायर में और चारों साइड्स को जोड़ लेते हैं हम तो पैरा हमको स्क्वायर का मिल जाता है तो अब एरिया और पैरामीटर में कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को सो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हमने उनने बोला था एक शीट लेनी है ऐसी 14 सेंटीमीटर लेंथ और 9 सेंटीमीटर व्रथ की तो वो हमने ले ली उसके बाद उन्होंने बोला था कि उसका एरिया और पैरामीटर फाइंड करो तो वो भी हमने फाइंड कर दिया आगे देखते हैं अब ये लोग हमसे और क्या पूछ रहे हैं तो आगे लिखा है नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज आउट ऑफ इट यूजिंग टेप ज्वाइन द स्ट्रिप्स एंड टू एंड टू मेक अ बेल्ट हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट क्या दिया गया है कि नाउ कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज अब क्या करना है आपको वो जो पेपर आपने लिया है फॉर एग्जाम्पल यहां मैं एक पेपर लेकर आपको बता देती हूं कि मान लीजिए आपने ये पेपर लिया ऐसा कुछ भी आप पेपर यहां पर ले सकते हो अब ये जो पेपर आपने लिया है इसकी 14 सेंटीमीटर लेंथ है 9 सेंटीमीटर वृथ है तो हमें क्या करना है अब इसकी इक्वल लेंथ की स्ट्रिप्स काटनी है कट स्ट्रिप्स ऑफ इक्वल साइज सेम साइज की होना चाहिए हर एक स्ट्रिप स्ट्रिप मतलब पट्टी पतली सी इस पेपर की पट्टी सी स्ट्रिप सी हमको कट करनी है यूजिंग टेप ज्वाइन द स्ट्रिप्स एंड टू एंड और टेप का यूज करके एक स्ट्रिप को दूसरे स्ट्रिप से क्या करना है ज्वाइन कैसे एक जहाँ एंड हो दूसरा जहां शुरुआत हो उधर आपको एंड एंड पॉइंट पे इनको जोड़ते चलना है टू मेक अ बेल्ट बेल्ट बनाने के लिए और पूछा है हाउ लॉन्ग इज योर बेल्ट यानी कि आपका वो जो बेल्ट बना वो कितना लंबा है तो पहले मैं आपको सिखा देती हूं कि हमको करना क्या है जैसे इस टाइप का आपने पेपर लिया है 14 सेंटीमीटर लेंथ और 9 सेंटीमीटर वृत्थ का तो आपको क्या करना है इक्वल साइज की या तो आप क्या करो कि इस पेपर के ऊपर वन 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 सेंटीमीटर के क्या कर लो डॉट्स लगा लो है ना इस पूरी शीट को क्या करो एक एक सेंटीमीटर के पार्ट्स में डिवाइड कर लो या दो दो सेंटीमीटर या तीन तीन सेंटीमीटर जितना आपसे बने अब जैसे ही दो दो सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक तीन सेंटीमीटर हो गया तो मैं क्या करूँगी एक इस तरीके की स्ट्रिप कट कर लूंगी ये थ्री सेंटीमीटर की स्ट्रिप हो गई चौड़ाई में वृथ इसकी इसी के इसी सेम साइज की ही थ्री सेंटीमीटर की अब सारी इसको कट करूंगी तो मैं एक और कट कर लेती हूँ उसकी भी वृत्त कितनी होगी थ्री सेंटीमीटर होगी एक और कट कर लेती हूँ उसकी भी वृत्त कितनी होगी थ्री सेंटीमीटर होगी तो पूरे पेपर की ऐसे ही हमको क्या करनी है स्ट्रिप्स कट करनी है और फिर जब सारी स्ट्रिप्स आपके पास मिल जाए फिर आपको क्या करना है एक स्ट्रिप को दूसरी स्ट्रिप से इस तरीके से क्या करना है टेप से ज्वाइन करते जाना है कुछ इस तरीके से तो आपको क्या होगा एक बहुत लंबी लाइन बनती चली जाएगी इन स्ट्रिप्स की ये तीन है फिर चार होंगी पांच होंगी छह होंगी इस तरीके से आपको क्या करना है ज्वाइन करना है तो फाइनली उस पेपर से आपने कितनी लंबी स्ट्रिप्स बनाई पूरे को मेजर करना उसकी लेंथ और फिर बताना कितनी लंबी आपकी क्या बनी है स्ट्रिप अब ध्यान रखना कि जब आप पेपर को पेस्ट करें तो एक के ऊपर एक मत रखना उसको टेप को इस तरीके से लगाकर छोड़ देना और जहां ये खत्म हो रही हो बिल्कुल वहीं इसको रख के और यहाँ ऊपर से क्या लगाना है? टेप यानी कि ओवरलैप एक के ऊपर एक नहीं होना चाहिए नहीं उसकी लेंथ कम हो जाएगी तो ये इस तरीके से अगर एक स्ट्रिप मेरी चौदह सेंटीमीटर लंबी है दूसरी भी चौदह सेंटीमीटर लंबी है तो फोर्टीन प्लस फोर्टीन मिला के कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट इस तरीके से बहुत सारी स्ट्रिप्स मिलती जाएंगी तो हम उसकी लेंथ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं समझ में आ गया ना क्या करना है उस पेपर की सेम साइज की स्ट्रिप काट, काट करना है और जितनी भी स्ट्रिप हो उनको एक के बाद एक के बाद एक जोड़ते जाना है तो एक बहुत लंबी सी लाइन बन जाएगी और वही क्या बोल रहे हैं वो कि ये आपका एक बेल्ट बन गया है और ये बेल्ट कितना लंबा है यानी कि इसकी लेंथ कितनी है वो हमको क्या करना है फाइंड करना है तो चलिए देखते हैं मैं आपको लिख के बता रही हूं कि कितने कितने सेंटीमीटर की आप स्ट्रिप काटोगे और तो आपको कितना लंबा बेल्ट मिल सकता है तो लिखा है आंसर नाउ अस कट द शीट इन स्ट्रिप्स ऑफ फॉलोइंग हम शीट को इस तरीके से कट कर सकते हैं स्ट्रिप ऑफ व्रथ वन सेंटीमीटर यानी एक एक सेंटीमीटर लंबी कितनी स्ट्रिप्स हम कट करें अगर वी न है चौड़ाई हो उन स्ट्रिप की एक सेंटीमीटर तो हमारे पास नौ स्ट्रिप्स मिल सकती हैं जिसकी व्रथ वन सेंटीमीटर हो तो कैसे कट किया है कुछ ऐसे ये देखो ये यहां से तक क्या है फोर्टीन सेंटीमीटर है लेंथ और यहां से यहां तक नाइन सेंटीमीटर क्या है व्रत तो इन्होंने क्या किया एक एक सेंटीमीटर की नौ स्ट्रिप यानी कि ये एक स्ट्रिप ये दूसरी ये तीसरी चौथी पाँच छत आठ और नौ तो ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टोटल नाइन स्ट्रिप्स इस तरीके से कट कर ली तो देखो वन वन सेंटीमीटर की नौ स्ट्रिप्स होंगी नौ सेंटीमीटर में ये यहां से यहां तक नाइन सेंटीमीटर है तो एक एक सेंटीमीटर की अगर ली है तो, तो टोटल कितनी स्ट्रिप्स कटी होंगी नाइन स्ट्रिप्स ऐसे ऐसे जब काटी हमने एक स्ट्रिप एक सेंटीमीटर फिर एक तो दो सेंटीमीटर फिर एक तो तीन सेंटीमीटर फिर एक तो चार सेंटीमीटर ऐसे पूरे नौ सेंटीमीटर चौड़े पेद से हमने नौ स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं अगर उसकी एक स्ट्रिप कितने की काटे एक एक सेंटीमीटर चौड़ाई की वो हो और एक स्ट्रिप की जो लेंथ है लंबाई है वो कितनी होगी तो देखो एक स्ट्रिप आपकी कहाँ से कहाँ तक होगी चौड़ाई आपने कम कर दी है पर लंबाई तो कम नहीं करी लंबाई तो यहां से लेके यहां तक है यानी कि लेंथ सारी स्ट्रिप्स की यहां से यहां तक है दैट इज 14 सेंटीमीटर लंबाई सबकी 14 सेंटीमीटर ही है बट जो वृत्त थी चौड़ाई थी वो कितनी हो गई है कम हो गई एक एक सेंटीमीटर चौड़ी हो गई है ये बाकी की सारी स्ट्रिप्स ये बात समझ गए आप लोग चलिए So, इसीलिए मैंने लिखा है कि एक सेंटीमीटर चौड़ी वृत्त की स्ट्रिप अगर मैं ले रही हूं तो नाइन स्ट्रिप्स में कट कर सकती हूँ इस पेपर से तो और नाइन स्ट्रिप्स को अब मैं एक के बाद एक ज्वाइन करूँ, तो देखो जरा एक की स्ट्रिप है हमारे पास ठीक वन सेंटीमीटर चौड़ी और यहां से यहां तक कितनी लंबी है चौदह सेंटीमीटर लंबी इसी के जस्ट बाद एक और स्ट्रिप रख दी मैंने बिल्कुल इसके पास में ही है ना ना जगह वेस्ट करना है और ना एक के ऊपर एक रखना है तो ये एक और स्ट्रिप हो गई इसी तरीके से एक और स्ट्रिप रखी मैंने सेम वही की वही आगे की तरफ और उसको पेस्ट कर दिया इस तरीके से ये जो टोटल नौ हमने पट्टियां काटी हैं पेपर की स्ट्रिप्स कट करी हैं एक एक सेंटीमीटर की इनको एक के आगे एक रख के आपको क्या करना है सबको जोड़ लेना है पेस्ट कर लेना है ध्यान रखना कि एक के ऊपर एक मत रखना इनको और दूर बहुत ज्यादा दूर भी मत रखना बिल्कुल एक के पास एक ही रख के आपको पेस्ट करनी है सो so, हमें फिर बताना है कि हमारा जो बेल्ट है कितनी लंबा हो जाएगा ये पूरा स्ट्रिप्स टोटल नौ ज्वाइन करने के बाद तो देखो जरा यहां से यहां तक फोर्टीन एक स्ट्रिप की लेंथ फिर दूसरी स्ट्रिप की लेंथ भी फोर्टीन फिर यहां से यहां तक भी फोर्टीन इस तरीके से हर एक स्ट्रिप की लंबाई कितनी है चौदा चौदा। एक स्ट्रिप होती तो तीन बार फोर्टीन को प्लस कर लो तो आंसर मिल जाता या फिर क्या करो 14 का 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो भी आंसर मिलेगा यानी कि अगर मुझे पूरी लंबाई फाइंड करनी है जिसके नौ स्ट्रिप्स को एक के बाद एक जोड़ के कितना लंबा बेल्ट बनता है तो 14 का मल्टीप्लाई 9 से कर दो 14 को या तो 9 बार प्लस कर लो नौ स्ट्रिप्स हैं 14 14 सेंटीमीटर लंबी तो नौ बार इनको 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, प्लस 14 इस तरीके से ऐड कर लो या 9 से मल्टीप्लाई कर दो 14 का आंसर आपको सेम ही मिलेगा तो आप क्या करोगे लेंथ फाइंड करने 9 14 जब 14 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे क्या आंसर आएगा वो देख लीजिए 14 मल्टीप्लाइड बाय 9 9 फोर टाइम्स क्या होता है 36 36 का 6 यहां लिखेंगे 3 पहुंच जाएगा कैरी पर 9 1 टाइम्स होगा 9 और उसमें 3 ऐड कर देंगे कैरी वाले तो 10 11 12 आंसर कितना आएगा 126 दोनों क्या है सेंटीमीटर का ही पेज था तो आंसर भी क्या आएगा सेंटीमीटर में तो आंसर मिल गया आपको कि जब नौ स्ट्रिप आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपका जो बेल्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी चौदह चौदह करके नौ बार स्ट्रिप है इंटू नाइन दैट इज वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर के बराबर क्लियर हो गया आगे बढ़ते हैं अगर मैं एक एक सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप ना कट करके क्या करूं तीन तीन सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप कट करूं एक एक सेंटीमीटर वाइड नहीं चाहिए मुझे तीन तीन सेंटीमीटर वाइड चाहिए तो कितनी स्ट्रिप्स बनेंगी वो देखते हैं अपन ये रहा बेल्ट आप कितने भी सेंटीमीटर की कट कर सकते हो बस ध्यान रहे कितनी कट हो रही है ऐसा नहीं होना चाहिए सब इक्वल कट होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए एक दो सेंटीमीटर की लि सारी और एंड में एक सेंटीमीटर बचा वैसा नहीं होना चाहिए तो ये यहां से यहां या तक नाइन सेंटीमीटर है लंबाई इसकी 14 सेंटीमीटर है मैं कह रही हूं अगर तीन तीन सेंटीमीटर की मैं क्या कट करूं स्ट्रिप कट करूं तो ये देखो ये एक स्ट्रिप हो गई ये थ्री सेंटीमीटर यहां से यहां तक ठीक है यहां से यहां तक अब एक और थ्री सेंटीमीटर ले लो ये एक और स्ट्रिप तो ये एक और थ्री सेंटीमीटर हो गया यहां से यहां तक एक और ये बचा आप थ्री सेंटीमीटर थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री कितना हो गया थ्री थ्री सिक्स और थ्री नाइन यानी कि ये तीन स्ट्रिप हमें कट करके मिल जाएंगी अगर हम तीन तीन सेंटीमीटर वाइड चौड़ी स्ट्रिप कट कर रहे हैं और लंबाई सबकी क्या होगी चौदह सेंटीमीटर तो चौदह सेंटीमीटर की तीन स्ट्रिप को एक साथ जोड़ोगे एक के बाद एक कितनी लंबाई मिलेगी टोटल बेल्ट की 14 इंटू थ्री फोर्टीन को तीन बार जोड़ लो 14 प्लस फोर्टीन इतना लंबा बेल्ट है या फिर 14 इंटू कर लो दोनों से ही आंसर सेम आएगा So, हम क्या करेंगे कि स्ट्रिप ऑफ थ्री सेंटीमीटर अगर हम तीन तीन सेंटीमीटर चौड़ी ऐसे पट्टियाँ कट कर लें हाँ पे हम तो हमको थ्री थ्री सिक्स और नाइन नौ सेंटीमीटर ही चौड़ा पेपर है तो तीन ही स्ट्रिप कट हो पाएंगी ऐसी और इनकी लंबाई क्योंकि फोर्टीन सेंटीमीटर है और लंबाई में हम इनको जोड़ रहे हैं उसका क्या मतलब है कि हमको फोर्टीन इंटू थ्री दैट इज फोर्टी सेंटीमीटर लंबा बेल्ट मिलेगा क्लियर हुआ आगे लिखा है बेल्ट ऑफ थ्री सेंटीमीटर वाइड करके चल रहे हैं कि जो आपने बनाई थी वो कैसी बनाई है तीन सेंटीमीटर चौड़ी यानी कि ऐसा आपने पेपर कट किया है ये जो पेपर आपने लिया था चौदह सेंटीमीटर लंबा और नौ नौ सेंटीमीटर चौड़ा इस पेपर को आपने तीन तीन सेंटीमीटर के गैप से कट करा तो आपको तीन ऐसी स्ट्रिप्स मिली फिर आपने उससे बेल्ट बनाया यानी कि फिर जो आपकी स्ट्रिप है वो थ्री सेंटीमीटर वाइड है और फोर्टीन सेंटीमीटर क्या है लॉन्ग है एक स्ट्रिप अकेली तो अपन देखते हैं आगे अपन से और क्या पूछा गया है आगे पूछा गया है वॉट इज इट्स पैरामीटर यानी कि इसका पैरामीटर क्या होने वाला है ये हमको बताना है किसका पैरा बेल्ट का पैरामीटर जो हमने अभी बनाया तीन सेंटीमीटर की स्ट्रिप लेके तो हम बोलेंगे कि हमने माना कि मैंने कैसी बनाया है तीन तीन सेंटीमीटर की ये तीन सेंटीमीटर चौड़ी है और लंबी तो उतनी होगी फोर्टीन सेंटीमीटर इसके बाद एक और और उसके बाद एक और आ जाएगी ठीक है सब तीन तीन सेंटीमीटर चौड़ी हैं और फोर्टीन फोर्टीन सेंटीमीटर लंबी हैं तो इसकी टोटल लेंथ क्या हो गई बेल्ट की फोर्टीन इंटू थ्री फोर्टी टू सेंटीमीटर यानी बेल्ट हमारा फोर्टी टू सेंटीमीटर लंबाई में है और इस बेल्ट की जो चौड़ाई है यानी कि व्रथ है वो कितनी होगी तो इसकी व्रत होगी तीन सेंटीमीटर ही क्योंकि ये सारी जो स्ट्रिप है वो तीन सेंटीमीटर चौड़ी है तो यानी कि बेल्ट की हम लिखेंगे कि बेल्ट का जो लेंथ है वो कितना है इसके ऊपर आप लिख सकते हो लेंथ जो है बेल्ट की वो है आपकी 42 सेंटीमीटर और जो व्रथ है बेल्ट की वो कितनी है 3 सेंटीमीटर अब लेंथ और व्रथ हमको मिल गई है हमें फाइंड करना है पैरामीटर इस बेल्ट का तो ये बेल्ट भी एक तरीके से बहुत लंबा सा रेक्टैंगल ही बन रहा है देखिए अगर मैं इसको पूरा एक देखूं तो यहां से शुरू होके ये यह, यहाँ तक एक बहुत बड़ा सा रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लंबाई 42 है टोटल और चौड़ाई सिर्फ थ्री है तो लेंथ मुझे दी है 42 टू व्रथ थ्री तो पैरामीटर या तो मैं क्या करूं दो बार लेंथ को जोड़ लो दो बार वृत्त को जोड़ लो कितना आएगा थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन जीरो हमारा पैरामीटर आ जाएगा या फिर फॉर्मूला भी लगा सकते हो फॉर्मूला होता है पैरामीटर का टू टाइम्स लेंथ प्लस वृत्त यानी लेंथ और वृत्त को पहले जोड़ लो तो फोर्टी टू प्लस थ्री फोर्टी फाइव और उसको डबल क्या कर दो टू से कर दो मल्टीप्लाई बात वही है आप ऐसे भी कर सकते हैं तो आंसर क्या आ गया आपका पैरामीटर अपने बेल्ट का अगर आपने तीन तीन सेंटीमीटर चौड़ी स्ट्रिप्स काटी हैं तो तीन स्ट्रिप्स कट के बेल्ट बना होगा इस बेल्ट की टोटल लेंथ आपको 42 सेंटीमीटर मिली होगी व्रथ उसकी होगी थ्री सेंटीमीटर लेंथ पता है व्रथ पता है बेल्ट का तो पैरामीटर हमें इस तरीके से मिल जाएगा नाइन्टी सेंटीमीटर होगा इसका आंसर इसके बाद क्या दिया है देखिए नेक्स्ट हमको बोला गया है हुज बेल्ट इज लॉन्गेस्ट इन द क्लास यानी कि क्लास में सबसे लंबा बेल्ट किसका होगा अब देखो एक क्लास में बहुत बच्चे होते हैं किसी ने एक कि एक सेंटीमीटर की स्ट्रिप काटी होगी, किसी ने दो दो की किसी ने तीन तीन की किसी ने 4.5 ऐसा कुछ भी हो सकता है है ना सो so, सबसे लंबी स्ट्रिप्स, यानी सबसे लंबा बेल्ट किसका बनेगा बताइए आप खुद सोचिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने कहा था कि दो दो सेंटीमीटर चौड़ी अगर बेल्ट काटोगे तो क्या होगा दो दो सेंटीमीटर की आपको कितनी बेल्ट मिल रही थी वहाँ पर? सेंटीमीटर सेंटीमीटर सॉरी नहीं वन -वन की हम कट कर रहे थे तो हमारे पास जो पेपर था नौ सेंटीमीटर चौड़ा तो इसमें अगर एक एक सेंटीमीटर की मैंने बेल्ट कट करी थी तो मुझे टोटल नाइन बेल्ट मिली थी और सबकी लंबाई फोर्टीन सेंटीमीटर लॉन्ग ही थी तो चौदह चौदह सेंटीमीटर लंबी नौ बेल्ट को जोड़ा था हमने लंबी बेल्ट होगी वो और वहीं दूसरे केस में हमने जब तीन तीन सेंटीमीटर की स्ट्रिप काटी थी सेम इसी पेज पे तो तीन तीन की सिर्फ तीन स्ट्रिप्स बनी थी हमारे पास और लंबाई वही फोर्टीन सेंटीमीटर ही थी तो यहां फोर्टीन सेंटीमीटर की सिर्फ तीन बेल्ट तीन स्ट्रिप जोड़ के बेल्ट बना था तो नौ स्ट्रिप जोड़ के बेल्ट ज्यादा लंबा बना होगा तीन स्ट्रिप जुड़ के छोटा बना होगा इससे ये बात समझ में आ रही है कि मैं जितनी पतली स्ट्रिप काटू यानी कि जितनी कम वृत्त की स्ट्रिप काटू उतनी ज्यादा स्ट्रिप्स बन पाएंगी और लेंथ तो सब स्ट्रिप की 14 सेंटीमीटर ही है तो कोई दिक्कत नहीं जितनी ज्यादा स्ट्रिप्स होंगी उतनी ज्यादा क्या होगी लेंथ होगी यानी कि आप इसको जैसे कि एक एक सेंटीमीटर कट किया है इसमें अगर आप क्या करो हाफ हाफ सेंटीमीटर कट कर दो यानी कि एक में से भी आप और पतली पतली बेल्ट बना लो तो नाइन की डबल बेल्ट बन जाएंगी कितनी नाइन की डबल एटीन बेल्ट सबकी लेंथ तो वही है यहां से लेके यहां तक यानी कि चौदह सेंटीमीटर तो अब अठारह बेल्ट आप जोड़ो चौदह सेंटीमीटर की फोर्टीन इंटू एटीन कितना लंबा बेल्ट बनेगा तो इससे मुझे बस यही चीज समझ में आई कि जितनी चौड़ी आपकी बेल्ट होगी उतनी कम स्ट्रिप्स कटेंगी मतलब जितनी चौड़ी आपकी स्ट्रिप होगी जितना ज्यादा व्रत होगा स्ट्रिप का उतनी कम स्ट्रिप कट पाएंगी और कम कटेंगी तो जोड़ने के बाद लेंथ भी बेल्ट की कम आएगी इसीलिए हमें क्या करना है हमें देखा ऑब्जर्व किया कि स्ट्रिप्स ऑफ लीस्ट व्रथ विल मेक द लॉन्गेस्ट बेल्ट इन द क्लास यानी कि जिस भी बच्चे ने सबसे ऐसी स्ट्रिप्स बनाई है जो कि लीस्ट व्रथ की है लीस्ट मतलब सबसे कम मतलब चौड़ाई सबसे कम चौड़ी जिसकी स्ट्रिप्स होंगी उसका बेल्ट जो होगा क्लास में सबसे लंबा होगा क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमें दिया है डिड सम ऑफ योर फ्रेंड्स गेट कुछ फ्रेंड्स को बड़ी बेल्ट क्यों मिली बिकॉज दे मेड बेल्ट फ्रॉम थिनर स्ट्रिप्स देन अदर जिनकी भी बेल्ट लंबी होंगी आपकी क्लास में सबने पोस्ट कार्ड तो या पेपर उसी साइज का लिया था पर किसी की बेल्ट लंबी क्यों बनी किसी की छोटी बनी तो लंबी बेल्ट जिसकी भी बनी है उन्होंने थिनर स्ट्रिप्स का यूज किया होगा ये आप लिखोगे आंसर बिल्कुल पतली पतली स्ट्रिप यूज करी होंगी ज्यादा स्ट्रिप बनी होंगी तो बहुत लंबा बेल्ट हो गया होगा इज द एरिया ऑफ योर बेल्ट द सेम एज एरिया ऑफ पोस्ट कार्ड वाई बोला है कि क्या आपकी बेल्ट का जो एरिया होगा यानी कि बेल्ट ने कितनी जगह घेरी है वो पोस्ट कार्ड के एरिया के बराबर होगा क्या तो देखो सीधी सी बात है ये जो पोस्ट कार्ड था इसी से तो पट्टियां कट करी मैंने और बेल्ट बनाई यानी कि सेम पेपर जितना पोस्ट कार्ड में था उतना ही पेपर बेल्ट में है तो दोनों का एरिया भी क्या होगा सेम होगा तो हम लिखेंगे एरिया हमारा जो है बेल्ट का थ्री सेंटीमीटर वाइड वाले का थ्री इंटू फोर्टी टू लेंथ फोर्टी टू थी ब्रेथ थ्री थी

उन सब बेल्ट का एरिया उस पोस्ट कार्ड के एरिया के बराबर ही होगा क्योंकि आपने वो जो बेल्ट बनाई है उसका पोस्ट कार्ड का हरेक पेपर यूज करके ही बनाई है ना बाहर से एक्स्ट्रा पेपर लिया ना अंदर से कोई पेपर छोड़ा तो फिर दोनों जब पेपर सेम ही यूज हुए हैं तो बेल्ट का एरिया भी क्या होगा सेम होगा अब इसके आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे दिया है है है, ये NCRT के पेज नंबर पर है। और देखो लिखा बेल्ट नेक्स्ट टाइम यानी कि अगली बार अगर आपको बहुत लंबी सी बेल्ट बनानी है तो आप क्या करोगे तो हमने देखा था आपकी बेल्ट की वृद्ध जितनी ज्यादा थी उतनी बेल्ट छोटी थी व्रत जितनी कम थी जितना पतला बेल्ट था वो ज्यादा लंबा बन रहा था जितना मोटा सा बेल्ट था वो कम लंबा बन रहा था यानी कि अगर मुझे अब नेक्स्ट टाइम से लंबी सी बेल्ट बनानी है उस पेपर से स्ट्रिप से तो मैं क्या करूंगी थिनर बेल्ट लूंगी पतली सी बेल्ट लूंगी जिसकी जो व्रत है वो कम से कम हो तो वही हम आंसर में लिखेंगे बाय मेकिंग थिनर बेल्ट यानी कि पतली बेल्ट बनाएंगे हम आई कैन गेट लॉन्गर बेल्ट द नेक्स्ट टाइम यानी कि पतली पतली अगर मैं स्ट्रिप्स कट करती हूँ बहुत पतली सी बेल्ट बनाती हूं तो मुझे बहुत लंबी बेल्ट इजीली मिल सकती है अगर मुझे नेक्स्ट टाइम लंबी बेल्ट चाहिए है तो क्लियर अब देखिए यहाँ एक हाथी मेरा साथी और एक बच्चा है यस yes? यहाँ एलिफेंट दिख रहा है हमको और एलिफेंट के साथ ये जो बच्चा खड़ा हुआ है देखिए वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है दिस बेल्ट इज द एलिफेंट यानी कि उसकी बेल्ट इतनी लंबी बन गई अब बेल्ट तो हम अपनी कमर में टाई करते हैं है ना तो जिसकी कमर भाई बहुत ज़्यादा बड़ी होगी उसको ही इतनी बड़ी सी बेल्ट लगानी पड़ेगी तो वो बोल रहा है कि मेरी बेल्ट तो इतनी ज़्यादा बड़ी बन गई है इतनी लंबी बन गई है कि ये बेल्ट किसके लिए होगी एलिफेंट के लिए यानी कि एलिफेंट तो बहुत मोटू होता है है ना सो so, उसके पेट पे बन जाएगी इतनी लंबी बेल्ट हमारे ये इन शैतान जी ने बना ली है यस सो so, अगर आपको भी एलिफेंट के लिए बेल्ट बनानी है तो पतली पतली स्ट्रिप्स का यूज करना पड़ेगा सो so दैट बहुत सारी स्ट्रिप्स कट पाए तो एक के बाद एक जोड़ने पर खूब लंबी बेल्ट आपको मिल जाएगी क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं सो द बेल्ट इज फॉर द एलिफेंट उसने क्यों बोला आप समझ गए ना एलिफेंट भी लुक दे रहा है उसको कि अच्छा मेरे को बेल्ट पहनाने वाले हो मैं तो वैसे ही ब्यूटी हूं <laughs> so, पिछली क्लास से तो हमने खत्म कर लिया अब आज की क्लास बेसिकली हमारी पजल वाली क्लास है पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड का मतलब कि पोस्ट कार्ड से होते हुए आप गुजर जाओ मतलब आपका फॉर एग्जाम्पल एक मैं पेपर लू ये पोस्ट कार्ड है कुछ भी पेपर है अब मैं कहूं कि आप इसके अंदर से निकलो निकल सकते हो क्या मतलब मेरी तो हाइट फिर भी काफी ज्यादा है आपकी हाइट तो अभी कम होगी तो क्या आप ऐसे कर सकते हो कि इसके अंदर से निकल के दूसरी तरफ से निकल जाओ यहां से घुसो यहां से निकल जाओ इस पोस्ट कार्ड में से हो सकता है नहीं हो सकता यार कितनी कम हाइट हो आप कितने ही पतले हो इतने से पेज के अंदर से कैसे निकलोगे तो वही है टॉपिक पास थ्रू अ पोस्टकार्ड यानी पोस्टकार्ड से बड़ा ही पेपर लिया है मैंने पोस्टकार्ड तो इससे और थोड़ा छोटा होता है तो उसके अंदर से आप कैसे निकल सकते हो बीच में से वो हमें यहां पर पता करना है इस टॉपिक में ये टॉपिक पेज नंबर 150 पर ही दिया है आपके क्लास 5th तो मैथ्स मैजिक बुक में सो so, कुछ दिमाग लगाओ यार मतलब अगर मैं इसमें छोटा सा होल करूं बीच में तो भी मेरी कुछ फिंगर्स जा सकती हैं एक से दूसरी है ना या फिर मैं क्या करूं एक बड़ा सा होल कर दू से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा सा तो तो मेरा हाथ चला जाएगा एक साइड से दूसरे तरफ पर इस पेपर से मैं पूरी ऊपर से नीचे तक निकल जाऊं है ना से जाऊं पूरा इस तरीके से और उस तरफ निकल जाऊं ये तो तभी पॉसिबल होगा जब मेरे को वो छोटे सा इतनी सी बन जाऊं मैं है ना यानी कि ऐसे ऐसे मैजिक करके मेरे को मेरा को इतना सा बना दो तब मैं इस पेपर के इस तरफ से घुस इस तरफ से निकल सकती हूँ ऐसा ही होगा राइट तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता मैजिक पेंसिल तो है नहीं हमारे पास तो हम क्या करेंगे हमको तो अपना ब्रेन जो है उसको ही ज्यादा से दौड़ाना पड़ेगा एक्सरसाइज करवाना पड़ेगी और हमें हमारे ब्रेन से हमारे दिमाग से ही पूछना पड़ेगा कि यार अब इतनी कठिन सी इतनी डिफिकल्ट सी सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए क्योंकि भले ही हमारे पास मैजिक पेंसिल नहीं है पर हमारे पास मैजिक ब्रेन जरूर है ह्यूमन बींग्स की यही सबसे अच्छी बात है कि हमको दिमाग मिला है इतना अच्छा जिसको हम जितना ज्यादा यूज करेंगे वो उतना ज्यादा डेवलप होता है जितनी ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा पढ़ाई करने में मजा आएगा आप लोगों को उतनी ज्यादा नई नई चीजें सीखोगे सो आगे आप उतने ही ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल पर्सन बनोगे राइट उतनी ज्यादा चीजों के बारे में आपको नॉलेज होगी सो आप अब तो मेरे को ये बताओ कि इस पोस्ट कार्ड से आपको निकलना है पास थ्रू का मतलब आप यहां से अंदर जाइए इसके पेपर के और यहां से बाहर निकलो तो इतना समझ में आ गया कि छोटा सा छोटा जो बच्चा है वो भी इतने से पेपर के आर पार नहीं हो पाएगा है ना पेपर बहुत छोटा है बड़ा सा पेपर ला के दे दो मेरे को तो मैं एक साइड से दूसरे साइड क्या करूंगी इतना बड़ा होल करूंगी अपने हाइट लायक और एक साइड से दूसरे साइड चली जाऊंगी पर बिना मतलब इतने ही पेपर का कुछ इस तरीके से यूज करना है कि वो हम पूरा उसके अंदर से निकल जाए कैसे करना है यूज वो देखो लिखा है कैन यू थिंक ऑफ हाउ टू कट अ पोस्ट कार्ड सो दैट यू कैन पास थ्रू इट कि क्या आप सोच सकते हो कि इस पोस्ट कार्ड को मैं किस तरीके से कट करूं ताकि आप उसके अंदर से क्या हो निकल जाओ अंदर से निकलना है यानी कि ऐसा नहीं करना कि एक साइड से इसको बीच में से ऐसा होल किया और एक साइड हटाई दी कि लो अब निकलते रहो यहाँ से आराम से निकल जाओगे अंदर नहीं हमें एक तरीके से इस तरीके से बीच में कुछ ऐसे छेद सा कर दो आप होल कर दो जैसा भी कट करना है कि मैं इस तरीके से डालूं और नीचे की तरफ वो चला जाए है ना नीचे से तरह निकाल जाऊं मैं एक रिंग जैसा या जो भी है जैसा भी आप बनाना चाहो पर बनाना आपको इतने ही पेपर से है नेक्स्ट में लिखा है इफ यू हैव ट्राइड हार्ड इनफ एंड स्टिल नॉट गॉट इट लुक फॉर द आंसर समवेयर अहेड यानी कि आपने बहुत सोच लिया विचार कर लिया काफी थिंकिंग हो गई कि कैसे होगा तो देखो फिर यहां देखिए ये यह जो बच्चा है इसने पोस्ट इतने ही पेपर को क्या किया है कट किया है बीच में से तब भी ये जो पेपर है ये इसके नेक तक पहुंच गया ऊपर से वो डाल रहा है और नीचे तक क्या करेगा उस पेपर को निकाल लेगा अब ये कैसे पॉसिबल हो रहा है तो देखो लिखा है लुक आई कैन पास थ्रू पोस्ट कार्ड यानी कि देखो मैं इस के अंदर से क्या कर रहा हूं मैजिक तो होगा इसके पास पक्का कह रही हूं मैं तो लिखा है आई मेड अ लूप विदाउट कटिंग द स्ट्रिप्स यानी कि मैंने स्ट्रिप्स अलग अलग कट कर नहीं करी मैंने एक लूप बना लिया अब ये लूप क्या होता है वो बनाना हम सीखते हैं चलिए तो देखिए ये तरीका है उस लूप को बनाने का क्या करना है आपको ये जो आपने पेपर लिया है सबसे पहले इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग क्या करो इसको आधा में फोल्ड कर लो बिल्कुल हाफ में क्या करो फोल्ड कर लो एक कॉर्नर दूसरे कॉर्नर से इसको मैच कर लो सो लेंथ वाइज मैंने क्या कर दिया इसको इस तरीके से ठीक है अब कुछ या तो पर्टिकुलर सेंटीमीटर मार्क कर लो एक एक सेंटीमीटर की यहां पे मार्किंग कर लो, दोनों तरफ पे पर मार्किंग पे, सेंटीमीटर के बाद इसको इधर से क्या कर दो फोल्ड कर दो इसी तरीके से से यहां से साइड भी एक सेंटीमीटर से क्या करो इसको फोल्ड कर दो क्या किया मैंने एक पेपर लिया था उसको लेंथ वाइज आधा फोल्ड किया खोल लिया एक लंबे में लाइन बन गई फिर वाइज एक सेंटीमीटर पे अंदर की तरफ फोल्ड किया और यहाँ पे एक सेंटीमीटर पे अंदर की तरफ दोनों तरफ से करा तो इस टाइप्स की मेरे को कुछ लाइन मिली अब मुझे क्या करना है एक छोटी सी सीजर ले लेना ले बच्चों वाली सीजर लेना नहीं तो लगा लो अपने आप को है ना अब क्या करो कुछ इस तरीके से हमको इस पोस्ट कार्ड को करना है कट जब आप कट करोगे तो देखो क्या करोगे ये जो आपने इस बीच बीच में लाइन्स खींची है ना इनको कुछ ऐसे कट करो कि पूरा ऊपर ऊपर तक नहीं करना बीच बीच में आपको यहाँ पे लाइन कट करनी है यहां पे लाइन कट करनी है कैसे ये बीच में से आप क्या करोगे इसको थोड़ा सा बीच में से सिजर डालना और इस तरीके से क्या कर लेंगे आप इसको कट कट अब मैंने पूरा कट नहीं किया देखिए थोड़ा सा ऊपर जगह छोड़ दी थोड़ी सी नीचे जगह छोड़ दी है बीच बीच में कट कर लिया ऐसा ही दूसरे तरफ भी कट कर लो तो आप इस पेपर को इस तरीके से क्या कर सकते हो फोल्ड करके भी कट कर सकते हो बीच बीच में जो साइड आपकी बंद वाली साइड है वहां से शुरू करो और एंड तक मत लेकर जाना तो ये देखिए ये मैंने बीचों बीच क्या कर लिया पेपर को इस तरीके से कट कर लिया अलग नहीं की मैंने स्ट्रिप बस इतना ही कट किया है अब जब ये ऐसा कट हो गया तो अब देखो यहां पर हमने क्या किया यह यहाँ एक लाइन कट कर ली यहां इतना कट कर लिया ऊपर ऊपर तक पूरा कट नहीं किया अब यहां बीच में से इस पेपर को पूरा कट कर दो वो भी साइड साइड से नहीं कट करना अंदर ही अंदर यहां इन लाइंस के बीचों बीच का ये जो पेपर है इसको कट कर लो इसका मतलब यहां से और यहां के बीच बीच वाला पेपर हमको कट करना है वाइज तो ये मैंने क्या किया वाइज अब मैं इसको कर लूंगी कट ये इस तरीके से अब आपको मिल जाएगा दिख रहा है लेंथ वाइज मैंने अंदर ही अंदर कट किया है मेरा पेपर अभी पूरा अलग नहीं हुआ है ऊपर नीचे से अभी भी क्या है जुड़ा हुआ है जुड़ा ही रहना चाहिए अब मुझे क्या करना है अब मेरे को कुछ ऑल्टरनेट वे में कट करना है कैसे नीचे से अगर मैं शुरू कर रही हूं तो यहां से एक कट लगाओ फिर यहां इधर से बीच में से कट लगाओ फिर यहां से थोड़ा ऊपर तक लगाओ फिर यहां से थोड़ा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा छोड़ देना है किस तरीके से देखो शुरुआत में कर रही हूं नीचे से ठीक है यानी कि अभी मैंने जो एक सेंटीमीटर की पट्टी ली थी अब फिर से एक सेंटीमीटर पे यहां से कट करना शुरू कर रही हूं इस तरीके से और पूरा ऊपर तक बीच तक नहीं ले जाऊंगी सिर्फ इतना कट किया है मैंने इसको पूरा कट नहीं किया ठीक है अब जब ये हो गया इसको पलटूंगी मैं ये जो पहली स्ट्रिप कट करी थी अब बीच में से यहां से कट करूंगी मैं दूसरी इसको भी पूरा अंदर तक नहीं ले जाऊंगी थोड़ा सा छोड़ दूंगी अब जब उस तरफ से कट हो गया अब यहां से कट करो ये इस साइड से अब फिर अभी मैंने उधर से कट किया अब अंदर से कट कर लो ठीक नेक्स्ट ऊपर से कट करेंगे एक सेंटीमीटर की एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे कट करते जाओ आप कम के पे भी कर सकते हो बस सारी स्ट्रिप्स ऑलमोस्ट सेम साइज की रखना फिर एक बार ऊपर से कट करेंगे फिर नीचे से कट करेंगे फिर ऊपर से कट करेंगे सारे ऑलमोस्ट सेम वृत्त की होनी चाहिए ये इधर से कट किया फिर ऊपर से कट किया तो अभी मैं बीच में से और ऊपर से कट कर रही हूँ और दोनों बार जिस तरफ से भी कट कर रही हूँ उसके अगले तरफ मैं पूरा कट नहीं कर रही हूँ थोड़ा छोड़ देती हूँ जगह तो अब जब मैंने कट किया तो कुछ इस टाइप से मेरा क्या बन गया ये देखो एक लूप जैसा बन गया सेम इसी तरह की चीज हमको बाकी बचे पेपर के साथ करनी है यानी कि अब यहां से शुरुआत करो अगर मैं कट कर रही हूं अंदर की तरफ से तो दूसरा कट बाहर की तरफ से बस ध्यान रहे कि जब कट कर रहे हो जिस साइड से कर रहे हो वहां से तो शुरुआत करोगे जैसे अंदर से मैंने कट किया यहां से शुरुआत की पर जहां तक कट करना है तो पूरा पीछे तक कट नहीं करूंगी नहीं तो वो पेपर अलग हो जाएगा बीच में थोड़े से दूरी पे क्या करूंगी इतना उसको छोड़ दूंगी ताकि वो जुड़ा रहे पेपर इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक बार बाहर की साइड से कट करना है एक बार अंदर की साइड से कट करना है इस तरीके से अगर आप कट करते हैं तो अब जो आपका पोस्ट कार्ड होने वाला है उसको देख के आपको भी लगेगा कि ये जो सलोनी मिस है ना इनके पास पक्का मैजिक है मतलब मैंने मैजिक किया नहीं है वैसे अब आप मान सकते हो मैजिक है मेरे पास पर जो मैं बात बोल रही थी कि आपको इस पोस्ट कार्ड के अंदर से निकलना है, है ना तो इतना बड़ा होल होना चाहिए पोस्ट कार्ड के बीच में कि आप पूरे के पूरे उसके अंदर क्या हो फिट हो जाओ निकल जाओ तो अब वो कैसे होगा वो देखिए फाइनली जब मैंने इस प्रोसीजर को फॉलो किया इस तरीके से कट किया तो इस तरीके का पेपर हमको मिला हमारा पेपर भी ये देखिए ऐसा ही कुछ हो गया है इस तरीके का ठीक है अब ये जो पेपर ऐसा हो गया है इसको क्या करो इस तरीके से खोल लो तो ये हमारी ये जो लूप जो मैं कह रही थी वो जो बच्चा कह रहा था लूप बन गई है वही उतना ही पेपर है बस मैंने उसको इस तरीके से कट कर दिया है कि अब देखो उसके बीच में कितनी सारी जगह है कि इजीली इसके अंदर से मैं क्या है निकल सकती हूँ यही हमारा टॉपिक था कि पास थ्रू अ पोस्ट कार्ड ये जो पोस्ट कार्ड के बराबर एक छोटा सा पेपर था जिसमें मैं बोल रही थी कितना भी बड़ा हम होल कट कर लें हम उसके अंदर से नहीं निकल सकते पर एक ऐसी ट्रिक का यूज किया उस पेपर को इस तरीके से कट किया मैंने कि ये देखो अब सेम आपके सामने कट किया है मैंने पेपर तो चेंज किया नहीं है तो सेम उसी पेपर से मुझे क्या मिल गया इतना बड़ा उसके बीच में मेरे को मिल गया और वो पेपर देखो दोनों तरफ से जुड़ा है है ना यानी उस पेपर के बीचों बीच ही इतनी बड़ी जगह हो गई कि अब देखो आराम से आप भी निकल सकते हो इसके अंदर से मैं भी निकल सकती हूँ मोटू होगा तो वो भी निकल सकता है राइट right? तो दैट ये हमने एक नए तरीके की लूप बनाना सीख ली है मैंने आपको इस क्लास में सिखाया है तो आप इसको अगर आपको कहीं बीच में डाउट हो तो वीडियो फिर से देख लेना फिर से सीख लेना बहुत ज्यादा इजी है इस लूप को बनाना बस ध्यान रखना है कि पेपर को हमें इधर-इधर से जुड़ा रखना है और बीच में से भी पूरा कट नहीं करना जहां से भी कट करना शुरू किया है उसके अगले साइड पे थोड़ा सा पेपर छोड़ देना है तो इस टाइप की एक प्यारी सी लूप आपको मिल जाएगी और इसके आर पार आप इजीली हो सकते हो गॉट इट तो ऐसा ही लूप वो बच्चे ने बनाया था देखिए यहां पर इस बच्चे ने भी ऐसे ही लूप बनाई थी तभी वो क्या है उसके अंदर से इस तरीके से निकल पा रहा था तो अब आप समझ गए ना कि किस तरीके से आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हो दिमाग का इस्तेमाल कर सकते हो मैजिक करने के लिए ये तो एक मैजिक के ही तरीके से है कि इस तरीके से हमने लूप बना लिया कि इजीली अब वो वही उतने ही छोटे से पेपर से हमें बीच में इतना बड़ा गैप मिल गया कि इजिली कोई भी इसके अंदर से क्या होगा निकल जाएगा क्लियर सो so, यहाँ पे देखो कुछ पूछ भी रहे हैं ये लोग क्वेश्चन उनको और रीड कर लेते हैं अपन तो क्या पूछ रहे हैं ये लोग so, तो क्या आप उसमें से निकल पाए मैं तो निकल जाऊंगी उसमें से मैंने इतनी अच्छी लूप बना ली है क्या आप निकल पाए उसमें से आपकी लूप ऐसी ही सेम बन गई कि नहीं वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और लिखा है यू नो द एरिया ऑफ द लूप डोंट यू इट इज तो बोला गया है कि आपको एरिया पता है ना इस लूप का कितना है यानी कि ये जो हमने बनाया है इसमें कितनी जगह इस पेपर की ली है तो वो हमें फाइंड करना है तो पता है एरिया कितना है बताइए अरे जिस पेपर से बनाया है ना तो हमने कुछ इसका पेपर वेस्ट किया पूरा इसी रूप में है और ना एक्स्ट्रा पेपर बाहर से लिया यानी कि ये जो चौकोर सा पोस्ट कार्ड से हमने इसको बनाया था तो जो पोस्ट कार्ड का एरिया होगा वही इसका एरिया होगा कितना आ रहा था पोस्ट कार्ड का एरिया अगर आपने यही वाला यूज किया है तो 126 सेंटीमीटर का हमारा वो पेपर का एरिया था तो वही एरिया क्या होगा इसका तो यहाँ भी क्या आएगा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर क्लियर चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या दिया है नेक्स्ट सो पीपल पीपल एवरीवेयर हर जगह लोग ही लोग हैं यही है इस का मतलब अब कहा है लोग, -लोग इसका मतलब ऐसा क्यों लिखा है आइए रीड करते हैं लिखा हुआ है यू कैन प्ले दिस गेम इन अ ग्राउंड एक ग्राउंड में आपको ये गेम खेलना है बेसिकली एक गेम है सो रिलैक्स ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है हमको इसमें सो क्या गेम है हमारा मेक टू स्क्वेयर्स और वन स्क्वे मीटर ईच यानी आपको दो स्क्र शेप बनाने हैं ग्राउंड के ऊपर क्या करना कोई भी स्टिक ले लेना और नीचे ग्राउंड में जो सेंड तो होता ही है आप स्टिक की हेल्प से क्या कर सकते हो स्क्वेयर का शेप बना सकते हो सो so, आपको कितना बड़ा स्क्वेयर बनाना है वो भी यहाँ पे लिखा है स्क्वेयर शेप तो हमें क्लियर है ना क्या होता है एक ऐसा चार साइड से बनने वाला क्लोज फिगर जिसकी चारों साइड्स कैसी हो बराबर हो सो so, ये जो स्क्वायर है वो कितना बड़ा बनेगा वन स्क्वायर मीटर का अभी तक हम वन सेंटीमीटर स्क्वायर पढ़ रहे थे कि एक छोटा सा स्क्वायर होता है जिसको हम यूज करके एरिया फाइंड कर रहे थे राइट और वो जो छोटा सा स्क्वायर था हमारे पास उसकी हर एक साइड कितने सेंटीमीटर की थी वन सेंटीमीटर की थी तो हम बोलते थे कि इसका जो एरिया है इस छोटू से स्क्वायर का वो क्या होगा साइड इंटू साइड करके वन इंटू वन दैट इज वन सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको हम वन स्क्वायर सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे थे कि ये जो छोटा सा स्क्वायर है वो वन स्क्वायर सेंटीमीटर का है अब यहाँ वो वन स्क्वायर तो बोल रहे हैं पर सेंटीमीटर की जगह क्या बोल रहे हैं मीटर यानी कि ये सेंटीमीटर से थोड़ी सी बड़ी वाली यूनिट आ चुकी है मीटर यानी कि अब हम थोड़े बड़े स्क्वायर की बात कर रहे हैं एक सेंटीमीटर का स्क्वायर तो बहुत ही छोटा सा हो जाता है सो so, सेंटीमीटर मीटर में रिलेशन पता है ना क्योंकि पता तो होना चाहिए यार कि एक मीटर कितना होगा मतलब अब हमको ऐसा स्क्वायर बनाना है जिसकी हर एक साइड कितनी हो हमें एरिया दिया गया है कितना वन मीटर स्क्वायर अगर वन मीटर स्क्वायर एरिया का मुझे एक चोको डब्बा बनाना है एक इस तरीके से सेक्शन बनाना है ग्राउंड के ऊपर तो मैं उसकी साइड्स कितनी लूंगी वन वन मीटर की सी बात है जब हमें वन सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया का जो uh, मैं बोल सकती हूँ स्क्वायर था उसकी हर एक साइड क्या थी वन वन सेंटीमीटर की थी बीइंग इट इज अ स्क्वायर दैट मींस हर साइड सेम ही होगी तो यहां पर भी अगर मैं एक मीटर एक एक मीटर के चारों साइड से क्या बनाती हूँ एक स्क्वायर बनाती हूँ यानी कि एक ऐसा स्क्वायर जिसकी चारों साइड क्या है एक एक मीटर के ही बराबर है तो उसका एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड करके वन इंटू वन वन मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से मुझे एक मीटर स्क्वायर का आ, मैं बोल सकती हूं क्या मिल जाएगा एक स्क्वायर शेप मिल जाएगा अब चलो बेसिकली मैं यहां पर बना तो नहीं रही तो कैसे हम एक गेस कर सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है हमारा एक मीटर स्क्वायर का स्क्वायर शेप सो देखो वन सेंटीमीटर कितना होता है हमारे स्केल पे सिर्फ वो जो सेंटीमीटर स्केल हमारे पास रूलर होता है उसके दो नंबर्स के बीच की ही जगह जीरो से वन ले लो वन से टू ले लो टू से थ्री ले लो इतना छोटा सा क्या हो जाता है वन सेंटीमीटर वहीं अगर वन मीटर की मैं बात कर रही हूँ तो ये आप नोट डाउन भी कर लेना कि वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर यानी कि जब हम एक सेंटीमीटर वाले स्क्वायर की बात कर रहे थे वो कितना छोटा होगा मतलब उस एक एक सेंटीमीटर जैसे सौ स्क्वायर्स एक एक सेंटीमीटर के सौ स्क्वेयर यहां पे जम जाए उससे जो बड़ा सा स्क्वायर बनेगा वो स्क्वायर आपका क्या होगा एक मीटर की साइड वाला स्क्वायर होगा जिसका एरिया वन मीटर स्क्वायर होता है ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को दैट मींस हम जो पहले एक सेंटीमीटर के छोटू से स्क्वायर की बात कर रहे थे वो जो छोटू सा स्क्वायर था वो कुछ ज्यादा ही छोटू सा था क्योंकि उसके आगे ये जो वन मीटर वाला स्क्वायर है ये काफी बड़ा होगा राइट चलिए आगे देखते हैं सो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लिया कि हमें माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि स्क्वायर कितना बड़ा होने वाला है ठीक है आगे बढ़ते हैं हाउ यहाँ पे लिखा है डिवाइड योर क्लास इन टू टीम्स रेडी टू प्ले अब इसको आपको गेम को जो खेलना है क्लास को दो टीम्स में कर लीजिए डिवाइड अब दो टीम्स में कैसे डिवाइड करोगे आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं फॉर एग्जाम्पल एक क्लास या एक सेक्शन की हम बात करें तो ऑलमोस्ट फोर्टी टू फिफ्टी स्टूडेंट्स तो हर एक सेक्शन में होते ही हैं वहीं अगर आपकी क्लास के चार सेक्शन है पांच सेक्शन है सारे बच्चों को एक साथ गेम खेलना है तो वो भी कर सकते हो हाफ हाफ में डिवाइड करना है सौ बच्चे अगर तो पचास बच्चे एक साइड एक टीम में और पचास दूसरी टीम में ठीक आगे लिखा हुआ है कुछ क्वेश्चन question, उन क्वेश्चन के हिसाब से हमको करना है प्रोसीड क्या करना है हमको बोला है हाउ मेनी ऑफ यू कैन सेट इन वन स्क्वायर मीटर यानी कि वो जो वन स्क्वायर मीटर का आपने क्या बनाया है एक स्क्वायर बनाया है ग्राउंड पे उसके अंदर उसके अंदर की ही बात कर रहे हैं हम यानी कि कोई भी बिल्कुल एजेस पे भी नहीं बैठना चाहिए बाउंड्री पे भी नहीं बैठना चाहिए और बाउंड्री के बाहर तो बिल्कुल ही नहीं निकलना चाहिए तो मेरा कहना यह है कि आप एक मीटर स्क्वायर के इस स्क्वायर शेप के बॉक्स के अंदर जो आपने ग्राउंड पे बनाया है कितने लोग बैठ सकते हो तो या क्लास फिफ्थ के छोटे छोटे से बच्चे हो तीन चार बच्चे तो आराम से बन जाएंगे सो करना ही है आपको ये सच में अब जब स्कूल्स आपके खुल जाए अभी तो बढ़िया सब मौज मस्ती कर रहे हैं घर पे ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू तो आप क्या कर सकते हो स्कूल जा सकते हो या घर पर ही एक मीटर स्क्वायर का क्या बना सकते हो वन मीटर साइड का एक स्क्वायर बना सकते हो अब उस स्क्वायर के अंदर आप खुद बैठ के देख लेना एक बार आप बैठना और चौक से वो सर्कल बनवा लेना कि आप कितनी जगह में बने हो फिर उसके खजक के और दूसरी जगह बैठ जाना अगर आप सिंगल हो तो आप यही कर सकते हो अगर आपके फ्रेंड्स हैं घर में भाई बहन हैं और बहुत सारे लोग हैं तो उनको बैठा लेना कि चलो देखते हैं कि एक मीटर जो लेंथ वाला स्क्वायर है उसके अंदर अपन कौन कितने लोग बन सकते हैं तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करू ये एक्टिविटी आपको खुद परफॉर्म करके यहाँ आंसर लिखनी है जब मैंने देखा तो ऑलमोस्ट थ्री तीन बच्चे तो उसके अंदर आराम से बन ही जाएंगे सो so, हम लिख सकते हैं थ्री चिल्ड्रन कैन सेट इन वन स्क्वेयर मीटर अब हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा ही क्या छोटे छोटे बच्चों को बिठा रहे हो तो वो थोड़े से ज्यादा बन सकते हैं राइट ठीक है अब आगे है हाउ मेनी ऑफ यू कैन सिट इन इट स्टैंड इन इट यानी कि अब खड़े होने की बात चल रही है जब हम किसी जगह पर बैठते हैं तो थोड़ी सी ज्यादा स्पेस ज्यादा एरिया हम ऑक्युपाई करते हैं वहीं अगर हम कहीं पर खड़े हुए हैं तो हमारे जितने फीट हैं सिर्फ उतनी ही जगह हम ऑक्युपाई करेंगे बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेंगे हम जगह तो यानी कि थोड़े से ज्यादा लोग बन सकते हैं अगर हम उसमें स्क्वायर में बैठे नहीं हैं खड़े हैं तो उसके हिसाब से तीन से चार ज्यादा एक आदि पर्सन और ज्यादा आ सकता है वहां पे खड़े होने के लिए तो मैं बोल रही हूँ कि फोर स्टूडेंट्स इजिली वहां पर खड़े हो सकते हैं आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आगे पूछा गया है देखिए रीड करिए विच टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वेयर एंड हाउ मेनी यानी कि टीम यानी कि कौन सी टीम आपने दो टीम में अपनी क्लास को किया है डिवाइड तो कौन सी टीम कुड मेक मोर चिल्ड्रन स्टैंड इन देयर स्क्वायर कौन सी टीम है जिसने ज्यादा बच्चों को अपने स्क्वायर के अंदर स्टैंड करवा दिया है खड़े करवा दिया है और वो स्क्वायर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं तो वो हमको देखना है और हाउ मेनी चिल्ड्रन यानी कितने बच्चे एक स्क्वायर के अंदर वहां खड़े हो गए यानी कौन सी टीम जीती बेसिकली ये कहानी चल रही है अपनी सो so, दिया हुआ है टीम ए कुड मेक फाइव स्टैंड इन देयर स्क्वायर तो अब ये बेसिकली पूरा आप पे डिपेंड करता है जब आप खेल रहे हो गेम मैंने अपने स्कूल में जब बच्चों को खिलवाया तो ये जो आंसर्स आए मेरे सामने वो मैंने आपको बता दिए कि एक टीम ए थी जिनने पांच बच्चों को खड़ा करवा दिया था उसी एक स्क्वायर के अंदर तो वो क्या हो गए थे विनर दूसरी टीम ने पांच से कम बच्चों को करवाया होगा तो वो लूज हो गए थे नेक्स्ट ट इन देर स्क्र हाउ मैनी और कौन सी टीम ने ज्यादा बच्चों को बैठा लिया अपने स्क्वायर के अंदर यानी कि ऐसी स्क्वायर जिसमें ज्यादा बच्चे बैठे हैं किस टीम से सो फिर से टीम ए ही जो थी मैंने जो बनाई थी कु्रन सेट चार बच्चों को वो एक, एक सेंट एक मीटर स्क्वायर वाले स्क्वायर में बैठा पाए हैं और दूसरी टीम ने चार से कम को ही बैठाया होगा तभी टीम जो ए है वो क्या हुई है विनर हुई है, बिल्कुल जीत गए हैं ये लोग नेक्स्ट दिया है मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर अब कहानी हमारी खत्म हुई उतनी स्क्वायर वाली कुछ क्वेश्चन थे उनको हमने प्रॉपरली आंसर भी कर लिए और उनको लिखना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया अब नेक्स्ट दिया है इसी में मेजर द लेंथ ऑफ द फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन मीटर्स ऑल्सो मेजर द्र करना ये है कि आपका जो क्लासरूम होता है उसकी आपको वो जो फ्लोर है यानी कि जमीन है तो नीचे से उसको मेजर करना है कि वो कितनी और कितनी वृद्ध है कितनी लंबी क्लास है आपकी और कितनी चौड़ी क्लास है यानी कि लेंथ और वृद्ध क्लास की आपको क्या करना है मेजर करना है सो so, इससे आपके वो छोटे वाले स्केल से तो काम नहीं चलेगा थोड़ा सा बड़ा सा स्केल हो तो थोड़े से जल्दी मेजरमेंट हो जाएगा सो so, आप देखोगे एक एवरेज में बता दूं सो so, अब ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम को ही करो अब स्कूल ही नहीं जा रहे अगर अभी तो क्लासरूम रूम कहाँ से मिलेगा मेजर करने के लिए तो घर का एक नॉर्मल एवरेज साइज रूम जो आपके क्लासरूम जितना बड़ा हो उसको मेजर करके आप उसकी लेंथ वेथ लिख सकते हैं अच्छा उसको मेजर काय में करना है मीटर में यानी कि अब आप जो आपको मेजर मेजरिंग डिवाइस चाहिए ऐसा स्केल चाहिए जिसपे मीटर्स में वैल्यू लिखी हो है ना अब वो सेंटीमीटर वाला स्केल लोगे तो आप खुद सोच लो सौ सेंटीमीटर तक जब तक उसको नापोगे तब एक ही मीटर हो पाएगा इसलिए एक एक मीटर का ऐसा स्केल हो जिसमें सीधे मीटर्स में, में मेजरमेंट दी हो तो वो थोड़ा सा आपको ईजी पड़ेगा सो so, आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज 10 मीटर लंबाई होगी और 8 मीटर के करीब क्या होगा उसका व्रत होगा क्लासरूम का थोड़ा बहुत एक दो मीटर आगे पीछे चल सकता है, है ना अब बोला है व्हाट इज द एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ योर क्लासरूम इन स्क्वायर मीटर्स अच्छा लेंथ अगर आपने नाप ली है रूम की तो अब इन्होंने आपके सामने बिल्कुल क्वेश्चन डाल दिया है क्या क्वेश्चन कि एरिया बताओ अपने क्लासरूम का कितना है सो so, बहुत अच्छे से बताए हमको कि जब हमको लेंथ भी पता है किसी चीज की वृद्ध भी पता है तो एरिया तो हम निकाल ही सकते हैं कैसे लेंथ और व्रथ अलग अलग है इसका मतलब शेप कैसा है रेक्टेंगल अगर लेंथ और व्रथ सेम होती तो कैसा शेप होता एक स्क्वायर शेप होता So, अगर रेक्टेंगल है तो उसका जो एरिया है वो क्या होता है कैसे कैलकुलेट करते हैं लेंथ बाय करके ऐसे ही होता है दैट मीन्स अगर लेंथ दस मीटर है और व्रथ आठ मीटर है तो मैं क्या कर सकती हूं लेंथ का व्रथ से कर दू मल्टीप्लीकेशन तो जो आंसर मिलेगा क्या मिल रहा है टेन इंटू एट एटी टेन एट टाइम्स कितना होता है एट्टी और मीटर मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर तो हमारा आंसर क्या आएगा कि जो एरिया है हमारे क्लासरूम का वो क्लासरूम जो 10 मीटर लंबी है और 8 मीटर चौड़ी है लेंथ और 10 8 मीटर मीटर्स सो उसका जो एरिया है वो कितना होगा एरिया विल बी एटी मीटर स्क्वायर तो यहाँ आप आंसर क्या लिख सकते हैं ये देखिए एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाइड दैट इज इक्वल टू Into it, that is 80 square meter. Clear? कोई तो नहीं है. चलो, so next question देख लो. How many are there in your class? कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में अब सबकी क्लास की, की सबके स्कूल्स की अलग अलग मैं बोल सकती हूँ ये अरेंजमेंट होता है कि कितने स्टूडेंट्स कितने क्लास में होने वाले हैं है ना? अगर किसी एक क्लास में क्लास फिफ्थ में मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं मेरे स्कूल में हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं पूरे क्लास फिफ्थ में और मेरे स्कूल में अगर चार सेक्शंस हैं हर क्लास के तो मैं क्या करूंगी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट्स हर क्लास में कर दूंगी सो so दैट कम बच्चे होंगे तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होगी भीड़ में तो वैसे ही पढ़ाई नहीं होती राइट सो so, ऐसा होगा लेकिन अगर आजकल होता क्या है बच्चे तो भर भर के स्कूल्स में रहते हैं सो एक क्लास में ऑलमोस्ट 50, 40, 50 बच्चे तो हो ही जाते हैं राइट सो हम एवरेज ले, ले लेते हैं कि 40 चिल्ड्रंस एक क्लास में हैं। आपकी क्लास में 40 से कम हो ज़्यादा हो आप अपना आंसर यहाँ पे लिखिएगा हमको बस ये लिखना है कि आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है कितने बच्चे आपकी क्लास में आपके सेक्शन में हैं राइट आगे बढ़े अगर हम सो so नेक्स्ट क्या दिया है ये 40 चिल्ड्रन हो गया लिखा है सो हाउ मेनी चिल्ड्रन कैन सिट इन 1 स्क्वायर मीटर एक मीटर स्क्वायर की जगह में कितने बच्चे बैठ सकते हैं आपकी क्लासरूम में ये हमको निकालना है अभी आपने देखा कि आपकी जो क्लासरूम थी अगर उसकी लेंथ 10 मीटर और विड्थ 8 मीटर है तो उसका एरिया कितना आया था 80 स्क्वायर मीटर्स अगर इसका एरिया 80 स्क्वायर मीटर्स है सो so, वॉट विल बी द आंसर 80 मीटर स्क्वायर की जगह है ठीक है इसमें 40 स्टूडेंट्स बैठ, बैठ सकते हैं यानी कि 40 बच्चे पूरे एक आपकी क्लासरूम में बैठते हैं एक क्लासरूम में जितने बच्चे हैं पूरे बच्चे वहीं बैठेंगे ऐसा तो होगा नहीं किसी को बाहर बैठा दे वो तो अलग बात होती है कि ठीक है आज बुक नहीं लेके आए होमवर्क नहीं करके आए तो वो एज अ पनिशमेंट आपको क्लास से बाहर भेज दिया जाता है राइट सो so, यहाँ पर बेसिकली हम नॉर्मल लेकर चल रहे हैं कि भाई सब अच्छे बच्चे हैं सब होमवर्क करते हैं तो पूरे 40 स्टूडेंट्स इस 80 मीटर स्क्वायर की क्लास में बैठे हुए हैं तो आप मुझे ये बताइए कि एक मीटर स्क्वायर की जगह में मतलब हम देख कर चलें कि वन मीटर स्क्वायर में कितने लोग बैठ जाते होंगे आपकी क्लास में तभी तो एटी मीटर स्क्वायर में फोर्टी लोग बैठ गए तो उस हिसाब से अगर मेरे को कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चे हैं जो वन मीटर स्क्वायर की जगह में बैठेंगे कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं सो so, क्या होगा 80 मीटर स्क्वायर में 40 स्टूडेंट्स तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने 40 अपॉन 80 तो यहाँ पर ये 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 क्या आएगा? ये ये ना आके यहाँ आएगा 40 अपॉन 80 तो ये कितना हो जाएगा 40 वन टाइम्स 40, 42 टू टाइम्स एटी यानी कि वन बाई टू वन बाई टू का क्या मतलब होता है वन अपॉन टू का मतलब होता है हाफ कि आधा बच्चा ही बैठ पाएगा वन मीटर स्क्वायर की जगह में सो अब बच्चे को तो आधा करेंगे नहीं अब बन है ना ये तो गलत बात हो जाएगी सो क्या है ये मतलब कि एक मीटर स्क्वायर में आधा ही इंसान आ रहा है यानी कि उसको पूरा आने के लिए एक मीटर स्क्वायर की जगह और चाहिए दैट मीन्स एटलीस्ट दो मीटर स्क्वायर की जगह चाहिए जिसमें एक स्टूडेंट क्या करेगा बैठ पाएगा इतनी बात क्लियर हो गई चलो तो आगे देखें आगे दिया है इफ़ यू वॉन्ट टू मूव अराउंड ईजिली देन हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू थिंक शुड बी देयर इन वन स्क्वेयर मीटर यानी कि अगर आपको ईजिली क्या करना है मूव अराउंड करना है तो एक मीटर स्क्वेयर की जगह में कितने बच्चे होना चाहिए दो बच्चे आराम से वहां पर हो जाना चाहिए है ना यानी कि आप थोड़ा सा एक एक मीटर स्क्वायर का जगह ऑलमोस्ट छोड़ते जाओ सब बच्चों के बगल में सो so देट थोड़ा सा हमें मूव करने की जगह क्लास में इजीली मिलती जाए अब देखिए यहाँ पे बर्ड्स क्या बोल रही है ये जो एक प्यारी प्यारी सी beautiful सी बर्ड प्यारीफुल बैठी है वो बोल रही है कैन यू इमेजिन हाउ बिग अ स्क्र ऑफ साइड किलोमीटर इज यानी कि एक वन किलोमीटर का स्क्वायर कितना बड़ा होगा क्या आपने कभी इमेजिन किया है तो अब देखते हैं अपन वन किलोमीटर का स्क्वायर कितना बड़ा होगा और बोला है इट हैज एन एरिया ऑफ डैश स्क्वायर किलोमीटर गेस हाउ मेनी पीपल कैन लिव ऑन दैट यानी कि कोई किसी का एरिया वन स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है तो उसमें कितने लोग रह सकते होंगे वो देखना है जैसे यहाँ एक फैक्ट भी बताया गया है कि इन वेस्ट बंगाल देयर आर अबाउट 900 पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर एक किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 900 लोग रह लेते हैं वेस्ट बंगाल में वहीं दूसरी जगह अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो इट फील्स वेरी लोनली देयर यानी कि वहां पर बहुत कम लोग रह रहे हैं देयर आर लेस देन 15 पीपल लिविंग इन स्क्वायर किलोमीटर एक किलोमीटर स्क्वायर की जगह में सिर्फ पंद्रह लोग रह रहे हैं कहां अरुणाचल प्रदेश में वहीं वेस्ट बंगाल में 900 लोग रह रहे हैं उतनी सी जगह में यानी कि इससे हमें पॉपुलेशन पता चल रही है ज्यादा लोग होंगे तो उनको पास-पास घर बनाना पड़ेंगे पास-पास रहना पड़ेगा कम लोग हैं आराम से भाई बहुत बड़े से एरिया में अपना बंगलो बनाइए बनाइए और खूब दूर दूर एक दूसरे से रहिए इससे बेस्ट जब चीज कोई हो ही नहीं सकती राइट सो so, ये एक फैक्ट बताया गया है कि इतने एक ही सेम मैं बोल सकती हूँ एरिया में बहुत सारे लोग भी रहते हैं कहीं और बहुत कम भी लोग रहते हैं राइट सो so, आगे बढ़ते हैं अपन हाँ हम देख रहे थे क्या चीज हम देख रहे थे कि एक किलोमीटर वाला जो साइड का स्क्वायर है वो कितना बड़ा होगा तो देखो वन किलोमीटर में होते हैं वन थाउजेंड मीटर और वन मीटर में होता है हंड्रेड सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर हमारा कितना होता है बहुत छोटा सा मतलब ये जो मैंने लाइन यहाँ बना दी वो तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई एक सेंटीमीटर से अपना सेंटीमीटर का स्केल लेना जो हम नॉर्मली यूज करते हैं स्कूल में रूलर और उसमें देखना जीरो से वन तक की जगह में कितना सा छोटी सी जगह है वो एक सेंटीमीटर है वैसी अगर सौ सेंटीमीटर हो जाए तो वो कितना बन जाएगा एक मीटर के बराबर और वैसे ही एक मीटर वो बन जाएगा तो एक मीटर जब हो गया सौ सेंटीमीटर मिलके एक मीटर बन गया ऐसे ही एक मीटर कितने हो जाए एक हजार आप एक मीटर को ले लो तो वो एक किलोमीटर बनेगा यानी कि आप यहां से थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि वो कितनी बड़ी जगह होने वाली है सो so, ये जो मैंने यहाँ लिखा है इसको कहीं नोट डाउन भी कर लेना एक अच्छी चीज है आगे भी काम आएगी कि एक मीटर का मतलब होता है सौ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो हमें पता है स्केल में दो नंबर्स के बीच की जो छोटी सी जगह होती है वो सेंटीमीटर होती है तो सौ सेंटीमीटर मिलकर एक मीटर बनाते हैं और हजार मीटर मिलकर एक किलोमीटर बनाते हैं दैट मीन्स अगर मैं फाइंड करूं कि वन किलोमीटर कितने सेंटीमीटर मिलकर एक किलोमीटर बनाते हैं तो क्या होगा एक हजार मीटर को अगर मैं सेंटीमीटर में बदलू तो एक मीटर में सौ सेंटीमीटर तो एक हजार मीटर में एक हजार इंटू सौ कितना एक सेंटीमीटर इतनी सी जगह ऐसे ही एक लाख सेंटीमीटर में ले लू तब जाके क्या बनेगा एक किलोमीटर की जगह बनेगी काफी बड़ा हो जाता है वो एरिया क्लियर चलिए, so, ये यहाँ पे हो गया हमारा सेक्शन खत्म और क्या लिखा है और देखिए आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सो so, ये आप जरूर इसको देख लेना, ये ये चीज ये नहीं है uh, क्या है अपना कि वन स्क्वायर मीटर हमसे पूछा है तो हमने देखा एट्टी स्क्वायर मीटर में फोर्टी लोग हैं अगर तो वन मीटर स्क्वायर में फोर्टी अपॉन एट्टी दैट इज वन अपॉन टू पीपल आधा बच्चा ही बैठ पाएगा हाफ बच्चे बैठ पाएंगे या फिर आप बोलो आधा बच्चा मत बोलो हाफ स्टूडेंट्स बैठ पाएंगे है ना आधा बच्चा वो गलत है आधे बच्चे बैठ पाएंगे ये कहना चाह रही हूं मैं कि 80 मीटर स्क्वायर में अगर 40 लोग बैठे हैं तो एक मीटर स्क्वायर में 40 अपॉन 80 यानी वन बाय टू पीपल विल सिट क्लियर हुआ सो so, ये अपन यहाँ पे खत्म कर सकते हैं टॉपिक तो देखिए शेयर लैंड ये गिवन है आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 152 पे सो so, क्या मतलब है बच्चों शेयर द लैंड टॉपिक का और इसके अंदर किसका लैंड किया जा रहा है शेयर लैंड मतलब होती है जमीन शेयर करना मतलब बांटना राइट शेयरिंग इज केयरिंग सीखा है हमने बचपन से सो so, लैंड को यानी कि जमीन को हम क्या कर रहे हैं बांट रहे हैं सो so, ये कौन बांट रहा है जमीन को और किसका लैंड शेयर किया जा रहा है ये सारी स्टोरी आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमसे पूछे गए हैं उनको भी हम करेंगे सॉल्व तो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है आज का हमारा इस चैप्टर का शेयर दी लैंड तो बिल्कुल अटेंटिव होकर सब लोग बैठ जाइए और साथ साथ मेरे रीड भी करिए और समझते भी जाइए सो so, यहाँ पर हमें अगर मैं बात करू हमारे पिछली क्लास की कि हमने कहाँ तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया सो so, पिछली क्लास में मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही थी पीपल पीपल एवरीवेयर और यहाँ तक इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे कंप्लीट बस इसके जस्ट आगे ही आज हमको चलना है दैट इज शेयर द लैंड अब शेयर का मतलब मैंने बता दिया लैंड का मतलब मैंने बता दिया यानी कि कोई एक जमीन है है ना जिसको बांटा जा रहा है शेयर किया जा रहा है स्टोरी देखते हैं हम लिखा है नसरीना इज अ फार्मर हु वांट्स टू डिवाइड हर लैंड इक्वली अमंग हर थ्री चिल्ड्रन चुमकी झुमकी एंड इमरान नसरीना नाम की एक लेडी है और वो कौन है फार्मर है यानी कि वो खेती किसान वाले लोग हैं राइट वो लोग खेती करते हैं वहाँ पर फील्ड्स में जाके जो है वेजिटेबल्स उगाते हैं और वीट और ये सारी चीजें उगाते हैं सो वो जो नसरीना है वो फार्मर है जिसको क्या करना है अपना लैंड डिवाइड करना है यानी कि वो उसके पास जो फार्मर्स होते हैं किसान होते हैं वो उनके पास क्या होती है बहुत सारी जमीन होती है तो उसी के ऊपर तो वो लोग क्या है अलग अलग तरह की चीजें उगाते हैं राइट जो

के हर एक पीस में मतलब इस आप जमीन को आपको इस तरीके से तीन बराबर हिस्सों में बांटना है कि हर एक हिस्से में एक एक ट्री तो आ ही जाए यानी सबको हर सारी जमीन वालों को तीनों बच्चों को जो जमीन मिले एक एक हिस्सा उसका उसमें सबको एक एक पेड़ तो मिलना ही चाहिए राइट सो so, लिखा है हर लैंड Looks like this, जो उसका लैंड है जो जमीन है उसकी जिसको उसको डिवाइड करना है शेयर करना है अपने बच्चों के बीच तीन बच्चों के बीच वो कुछ इस तरीके से दिखती है तो अब बताइए जरा आप मेरे को क्या आप इसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दोगे बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है तीन बराबर हिस्सों में हम डिवाइड इसको कर सकते हैं है ना पर कुछ इस तरीके से डिवीजन करना है मेरे को कि ये जो तीन ट्री हमको दिख रही हैं हर एक पार्ट में एक ट्री होना चाहिए पक्का पक्का इस तरीके से मेरे को तीन इक्वल पार्ट्स करने हैं तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज उन्होंने हमको ये करके दी है कि ये जो इसका जमीन है ये जो हमारी नसरीना फार्मर है इसकी जो जमीन यहाँ पे फोटो हमको दी हुई है ये छोटे छोटे स्क्वेयर्स में डिवाइडेड दी हुई है तो क्या होगा हम इसके टोटल स्क्वायर कैलकुलेट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने स्क्वायर्स की क्या है इसकी टोटल जमीन है उसको तीन बराबर हिस्सों में बांटना है तो यानी कि उसको थ्री पार्ट्स में क्या करना है डिवाइड तो इस पूरे लैंड को जितना भी इसका एरिया है उसको थ्री से डिवाइड करो तो हमको पता चल जाएगा कि एक से एक जो पार्ट होगा उसका एरिया कितना होगा राइट तो चलो अपन पहले क्या करते हैं पहले यही देख लेते हैं कि एक पार्ट में कितने एरिया की जमीन आनी चाहिए क्योंकि तीन बराबर हिस्से करना है उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से उन हिस्सों को किया जाए ताकि हर एक हिस्से में हर एक पार्ट में एक ट्री तो मेरे को मिल जाए तो देखिए यहाँ पे स्क्वेयर्स गिनते हैं अपन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन स्क्वेयर्स हॉरिजॉन्टली है वर्टिकली गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन स्क्वेयर्स कहाँ हैं वर्टिकली हैं तो क्या मुझे ज़रूरत है क्या कि वन से लेके पूरा काउंट करूँ मैं यहाँ एंड तक तभी मेरे को मिलेंगे कितने स्क्वेयर्स हैं नहीं बस मैं हॉरिजॉन्टल स्क्वायर और वर्टिकल स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। हाँ जो बच्चे हमारे साथ रोज पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि ये वाली चीज हम पहले भी सीख चुके हैं कि हमको टोटल स्क्वायर्स काउंट करने की जरूरत नहीं है एरिया के लिए हम क्या करें सिर्फ हॉरिजॉन्टली यानी कि इस तरीके से काउंट कर लें कितने टोटल स्क्वायर्स हैं और वर्टिकली काउंट कर लें कितने स्क्वायर्स हैं और ये ध्यान रहे कि एक ये जो है यहाँ पे ये हाँ कॉमन ही रहेगा दोनों में ऐसा नहीं होगा कि आप इसकी जो काउंटिंग है वो वन नीचे से शुरू करें वन एक कॉमन रहेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो मुझे दिखा के हॉरिजॉन्टली टेन है स्क्वायर्स और वर्टिकली नाइन स्क्वेयर्स हैं तो नाइन इंटू टेन कितना हमको नहीं बताया कि भाई मीटर है सेंटीमीटर है किलोमीटर है तो मान के चलो कि एक स्क्वायर एक सेंटीमीटर के बराबर वाला है है ना तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो पूरे नाइनटी स्क्वास का क्या एरिया होगा स्क्वायर सेंटीमीटर यही होगा एक स्क्वायर हम मान के चल रहे हैं कि उसकी हर एक साइड एक सेंटीमीटर की है तो एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा एक सेंटीमीटर स्क्वायर वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो जब एक स्क्वायर का एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो टोटल मैं करूं 90 का एरिया पूरा कैलकुलेट करूं तो सबका एक 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 होगा तो टोटल कितना हो जाएगा नाइनटी स्क्वायर से सेंटीमीटर तो होगा इस पूरे का एरिया यानी कि ये जो नसरीना है हमारे फार्मर इसका जो लैंड है जो जमीन है इसके पास जिसको इसको बांटना है अपने तीनों बच्चों में वो जमीन कितने एरिया की है मतलब कितनी जगह में फैली हुई है 90 स्क्वायर सेंटीमीटर की जगह में फैली हुई है अब आप इसको मीटर के टर्म्स में भी ले सकते हो क्योंकि जमीन है भाई जिसपे खेती कर रहे हैं सेंटीमीटर में ना हो कि वो थोड़ा मीटर में होगी थोड़ी बड़ी जमीन होगी तभी तो तीनों बच्चों को मिलेगी और फिर वहाँ पे क्या होगा बाटा बाटा बाल्टी होगी तो आप इसको क्या कर सकते हो ये भी मान के चल सकते हो कि क्या है मीटर में अब यहाँ उन्होंने कुछ बोला नहीं है तो आप मीटर सेंटीमीटर जो लेना है वो ले सकते हो सो so, अगर 90 स्क्वायर मीटर की उसकी पूरी ज़मीन है और उसको इसको काय में डिवाइड करना है तीन बराबर हिस्सों में बांटना है तो अगर मैं चाहूं तो मैं क्या करूंगी कि ये जो पूरी ज़मीन है 90 स्क्वायर मीटर की इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना है यानी कि 90 को क्या करना है डिवाइड करना है थ्री से तभी तो 90 स्क्वायर मीटर की जमीन तीन बराबर हिस्सों में क्या होगी डिवाइड तो डिवाइड करने के बाद जो मिलेगा वो मुझे एक हिस्से का एरिया मिलेगा करो 90 को अगर मैं डिवाइड थ्री थ्री टाइम्स नाइन माइनस किया नाइन माइनस नाइन जीरो इस जीरो को नीचे लेके आए थ्री जीरो टाइम्स जीरो माइनस किया जीरो यानी कि कितना आंसर आ गया थ्री जीरो थर्टी थ्री वन टाइम्स थ्री थ्री थर्टी टाइम्स नाइन्टी ऐसे भी कर सकते हैं दैट मीन्स जब पूरी नाइन्टी स्क्वायर मीटर्स की जमीन को मैंने थ्री से डिवाइड किया तीन हिस्सों में डिवाइड किया तो एक हिस्सा मुझे कितने का मिला थर्टी स्क्वायर मीटर का यानी कि इन तीनों बच्चों को कितनी जमीन मिलने वाली है चुमकी को मिलेगी थर्टी स्क्वायर मीटर झुमरी को मिलेगी थर्टी स्क्वायर मीटर और इमरान को भी मिलेगी थर्टी स्क्वायर मीटर के बराबर क्लियर हुआ तभी देखो थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी प्लस थर्टी नाइन्टी तो पूरी नाइन्टी स्क्वायर मीटर्स की जमीन को तीन हिस्सों में मैंने बांटा यानी कि नाइन्टी को थ्री से डिवाइड किया तो मुझे हर एक हिस्सा मिल गया इक्वली कि वो कितने कितने स्क्वायर मीटर्स का होगा तो अगर एक स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर का है तो तीस स्क्त स्क्वायर मीटर के होंगे यही होगा यानी कि हर एक को कितनी जमीन मिलेगी हर एक बच्चे को थर्टी स्क्स के बराबर जमीन मिलेगी तो बस हमको और ज्यादा कुछ काम नहीं करना है अब हमको थर्टी स्क्वायर्स कैलकुलेट करना है तो अब थर्टी स्क्वायर्स कैसे कैसे कैलकुलेट करना है कुछ इस तरीके से कि एक एक ट्री हर जमीन में आ जाए तो अगर मैं काउंट करूं यहां से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन और थर्टी या तो ऐसे कर लो भैया तो यही वाली ज़मीन कितनी हो गई यहाँ से लेके 30 स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लिए मैंने हमने देखा अभी कि 30 स्क्वायर्स के बराबर एक को ज़मीन मिलेगी तो इस हिस्से में तो एक ट्री आ गई अब हम दूसरे हिस्से की बात करते हैं दूसरे हिस्से की बात करें ये वाली ट्री लेके चलते हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन अब देखो यहाँ तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि ये ट्री दूसरे हिस्से में आना चाहिए तो इधर इधर की लेंगे 18 के बाद यहाँ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 है ना इस तरीके से कर लो या थोड़ा सा और आप छोड़ सकते हो कितना 18 तक हो गया था हमारा है ना सो so, इस तरफ ला सकते हो आप यहाँ क्या हुआ हमारा 18 हुआ फिर ये 19 वहाँ 20 मत लो एक और छोड़ दो 19 हो गया ये 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ट्वेंटी और 30 यानी कि अब ये जो ब्लू ब्लू वाले हिस्से की ज़मीन है ये ज़मीन किसकी हो गई ये एक दूसरा हिस्सा हो गया जो दूसरे बच्चे को मिल जाएगा राइट right? इतना जमीन आप देखो उसमें भी एक ट्री आ गई है आप थर्टी स्क्वायर्स और गिन लो तो वो तीसरे की जमीन हो जाएगी तो देखो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव 26 27 28 29 और 30 तो ये जो जमीन है 30 स्क्वेयर्स के बराबर ये थर्ड बच्चे को मिल जाएगी और उसमें भी एक पेड़ आ गया तो इस तरीके से सिर्फ यही ऐसा तरीका नहीं है कि बस यही मैंने बना दिया तो यही एक तरीका है जिसमें आप ये जो है नसरीना उसका लैंड जो है वो डिवाइड कर सकते हो तीन इक्वल पार्ट में बस हमें समझने वाली बात ये थी कि जो टोटल लैंड है वो 90 स्क्वेयर्स से बना हुआ है अगर हर एक स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का भी होगा एरिया का तो 90 स्क्वायर्स पूरे 90 स्क्वायर मीटर्स के होंगे पूरा लैंड उसका और 90 स्क्वायर मीटर को अगर तीन बराबर हिस्सों में बांटना है तो 90 को थ्री से करना पड़ेगा डिवाइड तो उससे हमें एक हिस्से का पता चल जाएगा कि हर एक हिस्सा कितने स्क्वायर्स का है तो 90 को 3 से डिवाइड किया तो हमें मिला 3030 यानी कि हर एक बच्चे को इसके थर्टी थर्टी स्क्वायर्स के बराबर जमीन मिलेगी अब वो हमें देख लेना है कि अब यहाँ देखो ये ब्लू वाले को थोड़ी सी अजीब लग रहा है जमीन है ना यहाँ से बहुत सक्रिय हो गई फिर यहाँ हो गई तो हम उसको कुछ चेंज कर सकते हैं क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे अपन इसकी जमीन को जितर से डिवाइड करो थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, 12, थर्टीन 14, फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन देन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन और क्या कर सकते हैं अपन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी तो अब देखो एक फिर भी थोड़ा ठीक सा रेशियो में यहाँ पे मिल रहा है मेरे को तो ये वाली जो इतनी जमीन हो गई रेड रेड कलर की ये अब एक बच्चे को हो जाएगी मोटिव हमारा ये नहीं है कि कहाँ पे कितने स्क्वायर्स कहीं पे भी कितने हो बस कितने कितने स्क्वायर्स मिलेंगे ये हमको देखना है और वो जो थर्टी थर्टी स्क्वायर हर एक बच्चे को मिल रहे हैं उनमें से हर एक पार्ट में एक ट्री होना चाहिए क्योंकि ये ट्री जो है थोड़ा पास पास लगी हुई है इसलिए हमको डिविजन ट्री के आस ही करना है अब यहाँ शुरू हो जाओ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब ये देखो ट्वेंटी टू अपन वहाँ नहीं ले सकते हैं ना क्योंकि वो वाली ट्री आ जाएगी उसके में ही तो उसके में दो ट्री हो जाएंगी तो अपन क्या कर सकते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा होशियारी से ये एटीन हो गया 19, ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक तो ले लो फिर ठीक है ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी ठीक है ज्यादा ही है तो इस 21 वाले नंबर को भी इधर ले लो है ना यानी कि मतलब इस तरीके से लिख लेना तो यहाँ तक पूरे 30 हो जाएंगे अब यहाँ तक 30 हो गए तो देखो अब इस वाले को भी ठीक ठाक सी जमीन मिल गई ज्यादा सक्री नहीं हो रही यहाँ पे है ना तो ये ब्लू ब्लू वाली जमीन क्या हो गई दूसरे वाले के लिए हो गई बच्चे के लिए उसमें भी एक ट्री आ गई और अब जो बची हुई है वो भी आप काउंट कर लेना वैसे थर्टी स्क्वायर ही बचे हैं क्योंकि टोटल नाइन्टी थे दो बार थर्टी हमने काउंट कर लिए तो अब थर्टी बच्चे होंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन और थ्री जीरो थर्टी तो ये जो जमीन है ये किसकी हो गई तीसरे बच्चे की और इस तरीके से तीनों इक्वल पार्ट्स में ज़मीन डिवाइड भी हो गई है और हर एक पार्ट में एक ट्री भी आ गई है यही नसरीना का वो था मैं बोल सकती हूँ मोटिव कि उसको तीन बराबर हिस्सों में अपने लैंड को बांटना है और इस तरीके से उसको डिवाइड करना है कि हर एक लैंड में जो है वो ट्री भी आ जाए सो आगे देखते हैं अब हम और क्या लिखा है इसमें can you divide the land equally तो क्या आप लैंड को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं तो यस yes, हमने अभी करा इक्वल डिवाइड शो हाउ यू विल डिवाइड और बताना है हमको कि कैसे डिवाइड किया हमने रिमेंबर ईच पर्सन हैज टू गेट अ ट्री बस ये याद रखना है डिवीजन करते हुए कि हर एक पर्सन की जितनी भी जमीन मिल रही है उसको एक उसमें ट्री यानी कि पेड़ तो आना ही चाहिए कलर ईच पर्संस पीस ऑफ लैंड डिफरेंटली और हर एक पर्सन को कितना जमीन मिलने वाली है कितना लैंड मिलने वाला है अलग कलर से हमको क्या करना है कलर करना है तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो उसको कलर कर सकते हो यहां मैं देख सकती हूं कि देखो हर हर एक को कितना कितना लैंड मिल गया है, यहां टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेलेवन ट्वेल्ल थर्टी फोर ट्वेंटी थर्टी ये देखो पहला येलो कलर से कलर कर दिया है थर्टी स्क्वेयर उसमें एक ट्री आ गई फिर बाकी के 90 स्क्वेयर्स ये रेड हो गए उसमें एक ट्री आ गई बाकी ये ग्रीनिश कर दिया उसमें एक ट्री आ गई तो इस तरीके से आपको भी क्या करना है अपने बुक और कॉपी में इस टाइप से 90 स्क्वेयर्स बनाकर और इस तरीके से तीनों को जमीन को डिवाइड करना है ताकि उसमें देखो हमें दिख रहा है कि तीनों को क्या मिल गया इक्वल जमीन वहां पर मिल गई है क्लियर हुआ चलिए आगे देखिए अब हमें लिखना कैसे है कैसे हमने डिवीजन किया तो उसका आंसर देख लीजिए या आप भी अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा सो so, लिखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू नाइन जीरो नाइन्टी टोटल उसका जो नर्सरीना का लैंड था उस पूरी जमीन में टोटल कितने छोटे छोटे बॉक्सेस हैं टोटल बॉक्स नाइन जीरो नाइन्टी हैं तो अगर आपको स्क्वायर मीटर ये सब नहीं करना है तो सिर्फ बॉक्सेस के टर्म्स में भी लिख सकते हो कि टोटल नाइन्टी बॉक्स हैं हैंस वन पर्सन शेयर तो अगर इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करना है तो एक जने को एक पर्सन को कितना लैंड मिलने वाला है 90 को थ्री से डिवाइड करो तो, तो थ्री जीरो मिला थर्टी आप डिविजन करके बताइएगा वहां पे जैसे मैंने बताया था so the can be done as given तो द डिविजन कैन बी डन एज गिवन फिगर तो थर्टी स्क्वायर थर्टी बॉक्सेज एक को मिलना है तो इस तरीके से थर्टी बॉक्सेस सेलेक्ट कर लीजिए कि हर बार हर एक पीस में क्या आ जाए एक एक ट्री तो आ ही जाए तो ये था हमारा ये वाला शेयर द लैंड टॉपिक क्लियर हो गया इसके आगे देखते हैं अब और क्या दिया है इसमें आगे बोल रहे हैं इफ ईच स्क्वायर ऑन दिस पेज इज इक्वल टू वन स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड हाउ मच लैंड विल ईच ऑफ ऑफर चिल्ड्रन गेट यानी कि अब बोल रहे हैं कि ये जो यहाँ पर लैंड था इसमें अगर ईच स्क्र यानी कि हर एक ये छोटा वाला जो स्क्र है बॉक्स है वो कितने एरिया का होगा इज इक्वल टू वन मीटर यानी कि एक स्क्वायर मीटर का अगर एरिया एक बॉक्स का है तो हर एक पर्सन को कितना एरिया का लैंड मिला है वो बताना है हमको तो देखो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ये जो वन बॉक्स है छोटा वाला वो कितने का है वन मीटर स्क्वायर का तो हरेक को कितने मिल रहे हैं थर्टी बॉक्स मिल रहे हैं तो दैट मीन एरिया क्या हो जाएगा थर्टी इंटू वन मीटर स्क्वायर दैट इज थर्टी मीटर स्क्वायर का हो जाएगा इसका फाइनल एरिया क्लियर हो गया यानी कि हरेक बच्चे को क्या मिल रहा है तीस मीटर स्क्वायर का जो है जमीन वो हरेक बच्चे को वहां पर मिल रही है क्लियर हो गया क्योंकि उन्होंने बोला है कि एक जो छोटा सा बॉक्स है अगर हम माने एक मीटर स्क्वायर का है वो तो हर एक बच्चे को कितनी जमीन मिलेगी तो एक बॉक्स एक मीटर स्क्वायर का है हर एक बच्चे को 30 बॉक्सेस के बराबर जमीन मिल रही है तो वो कितनी हो जाएगी 13 टू 1 दैट इज 30 मीटर स्क्वायर तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 30 स्क्वायर मीटर्स क्लियर हुआ चलिए आगे देखते हैं सो so, आंसर्स आप बिल्कुल अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा आगे कहानी कुछ लिखी हुई है चुमकी झुमरी एंड इमरान नीड वायर टू मेक अ फेंस यानी कि अब क्या है चुमकी झुमरी और ये जो इमरान है जिनको तीनों को अपनी अपना 30 मीटर स्क्वायर की जमीन मिल गई है तो अब उनको क्या चाहिए भैया अब उनको चाहिए वायर यानी कि तार क्या करने के लिए टू मेक अ फेंस यानी कि अब वो चाह रहे हैं कि ऐसा करते हैं वायर से हम अपने अपने वाले हिस्से में क्या कर लेते हैं फेंसिंग कर लेते हैं यानी कि बाउंड्री बना लेते हैं तो कि क्या होगा अलग से दिखती रहेगी सबको कि ये हमारा हिस्सा वो तुम्हारा हिस्सा वो तीसरे का हिस्सा है ना सो जब अगर आप खेती करोगे उसमें या कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल कुछ भी उगाओगे या किसी चीज के लिए भी आपको अपनी जमीन यूज करनी होगी तो आप आराम से देख सकते हो कि आपकी जमीन बस इतनी इतनी है तो यहीं पे बस इतने में ही हमें अपना काम चलाना है हमको दूसरों की जमीनों पे कब्जा नहीं करना है ना so इसी तरीके से जैसे कि हमने यहां पे बनाया है ना, तो मेरा लैंड हो गया यहां मैंने क्या कर दी वायर से इस तरह से फेंसिंग कर दी इसी तरीके से रेड वाला रेड वाला कहेगा मैं भी क्या करू वायर लूं और अपने मेरे को जितने स्क्वायर से मिले हैं थर्टी उसमें मैं भी फेंसिंग कर देता हूँ ठीक है तीसरी क्या बोलने वाली है तीसरी भी यही बोलेगी कि मैं भी यही करती हूँ वायर लेके मेरा जो जमीन मेरे को मिली है थर्टी स्क्वायर मीटर्स की इस तरीके से मैं फेंसिंग कर देती हूँ तो अब देखो फेंसिंग हो जाएगी वायर लगे होंगे तो कोई यहाँ से वहां भी नहीं जा पाएगा और सबको अपने अपना हिस्सा दिखता भी रहेगा कि इतनी जमीन मेरे को मिली है क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं इसमें तो फिर क्या लिखा हुआ है वायर so, तो चाहिए फिर हम क्या करें तो लिखा है हु नीड द लॉन्गेस्ट वायर फॉर फेंसिंग यानी कि किसको सबसे लंबा वायर खरीदना पड़ेगा फेंस करने के लिए तो देखो यार क्या पढ़ रहे हैं हम एरिया एंड इट्स बाउंड्री एरिया का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी जगह में फैली हुई है कोई चीज कितनी जगह घेरे हुए है और बाउंड्री का क्या मतलब होता है बाउंड्री का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है यहाँ मेरा घर बना है या ये पूरा एक खेत है बाउंड्री का मतलब है बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर का हिस्सा कि मेरा खेत ये येल्लो वाला है तो मैं बिल्कुल ये जो है ये ब्लू कलर से जो मैं लाइन बना रही हूँ ये मेरे वाले जो जगह है उसकी क्या कर दी मैंने बाउंड्री कर दी कि इसके बाहर मेरा हिस्सा नहीं है बाउंड्री के अंदर अंदर का पूरा मेरा हिस्सा है तो अब उनको क्या चाहिए बाउंड्री के लिए तार चाहिए तो हमसे बोला गया है किसको सबसे ज्यादा वायर लगेगा तो कैसे पता चलेगा किसको ज्यादा वायर चाहिए तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे हम मान रहे हैं कि यहाँ पर एक जो स्क्वायर है ये छोटा सा जो स्क्वायर यहाँ बना है वो कैसा है वन मीटर स्क्वायर एरिया अगर एरिया वन मीटर स्क्वायर है तो उसकी जो हर एक साइड होगी वो क्या होगी एक एक मीटर के बराबर एक मीटर एक मीटर एक मीटर एक मीटर तभी एरिया साइड इंटू साइड यानी कि वन इंटू वन करके वन मीटर स्क्वायर आया होगा तो हम क्या करें हम देख लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है ये चारों तरफ जो बाउंड्री में तार लगेगा कितना कितना तार लगेगा तो देखो अगर एक बॉक्स को मैं कवर करूंगी तो एक मीटर कवर होगा है ना एक बॉक्स की लंबाई क्या है एक तरफ की एक मीटर है तो इस हिसाब से गिनते हैं ये एक मीटर फिर ये एक मीटर फिर ये एक मीटर ये एक मीटर ये, एक मीटर, ये वन वन मीटर वन मीटर वन मीटर वन मीटर, वान मीटर, वान मीटर, वान मीटर वन मीटर वन मीटर एंड वन मीटर ठीक अभी तक कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट बारह मीटर यानी कि ट्वेल्व मीटर से यहां तक तार लग जाएगा कैसे पता चला मैंने देखा है कि एक स्क्वायर को हम एक मीटर स्क्वायर का एरिया मान रहे हैं यानी कि उसकी जो साइड है वो वन मीटर की होगी सो so, आगे बढ़े अपन इसके बाद फिर से ये वन मीटर वन मीटर वन मीटर वन मीटर वन मीटर ठीक है तो यहां तार लगाएंगे वन मीटर यहां तार लगेगा वन मीटर यहां लगेगा वन मीटर यहां लगेगा वन मीटर फिर यहां वन मीटर यहां, वन मीटर यहां मीटर मीटर यहां यहां तो इस तरीके से क्या हुआ अब वन वन मीटर हर जगह तार लग गया अब अपन देखते हैं कितना हुआ तो देखिए जरा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 17, एटीन अब यहाँ हुआ नाइनटीन फिर ये वाला ट्वेंटी फिर ये वाला ट्वेंटी वन ये ट्वेंटी टू फिर ये ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट कितना हो रहा है हमारा एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं वन टू थ्री तीन बॉक्स ये हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व बॉक्स फिर ये थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन बॉक्स फिर ये एटीन बॉक्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट है ना कोई सा हमने रिपीट तो नहीं किया वो देख लेना इसी तरीके से क्या करेंगे हम बाकी इन दूसरे लोगों की बाउंड्री भी देखेंगे कि इनमें कितने बॉक्सेस हैं देखो जरा यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 इसी तरीके से एक और देख लेंगे हम इसका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स इस तरीके से हमें क्या मिल गया ये ट्वेंटी सिक्स मीटर स्क्वे तो ये हमारा क्या हो गया कि कितना कितना जो है ए, एरिया है मैं बोल सकती हूं किसने कितना एरिया कवर किया है तो इसी तरीके से ये देखिए 26 मीटर आया एक 24 मीटर आया और एक और 26 आया तो बस हमें ये देखना है कि कोई हम रिपीट ना करें है ना कहीं बॉक्स रिपीट नहीं होना चाहिए और जहां पे बाउंड्री हो वहां पे बाउंड्री होनी चाहिए तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट करेंगे पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे इन तीनों के लाइन का और इसके बाद और भी भी थोड़े बहुत कुछ और क्वेश्चंस हैं तो अपन अब आगे हमको यहाँ पर यहाँ तक हमारी कहानी पूरी हो गई थी ये तीन अलग अलग कलर मैंने यहाँ कर दिए थे तीनों के अलग अलग लैंड हो गए और उनको इस टाइप से डिवाइड करना था कि हर एक हिस्से में क्या है एक ट्री आए सो हमने उस हिसाब से इसको किया था डिवाइड अब आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि अब हमको क्या करना है अब हमको इसका देखना है कि इन लोगों को वायर चाहिए था क्या चाहिए था कुछ वायर और उसका वायर की लेंथ हमको बतानी थी कि कितने वायर की लेंथ इनको चाहिए पड़ेगी इनके एरिया जो लेंथ था उसको फेंसिंग करने में तो यहाँ से शुरुआत करनी है आज की क्लास की तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितना पोर्शन हम कवर कर चुके हैं और कितना अब आगे का हमें करना है यहाँ से स्टार्ट सो देखिए क्या लिखा हुआ है ये जो टॉपिक है ये गिवन है वन पेज नंबर पर और ये बिलोंग करता है आपके क्लास फिफ्थ मैथ्स के चैप्टर से चैप्टर का नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री सो so, अब जो हम आगे का क्वेश्चन करने वाले हैं इसका आंसर सबका अलग अलग आ सकता है ये पहले से ही आप लोग माइंड में लेकर चलना क्योंकि मैंने डिजाइन कुछ इस तरह की बनाई है अगर आप भी सेम इसी तरीके से डिवाइड कर रहे हो अपने एक लैंड को तीन हिस्सों में तो आंसर मेरे जैसा आएगा बट हो सकता है कि आपने लैंड कुछ अलग तरीके से डिवाइड किया हो जैसे शुरू में हमने किया था हमको तो यहाँ बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं बस क्या करना है हमको इतना सा ध्यान रखना है कि जो तीन हिस्से कर रहे हैं हम अलग अलग हर एक हिस्से में एक ट्री तो आना ही चाहिए और एक हिस्से में कितने बॉक्स होना चाहिए टोटल थ्री जीरो थर्टी बॉक्स तो किसी भी तरीके से डिवाइड कर लो आप यहां से स्टेप से आप ले लो थर्टी बॉक्स या सीधे वर्टिकली थर्टी बॉक्स ले लो जैसे आपको लेना है फिर जब हम इसका वायरिंग के सेक्शन पे आएंगे कि हमको जो डिवीजन हो गया है अब उस डिवीजन में हमको फेंसिंग करनी है फॉर एग्जाम्पल ये जो येलो कलर का जो लैंड है ये मेरा है ये मेरी जमीन है मुझे मिली है तो मैं चाह रही हूँ इस पर फेंसिंग करना तो मैं फेंस कहाँ कहाँ लगाऊंगी इस हिस्से को इस तरीके से फेंसिंग करूंगी है ना इसकी बाउंड्री पे मैं बिल्कुल फेंसिंग करने वाली हूँ So, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितना लंबा तार खरीद के लाऊं, कितना वायर खरीद के लाऊं कि ये जो मेरा लैंड है ये पूरी तरीके से क्या हो जाए बाउंड्री इसकी फेंस्ड हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा इसकी लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगी बाउंड्री की जिसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो देखिएगा एक एक कर बहुत ध्यान से यहां देखिए अगर ये लोग कंसीडर करवा रहे थे हमको कि एक जो छोटा सा स्क्वायर है वो एक मीटर स्क्वायर का है तो यानी कि उसकी हर एक साइड एक एक मीटर की होगी ये लोग ने अभी बोला था ना हमसे क्या बोला था कि यहाँ देखो हां इफ ईच दिस पेज इज इक्वल टू वन स्क्वायर मीटर ऑफ लाइन यानी कि हर एक जो स्क्वायर यहाँ पे दिया है छोटा वाला ये छोटा सा स्क्वायर हर एक क्या है इसका एरिया वन मीटर स्क्वायर है अगर एक स्क्वायर का एरिया वन मीटर स्क्वायर है इसका मतलब इसकी हर एक साइड क्या होगी वन वन मीटर के बराबर होगी यही होगी इसकी हर एक साइड वन मीटर वन मीटर वन मीटर वन मीटर तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा इसका साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है तो वन इंटू वन वन मीटर स्क्वायर दैट मीन्स ये जो छोटा सा स्क्वायर है इसकी हर एक साइड एक एक मीटर की है इतनी बात समझ में आ गई इसका इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है है अगर मैं यहां से लेके यहां तक इतनी सी जगह में वायर लगा रही हूँ यानी कि इस वाले स्क्वायर की एक साइड पे लगा रही हूँ वायर तो एक मीटर की जगह कवर करेगा वो इसी तरीके से दूसरा स्क्वायर ये तीसरा स्क्वायर अगर एक स्क्वायर एक मीटर की जगह पे वायर लग रहा है तो तीन स्क्वायर में कितना लगेगा थ्री मीटर यानी यहाँ से यहां तक अगर मैं इसको ए नाम दू इसको बी नाम दू तो ए से बी तक की एरिया में कितना वायर लगेगा तीन मीटर का वायर लगेगा इतना समझ में आया फिर इधर देखो कितना मीटर होगा ये यहाँ कितने स्क्वायर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 9 स्क्वायर है हर एक स्क्वायर की एक एक साइड किस की है एक एक मीटर की ये इतना एक मीटर फिर एक मीटर तो इसी तरीके से टोटल नाइन है तो यहां से यहाँ तक इस पॉइंट को सी नाम दूं तो टोटल कितना मीटर होगा नाइन मीटर्स के बराबर आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे ये देखेंगे यहाँ कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव पांच स्क्वायर है पांच स्क्वायर को मैं यहां से यहां तक वायरिंग करूंगी तो पांच मीटर का वायर लगेगा मुझे तो ये सी से लेके इस पॉइंट को अगर नाम दे दो डी तो ये सी से लेके डी तक कितना हो जाएगा 5 मीटर का आगे बढ़ेंगे हम अब देखो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में हमने यहां लाइन को डिवाइड किया है तो ध्यान से करना यहां पे यहां एक मीटर फिर यहां एक और मीटर तो, तो टोटल दो मीटर हो गए फिर यहां एक और मीटर तो तीन मीटर हुआ फिर यहां एक और मीटर तो चार मीटर हुआ तो अगर मैं ये इस पॉइंट को ई नाम दूं तो D से लेके E तक टोटल कितना मीटर आया आपका फोर मीटर है ना अलग अलग हिस्सों में था अब आगे बढ़े तो E से लेके फिर B तक का कितने हैं बॉक्सेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन बॉक्सेस हैं यानी कि यहां से यहां तक B से E तक का कितना आया सेवन बॉक्सेस के बराबर तो इसको हम लिख लेंगे कैसे देखो A से B तक का जो एरिया है वो कितना आया है थ्री आया है फिर बी से ई e कितना आया बी ई आया आपका सेवन फिर ई डी कितना आया आपका ई डी आया है आपका फोर ठीक है ये सब क्या है मीटर्स में है फिर सी डी कितना आया है सी डी आया है आपका फाइव मीटर नेक्स्ट यहाँ ए से सी कितना आया है ए सी आया है आपका नाइन मीटर इससे हमारा ये जो एरिया है पहले जो जो जिसका भी ये लैंड हो पहला वाला ए बी सी डी ई ये जो लैंड है ए बी सी डी ई लैंड ये पूरा हमारा कैसा है ये लैंड जिसका भी है इसको थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो इसमें ए बी सी इस तरफ पहुंच गया है ना तो ये सी और ई e की पोजीशन भी आप कर सकते हो चेंज ताकि पढ़ने में आसानी हो जाए ये सी हो जाएगा और ये वाला डी सॉरी ई e हो जाएगा तो अब आप इसको क्या कर सकते हो ए बी सी डी E, और फिर से ए तो अब यहां थोड़े से चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे तो यहां चेंजेस कर लो आप तीन मीटर कहां से कहां तक का है ए से लेके बी तक का है फिर सेवन मीटर कहां से था बी से सी तक का फोर मीटर कहां से है सी से डी तक का फाइव मीटर ई डी ई तक फिर ए से ई e तक का नाइन मीटर अब हम इसको सबको ऐड कर लेंगे कि टोटल कितना मीटर्स का वायर लगा तो ऐड करो सेवन और थ्री कितना हुआ सेवन के बाद एट नाइन टेन टेन और फोर फोर्टीन फोर्टीन और फाइव फोर्टीन के बाद फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन नाइनटीन और नाइन नाइनटीन के बाद ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट यानी कि यहाँ पर ये जो पहला लैंड है हमारा क्या नाम है इसका ए बी सी डी ई इस लैंड का जो वायर लगेगा वो कितना लग रहा है 28 मीटर के बराबर अब ये आंसर सबका डिफर कर सकता है अगर आपके शेप्स अलग अलग हैं तो है ना तो यहाँ पे ए बी सी डी ई इस टाइप का अगर शेप है सेम ऐसे 30 स्क्वेयर्स लिए हैं तो इसमें जो वायर लगेगा इसकी जो बाउंड्री की लंबाई है वो 28 मीटर है यानी 28 मीटर लम ट्वेंटी एट मीटर लंबा वायर यहाँ पे चाहिए पड़ेगा इसी तरीके से अब हम रेड वाला देखेंगे कि रेड वाले में कितना वायर चाहिए तो चलो अब रेड वाले का कैलकुलेशन करते हैं अपन देखिए यहाँ पे रेड वाले में देखो आप यहां से शुरू करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्क्वायर है अगर इस पॉइंट को वही बी रहेगा ये पॉइंट तो है ना अब यहाँ पे कुछ और नाम ले लेते हैं ई तक खत्म हो गया था यहां से एफ शुरू करते हैं एफ ये जी ये वाला एच ये आई ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर तो देखो यहां पर ये बी से लेके एफ तक कितने स्क्वायर है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव स्क्वायर हर एक स्क्वायर की एक साइड एक स्क्वायर का एक साइड एक मीटर का है तो ये एक मीटर दो मीटर तीन मीटर चार मीटर पांच मीटर पांच मीटर का क्या हो गया लेंथ हो गई बी से एफ तक अब एफ से आगे बढ़े जी तक तो एफ से जी तक जब मैं गई तो कितने स्क्वायर वन टू थ्री तीन स्क्वायर यानी कि यहां पे कितनी लेंथ हो जाएगी F से G तक तीन स्क्वायर यानी कि तीन मीटर फिर G से H तक दो स्क्वायर यानी दो मीटर लेंथ फिर H से यहां पर H ये I है I तक कितनी लेंथ होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स स्क्वायर हैं तो छह मीटर आगे बढ़ेंगे फिर ये एक तो वन मीटर अब यहां पे देखो यहां से फिर से ये D और C तक देखो सो वन टू थ्री फोर यहाँ पे भी फोर ही आएगा फिर नेक्स्ट यहाँ से बी से लेके हम फिर से सी तक आएंगे तो वही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ आ जाएगा सेवन ये वाले तो कॉमन हो जाएगी बाउंड्री पर सब अपनी अपनी फेंसिंग करवा रहे हैं हमें तो नहीं पता कि कॉमन वाली जगह वो करवाएंगे या नहीं तो हम लेकर चलेंगे कि सब अपने अपने लाइन पे तो करवा रहे हैं कॉमन वाली जगह पर भी करवाएंगे सो चलो अब अपन इसका लिख लेते हैं क्या है बी से एफ तक कितना है फाइव मीटर है ना सो so अपन यहां लिख लेते हैं बी एफ फाइव देन एफ जी कितना है एफ से लेके जी तक वन टू थ्री थ्री मीटर फिर जी से लेके एच तक टू मीटर फिर एच से लेके आई तक सिक्स मीटर और आई से लेके D डी तक वन मीटर आई डी इज वन देन डी से लेके फिर वापस यहाँ सी पर कौन सा मीटर हो जाएगा फोर हो जाएगा और सी से वापस इधर बी पर कितना हो जाएगा सेवन कितना हुआ टोटल देखिए फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन और सिक्स सिक्सटीन और वन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन और सेवन

अब ये वाला कॉर्नर एफ है तो यहां पे हम शुरू करते हैं कहाँ तक हो गया था हमारा जी एच आई है ना तो ये वाला कॉर्नर हो जाएगा जे के ठीक एफ से लेके जे तक दो स्क्वायर हैं तो दो मीटर फिर जे से लेके के तक देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन मीटर फिर के से लेके आई देखो ये आई है वन टू थ्री फोर फोर फिर आई से लेके ऊपर पहुंचे फिर हम यही एच वाले पॉइंट पे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फिर एच से जी टू और ये जी से एफ थ्री तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अपन सो so, कैलकुलेशन करो क्या क्या दिया है हमको एफ से लेके जी एफ जी है टू उसके बाद सॉरी एफ जी नहीं है जे है वो नाम दे दोगे तो थोड़ा सा लिखने में आपको प्रॉपरली हो जाएगा कि एफ से जे तक की बात कर रहे हैं हम दो मीटर की फिर जे से लेके के ऊपर से लेके के K तक कितना है जे से के तक नाइन मीटर फिर के से आई है आपका फोर मीटर्स आई से ये वाला पॉइंट एच है आई से एच है टू मीटर टू नहीं सॉरी कितना है आई से एच कितने स्क्वायर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स स्क्वायर है तो कितना है ये सिक्स ये वाला पॉइंट जो है ये है अपना एच फिर एच से लेके जी तक फिर से दो है एच जी दो फिर जी से एफ तक कितने हैं तीन है तो जी एफ थ्री देख लो कुछ बच तो कोई छूटा तो नहीं टू नाइन फोर सिक्स टू थ्री टू नाइन फोर सिक्स टू थ्री क्लियर इसको आप कैलकुलेट कर लो नाइन और टू नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन 26. कितना आ रहा है ये ट्वेंटी सिक्स मीटर्स के बराबर यानी कि ये पहला येल्लो वाला हिस्सा ट्वेंटी एट मीटर रेड वाला हिस्सा 28 मीटर और तीसरा ग्रीन वाला हिस्सा 26 सिक्स मीटर्स दैट मीन्स ये तीनों हिस्सों की मैंने क्या कैलकुलेट करी है बाउंड्री की लंबाई कि पूरा बाउंड्री पे अगर मैं तार लगा रही हूँ तो कितना लंबा वायर मेरे को चाहिए इसकी बाउंड्री को फेंस करने के लिए सो so पहला जिसका भी लैंड है अगर हम इनके नाम से ही चलें तो इनके नाम क्या क्या थे हमारे पास इनके बच्चों के नाम थे चुमकी झुमरी और इमरान तो अगर पहला लाइन किसको मिल रहा है अगर पहला लैंड चुमकी को मिल रहा है फिर दूसरा झुमरी और तीसरा इमरान तो हमको दिख रहा है कि पहले और दूसरे लैंड में क्या है ज्यादा ज्यादा वायर लग रहे हैं तीसरे में कम वायर लग रहा है अब हो सकता है कि आपने कुछ और डिजाइन बनाई हो तो पहले में कम लग रहे हो कोई और में ज्यादा लग रहे हो तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है पर हम क्या करेंगे हम देख लेंगे जिसका लैंड जिसको मिलना है तो यहाँ पर हम अलग से लिख देंगे हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया अब इसको क्लियर कर दूं मैं कैलकुलेशन मैं क्लियर कर देती हूं तो मैं लिखूंगी पहले लाइन 28 मीटर का आया दूसरा 28 मीटर का आया तीसरा 26 मीटर का आया है ना या फिर बीच में अगर अपन इमरान को दे दें है ना तो ये झुमरी का 26 मीटर कर दो और इसका 28 मीटर कर दो तो देखो कोई भी है दो लैंड हमारे पास 28 मीटर बाउंड्री के हैं एक 26 का है जिस जैसा भी नाम आपको लिखना है तो दिख रहा है अगर मैंने चुमकी ने 26 मीटर बाउंड्री वाला लिया है और इमरान ने 28 वाला लिया है चुमकी और इमरान ने 28 मीटर की बाउंड्री वाला लैंड इनका है और झुमरी का 26 मीटर का है तो इसका मतलब ज्यादा वायर किसको लग रहा है चुमकी और इमरान को तो आप लिख सकते हो इट इज क्लियर दैट चुमकी एंड इमरान नीड्स लॉन्गेस्ट एंड इक्वल वायर टू फेंस देयर लैंड यानी कि इनको बराबर वायर चाहिए और सबसे बड़े वायर चाहिए तीनों में से राइट इससे कंपेरिजन में झुमरी को थोड़ा सा कम वायर चाहिए पड़ेगा क्योंकि उसका लैंड का जो हमें पैरामीटर मिला वो थोड़ा सा कम था तो क्या लैंड कम था नहीं लैंड किसी का भी कम नहीं है जमीन सबको 30 30 स्क्वेयर्स के बराबर ही मिली हुई है सो so, आगे बढ़ते हैं इसके बाद और क्या बोला गया है इसके बाद बोला है टोटल लेंथ ऑफ द वायर हाउ मच वायर इन ऑल विल थ्री नीड यानी कि तीनों को मिलाकर कितना वायर इनको चाहिए पड़ेगा तो क्या करें पहला लैंड का वायर 28 मीटर दूसरा भी 28 मीटर और एक और 26 मीटर तो तीनों को क्या कर दो ऐड कर दो तो आपको ऑल हाउ मच वायर इन ऑल द थ्री नीड तीनों को मिला के कितना वायर चाहिए तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे एट एट सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी 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 टू 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 कैरी टू फोर सिक्स एट तो आंसर कितना आया 82 टू मीटर्स के बराबर यानी 82 मीटर वायर तीनों को चाहिए पड़ेगा फिर से बता रही हूँ इनके आंसर डिफर कर सकते हैं से कोई एक आंसर इसका हो वो जरूरी नहीं है है ना कभी आपकी डिज़ाइन आपने चेंज करी हो तो लेंथ आपको अलग मिल सकती है तो डिज़ाइन के हिसाब से सॉल्यूशन करिएगा और फिर आप ही उसको अलॉट करना कि ये लाइन मैंने इसको दिया है दूसरा लाइन इसका है और तीसरा किसका है उस हिसाब से किसके लाइन में ज्यादा वायर चाहिए और किसके लाइन में कम क्लियर हो गया

वन मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं तो ये हमने देखा था किलोमीटर मीटर और सेंटीमीटर इनके बीच में क्या रिलेशन आगे बढ़े तो दिखा लिखा है लुक एट द टेबल इस टेबल को देखना है हमको इफ़ यू वर टू राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज विच कॉलम वुड यू चूज़ यानी कि अगर आपको इन चीज़ों के एरिया लिखना हो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हैं जैसे कि हैंकर चीफ यानि जो हम हैंकी यूज़ करते हैं है ना उस हैंकी को हम अगर मेजर करेंगे एरिया तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर यानी कि आपका जो रुमाल होता है वो सेंटीमीटर्स में उसकी लेंथ होती है मीटर में लेंथ होती है या किलोमीटर्स में लेंथ होती है आपका रुमाल कितना बड़ा है उस पर ये डिपेंड करता है पर दुनिया में कोई सा भी हैंकर चीफ हो रुमाल हो उसका एवरेज साइज कितना होगा ज्यादा से ज्यादा इतना बड़ा होगा रुमाल राइट सो इतना बड़ा भी हम स्केल से हमारे सेंटीमीटर के स्केल से ईजिली कैलकुलेट कर लेते हैं इसका मतलब कि ये जो हैंकर चीफ है इसका एरिया जो होगा वो काय में कैलकुलेट होगा जब साइड सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आया समझ में कैसे करना है तो इससे हमको आइडिया होगा चीज़ों का कि कौन सी चीज़ सेंटीमीटर की होती है कौन सी चीज़ की लंबाई किलोमीटर में होगी कौन सी चीज़ की लंबाई मीटर में होगी है ना जैसे कि कोई रोड है रोड की बात करें अगर हम है ना अब मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिस से लेकर हमको जाना है कहीं पर बहुत दूर तो बहुत लंबी रोड गई है यहाँ से वहाँ तक की तो वो क्या है रोड काए में होगी किलोमीटर्स में होगी फिर तो हम नहीं बोलेंगे कि सेंटीमीटर के स्केल से हम नापते फिरेंगे कि कौन सी रोड कितनी बड़ी है नहीं क्योंकि रोड्स को हम किलोमीटर्स में देखते हैं है ना ऐसे ही जैसे हमारा घर का एरिया है घर हमारा जितनी ज़मीन पे बना है या फिर अभी जो हम पिछला क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें ज़मीन को डिवाइड कर रहे थे ये सब काम में ले रहे थे मीटर क्योंकि ये बहुत किलोमीटर्स में नहीं फैले होते मीटर में आ जाता है हमारा घर जो है एक स्क्वायर मीटर पे बना होता है दो स्क्वायर मीटर पे बना होता है राइट तो मीटर्स में ही हम उसको करते हैं कैलकुलेट और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि आपका पेंसिल बॉक्स हो गया हैंकी हो गया पेन हो गया ये सब क्या है छोटी चीजें इसको आप अपने सेंटीमीटर स्केल पे भी नाप सकते हो तो इनका एरिया काय में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में तो ये चीज हमको माइंड में रख के इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने यहाँ आपको ये बताए हैं इनका रिलेशन कि देखो एक मीटर सौ सेंटीमीटर को मिला के बनता है एक किलोमीटर हजार मीटर को बना के बनता है तो अगर आप आइडिया लेना चाहो तो इससे भी ले सकते हो क्योंकि सेंटीमीटर हमारे दिमाग में होता है क्योंकि हमारे पेंसिल बॉक्स में हमेशा एक छोटा सा स्केल जरूर रहता है वो प्लास्टिक वाला जिसमें वन से लेके फिफ्टीन सेंटीमीटर्स तक मार्किंग होती है, है ना वो छोटा वाला स्केल So, उससे हमें आइडिया रहता है कि इतना कुछ जो लेंथ होती है वो पंद्रह सेंटीमीटर के बराबर की होती है लेंथ अगर वो पंद्रह सेंटीमीटर है तो हम उसको सौ सेंटीमीटर बना दें अगर 15, 15, 15, 15, 15 ऐसे रखकर हमें टोटल कितना स्किल्स रख लो कि हंड्रेड सेंटीमीटर्स हो जाए तो वो जो हंड्रेड सेंटीमीटर होगा ना वो क्या होगा एक मीटर के बराबर और ऐसे ही एक एक मीटर अगर आपको वन थाउजेंड बार आप रख दो तो वो क्या मिल जाएगा एक किलोमीटर तो ये एक छोटा सा आइडिया देता है सेंटीमीटर मीटर और किलोमीटर के कि कौन कितना बड़ा है किलोमीटर ज्यादा बड़ी यूनिट है उससे थोड़ी छोटी यूनिट मीटर है और उससे छोटी यूनिट सेंटीमीटर है तो चलिए देखते हैं कि आप इनमें से पहचान पा, 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 पा रहे हो कि कौन सी चीज किस में कैलकुलेट करेंगे या नहीं तो हमें उसमें देखना है कि हम इसका एरिया कायम नापेंगे तो एरिया तो सिर्फ बोल दिया सीधे साइड देखोगे कौन कि कितना लंबा कितना चौड़ा हो सकता है उतना ही सेंटीमीटर में नाप रहे हो तो उसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा कोई चीज मीटर में नाप रहे हो उसका एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा कोई चीज किलोमीटर में है तो उसका एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आएगा राइट सो चीज हमें दी है जैसे कि साड़ी जो साड़ी लेडीज पहनती हैं वो साड़ी काफी लंबी होती है पर क्या किलोमीटर्स में होती है कि रोड के ऊपर बहुत दूर तक बिजली चली जाए नहीं वो मीटर्स में होगी ना तो हम स्केल छोटे वाले सेंटीमीटर स्केल से उसको नाप सकते सेंटीमीटर से बड़ी है किलोमीटर से छोटी होती है तो वो काय में होती है मीटर्स में होती है यानी कि उसका एरिया हमको स्क्वायर मीटर्स में मिलेगा नेक्स्ट है पेज ऑफ योर बुक आपकी ये जो बुक है क्लास फिफ्थ की मैथ्स मैजिक बुक उसको आप स्केल से नाप सकते हो ऑलमोस्ट इतनी ही बुक है है ना दो बार स्केल रखोगे उतने में ही मेरे ख्याल से बुक आपकी मेजर हो जाएगी तो यानी कि वो जो हमारी बुक है उसका पेपर सेंटीमीटर में आएगा तो उसका एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा नेक्स्ट स्कूल लैंड यानी कि स्कूल आपका जो जिस जमीन पर बना हुआ है क्या वो बहुत किलोमीटर्स में फैला हुआ है या कुछ मीटर्स में है या सेंटीमीटर में है देखो सेंटीमीटर तो स्केल स्केल से आप लैंड कर सकते हो क्या जहाँ से स्कूल शुरू हुआ है चारों तरफ जो बाउंड्री बनी है स्कूल की उसको मेजर करो सेंटीमीटर में मेजर होगा क्या नहीं उससे तो बड़ा है यार तो हम काय में मेजर करेंगे मीटर में यानी कि स्कूल का जो जमीन है वो मीटर स्क्वायर में उसका आएगा एरिया जैसे स्कूल की ज़मीन हो गई हमारे घर की ज़मीन हो गई ये सब चीज़ें नेक्स्ट टोटल लैंड ऑफ अ सिटी एक सिटी का पूरा लैंड ज़मीन यानी कि हम अगर भोपाल में रह रहे हैं तो पूरे भोपाल की भोपाल का जो बाउंड्री है पूरी उसकी जितनी भी ज़मीन है वो क्या सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे मीटर में करेंगे या किलोमीटर ऑब्वियसली बात है किलोमीटर भोपाल बहुत बड़ा है कोई भी हो सिटी अब कोई सिटी छोटी भी है तो भी भैया उसमें बहुत काफी जगह रहती है पूरी एक सिटी सिटी वो बनी इसलिए है कि वो थोड़ा बड़ी थी किलोमीटर उसमें फैली हुई थी है ना तो so, क्या बोलेंगे हम कि कोई भी सिटी का जो जमीन होगी वो कायमें हम देखेंगे किलोमीटर स्क्वायर में उसका होता है एरिया नेक्स्ट इज डोर ऑफ योर क्लासरूम आपकी क्लासरूम का जो दरवाजा है स्केल से नापने में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम उसको मीटर्स में नापेंगे दैट मीन्स उसका एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा नेक्स्ट इज चेयर सीट एक चेयर कुर्सी की जो सीट होती है जहां पर हम बैठते हैं चेयर पर तो वो काय में आती है सेंटीमीटर्स में या मीटर्स में तो वो सेंटीमीटर्स में आ सकती है है ना अब बहुत ही बड़ी कोई कुर्सी बनवा दे तो वो कुर्सी नहीं सोफा हो जाएगा मीटर्स में तो, तो इसको हम सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट ब्लैक बोर्ड आपका जो ब्लैक बोर्ड जिसपे आप पढ़ते हो यूजुअली इस साइज का तो होता ही है ब्लैक बोर्ड है ना तो वो में होगा सेंटीमीटर तो छोटा होगा उसके लिए वो मीटर्स में कैलकुलेट करेंगे किलोमीटर में तो नहीं होगा है ना मीडियम रहता है बोर्ड तो सेंटीमीटर्स जो है मीटर स्क्वायर है वो आ जाएगा उसका एरिया नेक्स्ट इज इंडियन फ्लैग जो हमारा फ्लैग है वो कितना होगा कुछ सेंटीमीटर्स में होगा या मीटर्स में तो इसको आप एक्चुअली वहां पर भी देख सकते हो ऑनलाइन भी कि इसके जो डायमेंशन होते हैं ये क्या क्या डायमेंशन रहते हैं तो ये देखो ये सारे आंसर्स यहाँ पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी टिक करके रखे हैं कि जो हमारा फ्लैग है इंडियन वो सेंटीमीटर्स में ही होगा एक मीटर का भी इतना लंबा नहीं होता है फ्लैग सेम लैंड ओवर विच आर रिवर फ्लोज यानी कि ऐसी जमीन जहाँ पे नदी बहती है जिसके ऊपर है ना तो नदी तो बहुत लंबी होती है एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी तक भी पहुंच जाती है नदी तो रिवर राइट तो यानी कि उसका जो लैंड होगा वो सेंटीमीटर मीटर में नहीं वो पक्का पक्का काय में होगा किलोमीटर में तो ये सारे आंसर्स हैं। एक बार आप कॉपी चेक कर लेना हैंकर चीफ स्क्वेयर सेंटीमीटर साड़ी स्क्वेयर मीटर पेज ऑफ योर बुक सेंटीमीटर स्कूल लैंड मीटर स्क्वेयर Total land of the city, kilometer square, door of your classroom, meter square. Next is chair key seat, centimeter square, blackboard is meter square, Indian flag is centimeter square, and land over which river flows is kilometer square. क्लियर हुआ तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया कंप्लीट इस तरीके से हमको टिक करना थे इसमें क्वेश्चन दिया है ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ नाइन सेंटीमीटर एक स्क्वायर हमको ड्रॉ करना है जिसका एरिया एरिया क्या हो अब लिखा नहीं है मैम पर आप क्यों बोल रहे हो कि जो नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर है वो एरिया है बोला है उनने सिर्फ इतना कि ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि एक आपको ऐसा स्क्वायर ड्रॉ करना है जो कितना हो नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर का हो तो क्या आप जो साइड्स किसी की नापते हो तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हो क्या नहीं सेंटीमीटर में नापते हो मीटर में नापते हो किलोमीटर में नापते हो सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर ये कहाँ से मिलता है जब हम एरिया निकालते हैं एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर में स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर किलोमीटर यूनिट होती है ये एरिया की तो उससे इसलिए मैं बोल रही हूं कि ये जो नाइन सेंटीमीटर दिया है ये एक्चुअली क्या दिया हुआ है आपको एरिया दिया हुआ है सो नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया दिया हुआ है हमको तो इस एरिया का स्क्वायर ड्रॉ करना है तो अब एरिया से स्क्वायर कैसे ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा अजीब है मतलब अब साइड बोल देते आपके साइड का स्क्वायर ड्रॉ करना है तो एरिया हम निकाल लेते एरिया निकालना क्या मुश्किल है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है हमने देखा था ना साइड मल्टीप्लाईड बाय साइड हमने देखा था एरिया में तो जो स्क्वायर है उसमें चारों साइड बराबर ही होती है तो हम एक साइड का मल्टीप्लाई दूसरी साइड से करें मतलब सेम दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो एरिया मिल जाता है बट यहाँ एरिया ऑलरेडी दिया है नाइन तो ऐसी कौन सी साइड्स होंगी कौन से दो नंबर्स होंगे सेम सेम जिनको मल्टीप्लाई करके नाइन मिला होगा होता टू मल्टीप्लाई टू फोर होता है, है. यानी कि अगर साइड टू होती इस स्क्वायर की तो टू इंटू टू करके फोर मिलता तो फोर तो नहीं हमें नाइन एरिया चाहिए तो थ्री करके देखें अगर साइड थ्री होती इस स्क्वायर की तो थ्री इंटू थ्री करते हैं हम तो क्या थ्री इंटू थ्री करने पे नाइन मिलता है थ्री वन टाइम्स थ्री थ्री टू टाइम्स सिक्स थ्री थ्री टाइम्स नाइन यस यानी कि थ्री इंटू थ्री करने पे नाइन मिल रहा है इसका क्या मतलब है कि हमको अगर नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया स्क्वायर बनाना है यानी कि ऐसा स्क्वायर जिसका एरिया क्या है नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर तो उसकी साइड कितनी होगी थ्री सेंटीमीटर ये पता चला कैसे आया क्योंकि एरिया नाइन तभी आया होगा जब थ्री में थ्री का मल्टीप्लाई हुआ होगा क्योंकि स्क्वायर है तो सेम नंबर का दो बार मल्टीप्लाई होता है तो एरिया मिल जाता है तो अगर साइड थ्री होगी तभी थ्री इंटू थ्री नाइन आएगा और किसी नंबर को सेम नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करने पे नाइन नहीं मिलेगा इसका मतलब हमें जो स्क्वायर ड्रॉ करना है उस स्क्वायर का साइज क्या होगा हर एक साइड उसकी थ्री सेंटीमीटर के बराबर होगी इतनी बात समझ आ गई तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए इज तो यानी कि अब ये जो ए स्क्वायर आपने बना लिया है ना राइट ए ऑन इट यानी ऐसा स्क्वायर बना के उसमें ए लिख दो कि ये ए स्क्वायर है तो इसका पैरामीटर कितना होगा पैरामीटर होता क्या है सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स यानी कि जितनी भी साइड्स हैं उन सबको जोड़ लो तो थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व दैट मीन हम लिखेंगे ईच साइड ऑफ स्क्वायर ए कितनी है हर एक साइड इस स्क्वायर ए की थ्री सेंटीमीटर के बराबर है तो सो पैरामीटर ऑफ ए पैरामीटर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर का सम ऑफ ऑल ऑफ उसकी सारी साइड्स का सम थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री चार बार थ्री है चार साइड्स है तो ट्वेल्व सेंटीमीटर आ जाएगा इसका फैला हमारा आंसर समझ में आया कैसे आया आंसर अब देखिए एक और हमें बनाना है देखिए द साइड ऑफ स्क्वायर भी हमसे पूछिए कितनी है तो हमें स्क्वायर बी के बारे में आगे इंफॉर्मेशन दी है देखो क्या है ड्रॉ एनाबल स्क्वायर यानी कि अब आपको एक और स्क्वायर बनाना है विद डबल द साइड यानी कि अब जो स्क्वायर बनाओगे उसकी साइड कितनी होनी चाहिए डबल होना चाहिए किससे डबल होना चाहिए जिसकी पहले बात की गई होगी स्क्वायर ए की यानी कि स्क्वायर ए की जितनी साइड थी उसकी दुगनी डबल साइड का एक और स्क्वायर बनाना है और लिखा है राइट बी ऑन इट और उस स्क्वायर को क्या नाम देना है बी तो अगर मेरा जो छोटा वाला स्क्वायर अभी मैंने स्क्वायर ए बनाया था वो मैंने कितने का बनाया था तीन तीन सेंटीमीटर का हर एक साइड थी उसकी तो अब अगर मेरे को एक बड़ा सा स्क्वायर बनाना है इसकी डबल साइड का तो थ्री का डबल कितना होगा डबल मीन्स दो बार थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स या फिर थ्री इंटू टू डबल तब भी सिक्स दोनों तरीके से निकाल सकते हो दैट मीन्स अब मेरे को तीन का दुगना यानी कि छह सेंटीमीटर के साइड वाला यहाँ देखो अनादर स्क्वायर विद डबल द साइड साइड डबल होनी चाहिए एरिया डबल का नहीं बोला साइड डबल तो हमने पहला स्क्वायर तीन सेंटीमीटर का बनाया है तीन का डबल होता है छह यानी कि अब दूसरा जो स्क्वायर है जिसको हमें बी नाम देना है उसकी जो हर एक साइड होगी वो कितनी होगी उसकी जो हर एक साइड होगी वो सिक्स सिक्स सेंटीमीटर के होगी बराबर यहां तक किसी को कोई परेशानी तो नहीं है हमको बोला गया था कि आपको एक छोटा सा ए स्क्वायर बनाना है उसका एरिया क्या होगा नाइन तो हमने देखा नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया तभी आएगा जब उस स्क्वायर की जो साइड्स होंगी वो थ्री थ्री सेंटीमीटर की होंगी तो ये बना के इसका पैरामीटर फाइंड कर लिया ये स्क्वायर एक कंप्लीट हो गया फिर उन्होंने क्वेश्चन में आगे बोला कि ड्रॉ अनादर स्क्वायर यानी कि अब एक और स्क्वायर बनाओ उसकी क्या कंडीशन रखी विद डबल द साइड यानी कि अब जो साइड्स होंगी इस बड़े दूसरे स्क्वायर की वो डबल होंगी तो किससे डबल होंगी पहले वाले से और तो किसी की बात चल नहीं रही तो पहले वाले की साइड थ्री थी थ्री का डबल सिक्स तो सिक्स सेंटीमीटर साइड्स का मैंने एक और नया स्क्वायर बना लिया उसको उन्होंने बोला था बी नाम दो तो ये स्क्वायर बी हो गया अब यह नीचे पूछा है साइड ऑफ स्क्वायर बी कितनी होगी यानी कि जो बी आपने बनाया उसकी साइड्स कितने के बराबर होंगी तो कितने की होंगी सिक्स के बराबर कैसे पता चला पहले वाले की थ्री थी थ्री का डबल किया तो थ्री इंटू टू कितना मिला मुझे सिक्स मिला सो so, यहाँ हम लिखेंगे आंसर ईथ साइड ऑफ स्क्वेयर बी स्क्वायर बी की जो हर एक साइड है इज इक्वल टू यानी के बराबर होगी डबल द साइड ऑफ स्क्वेयर ए स्क्वेर ए के साइड की डबल होगी तो साइड ऑफ स्क्वायर भी कितनी हो जाएगी टू इंटू लेंथ साइड ऑफ स्क्वायर है यानी कि ए वाले स्क्वायर के साइड की लेंथ में टू का मल्टीप्लाई कर दो तो उसका दुगना मिल जाएगा दुगना डबल का मतलब ही होता है टू टाइम्स है ना तो क्या हो जाएगा टू इंटू थ्री दैट इज सिक्स सेंटीमीटर तो इसका आंसर कितना आ जाएगा सिक्स सेंटीमीटर के बराबर कुछ इस तरीके के दिख रहे होंगे आपके दोनों स्क्वायर्स एक छोटा थ्री सेंटीमीटर का है और ये बड़ा जो है बी स्क्वायर सिक्स सेंटीमीटर का है यहाँ मैंने आपको आंसर्स भी लिखकर बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है अपनी कॉपी में भी और एग्जाम में भी क्लियर हुआ डायरेक्ट हमको यहाँ पे ट्वेल्थ यहाँ पे सिक्स लिख के नहीं आ रहा हमको सॉल्व करके बताना है कि हमें आंसर कैसे मिला गॉट इट चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला क्या दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन दिया है सी में द एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज यानी कि जो सेकेंड स्क्वायर था उसका एरिया क्या होगा बहुत इजी है स्क्वायर की चल रही है बात हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं और स्क्वायर का एरिया होता है साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड चारों साइड इक्वल होती हैं एक ये जो सिक्स सेंटीमीटर का स्क्वायर है इसकी दोनों साइड चारों साइड सिक्स सिक्स है तो एरिया क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड मतलब सिक्स इंटू सिक्स दैट इज थर्टी सिक्स तो आप आंसर क्या लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज सिक्स इंटू सिक्स टू थर्टी सिक्स स्क्वायर सेंटीमीटर नेक्स्ट है एरिया ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए यानी कि जो एरिया है बी का वो कितने टाइम्स है ए के एरिया से यानी कि बी का एरिया कितने uh, कब आएगा मतलब ए का एरिया में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे कि बी का एरिया आए एरिया ऑफ बी इज डैश टाइम्स टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए यानी कि बी का एरिया कितना है हमारे पास सिक्स इंटू सिक्स थर्टी सिक्स कितने टाइम्स होगा एरिया का ए का एरिया क्या है थ्री टू थ्री नाइन कितने मल्टीप्लाई करोगे कि area में आप कितना time कितना multiply के B का का ये इस question का मतलब है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सो so नाइन में किसका मल्टीप्लाई करोगे थर्टी सिक्स आए नाइन वन टाइम्स नाइन नाइन टू टाइम्स एटीन नाइन थ्री टाइम्स ट्वेंटी सेवन नाइन फोर टाइम्स थर्टी सिक्स ये यानी कि थर्टी सिक्स जो है वो फोर टाइम्स है नाइन का थर्टी सिक्स बी का एरिया है यानी कि बी का एरिया फोर टाइम्स है ए के एरिया के यही तो पूछा था कि एरिया ऑफ बी इज फोर टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए कैसे पता चला तो हमने देखा ए का स्क्वायर का एरिया थ्री इंटू थ्री नाइन स्क्वायर सेंटीमीटर है एरिया ऑफ स्क्वायर भी कितना हो जाएगा फोर टाइम्स नाइन इंटू फोर करेंगे तभी तो मिलेगा थर्टी सिक्स गॉट इट आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या दिया है क्वेश्चन फाइव बोल रहा है द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी इज यानी कि बी का पैरामीटर निकालना है अभी तो एरिया निकाला था साइड इनटू साइड करके पैरामीटर क्या होता है बाउंड्री का सम तो देखिए यहां पे हर एक साइड 6 6 सेंटीमीटर की है यानी कि इन सबको क्या कर लूं ऐड कर लूं 6 6 12 6 6 18 six, कितना हो जाएगा 24 यानी कि चार बार मैंने सिक्स को ऐड किया तो मुझे कितना मिला पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी सम होगा उसकी सारी साइड्स का दैट इज सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स कितना आया ट्वेंटी फोर सेंटीमीटर्स के बराबर आगे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है सिक्स्थ क्वेश्चन द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी इज डैश टाइम्स द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए फिर से यहाँ एरिया का पूछा था अब इसका पूछा है इसी तरीके से लिख लो अब हमें यहाँ किसके बारे में बात करनी है अब हमको बात करनी है यहाँ पर पैरामीटर के बारे में यानी कि बोला है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी तो बी इज इक्वल टू डैश टाइम्स यानी कि डैश इन टू पैरामीटर ऑफ ए ए तो ए का पैरामीटर कितना आया था थ्री प्लस थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट b का कितना आया 24 तो बताओ 12 में किसका मल्टीप्लाई करूं कि 24 आएगा 12 वन टाइम्स 12 12 टू टाइम्स कितना होता है 24 अभी तक टेबल याद नहीं है कुछ बच्चों को सब याद कर लो कम से कम 30 तक 30 30 तक की टेबल सबको याद होनी ही चाहिए सो so, 12 इंटू टू होता है 24 यानी कि ये जो b का पैरे है 24 वो टू टाइम्स है a के पैरे के आया समझ में तो आंसर क्या हो जाएगा टू टाइम्स इस तरीके से लिख सकते हो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बी इज टू टाइम्स द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर ए तो ये जो क्वेश्चन नंबर सिक्स है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इनको ध्यान से सॉल्व करना इस तरीके से लिख के सॉल्व करना कि बी का पूछा है कितने टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स तो टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई ऑफ ए तो इस तरीके से यानी कि ए में कितना मल्टीप्लाई करूं कि बी का एरिया आ जाए A के पैरामीटर में कितना मल्टीप्लाई करूं कि बी का पैरामीटर आ जाए इस तरीके से आप इनको सॉल्व करोगे तो कभी गलती नहीं होगी क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया है ये हो गया क्वेश्चन हमारा पूरा ओके okay, अब आ रहा है नया टॉपिक नया टॉपिक हमारा नाम है थ्रेड प्ले थ्रेड का मतलब क्या होता है थ्रेड का मतलब होता है धागा किसी भी तरीके का थ्रेड मतलब धागा ठीक है अब ये जो थ्रेड है धागा है वो पतला धागा मोटा धागा उससे मतलब नहीं है हमको इससे एक गेम दिया है जिससे हम कुछ सीखेंगे ये जो है टॉपिक थ्रेड प्ले ये आपके एन के पेज नंबर 155 पर मिल जाएगा देखो क्लास फिफ्थ मैथ्स मैजिक बुक के पेज 155 पर so, जो मैं बोल सकती हूँ चैप्टर का नाम क्या है एरिया इट्स बाउंड्री तो वहीं आगे का हम देख लेते हैं क्या लिखा है आइए रीड करें इसमें टेक अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड हमें एक इतना लंबा धागा लेना है जो कि कितना हो पंद्रह सेंटीमीटर लॉन्ग अब ये ज्यादा हो गया मैंने इतना लंबा बताया पंद्रह सेंटीमीटर इतना कुछ है ना इतना लंबा एक क्या लेना है हमको थ्रेड यानी कि धागा लेना है मेक डिफरेंट शेप्स बाय ज्वाइनिंग इट्स सैंड ऑन दिस शीट यानी कि अब हमको उससे अलग अलग तरह के शेप बनाने हैं उसके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को ऐड करके ठीक है जोड़कर कुछ शेप्स बना लो जैसे कि कैसे शेप्स बना सकते हो आप इस तरह का शेप बना सकते हो ठीक है सर्कल बना सकते हो रेक्टेंगल बना सकते हो पैंटागन बना सकते हो ये क्या है अलग अलग शेप हो जाएंगे जो आप इस धागे की हेल्प से बना सकते हो अब ये शेप कैसे होंगे अब हमें पता है कि ये जो धागा है वो 15 सेंटीमीटर ही लंबा है यानी कि यहाँ से यहाँ तक समझो ये 15 सेंटीमीटर का है ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंड पॉइंट इसी को मोड़ मोड़ के हम ये शेप्स क्या है बना रहे हैं तो अगर आपने ट्राइंगल बनाया तो हर एक साइड क्या हो जाएगी थ्री 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 सिक्स सेवन एट नाइन ही सेंटीमीटर हो रही है पर हमने किसका बनाया फिफ्टीन का तो कितना होगा फिफ्टीन को तीन हिस्सों में डिवाइड करो तो फाइव फाइव सेंटीमीटर का हर एक हिस्सा हमको मिलेगा इस तरीके से फाइव टेन फिफ्टीन दैट मीन्स यहाँ से अगर मैंने शुरू किया होगा तो फाइव सेंटीमीटर फिर फाइव सेंटीमीटर फिर फाइव सेंटीमीटर यहां आके खत्म किया तो पंद्रह सेंटीमीटर के इस थ्रेड से मैंने एक ट्राइंगल बना लिया इसी तरीके से यहां से मैंने शुरू किया और गोल इस तरीके से सर्कल बना लिया 15 सेंटीमीटर लंबे का यानी इसका जो सर्कल का बाउंड्री है उसकी लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर है यानी बाउंड्री मतलब पैरामीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर के लंबे धागे से हम जो भी शेप बनाएंगे उस शेप का पैरामीटर कितना होगा 15 सेंटीमीटर क्योंकि धागा तो उतना ही है बस हम शेप चेंज कर रहे हैं अगर पैंटागन बनाओ तो थ्री 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 थ्री, थ्री और थ्री सेंटीमीटर की साइड्स से ले सकती हूँ थ्री थ्री सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन टर्टी फोर्टी फिफ्टीन यहाँ से शुरू किया मैंने तीन तीन सेंटीमीटर पर मोड़ती गई तो एक ये पेंटागन बन गया पांच साइड वाला क्लोज फिगर इसी तरीके से ये बना सकते हो आप इसको कितने बना बना सकते हो फिफ्टीन सेंटीमीटर में से रेक्टेंगल कैसा बना सकते हो आप अगर आप बनाओ यहाँ पे क्या थ्री थ्री सिक्स अगर तीन तीन का हो जाए इसकी वृथ तो सिक्स वृथ हो जाएगी है ना थ्री थ्री सिक्स ब्रथ हो जाएगी फिफ्टीन में से सिक्स गए फाइव जाते तो टेन बचते एक और चला गया तो नाइन नाइन को दो हिस्सों में डिवाइड करो तो फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव यानी फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर की लेंथ और थ्री थ्री सेंटीमीटर की ब्रथ इस तरीके से क्या हो सकता है रेक्टेंगल बन सकता है ऐसे ही स्क्वायर बना लो अब स्क्वायर में फिफ्टीन को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा तो थ्री पॉइंट समथिंग इस तरह की कुछ सेंटीमीटर्स की लेंथ आएगी उसकी तो ऐसे आप क्या कर सकते हो थ्रेड से अलग अलग टाइप के बहुत सारे शेप्स बना सकते हो आगे पूछा गया है देखिए क्या Which शेप हैज बिगेस्ट एरिया हाउ मच What इज द पैरामीटर ऑफ दिस शेप अब आपने जो शेप्स बनाए हैं उनमें से कौन से शेप का सबसे ज्यादा एरिया है ये बताना है और हाउ मच कितना एरिया है ये बताना है एंड व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द शेप और उस शेप का पैरामीटर क्या होगा ये बताना है तो अब देखो एरिया किसका सबसे बड़ा है तो वो जो आपने शेप्स बनाए हैं वो उस पर डिपेंड करेगा है ना अब आप क्या कर सकते हो या तो इस पे स्टिक रह सकते हो कि कि आपको नंबर ऑफ आप गिन लेना कि आपके शेप के अंदर स्कर्स कितने आ रहे हैं जिसमें ज्यादा स्क्वास आ रहे हो उसका ज्यादा एरिया हो जाएगा पर दूसरी बात जो आती है पैरामीटर की पैरामीटर सबका अलग अलग होगा क्या पैरामीटर मतलब कि उस शेप के बाउंड्री का सम तो वो तो सेम ही होगा क्योंकि हम 15 सेंटीमीटर लंबी थ्रेड से ही तो सारे शेप बना रहे हैं वो थ्रेड जहाँ खत्म होती है शेप खत्म हो जाता है इसका मतलब जो बाउंड्री है उसको मिला के उस थ्रेड की पूरी जो लंबाई है उस शेप की वो तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगी तो पैरामीटर का जरूर एक ही आंसर होगा पैरामीटर ऑफ द शेप 15 सेंटीमीटर क्यों बिकॉज द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज फिफ्टीन क्योंकि पंद्रह सेंटीमीटर लंबे धागे से हम बना रहे हैं उसको इसका सीधा सीधा मतलब है कि पंद्रह सेंटीमीटर ही क्या होगा किसी भी शेप बनाओ अब वो सबसे बड़ा ज्यादा एरिया का शेप हो या कम एरिया का शेप हो उसका जो पैरामीटर है वो हमेशा 15 सेंटीमीटर ही होगा क्लियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है नेक्स्ट दिया है विश शेप हैज स्मॉलेस्ट एरिया एंड हाउ मच व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ द एरिया अब आपने जो शेप्स बनाए हैं उनमें से सबसे छोटा एरिया कम एरिया किसका है तो जिस शेप के अंदर सबसे कम स्क्वास आ रहे हैं उसका कम एरिया बोल दीजिएगा और पैरामीटर क्या होगा उसका पैरामीटर तो 15 सेंटीमीटर ही होगा क्योंकि उतने ही थ्रेड से बना है राइट right? आगे बोला है ऑल्सो मेक ट्राइंगल स्क्वेयर रेक्टेंगल एंड सर्कल फाइंडस्ट एच है सर्कल बनाने हैं और फिर देखना है किसका ज्यादा एरिया होगा और किसका कम एरिया होगा तो वही कहानी करोगे आप ट्राइंगल बनाओ वो जो भी बनाओ तो किस हिसाब से बनाओगे स्क्वेयर को ले लेके बनाना सो so दैट आपको हमेशा जो एरिया मिले वो कैसा मिले स्क्वेयर्स के टर्म्स में मिल जाएगा कि इतने इस शेप के अंदर आ रहे हैं तो उसका एरिया इतना हो जाएगा तो आप बिल्कुल जैसे अभी मैंने बताया ट्राइंगल स्क्वेयर सर्कल बनाना उस तरीके से आप सर्कल्स और ये सब बना सकते हो क्लियर हो गया चलिए तो ये एक प्रैक्टिकल टाइप का भी क्वेश्चन है कि आप सही में एक थ्रेड काट कर लो 15 सेंटीमीटर की और उस थ्रेड में आप क्या करो फिर ये शेप्स बनाकर और फिर देखो कि इनकी साइड्स और कितनी आ रही हैं तो उससे आप एरिया भी निकाल लोगे राइट चलिए सो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है सेव द बर्ड्स ये टॉपिक दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 156 पर सो so, क्या है स्टोरी आइए मेरे साथ-साथ रीड करिए कि क्या बोलना चाहते हैं ये इस टॉपिक सेव द बर्ड्स में तो लिखा हुआ है देयर आर टू ब्यूटीफुल लेक्स नियर अ विलेज एक विलेज एक गांव के पास बहुत ही सुंदर दो क्या थी लेक्स थी सो so, ये लेक थी यानी कि बहुत बड़ी सी जगह जहां पानी भरा हुआ है है ना तो वो दो बहुत ही सुंदर सुंदर लेक थी एक विलेज यानी कि गांव के पास आगे दिया है पीपल पीपल कम कम फॉर फॉर बोटिंग बोटिंग एंड एंड पिकनिक इन इन बोथ बोथ द द लेक्स लेक्स और जो लोग हैं हैं दे वो काय के लिए आते हैं लेक दोनों लेक में बोटिंग करने यानी बोट में बैठ कर यहाँ से वहां जाते हैं इंजॉय करते हैं या फिर काय के लिए आते हैं पिकनिक पिकनिक मनाने भी लोग लेक के किनारे पहुंचते हैं है ना जैसे भोपाल में भी भोपाल तो खैर जी झीलों की नगरी बोली जाती है है ना सिटी ऑफ लेक्स बोली जाती है बहुत सुंदर सुंदर लेक हैं भोपाल में भी सो so, इसी तरीके से एक विलेज है वहाँ पे ये इस तरह की दो लेक बनी हुई हैं बहुत बड़ी होती है लेक और उस लेक में जो लोग हैं वो काय के लिए आते हैं पिकनिक के लिए बोट के, बोट के बोटिंग करने के लिए ये सब चीज़ों के लिए आप भी अगर हो ऐसी सिटी से जहाँ लेक्स हो जैसे मैं भोपाल में हूँ भोपाल में बहुत सारी लेक्स हैं तो मेरे को भी बोटिंग करने में बहुत मज़ा आता था पिकनिक्स के लिए वहाँ जाते थे अपन तो पिकनिक नहीं तो यूँ ही घूमने चले जाते थे और वहाँ हम देखते थे कि वहाँ बहुत सारी बर्ड्स भी होती थी तरह तरह की है ना बहुत सारी बर्ड्स भी होती हैं लेक के पास वो वहीं पानी के किनारे ही रहती हैं ये सारी बर्ड्स राइट सो ऐसे ही यहाँ देखो इधर भी फोटो में बहुत सारी यहाँ पे क्या है बर्ड्स हैं बीच में आइलैंड भी है लेक के हमारे भोपाल के के लेक के बीच में भी एक छोटा सा आइलैंड है तो इस तरीके की लेक की हम क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं इस वाले टॉपिक में आगे लिखा है दिलेज पंचायत इज वरीट विद द नॉइस ऑफ बोर्ड्स द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग जो विलेज पंचायत है अब क्या होता है गाँव में गांव में जो एक तरीके से मैं कह सकती हूँ विलेज है अब विलेज है तो वहां पर एक पंचायत का सिस्टम रहता है जहां पर एक हेड होता है जिसको हम पंच बोलते हैं और वो ही उस विलेज के उस गांव के हर एक इम्पॉर्टेंट चीजों का क्या है निर्णय लेता है फैसला करता है कि क्या चीज कैसी होना चाहिए तो वही यहाँ पर हो रहा है कि विलेज पंचायत इज वेरी दैट द नॉइज ऑफ द बोट्स विल स्टॉप कमिंग कि क्या क्यों वरिड है वरिड मतलब चिंता कर रहे हैं वो लोग जो विलेज पंचायत का हेड है वो वरिड है यानी कि वो चिंता कर रहा है क्या चिंता कर रहा है वो कि विद द नॉइज ऑफ बोर्ड्स यानी कि बोट्स की आवाज से नॉइज से द बर्ड्स विल स्टॉप कमिंग जो चिड़िया है बर्ड्स हैं सुंदर सुंदर वो क्या है आना बंद कर देंगी लेक पे वो उड़कर कहीं और चली जाएंगी सो ये चीज हमें ध्यान इस चीज के लिए जो विलेज पंचायत है पूरी जो भी हेड्स हैं विलेज के वो बहुत ज्यादा परेशान है बहुत ज्यादा वरीड है कि ऐसा ना हो कि क्या है बहुत सारे लोग आते हैं लेक पर तो वो लोग क्या है उन लोगों के डर की वजह से जो बर्ड्स हैं यहाँ वहाँ उड़ने लगती हैं और बोट्स की बहुत ज्यादा नॉइज होती है बोट्स बहुत तेज आवाज से चलती हैं जो मोटर बोट्स होती है है ना तो उससे भी वो क्या है डर जाती हैं बर्ड्स तो वो भागने लगती हैं दूर दूर तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो थोड़ा थोड़ा वो भाग रही हैं और कुछ टाइम बाद वो चली ही जाए कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा आवाज होती है और बर्ड्स को तो आराम से शांति पसंद से है आराम से आसमान में घूमती रहती हैं वो कुछ कुछ तो तो उनको शांति यानी कि पीसफुल जगह अच्छा लगता होगा तो वो जो बोट्स की उनसे को सुन के वो भाग सकती हैं कहीं और जा सकती हैं और वो हमारी लेक की ब्यूटी खराब ही करेगा हमारी इतनी सुंदर लेक है विलेज में वहां बर्ड सारे हैं तो वही तो देखने लोग पहुंचते हैं वही तो सुंदर दिखती हैं है ना सो so, यहाँ पे वही लिखा हुआ है सो so, आगे लिखा है द पंचायत वॉन्स मोटर बोट्स इन ओनली वन लेक तो इस वजह से पंचायत क्या चाह रही है मतलब वो जो टीम है पूरी पंचों की वो हेड्स जो होते हैं विलेज के वो पंचायत चाह रही है कि जो मोटर बोट्स हैं वो सिर्फ़ एक ही लेक में चलाई जाएँ यानी कि कोई एक लेक हम फिक्स कर लेते हैं जिसमें बोटिंग की जाएगी सो so दैट उसकी बर्ड्स जो है वो दूसरी लेक में जा सकती हैं है ना तो एक जो लेक है वो क्या करो उसको ही सिर्फ मोटर बोट्स के लिए रखते हैं हम द अदर लेक विल बी सेव फॉर द बर्ड्स टू मेक दियर नेस्ट यानी कि फिर जो दूसरी लेक होगी वहां पर कोई बोट नहीं चलाएगा कोई ज्यादा नॉइज नहीं होगी तो वहाँ पे जो बर्ड्स हैं वो उनके लिए हो जाएगी दूसरी लेक एक लेक हो जाएगी बोट्स के लिए सो so, एक लेक हमारी बोट्स के लिए दूसरी लेक होगी बर्ड्स के लिए सो so दैट वो जो बर्ड्स हैं वो शांति से अपना जो नेस्ट यानी कि घोसला है वो वहाँ बनाकर दूसरी लेक पर आराम से रह सकती हैं ये कौन चाह रहा है विलेज की पंचायत रही है, जो हेड होते हैं विलेज के जो दो-चार लोग वो उन्होंने फैसला किया कि ऐसा करते हैं कि ये जो दो हैं वो दोनों ही बहुत सुंदर लेक हैं। पर दोनों लेक में हमें क्या दिक्कत हो रही है कि दोनों ही लेक में बर्ड्स हैं। तो जब बोटिंग होती है दोनों लेक में होती है अभी तो बोट की आवाज से जो बर्ड्स हैं वो भागती हैं यहाँ से वहां वो रुकती नहीं है तो ऐसा ना हो कि वो दोनों लेक से भाग के कहीं और चली जाए इसीलिए पंचायत चाह रही है कि अपन ऐसा करते हैं कि एक ही लेक में सारी बोट्स चलवाते हैं है ना कि बोटिंग सिर्फ एक ही लेक में हो और दूसरी लेक में बोटिंग ना हो दूसरी लेक में बोटिंग नहीं होगी तो क्या होगा तो फिर बर्ड्स डरेंगी भी नहीं और वो दूसरी लेक में आराम से पीसफुली अपना जो घोसला है नेस्ट है वो बनाकर रह सकती हैं सही बात है ना चलो देखते हैं तो आगे क्या हुआ फिर इसका आगे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं उनको हमको करना है आंसर पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ए जो लिखा हुआ है वो है हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग यानी कि ये जो ड्राइंग है उसमें जो लेक ए है आपकी ये देखो यहाँ ए लिखा है यहाँ बी लिखा है तो ये है आपकी लेक ए और वो है लेक बी तो पूछा गया है कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए लेक की जो बाउंड्री है वो कितनी सेंटीमीटर लंबी है तो अब देखो ये जो लेक दी है वो कैसे शेप में दी है ये जो शेप है इसका ये कुछ एक डेफिनेट शेप नहीं है कहीं से भी कैसी भी मुड़ी हुई है ये लेक तो इसको अगर हम स्केल से नापे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्ट्रेट लाइंस नहीं है ये कुछ कर्व है और बहुत सारे कर्व हैं एक दो जगह भी नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं थ्रेड यानी कि धागे का हेल्प कर सकते हैं पहले भी कुछ चैप्टर्स में हमने इस तरीके का यूज़ किया है तो हम क्या करेंगे एक धागा ले लेंगे और उस थ्रेड को धागे को स्टार्ट करेंगे यहाँ से जैसे मैंने स्टार्ट किया और यहाँ इस तरीके से क्या करेंगे मोड़ते जाएंगे और इधर मोड़ के और यहाँ ला के ख़त्म करेंगे और वहाँ से कट कर देंगे अब ये जो धागा आया हमारा स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इसको स्ट्रेट कर लेंगे और स्ट्रेट करके इस धागे को हम फिर स्ट्रेट करके रख के और स्केल से नापेंगे कि वो कितना लंबा है इस तरीके से हमें क्या पता चल जाएगा इस लेक की बाउंड्री कितनी लंबी है तो इजी है ना तरीका कुछ नहीं करना है एक धागा लेना है एक जगह कहीं रख के उसको इस तरीके से इस जो लेक वाली फोटो है उस पर इस तरीके से रखना है जैसे मैं ये कलर बना रही हूं या खत्म करना है तो एक ये एंड स्टार्टिंग पॉइंट हो गया या एंड पॉइंट हो गया फिर कट कर देना जहाँ वो खत्म हुआ धागा फिर बाकी का धागा अलग कर देना और ये जो है थ्रेड इसको लेके सीधा कर लेना एकदम स्ट्रेट और फिर इसको स्केल की हेल्प से स्ट्रेट करके मेजर करना कि ये कितना लंबा है तो वही लंबाई होगी इसकी लेक की एक ही बाउंड्री Right. So boundary जो की की है वो जब 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 हमने हमने से करी 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 आप भी करना और फिर बताना कितना आया आउट टू बी अराउंड थर्टी सेंटीमीटर तो कितने आसपास आई तीस सेंटीमीटर लंबी क्या आई मेरी लेक ए की बाउंड्री आई तो इस तरीके से आप इसका लिखोगे आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी हमसे बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ लेक बी इन द ड्राइंग यानी कि ये जो लेक बी है उसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है वो हमको बताना है सो so, लेक बी हमारी क्या है अब वो उसके लिए भी शेप देखते हैं उसका अब देखो लेक बी का शेप तो और ही अजीब है देखिए इस तरीके का शेप है ये लेक बी का तो ये भी क्या है स्केल की हेल्प से तो हम इसको मेजर कर नहीं पाएंगे बाउंड्री को तो इसको भी हम यही करेंगे क्या करेंगे कि एक, एक और थ्रेड लेना यहाँ से शुरुआत करना कहीं से भी और पूरी बाउंड्री पर इस तरीके से मोड़ते हुए खत्म करके कट कर लेना फिर इसको उठाना उसको सीधा करना स्केल पे मेजर करना लंबाई की स्ट्रेट करके एकदम और तो देख लेना कि वो कितनी लंबी है वही इस लेक की क्या होगी बाउंड्री होगी जब मैंने कैलकुलेट किया था इस प्रोसेस से तो मेरा क्या आंसर आया वो देखिए तो हम आंसर लिखेंगे वेन वी मेजर द बाउंड्री ऑफ लेक बी जब हमने लेक बी की बाउंड्री मेजर करी विद द हेल्प ऑफ थ्रेड थ्रेड की हेल्प से इट कम्स आउट टू बी अराउंड 25 सेंटीमीटर कितनी आई लेंथ बाउंड्री की 25 सेंटीमीटर आई लेक बी की बाउंड्री की लंबाई यानी कि पैरामीटर ऑफ लेक बी 25 सेंटीमीटर पैरामीटर ऑफ लेक ए 30 सेंटीमीटर राइट आगे बढ़ते हैं सी क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक ए यानी कि ये तो हम सेंटीमीटर्स में बताई हमने बाउंड्री वो बोल रहे हैं कि एक्चुअल बाउंड्री कितनी होगी तो क्या अलग है वो किलोमीटर्स में पूछ रहे हैं तो देखो ध्यान से देखो यहाँ नीचे एक स्केल लिखा हुआ है इसके ऊपर स्केल मतलब कि हमने क्या है छोटा कर दिया है फोटो इतनी सी लेक थोड़ी होगी लेक तो सच्चाई में बहुत बड़ी होती है यानी कि यहाँ हमने फोटो को छोटा करा है कितना छोटा किया है वो यहाँ से लिखा हुआ है कि वन सेंटीमीटर ऑन दिस ड्रॉइंग यानी कि इस ड्रॉइंग पे जितना एक सेंटीमीटर आएगा इट इज़ इक्वल टू वन किलोमीटर ऑन द ग्राउंड यानी कि ग्राउंड पे वो पूरा एक किलोमीटर के बराबर एक किलोमीटर काफ़ी बड़ा होता है तो ग्राउंड पे जितना एक किलोमीटर के बराबर है उसको हमने छोटा करके एक सेंटीमीटर के बराबर इस पर बनाया है यानी कि जितना यहाँ पर अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक वन सेंटीमीटर है तो एक्चुअल में वो कितना है वन किलोमीटर के बराबर एक्चुअल में है जहाँ पे सच में लेक है उसका यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा अगर इस ड्राइंग पे वन सेंटीमीटर है तो सच में उसका हिस्सा कितना होगा वन किलोमीटर के बराबर जहाँ एक्चुअल लेक है सो so, इस तरीके से इसको रिड्यूस किया है तो बताइए कि पूरी बाउंड्री थर्टी सेंटीमीटर तो अगर एक सेंटीमीटर एक किलोमीटर के बराबर है तो 30 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा 30 किलोमीटर सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर तो 30 सेंटीमीटर में 30 किलोमीटर इसी तरीके से 25 सेंटीमीटर में 25 किलोमीटर तो हमें बात करना है लेक ए की लेक ए 30 सेंटीमीटर के बराबर आ रही थी तो हम लिखेंगे द स्केल इज वन सेंटीमीटर बराबर वन किलोमीटर ये आंसर इसी तरीके से लिखना है आपको कि हेअर द स्केल इज वन सेंटीमीटर बराबर वन किलोमीटर यानी कि यहाँ जो स्केल हमने लिया है अब स्केल वो नापने वाला स्केल नहीं है ये ड्राइंग का स्केल है कि एक्चुअल में जो चीज एक किलोमीटर थी उसको हमने एक सेंटीमीटर की छोटी सी लाइन से दिखाया है इस मैप पर तो स्केल का मतलब ये है कि यहाँ वन सेंटीमीटर हमने वन किलोमीटर को वन सेंटीमीटर के बराबर माना है सो लेंथ एक्चुअल क्या होगी बाउंड्री ए की थर्टी किलोमीटर क्योंकि थर्टी सेंटीमीटर था इसलिए एक्चुअली वो थर्टी किलोमीटर के बराबर होगी सच में क्लियर हुआ यानी किलोमीटर की बाउंड्री में ये जो लेक ए है ये बसी हुई है थर्टी किलोमीटर बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है सो so, किलोमीटर हो गया आंसर सी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर डी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बताइए जरा हमको डी क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग इज द एक्चुअल बाउंड्री ऑफ लेक बी यानी लेक बी की एक्चुअल बाउंड्री कितनी है तो हमने देखा था कि लेक बी जो है वो 25 सेंटीमीटर की थी यानी कि 25 किलोमीटर सच में है बहुत इजी स्केल है यहाँ का तो कि जितने सेंटीमीटर उतना ही किलोमीटर आ रहा है तो हम आंसर लिखेंगे द स्केल इज वन सेंटीमीटर बराबर वन किलोमीटर यानी कि यहाँ जो हमने स्केल लिया है यहाँ हमने एक सेंटीमीटर की दर्शाई हुई चीज एक्चुअल में वो किसके बराबर है वन किलोमीटर के बराबर है सो लेंथ ऑफ एक्चुअल बाउंड्री ऑफ अ लेक यानी कि सच में जो लेंथ होगी बाउंड्री की लेक बी की वो क्या होगी ट्वेंटी फाइव पर आ जाओ क्वेश्चन e हमसे क्या कह रहा है आइए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर ई बोल रहा है अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग यानी की जो बड़ी सी बाउंड्री होगी यानी कि जिसकी बाउंड्री ज्यादा बड़ी होगी इस लेक में वो लेक जो है बर्ड्स के लिए ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि जो बर्ड्स हैं जो अलग अलग तरह की बर्ड्स लेक के किनारे रहती हैं वो अपने एग्स यानी कि जो अंडे हैं वो वहीं लेक के किनारे ही नेस्ट बनाएंगी तो वहीं रखेंगी तो इसीलिए ज्यादा बाउंड्री होगी तो ज्यादा जगह होगी उनको एग रखने में ज्यादा बर्ड्स वहां बैठ पाएंगी तो वही बोला है कि अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक यानी कि ऐसी लेक जिसमें ज्यादा लंबी बाउंड्री हो है ना ज्यादा बैठने की जगह हो कॉर्नर्स पे विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग वो किसमें अच्छा रहेगा बर्ड्स के लिए ताकि वो ज्यादा एग्स ले कर पाएंगी ज्यादा बर्ड्स वहां पे एग रख पाएंगी अपने सो लेक शुड बी कैप्ट फॉर बर्ड तो बताइए आप कौन सी लेक बर्ड्स के लिए हमें रखना चाहिए विच लेक शुड बी यूज फॉर बोट्स और कौन सी बोट के लिए यूज करना चाहिए तो हमने अभी देखा कि लेक ए की बाउंड्री कितनी आई थी 30 किलोमीटर और लेक बी की आई थी 25 किलोमीटर अब ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जिसकी बड़ी बाउंड्री होगी वो ज्यादा अच्छी है बर्ड्स के लिए वो ज्यादा बर्ड्स आके वहां एक्ट आक दे पाएंगी उससे और ज्यादा बर्ड्स मिलेंगे हमको है ना तो जब जो ज्यादा बाउंड्री अच्छी है तो ज्यादा बाउंड्री वाली तो लेक ए है तो लेक ए बर्ड्स के लिए रख दो और जो बर्ड्स के लिए नहीं है वो बोट्स के लिए होगी यानी कि जो बी लेक है उसको आप बोर्ड्स के लिए अलॉट कर दो तो आंसर क्या लिखोगे आप आंसर लिखोगे द बाउंड्री अराउंड द लेक ए इज मोर देन द बाउंड्री अराउंड द लेक बी आंसर लिखना है आपको कि जो बाउंड्री है लेक ए के आसपास की वो मोर है यानी कि ज्यादा है किससे देन द बाउंड्री अराउंड द लेक बी लेक बी की बाउंड्री से ज्यादा है लेक ए की बाउंड्री आगे दिया है सो लेक ए शुड बी कैप्ट फॉर द बर्ड्स एंड लेक बी शुड बी यूज फॉर बोट्स तो लेक ए किसके लिए रखना चाहिए हमको बर्ड्स के लिए रख लेना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा बड़ी है और लेक बी किसके लिए रखना चाहिए हमको बोट्स के लिए रखना चाहिए क्लियर हुआ ये हो गया आंसर अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन एफ भी है अभी तो चलो देखते हैं एफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे सो क्वेश्चन नंबर एफ बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्रॉइंग एन स्क्वेयर सेंटीमीटर वॉट इज द एक्चुअल एरिया एन स्क्वेर किलोमीटर अब हमें अभी तो हमने बाउंड्री की लंबाई देखी थ्रेड से फाइंड कर ली थी इजीली है ना पैरामीटर हो गया अब हमको क्या बताना है लेक बी का एरिया बताना है अब देखो लेक बी का एरिया कैसे पता चलेगा ये देखो ये है हमारी लेक बी इसका एरिया बताना है मेरे को कि इसका एरिया कितना होगा अब आप देख सकते हो कि इस टाइप की एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते थे या तो स्क्वायर हो तो जितने स्क्वायर उतना एरिया है ना यही करते थे तो इसमें भी हमें वही करना है कि इस लेक के अंदर जितने स्क्वायर्स हैं उतने स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया हो जाएगा यहाँ पे एक स्क्वायर एक सेंटीमीटर का है अगर तो जितने स्क्वायर तो यह है ये ऐसे अलग से शेप की है कि पूरे पूरे स्क्वायर नहीं है कहीं कहीं स्क्वायर कट गए हैं तो पहले हम गिन लेते हैं कि कंप्लीट स्क्वायर इसमें कितने हैं है ना तो चलो ये देखो मैं इसकी बाउंड्री को थोड़ा सा क्या कर देती हूँ लाउड कर देती हूं ताकि आप भी इसको अच्छे से देख पाओ तो ये है इसकी बाउंड्री सो so, हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि टोटल कंप्लीट स्क्वायर इसमें कितने हैं कंप्लीट स्क्वायर कितने हैं देखिए जरा सो so, वन ये है हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9, 10, इलेवन और है क्या ये ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन ठीक है पंद्रह या सोलह स्क्वेयर्स के करीब हमारे पास क्या है टोटल बड़े स्क्वायर्स अच्छा यहाँ बड़ी फोटो दी है इस फोटो में कैलकुलेट करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा ऑलमोस्ट हमारे पास कितने स्क्वेयर्स आ गए थे फिफ्टीन है ना यहाँ देखो पहले मैं बाउंड्री बना देती हूँ एक बार आप भी ऐसा ही कर लेना इसमें जो लाइंस दी हैं वो बहुत छोटी पतली पतली दी हुई हैं ये देखिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं अपन ठीक अब हम पूरे पूरे स्क्वायर देख लेते हैं कितने जितने स्क्वायर्स होते हैं उतना ही स्क्वायर सेंटीमीटर का एरिया होता है ऐसे ही पर देखते थे हम है ना तो चलो यहां गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पंद्रह देखो पूरे पूरे हैं एग्जैक्ट कुछ भी नहीं कटा उनमें से फिफ्टीन स्क्वायर कैसे हैं पूरे कंप्लीट हैं अगर फिफ्टीन स्क्वायर आपके क्या है कंप्लीट हैं और एक स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है एक स्क्वायर आपका एक सेंटीमीटर का अगर हम लें तो उसका एरिया क्या हो जाएगा वन सेंटीमीटर स्क्वायर तो फिफ्टीन स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अब देखते हैं बाकी और कितने बचे अब आधे आधे से ज्यादा देखते हैं कि हाफ से ज्यादा वाले कितने स्क्वायर्स हैं है ना तो देखो जहां ये देखो हाफ से ज्यादा है ये ऑलमोस्ट हाफ़ है ये हाफ से ज़्यादा है तो दो हो गए हमारे ये हाफ से ज़्यादा है तीन हो गए है ना तो वन टू थ्री और फोर ये भी हाफ से ज़्यादा है ये भी हाफ से ज़्यादा है फाइव और हमारा और कोई है क्या ये हाफ से ज़्यादा है सिक्स ये सेवन और ये एट तो आठ जो स्क्वेयर्स हमको दिख रहे हैं वो हाफ से ज्यादा दिख रहे हैं यानी कि आधे से ज्यादा uh, स्क्वायर है वहां पर है ना तो हाफ से ज्यादा को भी हम पूरा ही मान लेंगे ऑलमोस्ट ठीक है ये मान के चलेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एट स्क्वायर्स जो हैं वो मोर देन हाफ है आधे से ज्यादा है तो उनको हम फुल ही मान लेंगे मोर देन हाफ है तो हम उनको फुल मान के ही चलेंगे तो इनका एरिया क्या हो जाएगा एट सेंटीमीटर स्क्वेयर के ही बराबर आ जाएगा अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आधे से कम कितने हैं तो कितने बच्चे अब हमारे पास देखिए यहाँ पे वन टू थ्री तीन स्क्वेयर हमारे पास ऐसे बच रहे हैं जो क्या है आधे से भी कम है तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे आधे से कम या आधे मान लो तो थ्री का आधा कर देंगे हम ठीक है तो थ्री स्क्वायर्स जो है हाफ है मान लो तो एक स्क्वायर अगर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का है तो आधा स्क्वायर आधे सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा तो तीन अगर है आधे आधे तीन स्क्वायर्स हैं लेकिन तीनों कैसे है हाफ हाफ है हाफ हाफ ही हमारे इस फोटो के अंदर आ रहे हैं पूरा स्क्वायर नहीं आ रहा तो एक अगर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो आधे का आधा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका भी आधा सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आधा सेंटीमीटर स्क्वायर आधा और आधा मिला के एक हो जाएगा और ये आधा और बचेगा यानी कि वन एंड अ हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया इसका हो जाएगा तो हमने देखा हमें क्या क्या मिल गया ये देखो फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया एट सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया वन एंड ए हाफ सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया तो टोटल कितना हुआ देखो एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फोर वन कैरी वन और वन टू ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें क्या मिल गया है एरिया मिल गया है क्लियर हुआ तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आप लिख देना पंद्रह हमारे पास पूरे पूरे स्क्वायर्स हैं तो उनका फिफ्टीन सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आठ आधे से ज्यादा है तो उनको हमने पूरा मान लिया तो एट सेंटीमीटर स्क्वायर और तीन हाफ या हाफ से कम है सॉरी तीन हाफ या हाफ से कम है तो उसको हमने थ्री का आधा ले लिया दैट इज वन एरिया क्लियर हुआ तो ये ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर आगे बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट दिया हुआ है किंग्स स्टोरी अब किंग्स स्टोरी क्या है कैसे हमें किंग की स्टोरी किंग मतलब क्या होता है राजा होता है किंग का मतलब होता है राजा और क्या है राजा की कहानी वो हमको बिल्कुल पढ़नी है सो so ये जो किंग्स की स्टोरी है ये गिवन है आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 157 पर अब ये जो स्टोरी है वो किस राजा के बारे में है कहाँ का है ये राजा और इसकी क्या स्टोरी दी है मेरे को तो राजा रानी वाली स्टोरी पढ़ने में बहुत ही मजा आता है पर यहाँ पे क्या स्टोरी है उस स्टोरी से हमको क्या सीखने मिलेगा मोरल ऑफ द स्टोरी जो हम कहते हैं है ना कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है तो इन सब बातों को हम पढ़ने वाले हैं दिया हुआ है द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द कार्पेंटर्स छेगू एंड अनार दो क्या नाम मतलब ऐसे नाम रखते ना कि हंसी आ जाती है छेगू अब ये छेगू कैसा नाम होता है है ना अनार अब अनार तो वो होता है बमोग्रैनी टाइगर्स है ना जिसको हम खाते हैं नाम है किसी का अनार चलो ठीक है अपन जिसने रखा अच्छा ही नाम है बट मैं बस बता रही हूँ थोड़ा सा वियर्ड सा है सो so, यहाँ लिखा हुआ है द किंग वॉज वेरी हैप्पी जो किंग था राजा था वो बड़ा ही खुश था जिस राजा की हम कहानी पढ़ने वाले हैं आज ये रहा वो राजा देखिए ये बैठा हुआ है अपने सिंहासन पर अपने बेड पर तो वो ये क्या है बड़ा ही देखो निकाल निकालकर हंस रहा है यानी कि ये जो राजा है किंग है वो बहुत खुश है सो so, लिखा है किससे खुश है विथ कारपेंटर्स छेगू एंड अनार छेगू और अनार नाम के दो कारपेंटर्स थे उनसे बहुत खुश है वो लिखा है दे वेरी बिग एंड ब्यूटिफुल बेड फॉर हिम क्योंकि उन्होंने छेगू और अनार कारपेंटर ने क्या किया बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा बेड बना के दिया है किसके लिए किंग के लिए ये देखिए किंग जिस बेड पर बैठा है कितना कलरफुल है डिजाइन है कितनी अच्छी अच्छी इनफैक्ट यहाँ पे यहाँ बेड के ऊपर शेर का भी एम्बलम जैसा बना हुआ है तो बिल्कुल बहुत ही सुंदर रॉयल सा बेड बनाकर दिया है छेगु और अनार नाम के कारपेंटर्स ने किंग कारपेंटर समझ गए ना कौन होते हैं लकड़ी का काम करने वाले लोगों को हम कारपेंटर कहते हैं राइट लकड़ी का बैड बनाया एंड सो सो ऑन आगे लिखा है सो किंग वॉन्टेड टू गिफ्ट सम लैंड टू छेगू एंड सम टू अनार तो गिफ्ट के तौर पे मतलब कि किंग बहुत खुश हुआ कि छेगू और अनार ने मेरे लिए कितना सुंदर और बहुत ही बड़ा बैड बनाकर दिया है तो किंग जब खुश होता है राजा जब खुश होता है तो वो लोगों को गिफ्ट देता है है ना राजा के पास तो बहुत पैसा होता है सो so, लिखा है कि वो जो किंग है वो कुछ गिफ्ट देना चाहता था किसको लैंड यानी कि कुछ जमीन देना चाहता था छेगू को और गोल्ड यानी कि सोना देना चाहता था अनार को सो so, कैसे देना चाह रहा है वो देखिए छेगु वॉज हैप्पी छेगू बहुत खुश हुआ He took 100 meters of wire and tried to make different rectangles. क्या हुआ छेगु बहुत खुश हुआ और किंग यहाँ पे देखो किंग यहाँ बोल रहा है एक्चुअली फिर समझ में आएगा आपको किंग बोल रहा है किंग बोल रहा है कि छेगु मैं तुमसे इतना खुश हूं कि ये सौ मीटर का वायर लो और इस वायर के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा लैंड यानी की जमीन आ सकती है उतनी जमीन मेरे तरफ से तुमको क्या मिलने वाली है एज अ गिफ्ट मैं तुमको दूंगा आगे देखिए क्या लिखा है uh, तो ही तो उसने वो हंड्रेड मीटर का वायर ले लिया और उससे अलग अलग तरह के रेक्टैंगल्स बना के देखने लगा वो कि जितना बड़ा रेक्टेंगल बनाऊंगा उतनी ज्यादा जमीन मुझे मिलेगी और सौ मीटर का वायर छोटा वायर नहीं होता काफी बड़ा वायर होता है दैट मीन्स कि जैसे एक सेंटीमीटर इतना सा होता है एक सौ सेंटीमीटर कर दो तो क्या बन जाता है एक मीटर ऑलमोस्ट इतना एक मीटर नहीं हम बात कर रहे हैं कितने सौ मीटर यानी इतने इतना सौ मीटर सौ इतना इतने, इतने सौ वायर एक एक मीटर के पूरा सौ मीटर का लंबा वायर बनाएंगे सोचो काफी बड़ा वायर होगा वो तो उस वायर से वो अलग अलग रेक्टेंगल के शेप बना रहा है कि उस शेप में क्या मिल जाएगा उसको जमीन मिल जाएगी सो ही में टेन मीटर इंटू फोर्टी मीटर रेक्टेंगल इट्स एरिया वॉज फोर हंड्रेड मीटर सबसे पहले उसने कैसा रेक्टेंगल बनाया ही मेड बाय मीटर रेक्टेंगल रेक्टेंगल उसने एक ऐसा बनाया जिसकी लेंथ ऑफ क्या थी टेन और फोर्टी जो ज्यादा होगी वो लेंथ होगी जो कम होगी वो व्रथ होगी सो फोर्टी मीटर क्या हो जाएगी लेंथ यानी कि लंबाई और दस मीटर क्या हो जाएगी व्रथ यानी कि चौड़ाई यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल इसने बनाया 40 मीटर लेंथ है उसकी और 10 मीटर क्या है ब्रेथ है ठीक तो इसका एरिया क्या होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ यानी 40 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो कितना आ रहा है एरिया 400 स्क्वायर मीटर तो अगर वो ये वाला बोलता है कि लो मैंने इतनी जमीन करी है यानी कि उसको 400 मीटर स्क्वायर की जमीन इतनी जमीन उसके नाम पर कर दी जाएगी गिफ्ट के तौर पर फिर ही नेक्स्ट मेड मीटर रेक्टेंगल उसको लगा ये तो बहुत कम जमीन मिल रही है मेरे को तो अब उसने क्या किया अब उसने थर्टी लेंथ और ट्वेंटी मीटर की वृत्त का रेक्टेंगल बनाया यानी कि अब जो सेकेंड उसने रेक्टैंगल बनाया उसकी लेंथ थोड़ी कम कर दी यानी अभी चालीस मीटर लंबा था वो अब उसको कम करके कितना कर दिया थर्टी मीटर की लंबाई कर दी और 30 30 कितना हो गया 60 मीटर हो गया अब कितना बचा 40 तो 20 20 मीटर की क्या कर दी उसने उसको चौड़ा कर दिया तो ऐसे 100 मीटर का वायर भी कंप्लीट हो गया तो अब इसका एरिया क्या होगा लेंथ विड्थ 30 20 कितना होगा 3 2 6 और दो जीरो यानी कि 600 मीटर स्क्वायर का एरिया पहले 400 मीटर स्क्वायर का एरिया मिल रहा था इस रेक्टेंगल को बनाया था जब उसने 40 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा तो एरिया कम था जब उसने 30 मीटर लंबाई करी और 20 मीटर उसे चौड़ा किया तब एरिया थोड़ा सा बढ़ गया यानी कि अगर वो ये दूसरा वाला बोलता है किंग से <coughs> तो सॉरी इसके कंपैरिजन में यहां पे फायदा हो जाएगा यानी कि पहले 400 स्क्वायर मीटर्स की जमीन उसको मिलती अब 600 स्क्वायर मीटर्स की जमीन मिल रही है तो क्या और भी बड़ा रेक्टेंगल बन सकता है किंग ने तो बोल दिया इस 100 मीटर के वायर के अंदर जितना एरिया आ सकता है उतना तुम ले लो तो वो बता देगा कि देखो ये एरिया मेरे को चाहिए ये देखो 100 मीटर के अंदर आ रहा है किंग तो खुशी खुशी दे देगा पर वो अब ट्राई कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मिल जाए है ना तो चलो देखते हैं इसके बाद उसने और क्या ट्राई किया तो देखो लिखा है वॉट इज इट्स एरिया इज इट मोर देन फर्स्ट रेक्टेंगल यानी कि जो दूसरा रेक्टेंगल बनाया उसका क्या एरिया था कि रेक्टेंगल so, yes, पहले रेक्टेंगल का एरिया फोर हंड्रेड स्क्वायर आ सारा था सेकेंड का 600 हंड्रेड है सिक्स बड़ा है 400 से यानी कि जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उससे ज्यादा एरिया मिलेगा उसको सेकेंड रेक्टेंगल अगर वो दिखाएगा तो आगे दिया है वट अदर रेक्टेंगल्स कैन ही मेक विथ हंड्रेड मीटर्स ऑफ वायर यानी कि और कौन कौन से रेक्टेंगल्स हैं कितनी लेंथ हो कितनी वृथ हो ऐसे रेक्टेंगल्स बताओ और जिससे वो क्या है हंड्रेड मीटर्स के वायर से वो बन पाए डिस्कस विच ऑफ दीज रेक्टेंगल विल हैव बिगेस्ट एरिया और बताओ सबसे ज्यादा एरिया इनमें से कौन से रेक्टेंगल का होगा तो देखते हैं हम हमने एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम कौन सा फाइव इंटू फोर्टी फाइव मीटर यानी कि अब हम एक ऐसा रेक्टेंगल बना देते हैं जिसकी लंबाई कितनी है 45 मीटर तो 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 मीटर का वायर और 10 मीटर बचेगा तो 5 मीटर की चौड़ाई इस तरफ कर दो 5 मीटर की चौड़ाई इस तरफ यानी ऐसे में अगर वो लैंड ले तो 5 इंटू फोर्टी फाइव दैट इज टू स्क्वायर मीटर्स की जमीन मिलेगी ये तो बहुत कम हो गई इससे अच्छा तो उसने ही बना लिया था 400 और 600 स्क्वायर मीटर्स पर हमने से तो बोला था कि और कौन कौन से बन सकते हैं तो हम सारे बता देंगे और क्या कर सकता है वो फिफ्टीन क्रॉस थर्टी फाइव का बना सकता है यानी कि अब वो लेंथ रख सकता है थर्टी फाइव मीटर्स की और व्रथ कितनी लग सकता है वो फिफ्टीन मीटर्स की यानी अब ऐसा एरिया हम ले सकते हैं ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसकी लंबाई 35 मीटर यानी कि थर्टी फाइव मीटर्स हो और व्रथ यानी कि चौड़ाई कितनी हो 15 मीटर के बराबर हो तो अब इसका एरिया कितना होगा 35 को 15 में मल्टीप्लाई करके देखो लेंथ इनटू ब्र कितना आएगा? 35 फाइव मल्टीप्लाइड फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव का फाइव यहां रखेंगे टू कैरी फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन और टू कितना हो जाएगा सेवनटीन ये क्रॉस वन इंटू फाइव फाइव वन इन टू थ्री थ्री एड कर लो ये मीटर अभी भी उनसे तो कम ही है छे सौ से कोई और ट्राई करो ट्वेंटी फाइव क्रॉस ट्वेंटी फाइव का बनाओ ट्वेंटी फाइव का कैसा होगा कि जिसकी लेंथ भी ट्वेंटी फाइव मीटर हो और वृत्त भी 25 मीटर हो ऐसा कैसा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और वृत्त तो सेम है अरे लेंथ और वृत्त सेम है तो ये क्या बन गया ये बन गया स्क्वायर यानी कि अगर वो इस तरीके का शेप बनाए स्क्वायर शेप जिसकी चारों साइड कौन सी हो लेंथ वृत्त सब सेम 25 25 मीटर की हो तो 25 प्लस 25 50 25 25 50 50 और 50 100 100 मीटर के वायर से एक ये भी शेप बन सकता है एरिया अगर हम निकालें तो लेंथ इंटू ब्रेथ या फिर साइड इंटू साइड स्क्वायर मीटर्स यानी कि ये आ रहा है ज्यादा ये तो उससे भी ज्यादा आ रहा है उसने 400 और 600 स्क्वायर मीटर्स के बनाए थे हमने 600 से थोड़ा सा और ज्यादा कर दिया 625 यानी कि अगर इस ऐसा स्क्वायर शेप का अगर वो लैंड लेता है तो स्क्वायर शेप के इस लैंड में उसको सबसे ज़्यादा फिलहाल क्या मिलने वाला है उसको सबसे ज़्यादा एरिया का लैंड मिलने वाला है इसके अलावा कितने भी रेक्टेंगल्स बना लो उनमें इसको 600 या 600 से कम ही मिल रहा है 600 से ज़्यादा कहाँ मिल रहा है जब हमने ये शेप कैसा कर दिया स्क्वायर कर दिया तो हम क्या लिखेंगे द स्क्वायर विल हैव द बिगेस्ट एरिया यानी कि जो स्क्वायर होगा उसका ही सबसे ज्यादा एरिया होने वाला है इन रेक्टेंगल्स में अदरवाइज और किसी रेक्टेंगल का सबसे ज्यादा सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी फाइव से ज्यादा एरिया नहीं आएगा सो so, देखते हैं आगे फिर क्या हुआ लिखा है यहाँ पे छेगूज वाइफ आज टू मेक अ सर्कल विद द वायर छेगु की जो वाइफ थी यानी कि जो बीवी थी उसकी तो वाइफ तो वैसे ही बहुत स्मार्ट होती हैं ये मैंने देखा है हस्बैंड से ज़्यादा स्मार्ट वाइफ ही होती हैं आपकी भी देखना आपके मम्मा पापा में से ठीक है सब में अच्छे सब इंटेलिजेंट होते हैं पर मम्मा को भी कभी कभी इतने अच्छे आइडिया आ जाते हैं ना कि जो पापा को भी आइडिया नहीं आ पाते आप खुद देखना अपनी लाइफ में तो वो जो छेगु था उसकी भी जो वाइफ थी छेगु की वाइफ ने उसको बोला कि अरे स्क्वायर और रेक्टेंगल क्यों बना रहे हो सर्कल शेप बनाओ मतलब कि अभी तक तुम जो उस 100 मीटर के वायर से बना रहे हो वो आप इस तरीके से रेक्टेंगल शेप बना रहे हो या फिर इस तरीके से स्क्वायर शेप बना रहे हो अभी तक आपने सर्कुलर शेप तो ट्राई किया ही नहीं रेक्टैंगल में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना मिला 600 स्क्वायर मीटर इसमें कितना मिला सिक्स स्क्वायर मीटर है ना तो रेक्टेंगल में 600 स्क्वायर मीटर का ज्यादा एरिया था स्क्वायर में 625 इतना ही एरिया अभी तक आपको मिला है 100 मीटर के वायर से इससे भी ज्यादा आप कुछ कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो छेगु की वाइफ ने कहा सर्कल बना के देखो एक बिल्कुल गोल आकार में इसको रखो 100 मीटर के वायर को और फिर देखो कि कितना एरिया उसके अंदर आ रहा है तो शी 800 स्क्वायर मीटर उसकी वाइफ को पता था कि अगर 100 मीटर के वायर से हम एक सर्कल बनाए एक गोला बनाए गोलाकार बनाए तो इसका एरिया कितना होगा 800 हंड्रेड स्क्वायर मीटर्स का एरिया होगा तो छेगु की वाइफ तो बहुत इंटेलिजेंट निकली छेगु नहीं तो ये स्क्वायर वाला बना के 625 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लेता गिफ्ट में पर उसकी वाइफ ने सर्कल बनवाया होगा तो अब उसने कौन सा एरिया लिया होगा ये 800 स्क्वायर मीटर वाला एरिया उसने बोला होगा किंग से कि देखो हंड्रेड मीटर का वायर मैंने ऐसे जमाया इसमें आठ मीटर स्क्वायर का एरिया आ रहा है तो अब आप आठ स्क्वायर मीटर की जमीन मेरे नाम पर कर दो काफी बड़ी जमीन होती है 800 स्क्वायर मीटर की सो so, पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन बताइए कि चेगु ने को चूज़ क्यों नहीं, तो नहीं चूज किया होगा रेक्टेंगल को क्योंकि ऐसा कोई भी रेक्टेंगल था ही नहीं ना स्क्वायर था जिसने 800 स्क्वायर मीटर का एरिया दिया हो सबने काफी कम ही दिया था सिक्स हंड्रेड सिक्स आठ सौ तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे हम यानी कि इसीलिए उसने रेक्टेंगल स्क्वेयर्स को चूज ना करके क्या चूज किया होगा सर्कल तो आप आंसर लिखोगे बिकॉज नन ऑफ द रेक्टेंगल विल हैव एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स क्लियर हुआ आगे बढ़ते हैं यहाँ देखिए कौन क्या बात कर रहा है ये किंग है ये छे है ये क्या बात कर रहे हैं अच्छा उसकी वाइफ से भी बात हो रही थी हम देखते हैं अच्छा उसकी वाइफ कह रही थी आई वॉन्ट अच्छा वाइफ नहीं वो छेगु कह रहा था आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ लैंड इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 हंड्रेड मीटर्स छेगु ने कहा मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए उसने किंग से बोला होगा मुझे ये हिस्सा चाहिए जमीन का क्योंकि ये जो है 100 मीटर्स के वायर में 800 हंड्रेड स्क्वायर मीटर्स का एरिया क्या कर रहा है कवर कर रहा है सो so, देखो अब इन दोनों के बीच क्या बातें हो रही हैं लिखा हुआ है ओके okay. चेगु हैज टेकन 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड यानी कि छेगु ने कितनी जमीन ले ली 800 स्क्वायर मीटर्स की जमीन ले ली है अनार नाउ आई विल गिव यू एज़ मच गोल्ड वायर व्हिच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड विद एन एरिया 800 स्क्वायर मीटर्स अब अनार के लिए कुछ और शर्त रखी छेगु को जमीन दे दी 800 स्क्वायर मीटर्स अब अनार ने भी तो हेल्प की थी बेड बनाने में किंग का उसको गोल्ड देना था किंग को किंग ने कहा था छेगु को हम कुछ जमीन देंगे वो जमीन कैसे देंगे जो हंड्रेड के के मीटर अंदर -अंदर आए है ना उतना एरिया की जमीन दे देंगे और इसको क्या बोला है यहाँ पर यहाँ पर दूसरे अनार नाम के कारपेंटर को बोला है कि नाउ आई विल गिव यू एज मच गोल्ड मैं तुम्हें उतना गोल्ड का वायर दूंगा यानी कि सोने का तार दूंगा मैं कितना विच कैन मेक अ बाउंड्री फॉर लैंड थ एरिया ऑफ 800 हंड्रेड स्क्वायर मीटर्स यानी कि ऐसा जमीन जो 800 सौ स्क्र मीटर्स की हो कोई भी हो अब वो रेक्टेंगल हो सर्कल हो स्क्वायर हो हो वो नहीं मतलब उसका एरिया 800 सौ स्क्वायर मीटर होना चाहिए उस जमीन का जो बाउंड्री होगी यानी कि जो पैरामीटर होगा उस पैरामीटर के बराबर मैं तुम्हें क्या दे दूंगा गोल्ड का वायर दूंगा गोल्ड यानी सोने का तार सोना तो वैसे ही बहुत महंगा होता है तो चलो अब देखते हैं कि अनार ने क्या क्या ट्रिक लगाई होंगी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड का वायर पाने के लिए उसको अब कुछ इस तरह की लेंथ और चाहिए होगी ताकि उसको मल्टीप्लाई करके हमें कितना एरिया एट हंड्रेड स्क्वायर मीटर्स मिले पर बाउंड्री ज्यादा से ज्यादा बड़ी हो उसके एड करने पर ज्यादा वायर मिले क्योंकि अब एरिया से हमें मतलब नहीं है बाउंड्री ज्यादा होना चाहिए तो चलो देखते हैं कि अनार ने कैसे कैसे सॉल्व किया सो so, लिखा है सो अनार ऑल्सो ट्राइड मेनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 हंड्रेड स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड तो अनार ने भी बहुत अलग तलग तले अलग अलग तरह के तरीके अपनाए किस चीज के लिए बाउंड्री बनाने के लिए किसकी बाउंड्री बनाने के लिए 800 स्क्वायर मीटर जमीन की जितनी बाउंड्री होगी इसकी उतना वायर उसको मिलेगा सो so, सबसे पहले ही मेड अ रेक्टेंगल ए बी एंड सी ऑफ डिफरेंट साइजे तीन रेक्टेंगल्स अलग अलग साइज के बनाए एक रेक्टेंगल ए था बी था और सी थाउंड है, है वो कितनी आ रही है हाउ मच गोल्ड वायर विल ही गेट फॉर दीज रेक्टेंगल्स और ये जो ए बी और सी रेक्टेंगल्स है उनके लिए जो गोल्ड वायर है उसको कितना मिल सकता है यानी कि उनकी कितनी बाउंड्री होगी वो हमको क्या करना है बताना है सो देखिए वेरी फर्स्ट जो हमको रेक्टेंगल दिया हुआ है वो जो रेक्टेंगल है कितना है 40 क्रॉस 20 मीटर्स का है यहाँ पर हमको बताया है रेक्टैंगल 40 मीटर क्रॉस 20 मीटर इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि 40 मीटर लेंथ है इसकी और 20 मीटर क्या है वृथ है तो अगर यहाँ पे गोल्ड वायर ए कितने मीटर्स का है कैसे पता चलेगा हमको तो हम लिखेंगे एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शोन एज ये जो है एरिया दिखाया गया है इस ए का, 40 मीटर मीटर क्रॉस 20 से एरिया मिलेगा हमको तो ये हमें क्या बताता है कि लेंथ इसकी 40 मीटर है और व्रथ कितनी है 20 मीटर लेंथ इन टू व्रथ करके तो एरिया मिलता है तो हम लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल यानी कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है लंबाई है वो कितनी दी हुई है 40 मीटर के बराबर दी हुई है वही ऑफ द रेक्टेंगल यानी इस रेक्टेंगल की कितनी चौड़ाई है कितना चौड़ा है ये रेक्टेंगल 20 मीटर के बराबर तो 40 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है तो हम क्या लिखेंगे गोल्ड वायर फॉर ए ए के लिए गोल्ड वायर कितना मिलेगा इसकी बाउंड्री के बराबर बाउंड्री यहां से यहां तक फोर्टी यहां से यहां तक फोर्टी मीटर फिर यहां से आता 20 मीटर और यहां से आता 20 मीटर तो फाइनल आंसर हमारा टोटल कितना होगा 40 प्लस फोर्टी 80 90 100 110 120 ट्वेंटी यानी कि चारों साइड्स को हम क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो 40 जीरो फोर्टी प्लस ट्वेंटी फोर्टी ट्वेंटी इसी तरीके से बाउंड्री की लेंथ निकालते हैं हम तो टोटल कितना आएगा 120 हंड्रेड मीटर्स के बराबर आएगी इसकी बाउंड्री यानी कि 120 मीटर लंबा इसको गोल्ड वायर मिलेगा अगर वो ये वाला बताता है कि 40 मीटर इंटू ट्वेंटी मीटर वाले लैंड की बाउंड्री इतनी हो रही है 120 मीटर की तो मेरे को 120 मीटर लंबा सोने का तारा दे दीजिए आगे देखते हैं सिर्फ एक से ही तो मन भरेगा नहीं उसने एक और रेक्टेंगल बनाया है रेक्टेंगल बी देखिए ये जो रेक्टैंगल बनाया है उसने 80 मीटर इंटू टेन मीटर का बनाया यानी कि 80 मीटर जिसकी लेंथ हो और 10 मीटर क्या हो वृथ हो तो इसको कैसे लिखेंगे हम कि एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी इज शोन एज 80 मीटर इंटू टेन मीटर हमें बताया गया है इसका एरिया लेंथ तो यानी कि ये क्या होगी इसकी लेंथ और ये व्रत तो लेंथ हो गई रेक्टेंगल की एटी मीटर्स व्रथ हो गई रेक्टेंगल की 10 मीटर्स तो इसका जो uh, मैं बोल सकती हूँ बाउंड्री की लंबाई है कितनी होगी यहां से यहां तक 80 यहां से यहां तक 80 तो 80 प्लस 80 तो यहां 10 यहां 10 तो 10 प्लस 10 चारों को जोड़ देंगे चारों तरफ को तो उसकी बाउंड्री मिल जाएगी हमको तो देखो 80 प्लस 10 90 80 प्लस 10 90 90 और 90 100 एड मीटर्स तो अगर वो इस तरह का रेक्टैंगल बना के देता है 800 स्क्वायर का तो उसकी बाउंड्री कितनी मिलने वाली है उसको उसकी बाउंड्री उसको मिलेगी 180 मीटर्स के बराबर पहले से ज्यादा है क्या देखते हैं पहले की कितनी आई थी बाउंड्री 120 आई थी यहां पे ये कितने का था 120 मीटर्स का वायर मिलता उसे इस रेक्टेंगल में पर इस दूसरे रेक्टेंगल में उसको कितना मिलेगा 180 मीटर्स काफी ज्यादा है पहले से है ना 120 से 180 ज्यादा होगा तो यानी कि वो ये रेक्टेंगल बता सकता है पर अब उसकी जो ग्रीड है वो बढ़ गई होगी कि हो सकता है इससे और ज्यादा वायर मिल जाए मुझे तो चलो देखते हैं नेक्स्ट उसने कौन सा सी जो रेक्टेंगल बनाया उसका क्या है बाउंड्री तो ये जो रेक्टेंगल बनाया उसने 800 मीटर 1 मीटर का बनाया यानी कि इसकी लंबाई लेंथ जो है वो कितनी रखी लेंथ इसकी रखी 800 मीटर और ब्रेथ रखी 1 मीटर 800 मीटर लंबा है और 1 मीटर ही सिर्फ चौड़ा होगा तो कितना होगा वो 800 प्लस 800 1 1 तो पैरामीटर क्या आएगा दो बार लेंथ और दो बार ब्रेथ को जोड़ेंगे तो 800 और 800 1600 और टू तो सिक्सटीन हंड्रेड टू जाता है टू मीटर वन थाउजेंड मीटर हंड्रेड टू मीटर का वायर बहुत लंबा वायर हो जाएगा यानी कि उसको तो बहुत ज्यादा गोल्ड मिलने वाला है अगर वो ऐसे बताता है तो एरिया तो वही हो रहा है 800 हंड्रेड इंटू वन एट मीटर पर फिर से क्या कोई और भी तरीका है जिससे और ज्यादा मिल जाए तो सी के बाद उसने एक और डी बनाया डी में क्या किया उसने 800 मीटर की लंबाई 8000 मीटर 8000 थाउजेंड मीटर्स की लेंथ रखी और 0.1 पॉइंट मीटर्स की क्या रखी वृत्त मतलब की चौड़ाई रखी यानी पॉइंट वन मीटर चौड़ा है एक मीटर इतना होता है अगर एक मीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड करूं तो उसका एक हिस्सा होगा 0.1 पॉइंट तो 0.1 मीटर वो क्या है इसकी रेक्टैंगल की और 800 मीटर क्या है वो लेंथ है तो इसका क्या होगा पैरामीटर तो लेंथ प्लस लेंथ 8000 प्लस 8000 और व्रथ प्लस व्रत 8000 प्लस 8000 क्या हो जाएगा 16000 और ये पॉइंट वन प्लस पॉइंट वन पॉइंट टू तो अब क्या आ गया थाउजेंड सोलह हजार मैं बोल सकती हूँ मीटर्स के बराबर उसको सोने का तार यानी कि गोल्ड का वायर क्या होगा मिलेगा पहले से ज्यादा है क्या पहले सिक्सटीन हंड्रेड था पहले एक हजार सौ दो था वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड टू और एक हजार से सीधा कहाँ पहुंच गया सोलह हजार तक सिक्सटीन थाउजेंड तक यानी कि ये वायर बहुत 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 ही ज्यादा होने वाला है इतना लंबा सोने का तार अगर किसी के पास है सोलह हजार मीटर्स लंबा तो वो तो खुद ही माला माल होने वाला है वो खुद राजा बन जाएगा मतलब राजा अगर अनार को इतना वायर दे दे सोने का तो अनार को फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं है वो खुद ही क्या बन जाएगा किंग बन सकता है इतना कॉस्टली गोल्ड है उसमें इतना सारा वायर उसको देना पड़ेगा पर क्या यहाँ पे 800 हंड्रेड मीटर्स का एरिया हो रहा है लेंथ और व्रथ मिला के हमको एरिया वही रखना था तो देखो 8000 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे लेंथ में वृत्त 0.1 पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे क्या आएगा 1 के बाद एक जीरो यानी कि 10 और ये वाला जीरो की फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगी इस जीरो से ये जीरो कैंसिल तो 800 1 क्या होगा 800 यानी कि हाँ 8000 लेंथ और 0.1 0.1 मीटर वृत्त से 800 मीटर स्क्वायर का एरिया बन रहा है जैसा कि इनको चाहिए था और उससे जो हमारा पैरामीटर यानी बाउंड्री निकल के आ रही है वो सिक्सटीन थाउजेंड पॉइंट टू मीटर्स की बाउंड्री मिल रही है यानी कि सोलह हजार टू मीटर्स का वायर उसको सोने का मिलने वाला है तो अब तो वो यही कहेगा कि मेरे को ऐसा इतना वायर चाहिए क्योंकि इसका एरिया देखो आठ सौ मीटर स्क्वायर है और इसकी जो बाउंड्री है वो सिक्सटीन थाउजेंड पॉइंट टू मीटर्स आ रही है फिर देखते हैं क्या हुआ क्योंकि अब किंग को भी लगेगा कि इतना सारा उसे तो लगा होगा थोड़ा बहुत होगा यार जैसे कि हमने शुरू में निकाला सर 200 300 मीटर है ना पर ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया तो ये देखो गॉश हाउ केन आई गिव सो मच गोल्ड ये क्या हुआ किंग चक्कर खा के और गिर गया किंग फेंट हो गया है उसको चक्कर आ गया वो बोल रहा है ओ गौश हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड इतना सारा सोना मैं कैसे दे सकता हूँ कारपेंटर ही तो है उसने बेड ही तो बनाया है और भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर दिया है ना पर वो खुश था तो देना चाहता था पर इस बार किंकी हो गई गलती और उसने ऐसा उसने ट्रिक दे दी उसको कि वहां अनार ने अपनी चतुराई स्मार्टनेस दिखाई और खूब सारा वायर मांग लिया तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किंग कि को चक्कर क्यों आया था क्योंकि वो meters का गोल्ड वायर मांग रहा था अनार किंग से सो so, देखिए क्या लिखा है और सो so देख फिर वह चक्कर खा के गिर गया पता नहीं क्या हुआ उसको मिला गोल्ड वायर या नहीं बट किंग ने कहा था तो देना तो पड़ा होगा लिखा हुआ है आगे कैन यू मेक अ रेक्टेंगल विथ अलग बाउंड्री क्या आप कोई रेक्टेंगल बना सकते हो जिसकी इससे भी ज्यादा लॉन्ग यानी कि एक ऐसा रेक्टेंगल जो अस्सी हजार मीटर क्या हो लंबा हो और सिर्फ एक सेंटीमीटर क्या हो चौड़ा हो सो इमेजिन हाउ लॉन्ग दैट बाउंड्री विल बी विद मच गोल्ड आई कैन बिकम बिकम द किंग यानी कि अब क्या है अगर मैं चाहती ना अगर मैं होती अनार की जगह तो मैं कैसा बनाती एट्टी थाउजेंड मीटर लंबा और कितना चौड़ा सिर्फ एक सेंटीमीटर एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर होते हैं यानी एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे वन अपॉन हंड्रेड मीटर इसका मतलब ज़ीरो पॉइंट जीरो वन मीटर दैट मीन्स मेरी जो वृत्त होती वो क्या लेती मीटर्स के बराबर. हजार मीटर लंबा, एक मैं जीरो मतलब पॉइंट और उसमें हमें क्या करना है सौ हिस्सों में डिवाइड करें तो उसका एक हिस्सा तो इसमें बहुत बड़ा 80,000 प्लस 80,000 प्लस जीरो पॉइंट जीरो बहुत बड़ा हो जाएगा पर इसी के साथ हो गया हमारा चैप्टर खत्म चैप्टर so, खत्म हो गया इसके बाद नया चैप्टर हम जो शुरू करेंगे दैट इज स्मार्ट चार्ट उसको हम करेंगे अगली क्लास से शुरू टिल देंड कीप स्टिंग थैंक यू सो मच